हेलो बच्चों क्या हाल चाल कैसा हिंदुस्तान और मेरे हिंदुस्तान के प्यारे प्यारे बच्चों कैसे हो आप सभी लोग नमस्कार स्वागत और अभिनंदन करता हूं आप सभी लोगों का कैसे हो आप सभी लोग क्या हाल चाल है खूब मस्त खूब मस्त हो खूब बेहतरीन हो खूब मन लगा के पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही फटाफट से एक बार बता दो आवाज़ क्लियर है मेरी आवाज़ साफ सुनाई दे रही है मैं दिखाई दे रहा हूँ कि नहीं दिखाई दे रहा हूँ ऑडियो वीडियो क्लियर है कि नहीं है ऑडियो वीडियो और क्लियर है तो फटाफट से एक बार थम्स को आप करें और छोटे छोटे दिल बना के भेज दें छोटे छोटे अपने छोटे छोटे फोर हार्ट को बना करके भेज दें फटाफट से शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन सेशन स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपका ये जुलॉजी मास्टर आप सभी लोगों का स्वागत करता है नीट के इस महासंग्राम में एक प्रचंड बैच के साथ एक प्रचंड चैप्टर की शुरुआत के साथ हेलो 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 क्या हाल चाल क्या हाल चाल बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया मैं आपको दिखाई दे रहा हूं सुनाई दे रहा हूं बहुत बढ़िया मैं दिखाई दे रहा हूं ना बच्चों बताएंगे सभी लोग तैयार हैं पढ़ने के लिए ऑडियो वीडियो बिल्कुल क्लियर है कि नहीं क्लियर है फटाफट से बता दे शुरू करते हैं आज का बेहतरीन सेशन ढिंक चिका ढिंक चिका ढिंक चिका ए ए ए, ए शुरू करते हैं आज का ढिंक चिका आज का ढिंक चिका शुरू करते हैं ढिंक चिका ढिंक चिका शुरू करते हैं और आज का खेला होने वाला है रोमांचक बहुत कुछ है बेटा आज की पोटली में आज बाबा की पोटली में बहुत कुछ है और आज की क्लास में बता दूं बच्चे बूढ़े और जवान बच्चे बूढ़े हों या हो जवान उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है जितने भी लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं दिल से नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है सेशन जोक्स अपार्ट बेटा मजाक अपनी जगह है सीरियस हो जाते हैं आज की क्लास में बेटा बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस होने वाले हैं नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से आज पूरा का पूरा डिस्कशन होने वाला है बाबू आज का पूरा डिस्कशन नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से होने वाला है आज का चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्लास ट्वेल्थ के सिलेबस का पहला चैप्टर है और इसकी शुरुआत होने वाली है बहुत कुछ है पिटारे में एक एक बात होगी एन की हर वो क्वेश्चन होंगे जो पिछले दस साल में नीट में पूछे गए होंगे बारह साल में नीट में पूछे गए होंगे सारी बातें होंगी डिटेल में चर्चा करेंगे बेसिक से पढ़ेंगे और एक किसी इंसान को जिसको रिप्रोडक्शन समझना होगा उसको हर बात समझ में आ जाएगी शुरू करें तैयार हैं सभी लोग तैयार हैं सभी लोग शुरू करते हैं मजा आएगा हाँ, हाँ मजा आएगा है छोरे मजा काहे नहीं आएगा मजा तुमको बहुत आएगा तुम्हारे मजे के लिए ही तो यहाँ आए हैं पूरा मजा लेंगे नीट की तैयारी के लिए एक 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 बात पढ़ेंगे हर बात छोटी छोटी क्लियर हो जाएगा ये मैं गारंटी ले सकता हूं बेटा कि इस चैप्टर में आपके कोई डाउट नहीं रह जाएंगे नीट पॉइंट ऑफ व्यू से आपके इस चैप्टर के कोई डाउट नहीं है दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी प्रचंड बैच के इस शुभारंभ पे इस आरंभ पे जहां हमारी शुरुआत क्लास ट्वेल्थ के सिलेबस की होगी पूरा का पूरा क्लास ट्वेल्थ का सिलेबस डिटेल में पढ़ेंगे हर एक बात डिस्कस करेंगे कोई भी चीज मिस हुई होगी अगर आपसे बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनके बैकलॉग्स होंगे बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने पढ़ा नहीं होगा बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको इसका बेसिक नहीं क्लियर होगा बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको इसकी बेसिक चीज़ें नहीं आती होंगी जो पहली बार पढ़ रहे होंगे बहुत सारे बच्चे पढ़ चुके होंगे आज सबके लिए मसाला है पढ़ चुके बच्चों के लिए रिवीजन है और जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है जिन्होंने शुरुआत नहीं करी है उनके लिए भी ये टॉपिक होगा बेसिक से पढ़ेंगे टॉप तक जाएंगे ठीक है बेटा जी शुरू करते हैं शुरू करते हैं शुरू करते हैं आज का भगड़ा शुरू करते हैं भाई साहब बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन जहां पे आज इस चैप्टर में डिटेल में हम पढ़ेंगे डिटेल में शुरू करेंगे बस 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 सब कुछ पढ़ेंगे सब कुछ पढ़ेंगे बेटा सब कुछ पढ़ेंगे घबराओ नहीं घबराने का नहीं बहुत कुछ पढ़ेंगे शुरू करते हैं ई देखो ई देखो यहाँ पे यहाँ पे जो हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में जो मेन मेन आज के जो चैप्टर को हम डिवाइड कर सकते हैं इसको छोटी छोटी सब यूनिट में डिवाइड कर सकते हैं छोटी छोटी सब यूनिट में डिवाइड कर सकते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसके पहले ये चार पार्ट हैं देखें पहले ये मेजर चार पार्ट हैं यहाँ से शुरू करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फिर होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फिर होगा गैमेटोजेनेसिस, फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल ये हम पढ़ेंगे पार्ट वन में ये हम पढ़ेंगे पार्ट वन में पढ़ेंगे बाबू कब पढ़ेंगे पार्ट वन उसके बाद लेंगे छोटू सा ब्रेक छोटा सा कॉमर्शियल ब्रेक लेंगे क्या लेंगे इतू सा छोटा सा कॉमर्शियल ब्रेक लेंगे ठीक है जी ठीक है जी और उसके बाद उसके बाद हमारा रिप्रोडक्शन का पार्ट टू शुरू होगा जहां नन्ना मुन्ना बच्चा हमारी गोद में खेलेगा जहां हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन की जहां बात होगी इम्प्लांटेशन की जहां होगा प्रेगनेंसी और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट और जन्म लेगा एक नन्ना मुन्ना बच्चा नन्ना मुन्ना बच्चा और लगाएंगे बहुत सारे सवाल आप लोगों के लिए सवाल पी के फॉर्म में और बहुत सारे क्वेश्चन जो इन टॉपिक से आ सकते हैं उनके बारे में बात होगी आज छोटा सा बच्चा हमारे बीच आने वाला है नौ महीने का खेला नौ महीने का खेला आज छह घंटे की क्लास में हो जाएगा नौ महीने का खेला आज छह घंटे की क्लास में हो जाएगा भाई साहब क्लास में हो जाएगा शुरू करें शुरू हो जाए खेला शुरू कर ले अरे भाई लड़का होगा कि लड़की होगी तो बाद में डिसाइड करेंगे ये तो बाद में डिसाइड करेंगे ये स्पर्म के क्रोमोजोम एक्स और वाई से डिसाइड होगा कि हमारे बीच लड़का आएगा कि लड़की आएगी हमारे घर क्या होने वाला है लड़का आया है या लड़की आई है ये बाद में बात होगी अभी तो शुरुआत कर ली जाए पहले इस प्रोसेस की शुरुआत कर ली जाए कंसेप्चुअल होगा बेटा जी पूरा का पूरा कंसेप्चुअल होगा जो जो भी आर्मी यहां पे आई है लव यू करता हूं मैं लव यू करता हूं मेरा बच्चा है तो लव यू कोई भी आर्मी यहां पे आई हुई है सभी लोगों को प्रणाम करता हूं नमस्कार करता हूं आप क्लास करो मज़े आएंगे आपको सारी आर्मीज़ को नोट्स आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं नहीं बनाना चाहते तो नहीं बना सकते मज़ा पूरा आने वाला है पूरा रिप्रोडक्शन का प्रोसेस यहीं कराएंगे इसी क्लास में कराएंगे इसी क्लास में कराएंगे और आज रिप्रोडक्शन का मैंने कहा ये पार्ट टू होगा और उसके पहले पार्ट वन था इस कहानी में पार्ट वन और पार्ट टू शुरू करते हैं ये देखो आते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन पे शांत हो जाएं सभी लोग शांत हो जाएं सभी लोग एकदम शांति 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 ओम शांति 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 तो देखें सभी लोग मेरा बच्चा है तो सभी लोग मेरा बच्चा है नवीन मेरा बच्चा है तू तो, रॉयल जाट मेरा बच्चा है तू तो, विशाल मेरा बच्चा है तू तो, ऑल स्टूडेंट जितने लोग यहाँ पे आए हैं सभी लोग मेरा बच्चा है तू चलो देखते हैं ये जो कहानी है इंट्रोडक्शन जब बात होती है ह्यूमन रिप्रोडक्शन की जब बात होती है ह्यूमन रिप्रोडक्शन की तो सबसे पहले ये समझें कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन का जो पूरा प्रोसेस है ध्यान से सुनेंगे डिटेल में सुनेंगे एक एक बात सुनेंगे बहुत आराम से सुनेंगे इतमिन से सुनेंगे कोई जल्दी नहीं है नौ महीने का काम नौ महीने का काम हम आराम से करेंगे आज की छः घंटे की क्लास में ये सारा खेला नौ महीने का टाइम पूरा कंप्लीट हो जाएगा एकदम शांति से शांति से सुनेंगे हे हे हैश ह्यूमन रिप्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं तो ह्यूमन बीइंग्स बेटा इस धरती के सबसे बेहतरीन सबसे टॉप मोस्ट क्रीचर हैं एनिमल किंगडम के टॉप मोस्ट क्रीचर कहे जाते हैं ह्यूमन बींग्स और ह्यूमन बींग्स में रिप्रोडक्शन ये दो शब्दों से मिलके बना हुआ है रिप्रोडक्शन का मतलब होता है री प्लस प्रोडक्शन ये किससे बना हुआ है री प्लस प्रोडक्शन से मिलके बना हुआ है और ये जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है इसका मतलब होता है कोई भी स्पीशीज़ अपनी कॉन्टीन्यूटी मेंटेन करती है अगर आपसे कोई पूछता है रिप्रोडक्शन क्यों इसेंशियल है वाई रिप्रोडक्शन इज इसेंशियल तो आप बताओगे रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज क्या कहते हैं बेटा जी इसे कहते हैं कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज स्पीशीज की कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए हर ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करना पड़ता है अपनी प्रोजनी प्रोड्यूस करनी पड़ती है हर ऑर्गेनिज्म को अपनी प्रोजनी प्रोड्यूस करनी पड़ती है अपनी प्रोजनी इसलिए वो प्रोड्यूस करता है क्योंकि वो रिप्रोड्यूस करके अपने जीन पूल को यहीं छोड़ जाएगा उसकी लाइफ आज है कल नहीं है लाइफ स्पैन लिमिटेड है लाइफ स्पैन ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म इज लिमिटेड हर ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन लिमिटेड है तो मरने के बाद उसके मरने के बाद कौन होगा जो उसके स्पीशीज की क्वान्यूटी को मेंटेन रखेगा ध्यान से सुने जब हम जिंदा हैं एक इंडिविजुअल के जिंदा रहने के लिए खाना चाहिए पीना चाहिए रहना चाहिए सब कुछ चाहिए लेकिन डेथ डेथ के बाद कौन रहेगा? कौन रहेगा रहेगा आफ्टर उसकी स्पीशीज का सर्वाइवल मेंटेन करेगा रिप्रोडक्शन तो रिप्रोडक्शन इन मेंटेनिंग द ऑफ क्वाज एंडश्योर द क्वान्यूटी ऑफ स्पीशीज रह गई ह्यूमन बींग्स की बात तो ह्यूमन के केस में जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है बेटा जी ह्यूमन के केस में रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है वो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ह्यूमन बीइंग का रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होता है और ह्यूमन बीइंग्स वीवी पैरस होते हैं कैसे होते हैं वीवी पैरस होते हैं तो पॉइंट क्या कहता है हमने ये सब हम सब जानते हैं आप सभी लोग जानते हो महान बच्चे हो धरती के बेहतरीन बच्चे हो नीट क्रैक करने जा रहे हो आने वाले भविष्य के डॉक्टर हो आप सभी लोग आप सभी लोग ये बात जानते हो कि ह्यूमन बीइंग्स में रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होती है गैमीट का फॉर्मेशन होता होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब जहां सेक्सेस इन्वॉल्व होते हैं और वीवी वी पैरिटी का मतलब होता है जो अपने बच्चों को बर्थ देते हैं दे गिव बर्थ टू यंग वंस क्या करते हैं दे गिव बर्थ टू यंग वंस क्या करते हैं गिव बर्थ टू यंग वंस ये बच्चों को पैदा करते हैं जन्म देते हैं ये तो पहला पॉइंट कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज को मेंटेन करने में रिप्रोडक्शन सा हेल्प करता है दूसरा पॉइंट ह्यूमंस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है और ह्यूमंस वीवी पैरस होते हैं कैसे होते हैं ह्यूमंस जो होते हैं वो वीवी पैरस होते हैं ह्यूमन में वीवी पैरिटी पाई जाती है ठीक है जी अब देखें अब कह रहे हैं इस पूरे प्रोसेस को होने के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को होने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं ये देखें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पूरा प्रोसेस जो होता है इसमें कुछ इम्पोर्टेंट स्टेप्स होते हैं ये इम्पोर्टेंट स्टेप्स जो होते हैं ये देखें ये इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं आपके सामने जी टी एफ डी आई जी पी क्या है ये जी टी एफ डी आई जी पी है ये कैसे याद कर लिया कैसे याद कर लिया ये देखें जी टी एफ डी आई डी पी का मतलब होता है जी 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 भाई जी कौन है ये ये गोबर है मिस्टर गोबर कुमार हैं ध्यान से सुने ये है जी और ये है टी G T F ये देखें हमने नाम लिखा गोलू त्रिपाठी गोलू त्रिपाठी हैं गोलू त्रिपाठी जो हैं वो फिर से फिर से डीआईजी बन गई डायरेक्टर जनरल बन गई डायरेक्टर इन जनरल बन गई डायरेक्टर इंस्पेक्टर जनरल बन गई डीआईजी ऑफ पुलिस बन गई और उसके बाद खूब सारी पार्टी हुई क्या हुई खूब सारी पार्टी करी इन्होंने ये देखें ये देखें कह रहे हैं गोलू त्रिपाठी फिर से डीआईजी बन गई डीआईजी ऑफ पुलिस बन गई डी बन गई पुलिस में पुलिस हेड क्वार्टर में डीआईजी बन गई और उन्होंने खूब सारी पार्टी करी खूब सारी पार्टी करी गोलू त्रिपाठी ने किसने गोलू त्रिपाठी ने खूब सारी पार्टी करी है अभी गोलू त्रिपाठी कौन है गोलू हैं गैमिटोजेनेसिस कौन है गैमिटो जेनेसिस गोलू है गैमिटोजेनेसिस त्रिपाठी कौन है ये है ट्रांसफर ऑफ गैमीट क्या होता है इसे कहते हैं ट्रांसफ़र ऑफ गैमीट स्पर्म्स की बात होती है फर्टिलाइजेशन करने के लिए और फिर होता है गैमीट्स का फ्यूजन क्या होता है फ्यूज़न फ्यूज़न ऑफ गैमीट्स होता है सिन गैमी होती है जहाँ फर्टिलाइजेशन पूरा होता है जिसे हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन फ्यूज़न ऑफ गैमिट्स जिसकी वजह से यहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन होता है जाइगोट बनता है और फिर डी फॉर यहाँ पे डेवलपमेंट क्या होता है डेवलपमेंट होता है ऑफ ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है ब्लास्टोसिस्ट का डेवलपमेंट होता है फिर होता है इम्प्लांटेशन क्या होता है इम्प्लांटेशन होता है इम्प्लांटेशन का मतलब होता है अटैचमेंट क्या होता है बेटा जी अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट क्या कहते हैं इसको अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट विद यूटेराइन वॉल किससे होता है विद यूटेराइन वॉल यूटरस की वॉल से इसकी अटैचमेंट होती है और फिर होता है क्या होता है गैस्टेशन होता है जिसे प्रेगनेंसी कहते हैं गेस्टेशन होता है जिसे प्रेगनेंसी कहते हैं जिस टाइम पीरियड को फ्रॉम इम्प्लांटेशन अगर हम इसे प्रेगनेंसी से रिलेट करें तो इम्प्लांटेशन से लेकर के चाइल्ड बर्थ तक का टाइम होता है गेस्टेशन और पार्टी होती है उसे कहते हैं पारचूरिशन पारचूरीशन जिसे कहा जाता है चाइल्ड बर्थ क्या कहते हैं चाइल्ड बर्थ तो आप देखेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है बेटा जी ह्यूमन रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में गैमिटोजेनेसिस गोलू से शुरू होता है गोलू से शुरू होता है गैमिटोजेनेसिस ट्रांसफर ऑफ गैमिट्स जब मेल अपने गैमिट को फीमेल बॉडी में ट्रांसफर करता है उसे कहते हैं ट्रांसफर ऑफ गैमिट्स इसे कहते हैं इनसेमिनेशन क्या कहते हैं इसे कहते हैं इनसेमिनेशन क्या कहते हैं इन सेमिनेशन कहते हैं और फिर आता है फ्यूजन ऑफ गैमिट्स फर्टिलाइजेशन फिर आता है डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट ब्लास्टोसिस्ट का डेवलपमेंट जाइगोड धीरे 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 ब्लास्टोसिस्ट बनाता है फिर अटैचमेंट होती है ब्लास्टोसिस्ट की यूट्रस की वॉल से और फिर होता है एम्ब्रियोनिक पीरियड में प्रेगनेंसी शुरू होती है जिसे गेस्टेशन पीरियड कहा जाता है और फाइनली पार्चुरिशन होता है चाइल्ड बर्थ होता है नन्ना मुन्ना बच्चा खेलने आता है गोद में और गोद में किलकारियां मारता है ए ए, ए बोलो बोलो इतना बात समझ में आया मैंने क्या बताया आपको ह्यूमंस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ह्यूमंस में वी, वी पैरिटी पाई जाती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ये सारी कहानी ये स्टेप्स हैं ये है पार्टी ये है पार्चुरिशन, ये है पार्चुरिशन, ये होता है जन्म तो एक छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे को हमारे बीच में लाने के लिए इतना सारा कांड किया जाता है देखो सात स्टेप हैं टोटल एक दुई तीन चार पाँच छः सात सात सुर हैं सात सरो का संगम है सात जन्म होते हैं सात समंदर होते हैं और ये सात स्टेप होता है मतलब इस धरती पर एक बेबी क्रिएट करना सात जन्मों के बराबर एक पुण्य का काम है भाई साहब एक पुण्य का काम है ह्यूमन बीइंग्स बच्चे पैदा करते हैं कुछ दूसरे जानवरों की बात करें फ्रॉग्स बर्ड्स रेप्टाइल्स ये सब अंडे देने वाले होते हैं ओ कहते हैं क्या कहते हैं ओविपैरस पैरस कहते हैं स को वि पैरस कहा जाता है हम लोग बच्चे पैदा करते हैं हम लोग वि पैरस होते हैं ह्यूमन्स आर विवी पैरस और फ्रॉग जो होता है चिड़िया जो होती है वो अंडे देती है उसको ओवी पैरस कहते हैं बोलो समझ आया कि नहीं आया बोलो समझ आया कि नहीं आया तो जल्दी से समझ आया तो समझ आया तो जल्दी से बताएंगे और बोलेंगे गाओ ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम बोलो भाई समझ आया समझ आया समझ आया समझ आया भाई साहब बहुत सवाल होने वाले हैं आज की क्लास में ह्यूमन रिप्रोडक्शन का एक एक टॉपिक एकदम फाड़ू एकदम खोल खोल के समझाऊंगा, एक एक बात समझाऊंगा। पेशेंस से बैठे रहना दिल लगा के बैठे रहना एकदम मज़े से बैठे रहना हर बात को समझेंगे दिल लगा के हर एक बात डिस्कस होगी भाई साहब बस आप लोग अपना प्रेम बना के बैठे रहना कुर्सी की पेटी बांध के रखना और बीच बीच में दिल मोहब्बत प्यार सारा भेजते रहना उड़ेलते रहना अपना क्योंकि क्योंकि गाना तो हम भी सुना सकते हैं गाना हम भी सुनाएंगे लेकिन हमें जुलोजी के सब्जेक्ट के गाने से ज़्यादा प्यार और किसी गाने से नहीं है जुलोजी के गाने से ज्यादा प्यार और किसी गाने से नहीं है बाकी जनता की जो राय होगी जनता जनार्दन की जो राय होगी गाने हम भी सुना देंगे एंटरटेनमेंट हम भी कर देंगे साइकिल हम भी चला देंगे दौड़ के हम भी आ जाएंगे ठीक है जी चलो चलो भाई साहब टेंशन ना लेने का टेंशन नहीं लेने का हाई टेंशन नहीं लेने का हाई शुरू करते अब इस पूरे प्रोसेस को डिटेल में पढ़ने के लिए सभी लोग तैयार इस कहानी को इस कहानी को पढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार रिप्रोडक्शन के बारे में जानने को बिल्कुल तैयार है कि नहीं हमारा बच्चा बच्चा पार्टी रिप्रोडक्शन को समझने के लिए पूरी तरह से तैयार है कि नहीं तैयार है बताएगा मेरा बच्चा रेडी है रेडी है बिल्कुल बढ़िया बिल्कुल बढ़िया ये देखें शुरुआत करेंगे सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से हम बात करेंगे सबसे पहले जैसे कि मैंने कहा रिप्रोडक्शन ध्यान से सुनेंगे सभी लोग रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है रिप्रोडक्शन एक फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक होती है बेसिक प्रोसेस है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए हैव दिस बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी बेसिक फंडामेंटल बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी। तो बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स की हम बात करते हैं तो उनकी बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है रिप्रोडक्शन और ये रिप्रोडक्शन चाहे सेक्शुअल हो चाहे असेक्शुअल हो पर्पज़ है कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज़ को मेंटेन करना लेकिन अगर हम सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बेटा सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ऐसा रिप्रोडक्शन है कि ऑर्गेनिजम्स का सेक्स इन्वॉल्व होता है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा रिप्रोडक्शन है जहां सेक्सेस इन्वॉल्व होते हैं केस ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन अगर हम बात करते हैं सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की तो वहां पे इन्वॉल्व होते हैं सेक्सेस कौन इन्वॉल्व होता है सेक्सेस आर इन्वॉल्व सेक्सेस आर इन्वॉल्व सेक्स इन्वाल्ड होते हैं सेक्स ऑर्गन्स इन्वाल्ड होते हैं स्पर्म और ओवा इन्वॉल्व होते हैं क्या होते हैं स्पर्म और ओवा इन्वाल्व होते हैं सेक्सेज इन्वॉल्व होते हैं और सेक्सेस इन्वॉल्व होने का मतलब यहाँ पे मेल और फीमेल याद रखेंगे ह्यूमंस के केस में अगर हम बात करते हैं अगर हम ह्यूमंस के केस में बात करते हैं ध्यान से लिखेंगे जितने लोग नोट्स बनाना चाहते हैं जितने लोग नोट्स बनाना चाहते हैं बनाए नहीं कोई जरूरत नहीं है आपको इस टाइम पे बातों को समझने और सुनने की जरूरत है ठीक है बातों को ध्यान से सुने और समझें क्वेश्चन अभी जब करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस पे आप फोकस करेंगे ठीक है जी आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस पे फोकस करेंगे आप ज़्यादा लिखने पे फोकस नहीं करेंगे आप ज़्यादातर चीज़ें जानते हैं लेकिन हाँ जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं जो लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं वो लोग चाहें तो लिख सकते हैं वो लोग चाहें तो नोट्स बना सकते हैं जो लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं वो लोग नोट्स बना सकते हैं लेकिन जो लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी जो रिवाइज करने बैठे हैं वो केवल सुने ध्यान से क्वेश्चन प्रैक्टिस जब करेंगे हर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे तो आप सभी लोग उन क्वेश्चन पर फोकस करेंगे लव यू लव यू डॉक्टर सैम आई लव यू टू ऑल्सो लव यू टू मेरा बच्चा है तो सेक्सेस आर इन्वॉल्व की अगर हम बात करें तो ध्यान से सुने इन ह्यूमंस इन ह्यूमंस इन ह्यूमंस सेक्शुअल डायामोरफिजम होती है क्या होती है सेक्शुअल डायामोरफिजम पाई जाती है मेल और फीमेल को एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है जरा बताएगा कोई व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेक्शुअल डायमोरफिज्म सेक्शुअल डायमोरफिज्म की मीनिंग बताएंगे सेक्सुअल डायमोरफिज्म की मीनिंग बताएंगे कितने लोग जानते हैं सेक्सुअल डायमोरफिजम का मतलब सेक्सुअल डायमोरफिजम का मतलब कितने लोग जानते हैं जरा बात करेंगे सेक्सुअल डायमोरफिजम का मतलब क्या होता है थोड़ा बड़ा लिखो थोड़ा बड़ा लिखो थोड़ा बड़ा लिखो ये मैंने लिख दिया थोड़ा और ये लिख दिया बड़ा थोड़ा बड़ा लिखो मैंने लिख दिया थोड़ा बड़ा जल्दी बताएंगे सेक्सुअल डायमोरफिजम का मतलब क्या होता है बच्चे कह रहे हैं हैविंग डिफरेंट सेक्सेस हैविंग डिफरेंट सेक्सेस को सेक्सुअल डायमोरफिजम कहते हैं क्या ये सही जवाब है क्या ये सही जवाब है बिल्कुल भी नहीं ध्यान से सुने सेक्सेज सेपरेट का मतलब हाँ जी मेल एंड फीमेल कैन बी बहुत बढ़िया बहुत सारे बच्चों ने जवाब दिया है सही जवाब दिया है सेक्सुअल डायमोरफिजम का सही मतलब अगर आप देखोगे सही मतलब देखोगे तो सेक्सेज आर सेपरेट क्या होते हैं सेक्सेज आर सेपरेट सेक्सेज आर सेपरेट एंड एंड मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट क्या मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट सेक्सेस सेपरेट एंड मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट जिनको आंखों से देख के बताया जा सकता है कौन लड़का है कौन लड़की है आप अपनी आंखों से देख के बता सकते हो कि हुई इज बॉय हुई इज गर्ल ध्यान रखेंगे कि सेक्सेस सेपरेट एंड मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट मेल और फीमेल अलग अलग सेक्सेस होते हैं और देख के पहचाने जा सकते हैं अपनी आँखों से देख करके पहचाने जा सकते हैं ये है लड़की और ये है लड़का लड़के और लड़कों की लड़की और लड़के के एक्सटर्नल जेनाइटल्स के बेसिस हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के बेसिस पे डिफरेंशिएट कर सकते हैं ध्यान रखेंगे अगर हम बात करते हैं मेल और फीमेल्स के केस में आप देखोगे बहुत सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम हैं नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स सेम है 46 सिक्स क्रोमोजोम्स होते हैं नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स लेकिन सेक्स क्रोमोजोम का जो डिफरेंस होता है उसी वजह से लड़का और लड़की एक दूसरे से अलग अलग होते हैं लड़का और लड़की में पूरा का पूरा सिस्टम आप देखें ऑलमोस्ट एक जैसा ही है बस बेसिक डिफरेंसेस उनके बीच में पाए जाते हैं सेक्सेस दोनों के वेल डेवलप्ड होते हैं प्यूबर्टी आने के बाद लेकिन उनमें कुछ चीज़ें बेसिक डिफरेंस होती हैं मेल के रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में और फीमेल के रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में कुछ डिफरेंसेस होते हैं जो हम आगे पढ़ने वाले हैं जैसे मेल्स में स्पर्म पूरी जिंदगी बनता रहता है फीमेल्स में एक एज के बाद ओवम फॉर्मेशन स्टॉप हो जाता है मेल्स में स्पर्म पूरी ज़िंदगी बनता रहता है फीमेल में ओवम का प्रोडक्शन एक टाइम के बाद बंद हो जाता है बट बेसिकली दोनों में ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब डेवलप होते हैं तो दोनों ही वेल well डेवलप्ड होते हैं याद रखेंगे सेक्स सेपरेट इन मेल्स एंड फीमेल्स द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो मेल का और फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है जो मेल का और फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है बेटा जी रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है इज वेल डेवलप्ड आफ्टर द एज ऑफ प्यूबर्टी वेल डेवलप्ड होता है आफ्टर द एज ऑफ प्यूबर्टी आफ्टर द एज ऑफ प्यूबर्टी तो प्यूबर्टी के बाद मेल और फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो वेल well डेवलप्ड होता है क्या होता है बताएंगे आप सभी लोग प्यूबर्टी क्या होती है जल्दी से बताएं प्यूबर्टी क्या होती है अगला सवाल नया सवाल मार्केट में फिर से आ चुका है हमारे बीच में एक नया सवाल आ चुका है व्हाट इज प्यूबर्टी प्यूबर्टी किसे कहते हैं प्यूबर्टी क्या होती है प्यूबर्टी शैशवावस्था किशोरावस्था कह रहे हैं शिशु से किशोर बनने लगे हैं बच्चे जवान होने लगे हैं बच्चे अब जवान होने लगे हैं बच्चों के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होने लगे हैं अटेनमेंट ऑफ सेक्शुअल मैच्योरिटी जिस फेज में द फेज ऑफ फेज ऑफ डेवलपिंग फेज ऑफ डेवलपिंग सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स कौन से कैरेक्टर्स सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट होना कैरेक्टर्स इन इधर मेल और फीमेल्स मादा में लड़का और लड़की में लड़के और लड़की बॉयज और गर्ल्स में जब सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स डेवलप होने लगते हैं बॉयज के शरीर पे हेयर्स का ग्रोथ शुरू हो जाता है एक्सेसिव हेयर कंधे चौड़े सीना चौड़ा कंधे चौड़े सीना चौड़ा टेस्टोस्टेरोन का लेवल जब बढ़ने लगता है दाढ़ी मूँह आने लगती है वो एज होती है मेल्स के लिए प्यूबर्टी की जो 13 से 16 साल की उम्र होती है और फीमेल्स के केस में वही कहानी जस्ट अपोजिट अगर आप देखोगे फीमेल्स के केस में कंधा नैरो शोल्डर नैरो होता है और ब्रेस्ट ग्लैंड का डेवलपमेंट मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से डेवलप होने लगते हैं प्रॉपर फंक्शनल होने लगते हैं वॉयस फीमेल की फीमेल गर्लिश गर्लिश वॉयस और बॉयस की वॉयस बॉय जैसी होने लगती है गर्ल की तो गर्लिश वॉयस होती है सुरीली आवाज़ होती है लता लता दीदी वाली आवाज़ होती है लता दीदी वाली आवाज आवाज होती होती है, है। बहुत प्यारी आवाज होती है। और पुरुषों की आवाज जो होती है हमारे रफी साहब वाली होती है पुरुषों की आवाज हमारे किशोर दा वाली होती है पुरुषों की आवाज हमारे पुरुषों वाली होती है तो भाइयों और बहनों भाइयों और उनकी बहनों पुरुष और महिला की ये जो आवाज है ये जो डिफरेंस आता है वो एंड्रोजेंस की वजह से आता है और ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होता है मेल्स में वॉयस की पिच में इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूं खाली इन मेल्स इन मेल्स वोकल सैक एनलार्ज कर जाता है क्या हो जाता है वोकल सैक जो वोकल कॉर्ड में होता है स्पेस वोकल सैक एनलार्ज हो जाता है और उसी वजह से वॉइस की पिच लो हो जाती है लो पिचड वॉइस हो जाती है मेल्स में वॉयस की पिच लो हो जाती है और फीमेल्स में वॉइस की पिच नॉर्मल रहती है मतलब जैसे छोटे बच्चे की होती है वैसे फीमेल की होती है फीमेल में वॉइस चेंज नहीं होता इन फीमेल्स हाई पिच ऑफ वॉइस कैसी होती है हाई पिच ऑफ वॉइस होती है बाबू तो ये बेसिक चीज़ है आपको ये जाननी चाहिए बस बाकी डिटेल में तो जानने की कुछ ज़रूरत ही नहीं है ज़रूरत ही नहीं है इन जनरल आपको जानना इन जनरल आपको समझना है ठीक है तो देखेंगे मेल्स के केस में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं फीमेल के केस में सेकेंडरी सेक्शुअल कैरे कह रहे हैं प्यूबर्टी आने के बाद ये सारी चीज़ें होती हैं लेकिन साथ ही साथ उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी वेल डेवलप्ड हो जाते हैं उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी वेल well डेवलप्ड हो जाते हैं और आप लिखेंगे द रिप्रोडक्टिव सिस्टम अब मेल हो या फीमेल हो रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो मेल और फीमेल का होता है दैट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स इसे दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं एक होता है जिसे कहते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और दूसरा होता है जिसे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं एक होता है जिसे कहते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स और दूसरा होता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स तो प्राइमरी हो गया और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स ये दो तरह के ऑर्गन्स पाए जाते हैं मेल्स और फीमेल्स में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स वो होते हैं जो होते हैं सोर्स ऑफ सोर्स ऑफ सेक्स हॉर्मोन्स ये क्या होते हैं ये सेक्स हॉर्मोन्स का सोर्स होते हैं यही वो हॉमोन्स यही वो ऑर्गेन्स है जिनसे सेक्स हॉर्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं यही वो हॉर्मोन्स होते हैं जिससे मेल्स में, में मेलनेस आने लगती है लड़के जब जवान होते हैं तो लड़कों का माइंड सेट कैसा होने लगता है आप सब तो फील कर ही चुके होंगे हार्मोन का जो चेंज है ना वो जो अदाएं आने लगती हैं ना जो मेल वाली मेल में और फीमेल वाली अदाएं फ़ीमेल में आने लगती हैं वो जो अदाएं आती हैं फ़ीमेल और मेल में वो इन्हीं हॉर्मोन्स की वजह से आती हैं तो ये जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो सोर्स ऑफ सेक्स हॉर्मोन्स होते हैं और यहीं पे गैमीट्स का प्रोडक्शन होता है प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स होता है गैमीट का फॉर्मेशन होता है जिस जगह पर मेल्स में टेस्टिस और फीमेल में ओवरी को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स ना तो गैमीट बनाते हैं ना तो हारमोन बनाते बट इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है अगर फीमेल्स अगर हम सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स की बात करें तो दिस हेल्प्स हेल्प्स इन गैमीट ट्रांसफर किसमें हेल्प करता है बेटा ये ये हेल्प हेल्प करता करता है है ट्रांसफर में साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन में ये हेल्प करता है फर्टिलाइजेशन में ये हेल्प करता है इंप्लांटेशन में इम्प्लांटेशन में हेल्प करता है एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में हेल्प करता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में हेल्प करता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन और उसके बाद चाइल्ड बर्थ या पार्चुरेशन में हेल्प करता है लेकिन ये ना तो हार्मोन प्रोड्यूस करता है ना तो गैमीट बनाता है ना तो ये हार्मोन प्रोड्यूस करता है ना तो ये गैमीट बनाता है बोलो बोलो भाई समझ में आ रहा है सर इतने नीचे बहुत फ्लेक्सिबल है सर ये देखो सर बहुत फ्लेक्सिबल हैं सर ऐसे भी हो सकते हैं सर ऐसे भी हो सकते हैं सर ऐसे भी हो सकते हैं सर बहुत फ्लेक्सिबल है नीचे जाना तो सर के बाएं हाथ का खेल है देखो ये सर गायब हो जाएंगे ये लोग योगा कर सकते हैं सर इस क्लास में सर इस क्लास में योगा भी कर सकते हैं टेंशन नहीं लेने का तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है सेकेंडरी क्या है बोलो समझ आया कि नहीं आया प्राइमरी क्या है और सेकेंडरी क्या है समझ आया कि नहीं आया बोलो भाई फटाक से बताएंगे प्राइमरी क्या है सेकेंडरी क्या है जल्दी से बताएंगे समझ आया कि नहीं आया जल्दी से बताएं भाई बोलो बोलो भाई है समझ आ गया ना क्लियर है ना बढ़िया है ना हम्म हम्म हु, बच्चा तो यू लव यू लव यू तो ये जो कहानी है ये कहती है रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं अगर हम बात करें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ध्यान से सुने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये जो आप देख रहे हैं ये सारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स हैं टेस्टिस को हम कहते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स इन मेल क्या कहते हैं इसको इसे कहते हैं प्राइमरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन मेल्स क्या कहते हैं इन मेल्स कहते हैं पुरुषों में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस होता है ठीक है जी ठीक है जी ओके जी ओके जी ओके जी, ओके जी? ओके जी? और बाकी सारे जो आप देख रहे हैं ये जो डक्ट है ग्लैंड है और एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है इसे कहते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स इसे कहते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स ये ना तो गैमीट बनाएंगे ना तो हॉमोन्स बनाएंगे न तो गैमीट्स बनाएंगे न तो हॉर्मोन्स बनाएंगे लेकिन इनके बगैर रिप्रोडक्शन सक्सेसफुल नहीं हो सकता है ये ना तो गैमिट्स बनाएंगे ना हॉर्मोन्स बनाएंगे इनके बगैर रिप्रोडक्शन सक्सेसफुल नहीं हो सकता है तो अब देखें कह रहे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं मेल्स में जहाँ पे साइट ऑफ गैमिट फॉर्मेशन साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस यहीं पे स्पर्म का प्रोडक्शन होता है साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस होती है और यहीं पर एंड्रोजेंस का प्रोडक्शन होता है प्रोडक्शन ऑफ एंड्रोजेंस मेल सेक्स हॉर्मोन्स यहां पे मेल सेक्स हॉर्मोन्स एंड्रोजेंस याद रखेंगे एंड्रोजेन का मतलब होता है एंड्रस मतलब होता है मेल मेल के सेक्स हार्मोन्स की अगर हम बात करते हैं सारे ग्रुप ऑफ मेल सेक्स हार्मोन्स को कहते हैं एंड्रोजन लेकिन जो सबसे मेन एंड्रोजन होता है प्रिंसिपल एंड्रोजन होता है उसका नाम होता है टेस्टोस्टेरोन क्या कहते हैं मेन एंड्रोजन जिसे कहते हैं प्रिंसिपल एंड्रोजन जिसे कहते हैं उसका नाम होता है टेस्टोस्टेरोन टेस्टोस्टेरोन मर्द की मर्दानगी मर्द की मर्दानगी मेल का जो मेलनेस है मेल के अंदर जो एग्रेशन है मेल के अंदर जो मेल जैसी वॉयस है मेल के अंदर जो दाढ़ी मूछ का आना है मेल के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन पेनिस का डेवलपमेंट टेस्टिस का डेवलपमेंट टेस्टिस का फंक्शन इन, इन सब के लिए इन सब के लिए टेस्टोस्टेरोन जिम्मेदार है इसी हार्मोन का लोचा अगर होता है ऊपर नीचे थोड़ा हो जाए ना ऊंच नीच अगर हो जाए ना इस हार्मोन का थोड़ा ऊंच नीच हो जाए तो मेल की मेलनेस खत्म हो जाएगी फेलियर ऑफ सिक्रेशन ऑफ मेल सेक्स हार्मोन फेलियर ऑफ सीक्रेशन ऑफ मेल सेक्स हार्मोन्स मेल की मेलनेस खत्म हो जाएगी हाँ मेल की मेलनेस खत्म हो, हाँ। मेल हो जाएगी हाँ मैं आपसे बता रहा हूं रही हूं मैं आपको बता रहा हूं रही हूं कि मेल की मेलने से ही खत्म हो जाएगी हाँ मेल गया खत्म टाटा बाय बाय हो गया मेल टाटा खत्म बाय बाय हो जाएगा ये है एंड्रोजन का खेला सारी मर्दानगी इसी की है तो घमंड ना कर कि तू मेल है बेटा तू घमंड ना कर कि तू मेल है ये सारा खेल ये सारा टेस्टोस्टेरोन का खेल है घमंड ना कर तू कि मेल है सारा टेस्टोस्टेरोन का खेल है भाई साहब सारा का सारा टेस्टोस्टेरोन का खेल है ठीक है जी अगर हम बात करते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स की मैंने कहा ये ना तो गैमिट बनाएगा ना हार्मोन बनाएगा लेकिन भाई रोल बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है ये रिप्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्लेज इंपॉर्टेंट रोल प्लेज इंपॉर्टेंट रोल प्ले इन रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इसके बगैर भी रिप्रोडक्शन इसके बगैर भी रिप्रोडक्शन सक्सेसफुल नहीं हो सकती नहीं हो सकती नहीं हो सकती रिप्रोडक्शन की सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है इसका होना डक्ट सिस्टम पाई जाती है रिप्रोडक्टिव डक्ट्स हेल्प्स इन स्पर्म का ट्रांसपोर्टेशन करने में हेल्प करती हैं हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन क्या करती हैं ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पर्म्स ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स पर स्पर्म्स के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है डक्ट सिस्टम इसमें आती है रेटी टेस्टिस कौन आती है रेटी टेस्टिस जो सेवाइनी टिब्यूल से कनेक्ट होती है रेटी टेस्टिस एक होती है जिसे कहते हैं ए पी डी डायमिस ए पी डी डायमिस एक होती है ए पी डी डायमिस एक होती है वास डिफरेंस क्या कहते हैं वास एक और लिख लो क्यों जल्दबाजी करें है ना काहे बीच में स्किप करें नहीं तो कहोगे सर ने छोड़ दिया वासा ईफरेंशिया पहले हम लिखेंगे वासा ईफरेंशिया फ्रेंशिया e फिर आएगा ए पी एपी डी 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 मिस डी डी मिस दीदी है ये ये दीदी है वास डिफरेंस की दीदी है इसलिए पहले आती है वास डिफरेंस वास डिफरेंस, वास डिफरेंस फिर आता है इज डक्ट कौन आता है टरी डक्ट आती है और फिर एक कॉमन डक्ट आती है जिसे कहते हैं यूरेथरा यूरेथरा मेल्स में इसी यूरेथरा को कहते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नीट का सवाल है बेटा जी यूरिनोजेनाइटल डक्ट क्या कहते हैं यूरिनोजेनाइटल डक्ट कहते हैं ये नीट का सवाल है मजाक मजाक में एक सवाल बता देता हूं आपको यूरेथरा मेल्स के केस में यूरिनोजेनाइटल डक्ट कही जाती है ये वो डक्ट है जो स्पर्म और यूरिन दोनों कैरी करती है ये वो डक्ट है जो स्पर्म और यूरिन दोनों कैरी करती है मेल्स में ये खासियत है याद रखेंगे मेल्स के पास खाली एक ही टोटी है जिसके थ्रू स्पर्म भी जाता है यूरिन भी जाती है मेल की एक ही टोटी है और उस टोटी से केवल स्पर्म उसी टोटी से कह रहे एक ही टोटी एक ही टूटी है ये देखें ये है एक ही टूटी इस टूटी से स्पर्म भी जाता है और बेचारी यूरिन भी वहीं से पास हो रही है छीछी भी यहीं से जा रही है देखें यूरिन और सीमेन यूरिन भी यहीं से और छीछी भी यहीं से जाती है इसे कहते हैं यूरेथरा क्या कहते हैं यूरेथरा कहते हैं तो याद रखेंगे इम्पोर्टेंट सवाल है मेल्स के केस में एक टूटी स्पर्म और सीमेन सीमेन या यूरिन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए किसके लिए इस सीमेन और यूरिन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए ठीक है जी आप देखें आगे चलते हैं देखें जरा इधर कह रहे हैं ग्लैंड्स की अगर हम बात करें रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स की अगर हम बात करें एक्सेसरी ग्लैंड्स की बात करें तो मेल्स के केस में रिप्रोडक्टिव ग्लैंड होती है सेमाइनल वेसिकल कौन सी वेसिकल सेमाइनल वेसिकल होती है एक होती है जिसे कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड क्या कहते हैं बेटा जी प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं और एक होती है जिसे कहते हैं बल्ब इसे कहते हैं बल्ब बल्बो यूरेथरल बल्बो यूरेथरल इसी को काउपर्स ग्लैंड भी कहते हैं क्या कहते हैं काउपर्स ग्लैंड भी कहते हैं और एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में मेल्स के पास होता है एक्सटर्नल जेनाइटेलिया बाहर के जननांग होते हैं बाहर से दिखने वाले जननांग हैं ये बाहर से दिखने वाले जननांग होते हैं यहाँ पे और इन जननांगों का नाम है पेनिस मेल्स में एक जो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है पेनिस इसे कहते हैं कॉप्यूलेटरी ऑर्गन क्या कहते हैं इसे कहते हैं कॉप्यूलेटरी ऑर्गन और दूसरा होता है जिसे कहते हैं स्क्रोटम पाउच स्क्रोटम होता है ये पाउच होता है ये टमी की तरह होता है टमी मतलब होता है पाउच टमी टमी है ये टमी का मतलब होता है बैग लाइक -like, टमी का मतलब होता है बैग लाइक -like स्ट्रक्चर स्क्रोटम कहते हैं इतना समझ आ गया ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट समझ आ गए जल्दी से बताएंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट से समझ आ गए ये बैग लाइक like जो पाउच है स्क्रोटम यहाँ तक की बात समझ आ गई ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं नर जननांग पढ़ रहे हैं नर जनन तंत्र पढ़ रहे हैं ठीक है जी यहाँ तक समझ आ गया चित्र भी पढ़ेंगे क्या चित्र भी बनाएंगे ना बनाओगे ना चित्र मेरे साथ साथ समझोगे ना समझोगे ना चित्र वाला भी पढ़ोगे ना बच्चों बताओ हैं चित्र वाला पार्ट भी पढ़ोगे तुम लोग कि नहीं पढ़ोगे बताओ जल्दी बताओ जल्दी से बताओ जल्दी से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम के साथ पढ़ाई करेंगे कि नहीं पढ़ेंगे बोलो बोलो भाई इतना सिलो 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 कैसे हो गए आप लोग सिलो कैसे हो गए डायग्राम के साथ पढ़ेंगे हम लोग पूरा सचित्र पढ़ेंगे सब कुछ पढ़ेंगे सब कुछ पढ़ेंगे अपन लोग सब कुछ पढ़ेगा कुछ नहीं छोड़ेगा अपन लोग सब कुछ पढ़ेगा सब कुछ पढ़ेगा कुछ भी नहीं छोड़ेगा पूरा ह्यूमन रिप्रोडक्शन का एकदम डाइसेक्शन कर देगा फाट डालेगा चीट डालेगा अपन लोग अपन लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पूरा एकदम पूरा डाइसेक्शन कर डालेगा बहुत बेज्जती होने वाली है छोरों छोरियों आज 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 बात होने वाली है जरा अंदर की संभाल के बैठे हेडफोन लगा के बैठे आज अंदर की बात होने वाली है ठीक है जी जिनको शर्म आती है वो आंखें बंद करके केवल हेडफोन से सुने शर्म आने वाले लोग आंखें बंद करके हेडफोन से सुने क्लास आज की होने वाली है बिल्कुल धमाकेदार एकदम रोमांचक एकदम फाड़ू एकदम फाड़ू बवाल होने वाला है यस यस बवाल होने वाला है अंदर की बात होने वाली है बेटा जी चलो चित्र के साथ बात करेंगे चित्र के साथ बात करेंगे आप उन लोग चित्र के साथ बात करेंगे चलो भाई साहब ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की शुरुआत करते हैं टेस्टिस से शुरुआत करेंगे हम कहाँ से शुरुआत करेंगे फटाफट से लिखते हैं टेस्टिस जो होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है टेस्टिस जो होता है प्लूरल नंबर में लिखा है प्लूरल नंबर लिखा है ये वन पेयर एक जोड़ी होती है क्या होती है एक जोड़ी होती है ह्यूमन में एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होती है इन ह्यूमंस इन ह्यूमंस इट इज एक्स्ट्रा एबडोमिनल कैसी होती है एक्स्ट्रा एबडोमिनल होती है जिसका मतलब होता है बाह्य उदरी है, ये एबडोम से बाहर होती है दैट इज लोकेटेड लोकेटेड आउट साइड द एबडोम कहा होती है लोकेटेड आउट साइड द एबडोम एबडोम से बाहर होती है तो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होती है एब्डोमेन से बाहर होती है ह्यूमन के केस में इस क्रोटम में लोकेटेड होती है इन बैग लाइक स्ट्रक्चर कहाँ होती है बैग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर होती है उस बैग लाइक स्ट्रक्चर या पाउच लाइक स्ट्रक्चर का नाम होता है इस क्रोटम होता है थैले जैसा होता है ये इस क्रोटम इसे कहते हैं थैला क्या कहते हैं इस क्रोटम कहते हैं और इस क्रोटम को थैला कहते हैं ये होता है थैला ये थैला विशैला ये थैला ये विशैला जरा देखेंगे इस थैले को इस विशैले थैले को देखेंगे जरा ये कह रहा हूं मैं कि ये है कोई पुरुष ये है कोई पुरुष ये है इसकी बैक साइड और इस पुरुष के इस बैक साइड के साथ थोड़ा मतलब ऐसे थोड़ी रंगीन बनाएंगे ऐसे थोड़ी होता है ऐसे थोड़ी होता है रंगीन बनाएंगे कलर के साथ बनाएंगे ये देखें ये है कोई पुरुष और इस पुरुष का ये है बैक साइड ये है बैक साइड और यहाँ पे बिचारे के ये है पैर ये है उसके पैर कह रहे हैं अभी देखेंगे जरा ये है एबडोमिनल कैविटी कौन है ये ये है एबडोमिनल कैविटी ये है एबडोमिनल कैविटी कौन सी कैविटी एबडोमिनल कैविटी है और यहाँ देखें ये स्क्री स्किन से नीचे झूलता हुआ एक स्ट्रक्चर स्किन से नीचे झूलता हुआ स्ट्रक्चर जिसमें रिंकल्ड फोल्ड्स दिखाई दे रहे होंगे आपको झुर्रियाँ दिखाई दे रही होंगी ये फोल्डेड स्किन से बना हुआ स्ट्रक्चर जिसके ऊपर हेयर्स लगे होते हैं ये हेयरी स्किन का बना होता है किसका बना होता है ये हेयरी स्किन का बना होता है इसे कहते हैं इसे कहते हैं स्क्रोटम क्या कहते हैं बेटा इसे कहते हैं स्क्रोटम तो ये जो पाउच आप देख रहे हो इसे कह रहे हैं स्क्रोटम और इसी के अंदर लोकेटेड होती है इसी के अंदर लोकेटेड होती है ये होती है टेस्टिस क्या होती है ये टेस्टिस तो स्क्रोटम के अंदर लोकेटेड ये टेस्टिस होती है ये देखें ये स्क्रोटम के अंदर लोकेटेड होती है टेस्टिस तो सबसे पहली चीज़ ह्यूमन की टेस्टिस एक्स्ट्रा एबडोमिनल होती है ह्यूमन की टेस्टिस एक्स्ट्रा एबडोमिनल होती है ये देखें ये जो होती है इसे कह रहे हैं टेस्टिस ये है टेस्टिस और ये है बैग उस बैग उस टमी का नाम होता है बेटा इस टमी का नाम होता है इसे कहते हैं स्क्रोटम क्या कहते हैं इसे कहते हैं स्क्रोटम ये टमी ये बैग और यहाँ पे टेस्टिस का होना बहुत ज़रूरी है टेस्टिस का यहाँ होना बहुत ज़रूरी है ये 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 जो स्क्रोटम है ये टेस्टीज को एक सामान्य ते, टेम टेम्परेचर देता है तापमान देता है ये जो टेस्टिस है वो स्क्रोटम जो है वो टेस्टीज को एक सामान्य टेम्परेचर देता है बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है लेकिन स्क्रोटम के अंदर स्क्रोटम के अंदर ये क्या करता है स्क्रोटम हेल्प्स इन मेंटेनिंग क्या करता है स्क्रोटम हेल्प्स इन मेंटेनिंग क्या करता है ये हेल्प्स इन मेंटेनिंग मेंटेनिंग क्या अंग्रेजी है मेरी खत्म एकदम मेंटेनिंग स्क्रोटम हेल्प्स इन मेंटेनिंग द टेम्परेचर टेम्परेचर टू 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 पॉइंट फाइव डिग्री सेल्सियस लेस देन लेस देन बॉडी टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर से दो से ढाई डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को कम करके ये दिखाता है कम करता है जो कि जरूरी है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए याद रखेंगे टू 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 पॉइंट फाइव डिग्री सेल्सियस लेस टेम्परेचर लेस टेम्परेचर इज इसशियल फॉर इसेंशियल फॉर स्पर्म प्रोडक्शन नॉर्मल स्पर्मेटोजेनेसिस किसके लिए नॉर्मल स्पर्म फॉर्मेशन के लिए स्पर्म प्रोडक्शन के, के लिए बहुत ज़रूरी होता है तो जो टेस्टिस का मूवमेंट है एबडामिनल कैविटी से नीचे की तरफ ये एम्ब्रियोनिक पीरियड में ही हो जाता है बच्चा जब मम्मा की बॉडी में होता है तभी हो जाता है सातवें महीने में ही टेस्टिस एबडामिनल कैविटी से नीचे चली जाती है पहले ध्यान से सुने पहले ये टेस्टिस एबडोमन में होती थी ये देखें पहले ये टेस्टिस जो होती है स्क्रोटम में नहीं आती ये रहा स्क्रोटम ध्यान से देखें ये है एबडोमन ये है एबडोमन पहले जो टेस्टिस बनती हैं वो टेस्टिस एबडोमिनल कैविटी में बनती हैं एबडोमिनल कैविटी में बनती हैं लेकिन बाद में ये टेस्टीज जो होती है ये एबडोमिनल कैविटी से माइग्रेट कर जाती है याद रखेंगे दिस डिसेंडेंस ऑफ टेस्टिस डिसेंडेंस दिस डिसेंडेंस ऑफ टेस्टिस ऑफ टेस्टिस टेक्स प्लेस कब होती है ट प्लेस ड्यूरिंग फीटल लाइफ ड्यूरिंग कौन सी लाइफ ड्यूरिंग फीटल लाइफ जब बच्चा मदर बॉडी में होता है उसी समय ये डिसेंड कर जाती है सेवेंथ मंथ के एंड में एंड ऑफ सेवेंथ मंथ टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन इसमें हेल्प करता है और टेस्टिस डिसेंड कर जाती है मेल्स के केस में टेस्टिस का नीचे जाना बहुत ज़रूरी होता है बाबू और अगर ये टेस्टिस नीचे ना जाए ध्यान से सुने अगर ये टेस्टिस नीचे ना जाए तो एक टर्म यूज़ करते हैं क्रिप्टो डिजम। क्या कहते हैं क्रिप्टॉर्कीडिज़म किडिज्म आप सभी लोग महान हो साइंटिस्ट हो आप लोग जानते हो कि क्रिप्टोर किडिज्म का मतलब होता है क्रिप्टो किडिज्म और क्रिप्टो का मतलब होता है हिडन क्रिप्टो मतलब होता है क्रिप्टो का मतलब होता है हिडन कोई भी चीज़ जो छिपी हुई रह गई कोई भी चीज़ जो हिडन रह जाए उसे कहते हैं उसे कहते हैं क्रिप्टो क्रिप्टो ऑर्किडिज्म तो याद रखेंगे इसे कहते हैं फेलियर फेलियर ऑफ टेस्टीस टू डिसेंड टू डिसेंड इंटू स्क्रोटम कहां पर इंटू इसक्रोटम स्क्रोटम में अगर टेस्टिस डिसेंड नहीं हो पाती इसे कहते हैं फेलियर ऑफ द टेस्टीस टू डिसेंड इंटू स्क्रोटम क्रिप्टो ऑर्गेडिज्म विच लीड्स टू लीड्स टू स्टेरिलिटी स्टेरिलिटी इन मेल्स मेल में स्टेरिलिटी कॉज करता है ये मेल्स में इस्टेरिलिटी कॉज करता है पुरुषों में स्पर्म प्रोडक्शन ख़त्म हो जाता है मेल्स अपने बच्चे नहीं पैदा कर पाते हैं मेल में मेनोपॉज हो जाता है मेल ख़त्म हो जाता है मतलब मेल की मेलनेस खत्म हो गई मर्द की मर्दानगी ख़त्म हो गई भाई साहब मेल्स में स्टेरिलिटी का कॉज है क्रिप्टो ध्यान रखेंगे स्टेरिलिटी का कॉज है वो अपना बेबी प्रोड्यूस नहीं कर पाता है बेटा जी थोड़ा बाड़ा बाड़ा लिखो यार कितना बाड़ा बाड़ा लिखे बड़ा बड़ा लिखेंगे तो सुन मतलब साफ सुथरा नहीं लिखेंगे फिर रफ़ लगेगा आपको आप बाद में आप देखो तो सही समझो तो सही समझो तो सही एक बार समझने की कोशिश करो आप ऐसे ही लिखते रहोगे आप सोचो कितना भूला लग रहा होगा तुम्हारे माताप को सर भला लिखो सर छोटा लिखो ये सर ओपी वो सर आपी ये सर आईपी वो सर इन ये वो ये सर वो वो सर ऐसे वो सर ऐसे ये सर ऐसे क्यों कर रहे हो ऐसा क्या ही फ़ायदा होगा इसका मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मैं बड़ा बेशरम आदमी हूँ मैं बड़ा बेशरम आदमी मुझको कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कुछ भी लिखोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मैं आऊँगा पढ़ाऊंगा मुझको पढ़ाने को मिला मैं पढ़ाऊंगा आज सब पढ़ाऊंगा सारा चैप्टर का एक एक पन्ना खोल खोल के पढ़ाऊंगा मैं सब पढ़ाऊंगा तुम जो करना है वो करो मेरी आदत है ये न मुंह छुपा के जियो न सर झुका के जियो गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो नम छुपा के जियो और न सर झुका के न नम छुपा के जियो और न सर झुका के जियो गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो नम छुपा के जियो और न सर झुका के जियो है हाँ जी समझ आया तो नहीं एकदम टेंशन ना लो पढ़ाई करो पढ़ाई करो एकदम पढ़ाई करो लीड्स टू स्टेरिलिटी इन मेल्स फेलियर ऑफ टेस्टिस टू डिसेंड इन टू स्क्रोटम इज कॉल्ड स्क्रिप्टो कुछ पुरुष ये समझते हैं कि टाइट चड्डी पहनने से टाइट चड्डी पहनने से टेस्टीस अपनी पोजीशन पे रहती है लेकिन टाइट चड्डी पहनना आपकी सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है स्पर्म प्रोडक्शन को घटा सकता है टाइट चड्डियाँ पहनना भी आपके आपके टेस्टिस के लिए तापमान बढ़ाने का काम करता है टेस्टिस को गर्म कर देता है और उसमें रखे हुए जो टेस्टिस हैं उसमें स्पर्म प्रोडक्शन घट जाता है बेटा जी स्पर्म प्रोडक्शन घट जाता है बाबू तो ध्यान रखेंगे चडियाँ टाइट ना पहने थोड़ा लूज पहने कॉटन वाली चडियाँ पहने स्पर्म प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़रूरी होता है टेस्टीस फ्राई हो जाएगी बेटा जी टेस्टीस जो होती है वो फ्राई हो जाती है मतलब गर्म टेम्परेचर टेस्टीज के लिए ठीक नहीं होता नेचर ने उसे आसपास कुछ ऐसा एन्वायरमेंट दिया वो खुद ही एडजस्ट कर लेता है वहाँ पे कुछ ऐसी मसल्स होती हैं वो खुद ही टेस्टीज़ की पोजीशन को मेंटेन कर लेती हैं दो प्रकार की मसलें एनसीईआरटी में नहीं दी हुई हैं लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो मसल्स होती हैं डार्टोज़ मसल और क्रिमेस्टर मसल टेंपरेचर के आधार पर टेस्टीज़ की पोजीशन को मेंटेन करने में हेल्प करती है जब टेंपरेचर बहुत ज्यादा हो जाता है टेंपरेचर बहुत ज्यादा हो जाता है तो टेस्टिस ये जो स्करोटम है लूज हो जाता है जब हाई टेंपरेचर जब गर्मी बढ़ती है हाई गर्मी जब हाई टेम्परेचर होता है गर्मी बढ़ती है तो ये जो इस्क्रोटम होता है ये जो इस्क्रोटम होता है ये लूज़ हो जाता है और ए देखो ऐसा हो जाता है एकदम मुरझा जाता है अरे बाप रे बा टेस्टीज दूर हो जाता है एब्डोमेन से ये टेस्टीज जो होते हैं वो एब्डोमेन से दूर हो जाते हैं हाई टेम्परेचर के दौरान ये लूज़ हो जाती है स्किन ये स्किन लूज हो जाती है यहाँ क्रीमास्टर और डार्टोज मसल लूज हो जाती है रिलैक्स कर जाती है हाई टेम्परेचर में मुरझा जाता है बेचारा लेकिन यही अगर लो टेम्परेचर हो अगर लो टेम्परेचर सराउंडिंग का हो आस पास का टेम्परेचर तो स्क्रोटम जो होता है वो टाइट हो जाता है कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाता है टाइट हो जाता है कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाता है और कॉन्स्ट्रिक्शन से तो वो गर्मी पैदा करता है और टेस्टीज को हमेशा एक नॉर्मल टेम्परेचर मिलता रहता है याद रखेंगे तो जब लो टेम्परेचर होगा तो स्क्रोटम क्लोज टू एब्डोमेन। और जब हाई टेम्परेचर होगा हाई टेम्परेचर होगा तो टेस्टिस जो होगा स्क्रोटम जो होगा अवे फ्रॉम एब्डोमेन, वहाँ पे क्रीमास्टर मसल जो होती है वो मसल रिलैक्स कर जाती है डार्टोज मसल रिलैक्स कर जाती है हाई टेम्परेचर में डार्टोज मसल कौन सी मसल डार्टोज मसल्स जो होती हैं वो रिलैक्स कर जाती हैं रिलैक्सड हो जाती है क्री मसल जो होती है वो रिलैक्स कर जाती है क्रीमास्टर जो होती है वो रिलैक्स्ड कर जाती है याद रखेंगे ये दोनों की दोनों रिलैक्स हो जाती है लेकिन जब लो टेम्परेचर होता है तो आप याद रख सकते हैं बोथ मसल्स आर कॉन्ट्रैक्टेड बोथ मसल्स आर कॉन्ट्रैक्टेड टू प्रोवाइड हीट मतलब आपकी टेस्टिस को हमेशा एक नेचुरल टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर हमेशा चाहिए कांस्टेंट टेम्परेचर आपको चाहिए नहीं मत लिखो ना ना एकदम मत लिखो, एकदम मत लिखो एकदम मत लिखो एकदम मत लिखो बेटा एकदम मत लिखो बस खाली देख लो कुछ पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है उसको ज़रूर लिख लें बाकी सारे पॉइंट लिखने की ज़रूरत नहीं है सारे पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं बस समझने के लिए बेटा कुछ तो रहने दो समझने के लिए कुछ तो अपने भेजे में घुसा लो कुछ तो ऐसा करो कि भेजे में घुस जाए हर चीज थोड़ी छापनी होती है हर चीज नहीं छापनी होती है हर चीज मत छापो ठीक है जी बस समझ लो कुछ चीजें कुछ चीजें समझने के लिए भी अब देखें अब कह रहे थोड़ा आगे बढ़ते हैं ध्यान से सुने अब कह रहे हैं हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कहानी और आगे लेकर के चल के ले कर के चलते हैं मेल लिपलो की कहानी थोड़ा और आगे लेकर के चलते हैं ध्यान दे तुने ध्यान दे तुनेंगे ये रहा टेस्टिस ये रहा टेस्टिस ये देखें अब आ रहे हैं हम असली चित्र पर असली चित्र पर आ रहे हैं अब अब हम आ रहे हैं असली चित्र पर असली चित्र का मतलब असली चित्र का मतलब कुछ ऐसा टेस्टीज़ का पूरा का पूरा खतरनाक विश्लेषण करने जा रहे हैं अब हम लोग ख़तरनाक विश्लेषण करने जा रहे हैं टेस्टीज़ का अब हम लोग और अब यहां से कहानी शुरू होती है टेस्टीज़ के यहां से कहानी शुरू होती है टेस्टीज के अब रिमेनिंग पार्ट जो अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बाकी के इंपॉर्टेंट पार्ट है ज़रा उनको भी डिस्कस कर लिया जाए जरा उनको भी डिस्कस कर लिया जाए जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं चलो चलो भाई साहब हम इधर बनाएं उधर बनाएं इधर से इधर बना देते हैं ना ताकि आपको ये ना लगे कि सर ने किताब से बाहर की कोई बात कर दी ये लो ये लो हम इसको इधर बनाते हैं नहीं तो आप कहोगे कि सर इधर तो इधर से आ रहा है कहानी इधर तो इधर से आ रही है बातें तो ये देखेंगे हम लोग ये यहां से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का खतरनाक विश्लेषण करते हैं ये मान लो कि यूरिनरी ब्लैडर है कौन सी ब्लैडर है यूरिनरी ब्लैडर पहले हम उधर ब्लैडर को ही बना लेते हैं ये है यूरिनरी ब्लैडर ब्लैडर वाले मित्र हैं ये यहाँ ब्लैडर है और इस ब्लैडर के पास भगवान का दिया हुआ अपना खुद का बहुत सारा डक्ट है तो ये है ब्लैडर और ब्लैडर की डक्ट अगर हम बात करें भाई साहब हर एक पार्ट हम बनाएंगे हर एक स्ट्रक्चर बनाएंगे आप घबरा क्यों रहे हो सब बनाएंगे सब बनाएंगे हम हम कुछ नहीं छोड़ने वाले कुछ नहीं छोड़ेगा अपन ये है यूरेटर किडनी से निकला यूरेटर और इधर से चला आ रहा है हमारा वास डिफरेंस कौन आ रहा है इधर से आ रहा है हम लोगों का वास डिफरेंस कौन है ये ये है वास डिफरेंस अब ये वास डिफरेंस जो है ये बदमाशी करेगा और यहां देखो यहाँ देखो थोड़ा सा ऐसा सोलन सोलन सा लॉलीपॉप बनाएगा क्या बनेगा लॉलीपॉप बनाएगा और इन दोनों के लॉलीपॉप आकर के एक दूसरे से ऐसे जुड़ जाएंगे यूरे में आके मर्ज हो जाएंगे यहाँ पे आकर के ये यूरे में मर्ज हो जाएंगे लॉलीपॉप बनेगा और वो यूरोत्रा में आकर के मर्ज हो जाएगा लेकिन 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 यहाँ पे और भी एक स्ट्रक्चर पाया जाता है खूबसूरत सा यहाँ पे आपको एक और खूबसूरत स्ट्रक्चर मिलेगा ग्लैंडुलर पार्ट मिलेगा जो पीछे की तरफ ऐसे पीछे की तरफ ऐसे मुड़ा हुआ है लेकिन थ्री में हम यहाँ तो देख नहीं सकते जितना देख सकते हैं हम उस हिसाब से ही इसे यहाँ पे समझ लेंगे ये पत्ती नहीं है कहो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सर ने लीफ बना दिया रूट स्टेम लीफ वाले चैप्टर खत्म हो चुके हैं रूट स्टेम लीफ वाले चैप्टर खत्म हो चुके हैं अभी अभी हम बात कर रहे हैं अभी हम बात कर रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की किसकी बात कर रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की और यहाँ इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको एक से एक एक से बढ़कर एक चीज़ें आपको यहाँ पे दर्शन करने को मिल जाएंगी हर चीज़ बना लेंगे हर चीज समझ लेंगे जो भी आपके लिए रिक्वायर्ड होगी उन सारी बातों पे चर्चा हो जाएगी बस आपका यहाँ पे प्रेम आपका प्रेम यहाँ पे बना रहे आप अपना प्रेम बनाए रखो यहाँ देखो कोई भी चीज़ नहीं छोड़ूंगा हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा हर एक बात एक्सप्लेन करूँगा जब जो जो आपके लिए चाहिए जो जो पॉइंट्स आपको डिस्कस करने के लिए चाहिए वो सारी बातें यहां पे हम करेंगे सारी बातें करेंगे अभी आप थोड़ा सा इंतजार करोगे बाकी के स्ट्रक्चर्स को समझने के लिए थोड़ा सा और इंतजार करोगे अभी थोड़ा सा इंतजार करो तब मजा आएगा असली तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर आप देखें ये सारा का सारा स्ट्रक्चर आपके सामने आपके सामने ये ड्रॉ करने की कोशिश करी ली है ये सारा का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश आपके सामने कर दिया है मैंने ये है टेस्टिस ध्यान से सुने सभी लोग बहुत ही इजी बहुत ही सिंपल डायग्राम बनाया है बहुत ही इजी और सिंपल डायग्राम बनाया अगर आपको दिखाई दे रहा हो बहुत इजी और सिंपल डायग्राम बनाया है अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो, तो देखिए इधर कह रहे ये है टेस्टीज क्या है जो टेस्टीज़ है वो स्क्रोटम में रहती है ये टेस्टिस की वॉल है क्या है ये टेस्टीज की वॉल है इसे कहते हैं वॉल ऑफ टेस्टिस क्या कहते हैं बेटा इसे कहते हैं वॉल ऑफ टेस्टिस वॉल ऑफ टेस्टिस कहते हैं इसे क्या कहते हैं वॉल ऑफ टेस्टिस कहते हैं इसे टेस्टिस के अंदर आप देखोगे एक सिंगल टेस्टिस जो होती है एक सिंगल टेस्टिस में कई सारे कंपार्टमेंट्स होते हैं ये देखो लगभग 200 से लेकर के 250 तक कमरे होते हैं इस टेस्टिस के अंदर ईच टेस्टिस कंसिस्ट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली टू फिफ्टी कंपार्टमेंट्स ये दो सौ से ढाई सौ कमरे होते हैं हर टेस्टिस के अंदर हर टेस्टिस के अंदर दो सौ से ढाई सौ कमरे होते हैं इन्हें कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स क्या कहते हैं इनको इन्हें कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स ये देखो इसे कहते हैं टेस्टिक्यूलर टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स कहते हैं ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है ये और इस टेस्टिकुलर लोब्यूल में आप देखोगे ये लगभग 250 फिफ्टी कम्पार्टमेंट्स है ये 250 फिफ्टी कम्पार्टमेंट्स होते हैं और ये जो 250 फिफ्टी कंपार्टमेंट्स हैं इसमें ईच कंपार्टमेंट ईच लोब्यूल विद ईच लोब्यूल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ईच लोब्यूल विद अप्रोक्सीमेटली वन एक से लेकर के तीन सेमाइनी फेरस ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं एक से लेकर के तीन सेमाइनी फेरस ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं एक से लेकर के तीन सेमाइनी फेरेस्ट टिब्यूल्स पाए जाते हैं यहाँ पे तो आप देखेंगे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स ईच लोब्यूल विद वन टू थ्री सेमाइनी फेरस टिब्यूल्स होते हैं यहाँ पे आप देखो हाईली कन्वोल्यूटेड फोल्डेड स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे होंगे हाईली कनवोल्यूटेड या फोल्डेड स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे होंगे इन्हें कहते हैं सेमाइनी फेरस ट्यूब्यूल्स बोलो दिखाई दे रहे हैं सबको बोलो दिखाई दे रहे हैं सबको हाईली कनवोल्यूटेड फोल्डेड स्ट्रक्चर्स इन्हें कहते हैं सेमाइनी फेरस ट्यूब्यूल्स ये हैं सेमाइनी फेरस ट्यूब्यूल्स दिख रहे हैं सबको एक बार बताओ जल्दी से दिखाई दे रहा है सबको ये है सेमाइनी फेरेस्टिब्यूल ये सारे सेमाइनी फेरेस्टिब्यूल्स जहाँ इकट्ठे होते हैं जिस चैम्बर में जिस जगह इकट्ठे होते हैं जिस जगह पे ये सारे इकट्ठे होते हैं वो इेगुलर स्पेस जिसे इकट्ठे होते हैं जहाँ पे ये उसे कहते हैं रेटी टेस्टीज ध्यान से सुनेंगे ये सारे के सारे सेमाइनी फेरेस्टिब्यूल्स होते हैं इन्हें कहते हैं हम हाईली कन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर्स जिनका नाम है सेमाइनी फेरस ट्यूब्यूल्स क्या कहते हैं इनको इन्हें कहेंगे सेमाइनी फेरस ट्यूब्यूल्स इन्हें आप कह सकते हो हाईली कन्वोल्यूटेड सेमिनी फेरस ट्यूब्यूल्स सेमिनी फेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं ये फिर देखें क्या इन सेमिनिफेरस टिब्यूल का जहाँ पे इकट्ठा होते हैं ये सारे के सारे इस चैम्बर को कहते हैं रेटी टेस्टिस ये इर स्पेसेस जो आप देख रहे हो डक्ट सिस्टम का इन्हें कहते हैं रेटी टेस्टिस क्या कहते हैं इसे कहते हैं रेटी टेस्टिस यहाँ रेटी टेस्टी से बहुत सारी छोटी छोटी डक्ट्स निकलती हैं ये देखो ये बहुत सारी छोटी 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 डक्ट निकलती हैं इन डक्ट्स को कहते हैं ये टेन टू टेन टू फोर्टीन डक्ट्स होती हैं जिन्हें कहते हैं वासा इफरेंशिया क्या कहते हैं इन्हें इन्हें कहते हैं इफरेंशिया क्या कहते हैं इसको इसे कहेंगे वासा इफरेंशिया इन्हें कहते हैं फरेंशिया डक्ट का सिस्टम क्वेश्चन आता है करेक्ट सीक्वेंस स्पर्म के ट्रांसपोर्ट का करेक्ट सीक्वेंस पूछा जाता है इसको आप जरूर ध्यान रखोगे यहां से ये जरूर ध्यान रखोगे स्पर्म के ट्रांसपोर्ट का सीक्वेंस पूछा जाता है इसे कहते हैं वासाइफरेंशिया e और यहां पे देखें यहां पे देखें अब जो खेला आप देखने जा रहे हैं ये जो होता है हाईली कन्वोल्यूटेड स्पेस ये जो होता है इसे कहते हैं एपीडाइडमिस क्या कहते हैं एपीडाइडमिस कहते हैं जहां पे स्पर्म स्टोर और नरिश भी किया जाता है ध्यान रखेंगे स्पर्म्स जब फाइनली बन जाते हैं तो जिस जगह पे ला करके स्पर्म्स को स्टोर किया जाता है और नरिश किया जाता है उस स्थान को उस जगह को कहते हैं एपीडाइडमिस क्या कहते हैं इसे कहते हैं एपीडीडी ए पी दीदी मिस ये जो ई पी दीदी मिस हैं एट द पोस्टीरियर साइड ऑफ टेस्टीस पाई जाती है कहाँ पाई जाती है पोस्टीरियर साइड ऑफ टेस्टीस पे पाई जाती है ये. और क्या करती है ये स्टोर करती है और नरिश करती है स्पर्म को इट स्टोर्स एंड नरिशेज स्पर्म ये स्पर्म्स को स्टोर करती है और नरिश करती है स्टोर्स एंड नरिश स्पर्म्स तो स्पर्म्स को ये जो है स्टोर करती है और यहां से अगर आप देखें ये जो है इसे कहते हैं वास डिफरेंस क्या कहते हैं इसे कहते हैं वास डिफरेंस ये वास डिफरेंस टेस्टिस से बाहर निकल करके अगर आप देखोगे मेल्स के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल्स के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर आप देखो ये अगर आप समझने की कोशिश करो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर आप देखोगे तो यहाँ देखें ये अगर ये अगर ये अगर टेस्टिस है तो टेस्टिस से टेस्टिस से बाहर निकलने के लिए टेस्टिस से बाहर निकलने के लिए टेस्टिस से बाहर निकलने के लिए ये देखो कह रहे ऐपडोमिनल कैविटी में जाने के लिए जिस डक्ट से पास होकर के स्क्रोटम से बाहर निकलता है डक्ट वास डिफरेंस जिस डक्ट से बाहर निकलता है उस कैनाल को उस डक्ट को कहते हैं इंग्विनल कैनाल यहाँ पे वो कैनाल जो है जिधर से ये वास डिफरेंस जा रही है ना ऊपर की तरफ एबडामिनल कैविटी की तरफ इसे कहते हैं इसे कहते हैं इंग्विनल कैनाल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और इंग्विनल कैनाल कौन सी कैनाल होती है ये वो कैनाल होती है जो कनेक्ट करती है टेस्टिस स्क्रोटम को कनेक्ट करती है टेस्टिस के थ्रू उसे कहते हैं इंग्विनल कैनाल ये रही वास डिफरेंस याद रखेंगे इसे कहते हैं वास डिफरेंस तो ये रही वास डिफरेंस वास डिफरेंस एब्डोमिनल कैविटी में आती है यहां पे ये जो आप देख रहे हो इसे कह रहे हैं यूरिनरी ब्लैडर क्या कह रहे हैं इसे इसे कह रहे हैं यूरिनरी ब्लैडर ये है यूरिनरी ब्लैडर ये है यूरेटर इसे कहते हैं यूरेटर इसे कहते हैं यूरेटर और बाकी के पार्ट्स अगर आप देखो यहां देखो कह रहे ये जो आप देख रहे हो वास डिफरेंस का पार्ट ये वास डिफरेंस का पार्ट है ये ग्लैंड होती है जिसे कहते हैं सेमिनल वेसिकल ये है वास डिफरेंस का पार्ट यह है वास डिफरेंस का एम्प्यूला इसे कहते हैं सेमिनल वेसिकल इसे कहते हैं सेमिनल वेसिकल इसे कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड और इसे कहते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड और इसे कहते हैं यूरेथ्रा आप देखो सारी डक्स का नाम लिखता हूं मैं इसे कहते हैं यूरेथरा इसे कहते हैं एम्प्यूला ऑफ वास डिफरेंस क्या कहते हैं एम्प्यूला ऑफ वास डिफरेंस कहते हैं इसे कहते हैं सेमाइनल वेसिकल क्या कहते हैं सेमाइनल वेसिकल कहते हैं इसे कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड क्या कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं इसे कहते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड क्या कहते हैं बल्बो यूरेथरल ग्लैंड कहते हैं तो ये हो गई बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड ये हो गई सेमाइनल वेसिकल ये हो गई प्रोस्टेट ग्लैंड जहाँ पे ये दोनों आकर के मिलते हैं इस डक्ट को कहते हैं इस डक्ट को कहते हैं इस पॉइंट को कहते हैं जहां ये दोनों मिलते हैं इसे कहते हैं इजैक्यूलेटरी डक्ट क्या कहते हैं इसे कहते हैं इजैक्यूलेटरी डक्ट जहां पे सेमिनल वेसिकल की डक्ट और वास डिफरेंस की डक्ट ज्वाइन करती है उस पॉइंट को कहते हैं हम इजैक्यूलेटरी डक्ट क्या कहेंगे ये डक्ट आप लिखोगे इजैक्यूलेटरी डक्ट क्या कहोगे टरी डक्ट कहोगे बोलो समझ आ गया ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर जो डक्ट सिस्टम का है वो क्लियर है बच्चों बोलो भाई बोलो जल्दी बोलो बोलो भाई बोलो भाई, बोलो भाई एसी ऑन करो भाई इतनी गर्मी कर दी है तुम लोगों ने इतनी गर्मी कर दी है कि मतलब माहौल बिल्कुल खराब हो गया है इतनी गर्मी इतनी गर्मी इतनी गर्मी की माहौलवा ही खराब हो गया है रुको हम बताते हैं तुम लोग को रुको हम बताते हैं रुको हम बताते हैं नए अवतार में वापस आएंगे साहब नए अवतार में वापस आएंगे हैं जी नए अवतार में मार्ट साहब वापस आएंगे गर्मी बहुत हो गई है भाई साहब माहौल हो गया है गर्म और माट साहब आते हैं और ये आ गए हैं माट साहब अपने दूसरे अवतार में शुरुआत कर लेते हैं खेला की बहुत गर्मी हो गई भाई साहब ये एसी चलता रहता है फिर भी लोग बीच बीच में बंद करते रहते हैं फिर भी लोग बीच बीच में बंद करते रहते हैं बोलो बोलो बेटा आ गए माट साहब माट साहब आ चुके हैं अपने दूसरे अवतार में माठ साहब अवतार पार्ट टू हाय गर्मी हाय गर्मी हाय गर्मी बोलो जी यहाँ तक की बात समझ में आ गई है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के टेस्टीज से लेकर के सारे पार्ट्स अभी मैं आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस के अंदर के स्ट्रक्चर्स और उनके फंक्शन के बारे में बताने जा रहा हूँ टेस्टिस के अंदर के स्ट्रक्चर्स और उनके फंक्शंस के बारे में बात करने जा रहे हैं अब हम उन डायग्राम उन स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जो उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं फंक्शन के बेसिस पे बात करेंगे फटाफट से आप लोग समझ लेंगे टेस्टीज के अंदर अगर हम देखते हैं मैंने कहा था मैंने क्या कहा मैंने कहा ईच टेस्टिस ईच टेस्टिस जो हर टेस्टिस होती है ईच टेस्टिस कंसिस्ट एक से तीन लोब्यूल्स होते हैं क्या होते हैं एक से तीन लोब्यूल्स होते हैं सॉरी ईच टेस्टिस विद अप्रोक्स 250 सौ लोब्यूल्स होते हैं जिन्हें कहते हैं टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स क्या कहते हैं टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स कहते हैं और इन्हीं लोब्यूल्स के अंदर होती है ईच विद ईच विद अप्रॉक्सीमेटली एक से तीन एक से तीन हाईली कन्वोल्यूटेड सेमाइनी फेरेस्टिब्यूल्स अब क्वेश्चन क्या पूछा जाता है ध्यान से सुनेंगे इस पे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है ध्यान से सुनेंगे सेमाइनी टिब्यूल जो होती है इनका फंक्शन होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट इस सेमाइनी टिब्यूल्स में पाई जाती है मेल जर्म सेल्स क्या कहते हैं इसी के अंदर मेल जर्म सेल्स पाई जाती है जिसे कहते हैं स्पर क्या कहते हैं इसे कहते हैं स्पर मेल जर्म सेल्स पाई जाती है उसे कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया और यहां पाई जाती है सरटोली सेल्स क्या पाई जाती है सर टोली सेल्स सपोर्टिंग सेल्स होती है इन्हें हम सस्टेंटेक्यूलर सेल्स भी कहते हैं इसे कहते हैं नर्स सेल्स भी कहते हैं क्या कहते हैं इसे सपोर्टिंग सेल्स या नर्स सेल्स भी कर कहते हैं जो न्यूट्रीशन प्रोवाइड करती है स्पर्म को न्यूट्रीशन प्रोवाइड करती है न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है अगर हम बात करें अगर हम बात करें टेस्टीज़ के अंदर इन्हीं स्ट्रक्चर की तो अगर अगर मैं कहूँ अगर मैं कहूँ अगर मैं कहूँ कि टेस्टीज में ये रहा ये देखो ये देखो यह देखो यह टेस्टिस है और इस टेस्टिस के अंदर के कमरे हैं हमने ये जो टेस्टिस है इसके अंदर के इन्हीं कमरों की बात करी हमने कहा इस टेस्टिस के अंदर कमरे हैं अगर आप देखोगे इन कमरों के अंदर झांक करके ताका झांकी करोगे ताका झांकी करोगे तो आप क्या करो ज़्यादा कुछ मत करो आप क्या करो इसी एरिया का एक क्रॉस सेक्शन कट कर लो एक टेस्टिकुलर लोब्यूल का क्रॉस सेक्शन कट कर लो और यहाँ उड़ा करके उसे ले आओ टी एस ऑफ टी एस ऑफ लोब्यूल टी एस ऑफ लोब्यूल टेस्टिकुलर लोब्यूल का एक ट्रांसवर्स सेक्शन कट कर लेते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन कट कर लेते हैं और इस ट्रांसवर्स सेक्शन में आप देखोगे टेस्टीज के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है आप देखो एक टेस्टीज के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है आप जरा देखें मैंने कहा एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में कम से कम कम से कम एक से तीन सेमाइनी फेरेस्ट टिब्यूल्स है ये एक से तीन सेमाइनी फेरेस्ट टिब्यूल्स आप देखो और एक से तीन सेमाइनी फेरेस्ट टिब्यूल्स में आप देखोगे ये रही एक सेमाइनी फेरस टिब्यूल तो क्या कह रहे हैं इसको इसे कह रहा हूं मैं सेमाइनी फेरस ट्यूब्यूल क्या कह रहा हूं इसे इसे कह रहा हूं सेमाइनी फेरस ट्यूब्यूल कह रहा हूँ टेस्टिस का क्रॉस सेक्शन कट करोगे यहाँ पे मिलेंगी सेमाइनी फेरेस्ट इन सेमाइनी फेरेस्ट ट्यूब्यूल्स के अंदर आपको सेल्स मिलेंगी इन सेमाइनी फेरेस्ट ट्यूब्यूल्स के अंदर जो सेल मिलेंगी ये जो सेल मिलेंगी ये जो सेल मिलेंगी बड़ी स्पेशल टाइप की सेल मिलेंगी सेल मिलेंगी सेल मिलेंगी ये देखें सेल मिलेंगी इन सेल्स का नाम की होगा इन सेल्स का नाम क्या होगा इन्हें कहेंगे सर टोली सेल कौन सी सेल है ये इनका नाम होगा सर टोली ये सर के ऊपर टोली लेकर के चल रही है इन्हें कह रहे हैं सरटोली सेल्स और उसके अंदर जो आपको सेल्स दिखाई देंगी इसके अंदर जो आपको सेल्स दिखाई देंगी ये जो सेल्स दिखाई दे रही हैं अलोंग विद सरटोली सेल इन्हें कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया क्या कहते हैं इनको मेल जर्म सेल्स कहते हैं इनका नाम होता है स्पर्मेटोगोनिया इन्हें कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया ये क्यूबॉइडल सेल्स होती है इन्हें कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया इन्हें कहते हैं इस पर क्यूबॉइडल सेल्स होती हैं ये क्यूबॉइडल सेल्स होती हैं ये सर्टोली सेल्स होती हैं सर्टोली से लॉन्ग सेल्स होती हैं याद रखेंगे दे आर ईलोंगेटेड सेल्स इलागेटेड सेल्स होती हैं लार्ज सेल्स होती हैं और यहां देखें आप कह रहे हैं इस सेमाइनी फेरस ट्यूब्यूल्स के बीच का जो स्पेस है ये देखें इंटर ट्यूब्यूल के बीच में आप देखें इंटर टिब्यूलर स्पेस जो होता है यहाँ पे डिफरेंट टाइप की दो तरह की सेल्स पाई जाती हैं ये देखें ये दो ग्रुप ऑफ सेल्स आपको दिखा रहा हूँ मैं इसके इस स्पेस में ये कनेक्टिव टिश्यू स्पेस कहा जाता है कनेक्टिव टिश्यू स्पेस स्पेस कहा जाता है और इस कनेक्टिव टिश्यू स्पेस के अंदर दो तरह की सेल्स होती हैं एक होती है जिसे कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स क्या कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स कहते हैं इन्हें कहते हैं लेडिग सेल्स कौन सी सेल्स होती हैं लेडिग सेल्स कहते हैं इनको और ये जो आप देख रहे हो इन्हें कहते हैं अदर इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करने वाली सेल्स होती है इन्हें कहते हैं अदर इम्यूनो अदर इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स कौन सी सेल्स हैं ये अदर इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स होती हैं अदर इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल तो ये दो तरह की सेल्स होती है बेटा जी एक होती है इंटरस्टिशियल सेल और दूसरी होती है इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स ये दो तरह की सेल्स होती हैं एक हो गई इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल जो प्रोवाइड करती है इम्यूनिटी दे आर प्रोवाइडिंग दे प्रोवाइड इम्यूनिटी क्या करती है ये ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है और ये जो इंटरस्टिशियल सेल्स होती है दे हेल्प इन सीक्रीशन ऑफ एंड्रोजेंस क्या करती है ये ये एंड्रोजेंस प्रोड्यूस करती है टेस्टोस्टिरोन प्रोड्यूस करती है टेस्टोइ्टोन प्रोड्यूस करती है बताएंगे सभी लोग इतना समझ में आ गया कि नहीं जल्दी बताओ इतना जल्दी बताएं इतना समझ में आ गया एंड्रोजेंस टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन कर रही है ये जो हमने पढ़ा है ट्रांसवर्स सेक्शन पढ़ा है लोब्यूल्स का हमने टी एस पढ़ा है लोब्यूल्स का ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ लोब्यूल पढ़ा है क्या क्या शुरुआत करी हमने हमने पढ़ा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जो कि टेस्टिस जो ऑर्गन्स क्या करते हैं स्पर्म बनाते हैं और हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं बाकी के जो ऑर्गन्स होते हैं वो गैमेट का ट्रांसपोर्ट करते हैं गैमेट के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं वो सारे एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें ग्लैंड्स आती हैं डक्ट्स आती हैं और एक्सटर्नल जेनाइटेलिया आता है मेल्स का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है टेस्टीस और मेल्स के केस में जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होते हैं उसमें डक्ट जेनाइटेलिया एक्सटर्नल जेनाइटेलिया होती है ग्लैंडस होती हैं उनमें से ये टेस्टीस का फंक्शन यहाँ तक क्लियर है तो आगे चलते हैं आगे की कहानी बढ़ाते हैं जल्दी से बताएंगे सभी लोग जल्दी से बताएंगे जो ग्लैंडुलर पार्ट है उनके बारे में बात कर ली जाए जरा मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड जो मेल्स की रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स हैं मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड की बात कर ली जाए मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स जो होती हैं उनकी बात करते हैं एक होती है सेमाइनल वेसिकल सेमाइनल वेसिकल होती है वन पेयर होती है वन पेयर होती है बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर होती है बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर पाई जाती है ब्लैडर के पीछे की तरफ होती है ध्यान रखेंगे बिहाइंड यूरिनरी ब्लैडर पाई जाती है सेमाइनल वेसिकल और यह कंट्रीब्यूट करती है मैक्सिमम अमाउंट कंट्रीब्यूट्स मैक्सिमम अमाउंट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सेमाइनल प्लाज्मा जो सीमेन होता है उसका फ्लूड जो होता है उसे कहते हैं सेमाइनल प्लाज्मा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सेमाइनल प्लाज्मा ये प्रोड्यूस करती है ये जो ग्लैंड होती है ये प्रोड्यूस करती है सीक्रीट करती है सीक्रीट्स ग्लैंडिंस क्या सीक्रीट करती है ये ये प्रोस्टाग्लैंड सीक्रीट करती है प्रोस्टाग्लैंड सीक्रीट करती है ये सीक्रीट करती है फ्रक्टोज जो स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है और कुछ क्लॉटिंग प्रोटीन्स प्रोड्यूस करती है कुछ क्लॉटिंग प्रोटीन्स प्रोड्यूस करती है तो सेमिनल वेसिकल इंपॉर्टेंट है ये सबसे इंपॉर्टेंट इस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि आप देखो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है फ्रक्टोज सीक्रेट करती है क्लॉटिंग प्रोटीन और प्रोस्टाग्लैंड सीक्रेट करती है दूसरी ग्लैंड होती है जिसे कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड प्रोस्टेट एक सिंगल ग्लैंड होती है कैसी होती है प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है वो एक सिंगल ग्लैंड होती है वन ओनली वन ये एक सिंगल ग्लैंड होती है और इसमें ये जो सिंगल ग्लैंड होती है जस्ट बिलो द यूरिनरी ब्लैडर कहाँ पाई जाती है बिलो यूरिनरी ब्लैडर पाई जाती है बिलो यूरिनरी ब्लैडर पाई जाती है यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट नीचे पाई जाती है इसे कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड और ये कंट्रीब्यूट करती है कंट्रीब्यूट्स क्लॉटिंग को ब्रेक करने वाली प्रोटीन्स प्रोड्यूस करती है कंट्रीब्यूट्स कैल्शियम आयंस क्लॉट ब्रेकिंग एंजाइम्स प्रोड्यूस करती है ये क्लॉट ब्रेकिंग एंजाइम्स प्रोड्यूस करती है ये क्लॉट ब्रेकिंग एंजाइम्स प्रोड्यूस करती है बिलो यूरिनरी ब्लैडर पाई जाती है और ये 25 से 30 परसेंट ट्वेंटी टू 30 परसेंट ऑफ सेमिनल प्लाज्मा प्रोड्यूस करती है सेमिनल प्लाज्मा प्रोड्यूस करती है और तीसरी ग्लैंड होती है जिसे कहते हैं बल्बो यूरेथरल ग्लैंड कौन सी ग्लैंड बल्बो यूरेथरल ग्लैंड कहते हैं ये जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है इसी का दूसरा नाम है काउपर्स ग्लैंड कौन सी ग्लैंड होती है इसे कहते हैं काउपर्स ग्लैंड तो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या काउपर्स ग्लैंड ये जो होती है ये भी वन पेयर होती है अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस पर इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन सी ग्लैंड है जो पेयर्ड होती है कौन सी अनपेयर्ड होती है तो याद रखोगे मेरे बच्चों मेरे प्यारे बच्चों याद रखोगे कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है वो सिंगल होती है बाकी ये दोनों ग्लैंड जो होती है वो पेयर्ड होती है सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट कौन करता है सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करता है ये जो सेमिनल वेसिकल होती है लगभग सिक्सटी टू सेवेंटी कॉन्ट्रीब्यूट करती है पच्चीस से तीस परसेंट प्रोस्टेट ग्लैंड करती है और ये जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होती है ये कॉन्ट्रीब्यूट करती है कंट्रीब्यूट्स मिनिमम ओनली फाइव टू टेन परसेंट ऑफ द टोटल प्लाज्मा और ये हेल्प करती है लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस में किसमें हेल्प करती है लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस में हेल्प करती है ड्यूरिंग कॉपुलेशन कॉपुलेशन के दौरान ड्यूरिंग कॉप्युलेशन ये पेनिस को ल्यूब्रिकेट करने का काम करती है यहां तक के पॉइंट समझ में आ गए मेल के रिप्रोडक्टिव ग्लैंड के पॉइंट समझ आ गए तो जल्दी से बता दो फटाफट से जल्दी से बता दो आगे बढ़ते हैं बोलो बोलो भाई बताएं जल्दी से जल्दी बताएं इतनी बात समझ आ गई है बोलो भाई अगर आप कहोगे देखो मैं इसलिए लिख रहा हूं आपको लिखने की जरूरत नहीं है मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जिनके बेस पे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं ये ऐसे पॉइंट्स हैं जिनमें क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं जैसे कि कौन सी ग्लैंड पेयर्ड है कौन सी अनपेयर्ड ग्लैंड है कौन सी ग्लैंड पेयर्ड है कौन सी अनपेयर्ड है उस पर क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं किस ग्लैंड का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है ये क्वेश्चन में बनाए जा सकते हैं तो मैं ये लिख रहा हूं आपको अगर पता है तो आप मत लिखें लेकिन अगर कुछ पॉइंट साथ साथ में छोटे छोटे पॉइंट्स के फॉर्म में आप लिखते जाओ पूरा लिखने की जरूरत नहीं है बस केवल आप पॉइंट के फॉर्म में लिखते जाओ ठीक है जी आगे बढ़े आगे बढ़े जल्दी, जल्दी, जल्दी बताओ 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 आगे बढ़े क्वेश्चन करोगे 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 मेरे बच्चों जल्दी बताओ जितने लोग क्वेश्चन करना चाहते हैं अभी थोड़ा सा थम्सअप कर दें कुछ क्वेश्चन करते हुए आगे बढ़ा जाए हां जी बैक आ जाएंगे बेटा सब लोग बैक आ जाएंगे दे विल बैक दे विल कम बैक और भी बहुत सारे बैचेस में आएंगे आते रहेंगे आते रहेंगे पहले आज की क्लास तो कंप्लीट कर लो बेटा जी आज की क्लास तो कंप्लीट कर लो और क्वेश्चन करने वाले हो तो जल्दी से थम्स को अप करो क्वेश्चन करने वाले लोग जल्दी से थम्स को अप करें ताकि हम पोल भी करेंगे क्वेश्चन पे क्वेश्चन पे पोल भी करेगा अपन लोग अपन लोग क्वेश्चन पे पोल भी करेंगे पोल के साथ क्वेश्चन करेंगे ठीक है जी पोल के साथ अपन लोग क्वेश्चन करेगा क्वेश्चन को पोल के साथ खेलेंगे पोल आ रहा है आपके सामने अब हम पोल करने वाले हैं पोलिंग होगी देखिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे बहुत सारे सवाल नहीं पूछे गए हैं बहुत कम सवाल पूछे गए हैं तो उस पर रिलेटेड पहला सवाल है स्क्रीन पर ये पहला सवाल स्क्रीन पर ये रहा आपके लिए पोल नंबर वन पोल नंबर वन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड ये सवाल करें फटाफट बहुत आसान बहुत ही ईजी सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट जल्दबाजी नहीं करेंगे सभी लोग जल्दबाजी दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है आप लोगों को बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी आराम आराम से करो कौन सा सवाल इन करेक्ट स्टेटमेंट है विद रेस्पेक्ट टू मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस ह्यूमन के मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पहला है वास डिफरेंस ज्वाइंट डक्ट सेमिनल वेसिकल टू फॉर्म इजैक्युलेटरी डक्ट अभी मैंने बताया कि जो वास डिफरेंस होता है ये जो वास डिफरेंस होती है डक्ट ये सेमिनल वेसिकल को ज्वाइन करती है ये पत्ती ये लीफ जैसा स्ट्रक्चर जो बनाया था अभी ये उस लीफ जैसे स्ट्रक्चर को ज्वाइन करती है और दोनों मिल करके जो कॉमन डक्ट बनाते हैं इस डक्ट का नाम होता है डक्ट ये है वी डी और यह है सेमिनल वेसिकल एस वी और ये दोनों मिल करके बनाते हैं ई डी ये तो सही हो गया ना ये तो सही हो गया एक्सेसरी डक्ट स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट द स्पर्म ये भी सही हो गया इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स आर प्रेजेंट इन इंडस्ट्रेशियल स्पेस सही हो गया लास्ट में कह रहा है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ओपन इंटू वासिया टू एपी थ्रू एपी थ्रू एपीडाइडमिस देखो और सोचो और समझो और समा इस सवाल को देखो कह रहे कि ये डक्ट का जो करेक्ट सीक्वेंस है अगर आप देखोगे डक्ट का करेक्ट सीक्वेंस है सेमिनी फेरस टिब्यूल्स जो होते हैं सेमिनी फेरस टिब्यूल जो होता है वो टेस्टिस के थ्रू जाता है टेस्टिस के थ्रू जाता है वासा एफरेंशिया में और फिर पहुंचता है एपीडाइडमिस में एपीडाइडमिस में और फिर जाता है वास डिफरेंस में और फिर जाता है इजैक्यूलेटरी डक्ट में और फिर जाता है यूरेथरा में बोलो समझ आ गया तो लास्ट ऑप्शन रॉन्ग हो गया फोर्थ ऑप्शन रॉन्ग होगा डी ऑप्शन रॉन्ग होगा रिजल्ट देखते हैं ये लोगों ने ए किसने किया भाई मोए 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 कर दिया तुम लोगों ने बे ये कौन है तुम लोग कहां से आते हैं ये लोग कौन है ये लोग ये क्या किया बाबू हे, हे हे ये क्या किया बाबू तुम लोगों ने प्रणाम करता हूं देवी और सज्जनों आप सभी लोगों को एक से एक प्रकांड विद्वान यहाँ बैठे हुए हैं कालीदास से लेकर के कालीदास से लेकर के एक से एक महान विद्वान वाटसन एंड क्रिक तक बैठे हुए सब हैं सब लोग हैं अजीब लोग हैं ए वाला डी पे चला गया डी वाला ए पे चला गया कह रहे हैं सर, सर आंसर वो यही खराब है कह रहे हैं पोल ही खराब है जय हो जय हो जय हो बेटा अगर अभी आप लोगों ने मंगलवार का व्रत करना नहीं शुरू किया है तो उन लोगों के लिए है मंगलवार का व्रत रखना शुरू कर दो कृपा आनी शुरू हो जाएगी कृपा आनी शुरू हो जाएगी मंगलवार का व्रत रखना शुरू कर दो कृपा आनी शुरू हो जाएगी तभी कृपा आएगी ऐसे नहीं आएगी तुम लोग की कृपा हे भगवान हे भगवान हे दीनानाथ हे दीन बंधु हे दीन बंधु ये क्या हो गया अगला सवाल देखें नीट 2020 का सवाल है बेटा नीट 2020 का सवाल है नीट 2020 का सवाल है सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट देखें फिर से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आए हुए हैं सीक्वेंस ऑफ स्पर्म ट्रांसपोर्ट पे सवाल आया है ध्यान से सुन लें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के स्पर्म ट्रांसपोर्ट के सीक्वेंस पे सवाल आए हुए हैं फटाफट से इसको कर लें जल्दी से बताएं फटाफट से बताएं सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म सेल इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम टेस्टिस टेस्टीस एपीडाइडरेंशिया इंगल कैनल यूरेथ्रा टिब्यूल्स रेटी टेस्टिस वासा वासाइफरें वास डिफरेंस यूरे मीटर्स ऐसे कैसे ऐसे कैसे ऐसे कैसे जल्दी बताएं क्या आपका समय सीमा समाप्त हो चुकी है यस yes, समाप्त हो चुकी है ओनली फर्स्ट आंसर विल बी कंसिडर ये कौन है चेक योर रिजल्ट इन यूनिटी पी डब्ल्यू लाइव यूनिटी पीडब्ल्यू लाइव पे आप चेक करें बिल्कुल चेक करेंगे फटाफट से देखेंगे ये देखें कह रहे टेस्टिस से जाएगा एपीडाइडमिस में और फिर वासा इफरेंशिया रॉन्ग सेमिनिफेरेस्टिब्यूल से रेटी टेस्टिस वासा इफरेंशिया एपिडाइडमिस वास डिफरेंस इजैकुलेटरी डक्ट यूरेथ्रा यूरेथ्रल मीटस सेमिनी फेरेस्टिब्यूल से वासा इफरेंशिया में जाएगा फिर एपिडाइडमिस में फिर इंग्विनल कैनाल में जाएगा रॉन्ग टेस्टिस से एपिडाइडमिस एपिडाइडमिस से वासा इफरेंशिया वासाइफरेंशिया से वे वे रॉन्ग 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 तो केवल एक सही हुआ सेकंड ऑप्शन सही हुआ बी ओनली करेक्ट ओनली बी विल बी करेक्ट ओनली बी विल बी करेक्ट चलो बढ़िया एट्टी सिक्स परसेंट कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू इस बार कम से कम इज्जत रख ली आप लोगों ने प्रणाम करता हूँ धन्यवाद देता हूँ आप सभी लोगों का देवियों और सज्जनों. प्रणाम करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ आप सभी लोगों का देवियों और सज्जनों भाइयों और उनकी बहनों इस बार सही हो गया मोए मोए से हम ओए ओए हो गए क्या हो गए ओए ओए हो गए चलो अगला सवाल देखते हैं ये नीट 2020 आपने क्वालिफाई कर लिया नीट 2020 क्वालिफाई कर लिया नीट 2017 का सवाल है 2017 फिर वही डक्ट बार बार करेक्ट पाथ पे क्वेश्चन पूछे गए ध्यान से सुन लें करेक्ट पाथवे पे सवाल पूछे गए इसलिए आप लोग की तैयारी डक्ट सिस्टम पे कुछ ऐसे ही कर लें कि कैसे स्पर्म का ट्रांसपोर्टेशन होता है स्पर्म के ट्रांसपोर्ट का करेक्ट पाथवे क्या है उसी पे सवाल कर ले आपका समय शुरू होता है अब आपका समय शुरू हो चुका है बच्चा पार्टी चेक योर रिजल्ट आप यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन पहले पढ़ें ट्रेस द करेक्ट पाथवे ऑफ स्पर्म ट्रांसपोर्ट फ्रॉम सेमिनिफेरस टिब्यूल रेटी टेस्टिस से वासा एफरेंशिया से एपीडाइडमिस एपीडाइडमिस से वास पहला ऑप्शन से से वासा वासा से रेटी वासा रेटी तो केवल एक भाई साहब सही है ओनली ए विल बी करेक्ट ओनली वन बहुत सारे बच्चों ने सही किया बहुत बढ़िया इन्वॉल्वमेंट है आप सभी लोगों का ए विल बी करेक्ट नब्बे प्रतिशत वाह वाह भाई अल्लाह सुबह अल्लाह और आप सभी लोगों के लिए वल्ला मेरी तरफ से नीट वाले दिन नीट वाले दिन आप सभी लोगों के लिए पार्टी नीट के रिजल्ट वाले दिन आप सभी लोगों के लिए मेरी तरफ से पार्टी इस सवाल का सही जवाब जिन लोगों ने दिया बहुत बड़े बाहुबली हैं आप लोग बहुत बढ़िया वेरी गुड बहुत बढ़िया शाबाश शाबाश मरहबा 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 अगला सवाल नीट का आ चुका है ये देखें अगला सवाल आपके नीट का आ चुका है पोल के साथ शुरू करेंगे द शेयर्ड टर्मिनल डक्ट द शेयर्ड टर्मिनल डक्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव एंड यूरिनरी सिस्टम इन ह्यूमन मेल्स इज एक ऐसा स्ट्रक्चर जो मेल्स के टूटी मैंने बताया था मेल्स की जो टूटी होती है वो टूटी एक ही टूटी है जिससे स्पर्म भी जा रहा है और एक ही टूटी है जिससे यूरिन भी जा रहा है स्पर्म और यूरिन की एक ही टूटी होती है शेयर्ड टर्मिनल डक्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यूरिनरी सिस्टम उसका नाम है यूरेथ्रा आप देखें यूरेथ्रा ही वो स्ट्रक्चर है इसी यूरेथ्रा को ही हम कॉमन डक्ट कहेंगे जिधर से यूरिन का ट्रांसपोर्ट भी हो रहा है ब्लैडर के थ्रू ब्लैडर के थ्रू इधर से ही यूरिन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है यहाँ से यूरिन का ट्रांसपोर्ट भी हो रहा है यूरिनरी ब्लैडर है तो इसके अंदर यूरिन स्टोर हो रही है क्या स्टोर हो रही है यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन की स्टोरेज हो रही है और उसके साथ साथ उसके साथ साथ मेल रिप्रोडक्टिव डक्ट्स भी आकर के यहीं पे आकर के खुल रही हैं तो यहाँ से स्पर्म भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है और स्पर्म के साथ साथ यूरिन भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है बस फर्क इतना है ये दोनों अलग अलग टाइम पे ट्रांसपोर्ट होते हैं तो आंसर यहाँ पे बनाएंगे कॉमन डक्ट जो होगी उसे कहेंगे यूरेथ्रा क्या कहेंगे यूरेथ्रा विल बी द कॉमन डक्ट आंसर बनेगा ए ए विल बी करेक्ट आंसर ए विल बी करेक्ट आंसर 93 परसेंट स्टूडेंट अभी भी अभी भी सात परसेंट स्टूडेंट गलत कर रहे हैं तो नीट का सवाल यहां पे आप देखें नीट के 2015 का सवाल था ये रिलेटेड टू मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम चार सवाल पूछे गए हैं और ये चार के चारों सवाल रिलेटेड है मेल रिप्रोडक्टिव डक्ट से चारों के चारों सवाल मेल रिप्रोडक्टिव डक्ट से ही पूछे गए हैं आप सोच के देखें मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको क्या पढ़ना है किस बात पे मेन फोकस करना है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में किस बात पे मेन फोकस करना है वो क्या है जल्दी बताएंगे वो है रिप्रोडक्टिव डक्ट्स ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म का करेक्ट पाथवे क्या है इसके बेस पे सवाल पूछे गए हैं ठीक है जी आगे चले अब शुरुआत करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बोलो यहां तक की बात अगर समझ आई हो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड बेसिक चीज़ें अगर आपको समझ आ गई हो तो एक बार थम्स को अप करना बनता है बच्चों एक बार थम्स को अप कर देंगे समय सीमा का अभाव है इसलिए हम लोग बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारी चीज़ों को बहुत डिटेल में ना ले जाते हुए मेन मेन टारगेट करेंगे उन उन पॉइंट्स पे जो एन से होते हुए जाएंगे और नीट के सवालों को आपको कराने में मदद करेंगे आपका नीट का एक भी सवाल मिस नहीं होगा एन की एक भी लाइन मिस नहीं करेंगे हम लोग हर बात प्रॉपर डिस्कस करके चलेंगे समय थोड़ा लगेगा टाइम थोड़ा लगेगा लेकिन टाइम तो देना ही पड़ेगा क्योंकि आपके इस फ्यूचर इस बार नीट 2024 का सवाल है नीट 2024 क्रैक करके आना है इसलिए हमें हर चीज हर बात को प्रॉपर तरीके से डिस्कस करना पड़ेगा ठीक है जी चलें आगे चलें आगे बढ़ते हैं बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं बेटा स्लो तो देखो हैं हम थोड़ा स्लो हैं लिटिल बिट स्लो बट इट विल हेल्प यू इफ आई विल बी फास्टर देन आई हैव टू स्किप मैनी टॉपिक्स एज एज मैनी डू एज मैनी डू तो आई विल नॉट आई विल नॉट स्किप आई एम नॉट गोइंग टू स्किप एनी थिंग आई विल एक्सप्लेन एवरी थिंग इन द डिटेल इफ़ यू वॉन्ट टू स्किप द थिंग्स देन आई विल If you want to skip the things, I will. I am writing also. I am making the, the drawing also. I am drawing also. I am writing also. I am explaining also. I am solving the question also. I am solving the question also. And I will give you everything, every explanation. Every explanation I will give. तो डोंट वरी गो डोंट गो फास्टर गो स्लो गो स्लो क्योंकि गाना भी तो बना है धीमे 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 भाई धीमे धीमे चलने से फ़ायदा है धीमे धीमे चलने से फ़ायदा है जल्दबाजी में कुछ नहीं रखा जिंदगी में जल्दबाजी करने जिनको जल्दी थी वो चले गए जिनको जल्दी थी वो गुजर गए ज़्यादा जल्दबाजी ठीक नहीं है ज़्यादा जल्दबाजी ठीक नहीं है बाबू हैं आराम से चलो कहाँ जल्दी है रात बाकी बात बाकी होना है जो हो जाने दो कम से कम चैप्टर तो फिनिश हो जाने दो ठीक है जी शुरू करें 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 करे, करे। चलो शुरू करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फिर वही कहानी जैसे कि मेल्स में कही थी हमने मेल्स में डिस्कस किया था कि ओवरी यहाँ पे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है ये ओवरी है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है ये फीमेल्स के केस में ओवरी को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है और डक्ट सिस्टम ग्लैंड और एक्सटर्नल जेनेटेलिया इन तीनों को अगर आप मिला दोगे तो ये तीनों के तीनों फीमेल्स के सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स कहे जाते हैं इन्हें कहते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स और जो रोल मेल्स में होता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का गैमिट का ट्रांसपोर्टेशन फर्टिलाइजेशन करना इन सब के लिए ये रोल प्ले करता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन और ये जो है डक्ट सिस्टम ग्लैंड्स और एक्सटर्नल जेनिटेलिया ये है सेकेंडरी फीमेल के एग्जाम्पल में क्वेश्चन आ सकता है आइडेंटिफाई प्राइमरी आइडेंटिफाई सेकेंडरी तो पहला डिफरेंस तो यहीं से क्लियर कर लो दूसरा सवाल कह रहे दूसरा सवाल ह्यूमंस के केस में ओवरी जो होती है ओवरी जो होती है उस ओवरी की अगर हम बात करते हैं तो ह्यूमंस के केस में ओवरी जो होती है वो फीमेल्स में लोअर एबडोमिनल कैविटी में पाई जाती है कहाँ पाई जाती है लोअर एबडोमिनल कैविटी में लोअर एबडोमिनल कैविटी जिसे पेल्विक कैविटी कहते हैं क्या कहते हैं लोअर एबडोमिनल कैविटी जिसे पेल्विक कैविटी कहते हैं ओवरी वहाँ पे पाई जाती है और डक्ट सिस्टम की बात करें तो डक्ट सिस्टम शुरू होता है फीमेल में फैलोपियन ट्यूब जिसे हम कहते हैं ओवी डक्ट। डक्ट जिसे फैलोपियन ट्यूब कहा जाता है डक्ट जिसे कहते हैं फैलोपियन ट्यूब एफ टी कहते हैं फैलोपियन ट्यूब कहते हैं और इसके तीन पार्ट्स होते हैं इसमें एक होता है इनफंडी बुलम क्या होता है इनफंडी बुलम होता है बलम होता है ये और उसके बाद आता है एम्प्यूला आई ए आई एम्प्यूला और फिर आता है तीसरा तीसरा पार्ट आता है इस थमस कौन आता है इस थमस आता है फिर आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यूटरस क्या आता है यूटरस आता है इस यूटरस के तीन पार्ट्स होते हैं एक होता है जिसे कहते हैं यूटराइन फंडस एक होता है यूटराइन बॉडी और एक होता है यूटराइन सर्विक्स ये यूटरस के पार्ट्स होते हैं और फिर आता है नेक्स्ट लेवल पे थर्ड जो फीमेल का कॉपुलेटरी ऑर्गन कहा जाता है कॉपुलेशन कैनाल कहा जाता है इसे बर्थ कैनाल भी कहते हैं इसका नाम होता है वाजीना यह है वाजीना वेजीना होती है क्या होती है यह होती है वाजीना यह होती है वेजीना तो वेजीना होती है वजीना उसके बाद ग्लैंड की बात करते हैं तो फीमेल्स में एक्सेसरी ग्लैंड जो होती है एक होती है जिसे कहते हैं बार्थोलिन्स ग्लैंड बारथोलिंस ग्लैंड एनसीईआरटी में नहीं दी हुई है दूसरा जो है एक होती है जिसे कहते हैं बाल बारथोलिस ग्लैंड कहते हैं और एक होती है पैरा यूरेथरल या स्कीस ग्लैंड एनसीईआरटी में नहीं है लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है पैरा यूरेथरल ग्लैंड कहते हैं इसके बारे में एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है लेकिन जिसमें एक्सप्लेन किया हुआ है फीमेल्स में वहाँ पे आती है मैमरी ग्लैंड कौन सी ग्लैंड आती है मैमरी ग्लैंड आती है और एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में फीमेल्स में आता है वल्वा क्या आता है इसे कहते हैं कलेक्टिवली एक्सटर्नल जेनाइटेलिया ऑफ़ फीमेल इज कॉल्ड वल्वा फीमेल के एक्सटर्नल जेनाइटेलिया को कहते हैं वल्वा क्या कहते हैं बच्चों वल्वा कहते हैं फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया को फ़ीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया को वल्वा कहते हैं और ये जो वल्वा होती है बेटा इसमें आती है आपकी मोन्स प्यूबिस क्या आती है मोन्स प्यूबिस आती है प्यूबिस आती है इसमें आती है लेबिया मेजोरा एंड माइनोरा क्या आती है लेबिया मजोरा एंड लेबिया माइनोरा इसके अलावा इसमें फ़ीमेल्स में आती है क्लाइटोरिस क्या आती है बेटा जी क्लाइटोरिस आती है प्यूबिस के साथ लेबिया के साथ क्लाइटोरिस आती है ये फीमेल्स एक्सटर्नल जेनाइटेलिया के पार्ट्स होते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया की तो ध्यान से समझें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरी से शुरू होकर के ये सारे पार्ट्स होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बोलो समझ में आ गया बच्चों बोलो समझ में आ गया बच्चों फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स समझ आ गए सबको जल्दी से बताएंगे जल्दी से बताएंगे बेटा जी कि फ़ीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एक एक पार्ट्स के नाम याद हो गए ओवरी से शुरू करेंगे फिर आती है ओविडक्ट फिर आती है यूटरस और फिर आता है वेजाइना फिर यहाँ पे बात आती है ग्लैंड की तो ग्लैंड्स में आप देखेंगे बारथोलिन ग्लैंड पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड NCRT में नहीं है फिर आती है यहाँ पे मेमरी ग्लैंड और फिर आते हैं ये मोन्स प्यूबिस लेबिया मेजोरा माइनोरा क्लाइटोरिस हाइमन के बारे में बताएंगे बेटा जी हाइमन के बारे में अलग से बताएंगे हो या ना हो हाइमन तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे डोंट वरी हम हर बात डिस्कस करेंगे कुछ नहीं छोड़ेंगे तो अब अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स के बारे में कहानी को आगे ले चलते हैं ये कौन गए भक्ति रतन भागलपुर से आए हैं कह रहे हैं हेलो भाई और बहन हाँ जी नमस्कार भाई और बहनों हिस्टेरा वॉम अभी सब आएगा काहे घबरा रहे हैं काहे घबरा रहे हैं सब के बारे में बात होगी यहाँ सब के बारे में बात होगी पुरुष हो या महिला लड़का हो या लड़की बच्चा हो या बच्ची हर किसी के बारे में यहाँ पे बात की जाएगी पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा हर स्ट्रक्चर को ध्यान से सुनेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात हो रही है ओवरी की बात हो रही है किसकी बात हो रही है ओवरी की बात हो रही है और एनसीईआरटी में लिखा है कि ओवरी जो होती है ओवरी जो होती है अगर हम इसकी बात करें ह्यूमन फीमेल की जो ओवरी है जो लोअर एबडोमिनल कैविटी में लोकेटेड होती है जो अटैच्ड होती है अगर आप देखोगे एबडोमिनल वॉल से भी अटैच होती है और यूटरस से भी अटैच होती है बाय द हेल्प ऑफ लिगामेंट ये देखें कह रहे ये जो ओवरी होती है फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फ़ीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर हम ओवरी की बात करें फ़ीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर हम ओवरी की बात करें ओवरी की बात करें फ़ीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें आप समझें आप समझने की कोशिश करेंगे कि फ़ीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरी जो होती है वो लोवर एबडोमिनल कैविटी में पाई जाती है ध्यान से देखें और सुने और समझें कह रहे हैं फीमेल में ओवरी जो होती है ये देखें ये एलमंड एक बादाम के आकार की एक बादाम के आकार का स्ट्रक्चर होती है ये ओवरी ये देखें ये ओवरी जो होती है ये एब्डोमिनल कैविटी में लोकेटेड होती है और इसे सपोर्ट करता है ये लिगामेंट ये देखें ये सपोर्ट करता है लिगामेंट एनसीआरटी ने लिखा है ओवरी सपोर्टेड बाय लिगामेंट्स चाहे वो एब्डोमिनल वॉल से अटैच करता हो चाहे वो एब्डोमिनल वॉल से अटैच करता हो या फिर या फिर ओवरी की वॉल को सपोर्ट करता हो ओवरी की वॉल को सपोर्ट करता हो कह रहे ये सारा कुछ जो होता है ओवरी के आसपास का जो एरिया होता है ये देखें ओवरी अपने चारों तरफ जो होती है वो कनेक्टेड होती है इसी एबडोमिनल वॉल से कनेक्टेड होती है इन्हीं स्ट्रक्चर्स के थ्रू एबडोमिनल वॉल से कनेक्टेड होती है लिगामेंट्स की मदद से ये देखें ये एबडोमिनल वॉल से लिगामेंट्स की मदद से अटैच होती है और यूट्रस से भी अटैच होती है लिगामेंट्स की मदद से तो ये देखेंगे आप ओवरी को अटैच किया गया है ये है ओवरी इसे कह रहा हूँ मैं इसे कह रहा हूँ मैं ओवरी क्या है बेटा ये ये है ओवरी ये है ओवरी एक सिंगल ओवरी इस साइड पे है जो कि यहाँ पे लोकेटेड है कनेक्टेड है ओवेरियन लिगामेंट से किससे कनेक्टेड है बेटा ये कनेक्टेड है ओवेरियन लिगामेंट से ओवेरियन लिगामेंट से कनेक्टेड है और चारों तरफ इसके और भी कनेक्टिव टिश्यू या लिगामेंट्स पाए जाते हैं जो कि कनेक्ट करते हैं ओवरी को यूट्राइन वॉल एबडोमिनल वॉल से भी कनेक्ट करते हैं ये तो अगर हम ओवरी की बात करें तो ये यूट्राइन वॉल से और ओवरी यूट्रस से भी कनेक्टेड होती है लिगामेंट के थ्रू और यहां पे आप देखेंगे यहां पे आप देखेंगे यहां पे आप देखेंगे यहां पे आप देखेंगे ये जो वॉल देख पा रहे हैं इससे हम कह रहे हैं यूट्रस क्या कह रहे हैं इससे हम कह रहे हैं यूट्रस तो यहां आपको देखने को मिलेगा यूटरस और ये यूटरस के पार्ट है बेटा ये यूटरस के पार्ट्स हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर आप देखोगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आप देखोगे तो यहां पे यहां पे आपको वो सारे स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो सब कुछ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या प्रेजेंट है हम हर बात यहां पे डिस्कस करेंगे एक्सप्लेन करेंगे ये देखो ये देखो ये देखो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स है लेवलिंग करेंगे अभी हम इसकी। अभी हम हम इसकी, इसके हर पार्ट की लेवलिंग भी करने जा रहे हैं पहले आपको एक बेसिक स्ट्रक्चरल अपियरेंस दिखा देता हूं एक रफ आइडिया आपको दे देता हूं कि फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कहां से शुरुआत करी जाएगी ये देखें सबसे पहले है ओवरी ओवरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है क्या है ओवरी एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है ये ओवरी और यहाँ पे ये जो कनेक्ट हो रही है ये जो हो रही है कनेक्ट इसे कह रहे हैं डक्ट इसे कहते हैं ओविडक्ट या इसी को कहते हैं फैलोपियन ट्यूब क्या कह रहे हैं हम इसे फेलोपियन ट्यूब कह रहे हैं और इस ट्यूब की लेंथ जो होती है वो 10 से 12 सेंटीमीटर की होती है 10 टू 12 सेंटीमीटर की होती है ये जो ओविडक्ट होती है 10 टू 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है इस ओविडक्ट में ये जो फनल लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे कहते हैं इन फंडीबुलम क्या कहते हैं फनेल लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं इन फंडीबुलम इन फंडीबुलम कहते हैं और उसके ऊपर फिंगर लाइक एज जो दिखाई दे रही है ये जो फिंगर लाइक एज दिख रही है इसे कहते हैं फिम्बरी क्या कहते हैं इसे कहते हैं फिंगर लाइक एज इसे कहते हैं फिम्बरी क्या कहते हैं फिम्बरी कहते हैं ये फिंगर लाइक एज है फिम्बरी ये जो आप देख रहे हो इसे फनल लाइक स्ट्रक्चर इन फंडिबुलम कह रहे हैं और जो वाइड कैनाल आप देख पा रहे हो इसे कह रहे हैं वाइडर कैनाल वाइडर कैनाल जिसे कहते हैं एम्प्यूला क्या कहते हैं एम्प्यूला कहते हैं जो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन कही जाती है और फिर ये जो पतली नैरो ट्यूब दिखाई दे रही है इस नैरो ट्यूब को कहते हैं इस्थमस क्या कहते हैं ट्यूब को कहते हैं स्थमस जो क्लोजर टू यूटराइन कैविटी होती है या यूटरस होती है इसे कहते हैं स्थमस क्या कहते हैं स्थमस कहते हैं तो देखो ये फिंगर लाइक एज है फिमरी फनल लाइक स्ट्रक्चर है इनफंडिबुलम ये जो आपको दिखाई दे रहा है एम्प्यूला इस्थमस और ये दिखाई दे रही है यूटराइन कैविटी इसे कहते हैं यूटेराइन कैविटी इसे कहते हैं यूटराइन कैविटी ये है यूटरस का फंडस इसे कहते हैं यूटराइन फंडस ये है यूटराइन फंडस इसे कहते हैं यूटराइन बॉडी इसे कहते हैं यूटराइन इसे कहते हैं इसे कहते हैं इसे कहते हैं यूटराइन बॉडी इसे कहते हैं यूटराइन बॉडी और इसे कहते हैं सर्विक्स इसे कहते हैं सर्विक्स इसे कहते हैं वेजाइना वेजाइना कहते हैं और वेजाइना की एग्जिट पॉइंट को जिस गार्ड ने घेरा हुआ है इस गार्ड का नाम होता है हाइमेन हाइमेन एक टेम्परेरी मेम्ब्रेन होती है क्या होती है ये एक टेम्पोरेरी मेम्ब्रेन होती है इसे कहते हैं टेम्पोरेरी मेम्ब्रेन तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको दिखाई दे रहा होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको दिखाई दे रहा होगा कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरी है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवरी है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कनेक्टेड है यू इधर यूट्राइन वॉल से और एब्डोमिनल वॉल से बाय द हेल्प ऑफ लिगामेंट ओवरी से कनेक्टेड है फेलोपियन ट्यूब जिसे कहते हैं ओविडक्ट जो ओवम को कलेक्ट करके लेकर के आती है एम्पुला में जहां फर्टिलाइजेशन होता है आप याद रखेंगे एम्प्यूला इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या होता है एम्प्यूला जो होता है उसे कहते हैं साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन होता है एम्पुलरी रीजन में याद रखेंगे इसमें जो वॉम्ब होती है वॉम्ब होती है उसे कहते हैं यूटरस यूटरस का दूसरा नाम है वॉम्ब आप याद रखेंगे यूटरस जो होता है बेटा यूटरस को कहते हैं हिस्टेरा क्या कहते हैं हिस्टेरा कहते हैं यूटरस को भी कहते हैं यूटरस को हिस्टरा कहते हैं यूटरस को वॉम्ब कहते हैं और यूटरस के पार्ट में मैंने बताया तीन पार्ट होते हैं एक होता है फंडस होता है एक होता है कॉर्पस बॉडी और एक होती है सर्विक्स और अगर आप सर्विक्स के अंदर की कैविटी को देखोगे तो उसे कहते हैं सर्विकल कैनाल या सर्विक्स कैविटी जो सर्विक्स की कैविटी होती है और जो वेजाइना की कैनाल होती है इन दोनों को बर्थ कैनाल कहते हैं इस सर्विक्स के अंदर की जो कैविटी होती है ध्यान से देखें इस डायग्राम को यहाँ पे देखें कह रही इस डायग्राम में अगर आप देखोगे यहाँ पे जो सर्विक्स की कैनाल है ये ये जो सर्विक्स की कैनाल है और जो वजाइना की कैनाल है इन दोनों कैनाल को अगर आप देखोगे इन दोनों को मिला दें सर्विक्स की जो कैनाल है वो और वेजाइना की कैनाल को अगर आप मिला दो ये यहाँ पे जो सर्विक्स की कैनाल है और वेजाइना की कैनाल है इन दोनों को मिला दें सर्विकल कैनाल ये देखें ये जो सर्विकल कैनाल होती है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये सर्विकल कैनाल जिसे सर्विकल कैविटी भी कह सकते हो कैनाल जो है और जो वेजाइनल कैनाल होती है वेजाइना होती है इन दोनों को अगर हम मिला दें तो इसी को कहते हैं बर्थ कैनाल क्या कहते हैं इसे कहते हैं बर्थ तो कैनाल तो सर्विकल कैनाल इज इक्वल टू सर्विकल कैनाल प्लस वेजाइना इज इक्वल टू बर्थ कैनाल अकेले वजाइना को पूछा जाए तो आप बताओगे अकेले वजाइना इज कॉल्ड कॉप्युलेशन कैनाल क्या कहते हैं इसको अकेले वजाइना को कॉप्युलेशन कैनाल कहते हैं ओनली वजाइना इज कॉल्ड कॉप्युलेशन कैनाल वजाइना विद सर्विकल कैनाल इज कॉल्ड कॉपुलेशन कैनाल ये वही कैनाल है जिसके थ्रू स्पर्म पेनिस जो होता है मेल का कॉपुलेटरी ऑर्गन फीमेल के वजाइना के अंदर इंसर्ट किया जाता है इनसेमिनेशन करने के लिए गैमिट ट्रांसफर करने के लिए तो ये जो सर्विकल कैनाल है और वजाइना है इन्हीं दोनों को हम कहते हैं बर्थ कैनाल बोलो इतनी बात समझ में आ गई बोलो आप समझ में आ गई इतनी बात समझ में आ गई इतनी बात समझ में आ गई यहां तक का क्लियर हो गया कि नहीं हो गया अभी आगे बढ़ते हैं एक बात और करेंगे अभी बहुत कुछ पढ़ना बाकी है बहुत कुछ पढ़ना बाकी है कहानी को आगे बढ़ाते हैं बोलो इतनी बात सबको समझ में आ गई समझ में आ गई जल्दी बताएं तो आगे बढ़ाते हैं इस कहानी को फटाफट से और आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाते हैं जी हैं जी आगे बढ़ाए ना आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं देखो शुरू करते हैं पॉइंट वाइज लिखना शुरू करते हैं ओवरी जो होती है बेटा जी ओवरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वन पेयर होती है एक जोड़ी होती है इस सिंगल ओवरी को अगर आप देखोगे इस सिंगल ओवरी को अगर आप देखोगे सिंगल ओवरी का स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो कुछ इस टाइप से दिखने वाली ओवरी कुछ इस टाइप से दिखने वाली ओवरी अपना कुछ रंग कुछ ऐसा दिखाती है कुछ ऐसा जनरल सा मतलब मैं आपको बहुत ज्यादा नहीं इसमें कुछ बेसिक चीजें बताने जा रहा हूं यहां आप ओवरी का स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो इस ओवरी के अंदर ब्लड सप्लाई लेकर के आती है ये यहां पे नर्व सप्लाई आती है ओवरी के अंदर ओवरी की जो मेम्ब्रेन होती है उसे कहते हैं जर्मिनल एपिथीलिया क्या कहते हैं इसकी मेम्ब्रेन को कहते हैं जैसे टेस्टिस में पाई जाती है जर्मिनल एपिथीलिया वैसे ओवरी में भी पाई जाती है जर्मिनल एपिथीलिया और इस जर्मिनल एपिथीलिया के अंदर की जो लाइनिंग होती है इस जर्मिनल एपिथीलिया के अंदर की लाइनिंग कनेक्टिव टिश्यू जिससे ये बनी होती है इसे कहते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजीनिया क्या कहते हैं इसको इसे कहते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया जो अंदर की लाइनिंग बनाती है ये कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ है ट्यूनिका एल्ब्यूजिया ओवरी के अंदर जो एरिया पूरा का पूरा एरिया देख रहे हो इसे कहते हैं ओवेरियन स्ट्रोमा क्या कहते हैं ओवरी के अंदर का पूरा एरिया जो देख रहे हो इसे कहते हैं ओवेरियन स्ट्रोमा और इस स्ट्रोमा के अंदर दो पार्ट्स होते हैं अगर आप डिवाइड करोगे ओवरी के अंदर इस पूरे स्ट्रोमा को तो ओवरी के अंदर का जो पूरा एरिया है इसे कहते हैं स्ट्रोमा और ये जो स्ट्रोमा होता है ना बेटा ओवरी के अंदर का पूरा एरिया डिवाइडेड है दो पार्ट में एक होता है पेरीफेरल पार्ट पेरीफेरल पार्ट होता है जिसे कहते हैं ओवेरियन कॉर्टेक्स क्या कहते हैं इसको ओवेरियन कॉर्टेक्स कहते हैं और अंदर का जो पार्ट होता है इसे कहते हैं इनर पार्ट कहते हैं जिसका नाम होता है ओवेरियन मेड्यूला क्या नाम होता है मेड्यूला ओवेरियन मेड्यूला और कॉर्टेक्स इनर पार्ट को कहते हैं ओवेरियन मेड्यूला तो ओवरी के बाहर और ओवरी के अंदर को बाहरी एरिया को कॉर्टेक्स कहेंगे अंदर वाले को मेड्यूला कहेंगे मतलब ओवरी के अंदर का जो पूरा एरिया है फिल्ड होता है जिस फ्लूड से उस एरिया को कहते हैं ओवेरियन स्ट्रोमा इस पूरे एरिया को कहते हैं ओवेरियन स्ट्रोमा और ओवेरियन स्ट्रोमा के दो पार्ट्स होते हैं ओवेरियन स्ट्रोमा स्ट्रोमा मतलब होता है फ्लूड पार्ट ओवरी के अंदर भरा हुआ फ्लूड पार्ट होता है स्ट्रोमा और इसके दो पार्ट्स होते हैं आउटर पार्ट होता है जिसे कहते हैं पेरिफेरल पार्ट उस आउटर पार्ट को कहते हैं कॉर्टेक्स याद रखेंगे ओवरी के अंदर कॉर्टेक्स एरिया जो होता है वो फंक्शनल एरिया होता है और जो पेरिफेरल पार्ट के बाद इनर एरिया होता है इनर एरिया होता है जिसे मेड्यूला कहते हैं ओवरी में ये मेड्यूला रिड्यूस्ड पार्ट होता है कैसा पार्ट होता है रिड्यूस्ड पार्ट होता है इसी फंक्शनल एरिया में ग्रोथ होती है ग्रोथ ऑफ फॉलिकल्स होता है डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स होता है क्या होता है डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स ओवेरियन फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता है जिस एरिया में वो कॉर्टिकल एरिया होता है कॉर्टेक्स का पार्ट होता है और जो मेडुलरी पार्ट होता है नॉन फंक्शनल एरिया होता है वहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं होता ध्यान रखेंगे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये तो कह रहे हैं ये जो ओवरी का स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हो ये जनरलाइज्ड है जर्मिनल एपिथीलिया होती है अंदर की तरफ कॉल्टेक्स और यहां पे आउटर पार्ट में कॉल्टेक्स और अंदर मेडुला मेडुलरी पार्ट नॉन फंक्शनल है इधर आपको दिखाई दे रही है ब्लड और नर्व सप्लाई क्या होती है ओवरी के अंदर ब्लड और नर्व सप्लाई की एंट्री इधर से होती है ब्लड एंड नर्व सप्लाई आती है ओवरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं ओवरी जो होती है इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन फीमेल्स फीमेल्स में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं फीमेल्स में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं ओवरी को और ये जो ओवरी होती है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है सोर्स ऑफ सेक्स हार्मोन सोर्स ऑफ सेक्स हॉर्मोन इन फीमेल्स सेक्स हॉर्मोन सीक्रेट करती है एंड साइट फॉर गैमिट प्रोडक्शन साइट ऑफ गैमिटोजेनेसिस या ऊ जेनेसिस जो ओवम का फॉर्मेशन होता है ऊ जेनेसिस होती है वो भी यहीं पर होती है तो ओवरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों है ओवरी को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों कहते हैं ओवरी कहाँ लोकेटेड होती है ओवरी की मेम्ब्रेन किस चीज की बनी होती है ओवरी के अंदर फ्लूड किस चीज का बना होता है ये बात सबको समझ में आ गई यहां तक की बात सबको समझ में आ गई आगे चलें जल्दी बताएं ओवरी से संबंधित ये बेसिक पॉइंट समझ आ गई तो आगे बढ़े बहुत बेसिक चीज बताई अभी मैंने ओवरी से रिलेटेड एकदम बेसिक बात बताई है कहानी को आगे ले चले और आप अगर चीजों को समझ रहे हो तो एक बार फटाफट से बता दे एफर्ट वेस्ट नहीं जाना चाहिए एफर्ट वेस्ट नहीं जाना चाहिए मैं चाहता तो एनसीईआरटी की फोटोकॉपी चिपका के भी लाइनों को पढ़ सकता था मैं चाहता तो एनसीईआरटी की फोटो चिपका करके लाइनों को पढ़ भी सकता था लेकिन नहीं बेटा एनसीईआरटी तो आपके पास है ही एन सी आर टी की आपके पास किताब तो आपके पास है ही है आप चाहो तो वो लेके बैठ सकते हो लेकिन क्लास में डायग्राम बनाना क्लास में आपको एक्सप्लेन करना एक एक बात को ताकि आज ही के आज वो चीज़ें रिवाइज हो जाएं जो कुछ भी दिमाग में कहीं एक बार पहले कभी पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी वो आपको रिवाइज़ हो जाए तो ये कोशिश जो है पी डब्ल्यू ने आपके लिए की है टीचर्स अलग अलग टीचर्स अलग अलग टॉपिक्स आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं पढ़ा रहे हैं कंप्लीट एलेवेंथ आपने पढ़ ली और उसकी समाप्ति आपने कर ली है अब आपका ये आरंभ प्रचंड बन करके आपके क्लास ट्वेल्थ का सिलेबस पढ़ाएगा और इस क्लास ट्वेल्थ के सिलेबस में हर टॉपिक को एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा मैं मेरी पूरी कोशिश होगी कि आप सभी लोगों को टॉपिक को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया जाए और जैसे कि आप जानते हो टॉपिक कम है टॉपिक बड़ा है ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन एक बहुत बड़ा टॉपिक है बहुत बड़ा चैप्टर है और इस चैप्टर में इस टॉपिक में अगर आप अपना मन लगाओगे और साथ दोगे ना बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा बहुत अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा अगर आपने साथ दिया आपने मन लगा करके पढ़ा और आपने सपोर्ट किया तो आप सपोर्ट नहीं करोगे तो ये मोरल डाउन हो जाएगा मेंटली अगर आप देखोगे किसी भी टीचर के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसके बच्चे साथ में बैठ करके अगर पढ़ रहे हो तो असली मज़ा आ जाता है बहुत मज़ा आ जाता है क्लास का मज़ा असली तभी है जब बच्चे और टीचर दोनों मिल करके एफर्ट लगा रहे हो क्योंकि हमारी आपकी दोनों की मेहनत काम आने वाली है नीट दो नीट दो को क्रैक करने के लिए नीट 2024 को क्रैक करने के लिए हमारी और आपकी दोनों लोगों की मेहनत काम में आने वाली है तो मन से पढ़ेंगे दिल से पढ़ेंगे आग लगाएंगे नीट 2024 को फोड़ के आएंगे एकदम फोड़ के आएंगे ठीक है जी शुरू करें पढ़ाई शुरू करते हैं देखें कुछ बच्चे पूछ रहे हैं ये डॉटेड लाइन क्या है बेटा ये डॉटेड लाइन जो होती है मैंने अभी बताया था इसका एनसीआरटी में जिक्र नहीं है लेकिन आप चाहो तो लिख लो इसे कहते हैं ट्यूनिका एल्बुजीनिया कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ है इसे कहते हैं ट्यूनिका एल्बुजीनिया ट्यूनिका एल्बुजीनिया कहते हैं इसको क्या कहते हैं ट्यूनिका एल्बुजीनिया कहते हैं ट्यूनिका एल्बुजीनिया कहते हैं ठीक है चले आगे शुरू करते हैं कहानी का फीमेल की ओवरी से रिलेटेड कुछ पॉइंट हो गए अब हम ओविडक्ट के पॉइंट्स करेंगे सेकेंड है ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब क्या नाम है ओविडक्ट है या फेलोपियन ट्यूब है मैंने आपको बताया ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब 10 से 12 सेंटीमीटर की ट्यूब होती है फेलोपियन ट्यूब 10 से 12 सेंटीमीटर की ट्यूब होती है और इस 10 से 12 सेंटीमीटर की ट्यूब का पर्पस होता है ओवम को कलेक्ट करना ये देखें ये 10 से 12 सेंटीमीटर की ट्यूब जो होती है इसका काम होता है ओवम को कलेक्ट करना और साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन तक पहुंचाना ओवम को कलेक्ट करना और उसे साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन तक पहुंचाना ये देखें यहां पे आपको फीमेल की ओवी डक्ट दिखेगी और इस डक्ट में इस डक्ट में आपको मिलेगा फेलोपियन ट्यूब ये जो आपको मैं बना करके दिखा रहा हूं ये समझा रहा हूं यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा कि वो भी होती क्या है ये एक स्ट्रक्चर है जो ओवम को ओविलेशन के बाद कलेक्ट करता है मतलब सीधा का सीधा ऐसे कहो कि कैच आउट करता है ये देखें ये जब ओवरी जब ओवरी ओवम को रिलीज करती है जब ओवरी ओवम को रिलीज करती है जब ये हमारी ओवरी हमारी क्या मतलब फीमेल्स की ओवरी कह रहे जब ओवरी फीमेल्स की यह ओवम को रिलीज करती है ये देखें ये स्ट्रक्चर शो करने जा रहा है ओवम के रिलीज को ये ओवरी जो है बेटा ये ओवरी जो है ये ओवम को रिलीज करती है ये देखें ये ओवम रिलीज किया ओवरी ने इस ओवरी ने ओवम को रिलीज किया इस ओवम को हम कह रहे हैं सेकेंडरी ऊसाइट हम आगे बात करेंगे इसके बारे में इसे हम ओवम कह रहे हैं ओविलेशन के बाद ओवम रिलीज हुआ है क्या हुआ है ओविलेशन के बाद ओवम रिलीज हुआ है अब क्वेश्चन उठता है ध्यान से सुने सभी लोग ध्यान से सुनेंगे ओवम जब रिलीज होता है तो ज्यादातर लोगों को यह कंफ्यूजन रहती है कि ओवम डायरेक्टली कहाँ जाता है ओवम क्या सीधा फेलोपियन ट्यूब में जाता है आप बोलोगे नहीं ओवम सबसे पहले एबडोमिनल कैविटी में रिलीज होता है कहाँ रिलीज होता है ओवम सबसे पहले एबडोमिनल कैविटी में रिलीज होता है एबडोमिनल कैविटी में फ़ीमेल ओवम को रिलीज़ करती है इसीलिए ओबुलेशन के टाइम पे फीमेल जो होती है उसके एबडोमिन में थोड़ा पेन होता है जिस ओवरी से ओवम रिलीज होता है ओवम से जब जब ओवरी से ओवम रिलीज होता है तो फीमेल को ओबुलेशन डे के दिन हल्का माइंड सा मीठा सा माइल्ड सा दर्द होता है मीठा दर्द होता है हल्का हल्का दर्द होता है जो इंडिकेट करता है फीमेल के ओबुलेशन डे को तो फीमेल की बॉडी में ये जो ओवम है वो रिलीज़ होता है और उसके बाद ये जो फिम्बरी होती है ये जो फिम्बरी होती है वो उस एग को कलेक्ट करती है एग को कलेक्ट करती है और इसे भेज देती है फनल लाइक स्ट्रक्चर में जिसका नाम होता है इन फंडीबुलम क्या कहते हैं इसे कहते हैं इन फंडीबुलम इन फंडीब्यूलम कहते हैं और उसके बाद ये आता है एम्प्यूला जैसे कि मैंने दिखाया आपको ये वाइडर रीजन आपको दिखाई दे रहा है ये वाइडर कैनाल जो दिखाई दे रही है आपको इसे कहते हैं एम्प्यूला ये होती है वाइडर कैनाल जहां पे ओवम यहीं पे स्टोर रहता है साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है ये एम्प्यूला डायलेटेड या वाइडर पोर्शन जहां पे ओवम आफ्टर ओबुलेशन यहीं पे स्टोर रहता है यहीं पे फर्टिलाइजेशन होती है स्पर्म यहीं पे एंटर करता है और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इस इस साइट पे आप देखोगे यहाँ पे सिलिएटेड सेल्स पाई जाती है सिलिएटेड एपिथीलिया पाई जाती है फीमेल की फेलोपियन ट्यूब में आपको मिलेगा यहाँ सिलिएटेड सेल्स पाई जाती है सिलियेटेड एपिथीलिया पाई जाती है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप चाहो तो इसको साइड में नोट कर लो फेलोपियन ट्यूब फैलोपियन टीब इन फीमेल्स फैलोपियन ट्यूब इज लाइंड बाई लाइंड बाई सीलिएटेड कॉलमनार सेल्स आपने पढ़ा होगा एनिमल टिश्यूज़ में सीलिएटेड कॉलमनार सेल्स पाई जाती हैं सीलिएटेड कॉलमनार सेल्स पाई जाती हैं इन्हीं कॉलमनार सेल्स की मदद से स्पर्म का जो फर्टिलाइज एग का मूमेंट जो होता है ये जो कॉलमनार सेल्स होती हैं कॉलम जैसी सेल्स होती हैं इन्हीं कॉलम जैसी सेल्स की मदद से ये देखें फैलोपियन ट्यूब के अंदर कॉलम वाली सेल्स होती हैं और इन्हीं कॉलम वाली सेल्स के ऊपर सीलिया पाई जाती है सीलिएटेड एपिथीलिया पाई जाती है ये 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 होती है सीलिया सीलिएटेड सेल्स होती हैं सीलिएटेड सेल्स होती हैं ये और ये सीलिएटेड सेल्स जो होती हैं ये सीलिएटेड सेल्स जो होती हैं ये हेल्प करती हैं फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो जो एम्ब्रियो होता है उसके मूवमेंट में हेल्प करती हैं ये जो एम्ब्रियो यहाँ पे बनता है उसके मूवमेंट में हेल्प करती हैं जो फर्टिलाइज्ड एग है जाइगोट है वो जाइगोट धीरे धीरे यूट्रस में इम्प्लांटेशन के लिए जाएगा यूट्रस की कैविटी में जाता है तो यहाँ पे कह रहे एग जो फर्टिलाइज यहाँ होगा उसको आगे की तरफ मूव करके इम्प्लान्टशन करने में मदद करती है ये सिलिएटेड सेल्स तो अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि फर्टिलाइज एग का मूवमेंट करने के लिए कौन सा स्ट्रक्चर पाया जाता है आप बताओगे सीलिएटेड कॉलमना नीपिथिलिया होती है एंड ऑल्सो एंड एंड ऑल्सो प्रोवाइडेड विद और वहां पे और क्या पाया जाता है एंड ऑल्सो स्मूथ मसल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट क्या होती है स्मूथ मसल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट फेलोपियन ट्यूब में स्मूथ मसल्स भी पाई जाती है ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी यहीं पे आप नोट कर सकते हो चाहो तो और ये सब मिल करके के फर्टिलाइज एग को इम्प्लांटेशन में हेल्प करती है जाइगोट को अटैचमेंट ऑफ यूट्रस में यहाँ से मूव करने में हेल्प करती हैं विच अलाउ द मूवमेंट ऑफ ये जो सीलिएटेड सेल्स हैं सीलिएटेड एपिथीलिया सेल्स विद स्मूथ मसल्स ये दोनों चीजें यहां पे पाई जाती हैं तो यहां तक सबको क्लियर हो गया फेलोपियन ट्यूब की कहानी सबको क्लियर हो गई जल्दी से बता दें जल्दी से बता दें फेलोपियन ट्यूब की कहानी सबको समझ आ गई तो एक बार जल्दी से फटाफट से सभी लोग बता दें क्या आप सभी लोगों को समझ में आ चुका है बोलो भाई जल्दी बताएं जल्दी जल्दी बता दें एक बार फटाक से चैट बॉक्स में जल्दी से बता दें जल्दी से बता दें बोलो भाई समझ आ गया जल्दी बताएं जल मैं पी के आता हूं जल्दी से एक मिनट में पानी पी करके लौटता हूं आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से हाजिर होता हूं आप सभी लोगों के बीच में जल्दी से एक कप पानी पी करके एक घूंट पानी पी करके आप लोगों के बीच में आता हूं एक घूट पानी पी करके आपके बीच में आता हूं बोलो भाई समझ आ गया समझ आ गया सबको आगे चलते बोलो भाई आया समझ में सबको पानी पिए बड़े जमाना हो गया अरसा हो गया पानी पिए ऐसा लग रहा है कि जैसे अरसा हो गया तुम लोग को पढ़ाने के लिए पानी पिए जैसे अरसा हो चुका है नहीं कोई बात नहीं पानी पीते रहेंगे पढ़ाते रहेंगे आते रहेंगे पढ़ाते रहेंगे पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे हमारा लक्ष्य कोई छोटा मोटा तो है नहीं कोई छोटा मोटा ऐसा गली नुक्कड़ का एग्जाम तो है नहीं ऑल इंडिया नीट का एग्जाम है ऑल इंडिया एग्जाम है बच्चों तो ऑल इंडिया के इस एग्ज़ाम में हम सभी लोग ऑल इंडिया के सभी इस एग्जाम में दिन रात पढ़ना पड़ेगा दिन रात तपना पड़ेगा तब जा कर के निखर के आगे आएंगे ठीक है जी 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 आगे चलते हैं तो ये हो गई ओविडक्ट की कहानी अगली बात अगर हम करते हैं ओविडक्ट से आगे ले चलते हैं मैं आपको बताऊं तीसरा पार्ट है वो लिखते हैं फटाफट से यूटरस के बारे में फटाफट से लिखते हैं यूटेरस के बारे में ये है यूटेरस जिसे कहते हैं वॉम्ब जिसे कहते हैं हिस्टेरा क्या कहते हैं इसे कहते हैं वॉम्ब इसे कहते हैं हिस्टेरा इसे कहते हैं मीट्रा भी कहते हैं क्या कहते हैं मीट्रा भी कहते हैं और यूट्रस जो होती है यहाँ पे इसकी तीन लेयर्स होती है थ्री लेयर्ड होता है ये कितनी लेयर्ड होती है थ्री लेयर्ड होता है यूट्रस में तीन लेयर्स होती हैं एक होती है जिसे कहते हैं सबसे इनर लाइनिंग जिसको हम कहेंगे इनर लाइनिंग जो होती है उसे कहते हैं इनर लाइनिंग जो होती है उसे कहते हैं इंडोमेट्रियम क्या कहते हैं इंडोमेट्रियम कहते हैं जो मल्टी लेयर्ड एपिथीलिया की बनी होती है एपिथीलियल लेयर होती है ग्लैंडुलर लेयर होती है एपिथीलियल एंड ग्लैंडुलर लेयर होती है ग्लैंड से बनी हुई लेयर होती है जो मिडिल लाइनिंग होती है इसकी जो नेक्स्ट लाइनिंग की अगर हम बात करें जो मिडिल लेयर होती है जो मिडिल लेयर होती है ये मसल्स की बनी होती है ये बनी होती है मसल्स की इसे कहते हैं मायोमेट्रियम, क्या कहते हैं मायोमेट्रियम कहते हैं जो मस्क्यूलर होती है स्मूथ मसल्स की बनी होती है स्मूथ मसल्स की बनी हुई मस्क्यूलर लाइनिंग होती है और सबसे बाहर पेरिटोनियम का कवर होता है जिसे कहते हैं आउटर मोस्ट आउटर मोस्ट कवर होता है जिसे कहते हैं पेरी क्या कहते हैं पेरीमेट्रियम कहते हैं आउटर मोस्ट कवर को जो कि पेरिटोनियम की लेयर होती है प्रोटेक्टिव लेयर होती है तो यूटरस की जो वॉल होती है थ्री लेयर्ड होती है वॉल ऑफ यूटरस क्या होती है वॉल ऑफ यूटरस जिसे कहते हैं वॉल ऑफ यूटरस जिसे कहते हैं वो थ्री लेयर्ड होती है इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि विच लेयर अंडरगोज मैक्सिमम चेंजेस विच लेयर विच लेयर अंडरगोज अंडर गोज मैक्सिमम चेंजेस कौन सी लेयर है विच अंडरगोज मैक्सिमम चेंजेस ड्यूरिंग मैंस्टुअल साइकिल सबसे ज्यादा चेंजेस कौन सी लेयर में आते हैं ड्यूरिंग मैंस्टुअल साइकिल जब मेंस्ट्रुअल साइकल शुरू होती है तो मैंस्टुअल साइकिल में सबसे ज़्यादा चेंजेस कौन सी लेयर में आते हैं तो आपका आंसर क्या होगा फटाक से बताएंगे विच लेयर अंडर गोज मैग्जिम चेंजेस ड्यूरिंग मैं साइकिल आप बताओगे उस लेयर का नाम है एंडोमेट्रियम कौन सी लेयर होती है इंडोमेट्रियम बहुत सारे बच्चों ने जवाब दिया एंडोमेट्रियम बिल्कुल सही जवाब दिया है एंडोमेट्रियम करेक्ट आंसर होगा यही वो लेयर होती है जहाँ पे इम्प्लान्टशन होती है इंडोमेट्रियम में ही इम्प्लान्टेशन होती है इम्प्लान्टशन ऑफ द एम्ब्रियो जो ब्लास्टोसिस्ट होता है इम्प्लान जब होती है तो करस इन एंडोमेट्रियम एंडोमेट्रियम में ही इंप्लांटेशन भी होती है तो एंडोमेट्रियम का दो पॉइंट है इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे एक तो ये अंडर गो करती है मैक्सिमम चेंजेस इसमें होते हैं मैं साइकिल के दौरान और दूसरी जो होती है पॉइंट वो होती है इंप्लांटेशन इसी लेयर में होती है इसी एंडोमेट्रियम में कैसे होती है अभी आगे पढ़ना है हमें अभी आगे हमें इन्हीं सारी बातों के बारे में पढ़ना है ये हो गई यूटरस की बात ये हो गई यूटरस की बात क्लियर यूटरस की बात क्लियर हो गई आगे चले आगे बढ़े जल्दी से फटाक से आगे बढ़े जल्दी बताएं अभी हम आगे बढ़ने जा रहे हैं अबाउट द वजाइना किसके बारे में बात करने जा रहे हैं हम बात करने जा रहे हैं अबाउट द वजाइना किसके बारे में बात करेंगे बच्चों हम बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट जो है उसका नाम है वजाइना इस वजाइना को हम कह रहे हैं इसे कह रहे हैं कॉप्यूलेशन कैनाल क्या कह रहे हैं इसे कह रहे हैं कॉप्युलेशन कैनाल वेजाइना कॉपुलेशन कैनाल है अलोंग विद सर्विकल कैनाल अलोंग विद सर्विकल कैनाल अभी मैंने आपको बताया सर्विकल कैनाल के साथ अगर आप इसे देखोगे तो अलोंग विद सर्विकल कैनाल इट फॉर्म्स इट फॉर्म्स बर्थ कैनाल इसी के थ्रू चाइल्ड बर्थ होती है इसीलिए इसका नाम है बर्थ कैनाल इसीलिए इसका नाम है बर्थ कैनाल क्योंकि इसी के थ्रू बर्थ होती है इसी कैनाल के थ्रू वजाइना जो होती है एट टू एट पॉइंट सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब होती है फाइब्रोमस्क्यूलर ट्यूब कहते हैं इसको ये फाइबर से बनी हुई मसल्स से बनी हुई फाइब्रो ट्यूब कहते हैं और इसकी लाइनिंग जो होती है वजाइना की लाइनिंग में आप देखोगे वजाइना की लाइनिंग में आप देखोगे तो यहाँ पे नॉन करैटिनाइज एपिथीलिया पाई जाती है क्या पाई जाती है नॉन कैरेटीनाइज एपिथीलिया पाई जाती है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनिमल टिश्यू का क्वेश्चन है ये लेकिन इंपॉर्टेंट है इसलिए ध्यान रखोगे नॉन करेटिनाइज एपिथीलिया पाई जाती है वजाइना में नॉन केरेटिनाइज एपिथीलिया स्क्वामस एपिथीलिया पाई जाती है नॉन केरेटिनाइज स्क्वामस कंपाउंड एपिथीलिया पाई जाती है तो लाइनिंग ऑफ वेजाइना इज नॉन केरेटेनाइज वेजाइना के अंदर जो होते हैं इन वेजाइना एक नेचुरल बैक्टीरिया रहता है लैक्टोबैसिलस नाम का जिसकी वजह से वेजाइना के आसपास का जो एरिया वेजाइनल एरिया जो होता है वो फ्लूड वो एरिया जो होता है उसका पी एच एसिडिक होता है ध्यान रखेंगे द पी एच विद इन वेजाइना पी एच इन वेजाइनल रीजन वेजाइनल रीजन का जो पीएच होता है ये होता है एसिडिक क्या होता है एसिडिक पीएच होता है ड्यू टू बैक्टीरिया यहाँ पे नेचुरली एक बैक्टीरिया पाया जाता है देयर इज अ नेचुरल बैक्टीरिया प्रेजेंट जिसका नाम होता है लैक्टोबैसिलस क्या कहते हैं इस बैक्टीरिया को लैक्टोबैसिलस कहते हैं इस वजह से वजाइना का पीएच जो होता है एसिडिक होता है ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वजाइना को कॉपुलेशन कैनाल कहते हैं वजाइना को बर्थ कैनाल भी कहते हैं फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब होती है नॉन केरेटेनाइज होती है और एसिडिक पीएच होता है यहाँ तक की बात समझ आ गई सबको तो आगे चलते हैं अब वजाइना जो ओपनिंग ऑफ वजाइना ये जो ओपनिंग होती है ऑफ वजाइना वज़ाइना की ओपनिंग इज गार्डेड बाय गार्डेड बाय गार्डेड बाय अ टेम्परेरी मेम्ब्रेन कौन सी मेम्ब्रेन टेम्पोरेरी मेम्ब्रेन होती है एक जो वजाइना की जो ओपनिंग होती है उसे गार्ड करती है टेम्परेरी मेम्ब्रेन जिसे कहते हैं हाईमेन क्या कहते हैं इसे कहते हैं हाईमेन हाइमन जो कि रप्चर कर जाती है हाइमन एक ऐसी मेम्ब्रेन है जो टेम्परेरी है हाइमन इज रपचरड रप्चर हो जाती है रपच्चर्ड ड्यूरिंग फर्स्ट कॉप्युलेशन ड्यूरिंग या ड्यू टू फर्स्ट कॉप्यूलेशन लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट एनसीआर में दिया हुआ है कि हाउ एवर यहीं पे हाउ एवर कह रहे हैं हाउ एवर हाउ एवर दिस लेयर या दिस मेम्ब्रेन हाइमन जो होती है दिस मेंब्रेन कैन बी ब्रोकन कैन बी ब्रोकन कह रहे हैं किसी और रीजन से भी हो सकती है न ड्यू टू डू टू ड्यू टू पार्टिसिपेशन इन पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स एक्टिविटी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भी पार्टिसिपेट करने से ये कभी भी टूट सकती है हाइमन को रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी नहीं कहते विगरस एक्सरसाइज कर रही है वेरी गुड बहुत बढ़िया स्पोर्ट्स एक्टिविटी करे एक्सरसाइज करे रनिंग करें एक्सरसाइज करे फीमेल रनिंग करे या दौड़े भागे या गिर जाए किसी इंजरी की वजह से चोट की वजह से हॉर्स राइडिंग करे किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें तो किसी फिजिकल प्रेशर की वजह से ये मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती है इसलिए इसे रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी नहीं कहते वर्जिनिटी का मतलब होता है सेक्सुअल एक्सपीरियंस तो याद रखेंगे प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ हाइमन सेक्सुअल एक्सपीरियंस का इंडिकेटर नहीं होती ध्यान रखेंगे फ़ीमेल्स में सेक्सुअल इंटरकोर्स का या वर्जिनिटी का इंडिकेटर हाइमेन नहीं होती है पुराने ज़माने की बात होती थी पहले लोग ये सोचते थे पहले लोग ये मानते थे कि ऐसा होगा कि ये वह हाइमेन है पहले के टाइम पे हाइमन का होना ना होना लोग ये सोचते थे कि अगर हाइमन है तो फीमेल को सेक्सुअल एक्सपीरियंस नहीं है अगर हाइमन ब्रेक हो चुकी है नहीं है हाइमन तो इसका मतलब फीमेल इसका मतलब फीमेल को सेक्सुअल एक्सपीरियंस है फीमेल हैज ब्रोकन हर सेक जो वर्जिनिटी जिसको हम कहते हैं वो फीमेल ने ब्रेक कर दी है आ रही बात समझ में कॉपुलेशन का मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है बेटा जी सेक्सुअल इंटरकोर्स कॉपुलेशन का मतलब होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स जब नर और मादा एक दूसरे से शारीरिक संबंध बनाते हैं उसे कहते हैं कॉपुलेशन जब मेल अपने कॉपुलेटरी ऑर्गन को मतलब पेनिस को फीमेल की वजाइना में इंसर्ट करता है उसे कहते हैं कॉपुलेशन समझ आ गया बेटा समझ आ गया ज्ञानी महाराज समझ आ गया ज्ञानी महाराज कॉपुलेशन का मतलब समझ आ गया बोलो बाबू ए बाबू समझ आ गया कि नहीं कॉपुलेशन का डाउट क्लियर हो गया शर्वणी कॉपुलेशन का मतलब मैथुन हिंदी में मैथुन होता है कॉपुलेशन का मतलब जब नर और मादा एक दूसरे से शारीरिक संबंध बनाते हैं उसे कहते हैं कॉपुलेशन समझ आ गया बाबू ज्ञानी ज्ञानी बेटा समझ आ गया अच्छा बच्चा राजा बेटा समझ आ गया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया अभी बात करते हैं अभी अपन बात करेगा फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया की किसकी बात करेगा फीमेल एक्सटर्नल फीमेल के एक्सटर्नल जेनाइटेलिया की बात थोड़ी पर्सनल है इसलिए सभी लोग ध्यान से सुने पर्सनल बातें हैं थोड़ी ध्यान से सुनेंगे थोड़ा ज्ञान लेंगे थोड़ा ज्ञान से समझेंगे ध्यान से समझेंगे ज्ञान से समझेंगे फीमेल के बाह्य जननांगों के बारे में बात होने जा रही है एक्सटर्नल जेनाटेलिया के बारे में बात होने जा रही है पूरे के पूरे एक्सटर्नल जेनाइटेलिया को कलेक्टिवली कहा जाता है कलेक्टिवली कॉल्ड कलेक्टिवली फीमेल के एक्सटर्नल जेनाइटेलिया को कहा जाता है वलवा क्या कहते हैं वलवा कहते हैं फीमेल के एक्सटर्नल जेनाइटेलिया को वलवा कहते हैं क्या कहते हैं बच्चों वलवा कहते हैं और इस वलवा में सबसे पहले आता है मोन्स प्यूबिस क्या आता है मोन्स प्यूबिस सभी मैंने बताए थे नाम तो सारे आपको बताई दिए थे थोड़ा चित्र से बता देता हूं थोड़ा चित्र बना के बता देता हूं चित्र के साथ पढ़ेंगे हैं जी चित्र के साथ पढ़ेंगे चित्र के साथ चित्र के साथ अब की बार पढ़ाई होगी हमारा बच्चा पढ़ेगा एक्सटर्नल जेनाइटेलिया के बारे में हमारे बच्चे पढ़ेंगे एक्सटर्नल जेनाइटेलिया के बारे में ध्यान से देखें कह रहे हैं ये देखें ये दोनों लिम्स हैं फीमेल के फीमेल के ये दोनों लिम्स हैं ये हो गया लेग ये हो गए लेग्स राइट और लेफ्ट लेग्स हो गए ये क्या हो गए ये हो गए लेग्स ये है बेटा लेफ्ट लेग कहते हैं ये जो है इसे कहते हैं राइट लेग क्या कहते हैं इसको राइट लेग कहते हैं और इन दोनों के बीच का जो स्पेस आप देख रहे हो इसमें आपको ये जो पहाड़ी जैसी संरचना दिखाई दे रही है पहाड़ जैसी संरचना जो दिखाई दे रही है इस उभरे हुए हिस्से का नाम होता है इसी एरिया को कहते हैं इसी एरिया को कहते हैं मोंस क्या कहते हैं इसको इस एरिया को कहते हैं मोंस मोंस का मतलब माउंटेन लाइक मोंस का मतलब होता है बेटा मोन्स का मतलब होता है माउंटेन लाइक like, इसे कहते हैं इसे कहते हैं इसे कहते हैं मोंस प्यूबिस इसे कहते हैं प्यूबिस मोन्स का मतलब होता है माउंटेन एलिवेटेड पोर्शन माउंटेन पहाड़ जैसा दिख रहा है छोटा सा पहाड़ छोटा हिल है बहुत बड़ा हिल नहीं है बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है बेटा माउंटेन जो है ये ये बहुत ऊंचा पहाड़ नहीं है छोटे पहाड़ जैसा है ये तो ये छोटा पहाड़ माउंटेन जैसा स्ट्रक्चर इसे कह रहे हैं प्यूबिस यहां देखें कह रहे ये जो एरिया आप देख पा रहे हो ये फीमेल का गुदा द्वार इसे कह रहे हैं एनस क्या कहते हैं इसको इसे कह रहे हैं एनल ओपनिंग ये क्या है बेटा जी ये है पोर ये जो है ये फीमेल का एनल पोर हो गया इसे कह रहे हैं एनल पोर एनल ओपनिंग हो गई एनस हो गया ये कह रहे ये जब मोन्स प्यूबिस नीचे की तरफ कह रहे ये जब पहाड़ी से नीचे उतरते हैं ना इस पहाड़ी से नीचे जब उतरते हैं तो इस एरिया में इस एरिया में लिप जैसा फोल्ड होठों के जैसी संरचना ये देखें ये नीचे की तरफ उतरते हुए होठों जैसी संरचना लिप लाइक फोल्ड्स दिखाई देते ये जो आप देख रहे हो इसे कहते हैं लिप जैसे ये लिप लाइक फोल्ड दिखाई देते ये जो लिप जैसा फोल्ड आपको दिखाई दे रहा है इस लिप जैसे फोल्ड का नाम होता है लेबिया इसे क्या कहते हैं इसे कहते हैं लेबिया क्या कहते हैं बाबो इसे कहते हैं लेबिया और बाहर की तरफ है तो बाहर वाला लेबिया होता है इसे कहते हैं लेबिया मेजोरा इसे कहते हैं लेबिया मेजोरा जो कि होमोलोग होता है होमोलॉगस टू मेल सेक्स ऑर्गन मेल के अंदर जो स्क्रोटम होता है ना उसके होमोलॉगस टू स्क्रोटम कहा जाता है इनकी ओरिजिन इनकी पोजीशन वहीं है जहां पे फीमे जहां पे मेल्स में स्क्रोटम होता है बिल्कुल वहीं पे होता है इसे कहते हैं मेजोरा और इसके नीचे आप देखोगे इसके अंदर की तरफ जो पतली झिल्ली दिख रही है पतला फोल्ड दिखाई दे रहा है ये जो पिंक कलर से हम थिन फोल्ड देख रहे हैं इसे कहते हैं लेबिया माइनोरा इसे क्या कहते हैं इस थिन फोल्ड को कहते हैं लेबिया माइनोरा जो अंदर की तरफ आपको दिखाई दे रही है इसे कहते हैं इसे कहते हैं लेबिया माइनोरा ये आप देख रहे हो थिन फोल्ड जो दिखाई दे रहा है अभी ये जो थिन फोल्ड दिखाई दे रहा है इसे कहते हैं लेबिया माइनोरा क्या कहते हैं लेबिया माइनोरा कहते हैं इसे अब देखो अब कह रहे हैं ये जो लेबिया माइनोरा ऊपर की तरफ फ्यूजन कर रही है फ्यूज हो रही है कह रहे ये जो लेबिया माइनोरा ऊपर की तरफ फ़्यूज़ हो रही यहाँ पे फीमेल का एक इरेक्टाइल ऑर्गन बहुत ही ज़्यादा सेक्सुअल एक्साइटेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा ये जो ऑर्गन होता है सेंसिटिव ऑर्गन होता है फीमेल के शरीर का सबसे ज़्यादा उत्तेजनशील एक्साइटेबल ऑर्गन होता है इस मोस्ट एक्साइटेबल ऑर्गन का इस मोस्ट एक्साइटेबल ऑर्गन का नाम होता है क्लाइटोरिस इसे क्या कहते हैं इसे कहते हैं क्लाइटोरिस इसके अंदर इरेक्टाइल टिश्यू पाए जाते हैं बिल्कुल वैसे जैसे पेनिस में होते हैं इरेक्टाइल टिश्यू होता है बहुत ही सेंसिटिव होता है एक्साइटेशन में ये रोल प्ले करता है और ये उसी जगह है जहां मेल्स में पेनिस पाया जाता है जहां मेल्स में पेनिस होता है बिल्कुल वैसे ही ये वहां फीमेल में पाया जाता है इसे कहते हैं क्लाइटोरिस सेक्सुअल अरोजल में हेल्प करता है ये होमोलोगस टू मेल्स के पेनिस कहा जाता है इसे कहते हैं होमोलोग टू पेनिस क्या कहते हैं इसे कहते हैं होमोलोग टू पेनिस ग्लैंस पेनिस के होमोलॉगस होता है और यहाँ देखें यहाँ फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ओपनिंग्स होती हैं इसे कहते हैं वेजाइना ये है वेजाइना क्या है ये ये है वेजाइना और यह है यूरेथरल ओपनिंग क्या कहते हैं इसको इसे कहते हैं यूरेथरल ओपनिंग तो फीमेल की ओपनिंग्स देखे तीन ओपनिंग्स है एक एनल पोर दिखाई दे रहा है एक ओपनिंग होती है इसे कहते हैं वेजाइना एक ओपनिंग होती है इसे कहते हैं वेजाइना और ये तीसरी ओपनिंग दिखाई दे रही इसे कहते हैं यूरेथरल ओपनिंग या यूरेथरल मीटस कहते हैं इसे कहते हैं यूरेथरल ओपनिंग तो यूरेथ्रा यूरिन के लिए ध्यान रखें फीमेल्स में यूरिन का ट्रांसपोर्ट यूरेथरा से हो रहा वजाइना कॉप्युलेशन कैनाल और बर्थ कैनाल का, का काम कर रही है ये कॉप्युलेशन कैनाल है और बर्थ कैनाल कहते हैं इसको कॉपुलेशन में और बर्थ में हेल्प कर रही है और एनस जो होता है एनल पोर ये फीकल डिस्चार्ज के लिए होता है फीकल मैटर डिस्चार्ज करने के लिए ओपनिंग होती है यहाँ से पॉटी बाहर निकलती है बोलो भाई समझ आ गया बेटा बोलो भाई समझ आ गया बच्चों फीमेल के जेनाइटेलिया के पार्ट्स समझ आ गए फीमेल के एक्सटर्नल जेनाइटेलिया के पार्ट समझ आ गए क्लाइटोरिस से लेकर के लेबिया मेजोरा माइनोरा ओपनिंग और यूरेथ्रल ओपनिंग और उसके साथ साथ वजाइनल ओपनिंग कहां कहां है जल्दी से बताएंगे समझ आ गया बेटा जी समझ आ गया समझ आ गया, समझ आ गया। तो एक बार फटाफट से सभी लोग हम इसको आप भेजें और बताएं कि क्या ये समझ आ गया चमका एकदम क्लियर हो गया कि नहीं हो गया बच्चे कह रहे सर नीड्स टू हेजिटेट क्यों हेजिटेट बेटा डॉक्टर बनने वाले हो भविष्य में तो तुम पता नहीं किन किन चीज़ों से खेलने वाले हो ये तो केवल चित्र है तुम लोग तो रियल में इन चीज़ों को पढ़ोगे और समझोगे और इसी इन्हीं चीज़ों में स्पेशलाइजेशन हासिल करोगे इन्हीं चीज़ों में स्पेशलाइजेशन हासिल करोगे इनी चीजों के साथ खेलोगे तुम लोग समझ आ गई बात तो अभी क्या ही हेजिटेट करना है समझ लेना है हेजिटेट करने वाले ना, ना अभी तो अगला चैप्टर भी पढ़ना है रिप्रोडक्टिव हेल्थ वहां पे कैसे समझ पाओगे फिर हेजिटेट करोगे तो उसको कैसे समझ पाओगे आने वाले भविष्य के डॉक्टरों ए डॉक्टर्स भविष्य में बनने वाले डॉक्टर्स या आपके लिए ही चैप्टर बनाया ही गया है आपके लिए ही बनाया गया है ये चैप्टर पढ़ो समझो जानो ताकि गलत फहमिया दूर हो सके पढ़ो समझो जानो ताकि कंफ्यूजन दूर हो सके गलत फहमियां दूर हो सके वो गलत फहमियां जो पाले हुए थे जमाने से वो चीजें जो जमाने से गलतफहमियां पाले हुए थे वो दूर कर लो कंसेप्ट क्लियर कर लो एग्जाम में जाओ क्वेश्चन का आंसर करो और फटाफट से फटाफट से खेला खर खेला खेल के चले आओ नीट फोड़ करके चले आओ बस खत्म ठीक है जी बोलो चलो आगे चलते हैं कहानी को आगे ले चलते हैं कहानी ले चलते हैं आगे और पहुँचते हैं अगले पार्ट पे रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स पे फीमेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स पे चलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड पे चलते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स में मैंने दो ग्लैंड्स बताई हैं वो एन में नहीं हैं। हम सीधा सीधा हैं है हम सीधा सीधा चलते हैं मेमोरी ग्लैंड पे कहाँ चलते हैं हम सीधा सीधा चलते हैं मेमोरी ग्लैंड पे मैमरी ग्लैंड जो होती है फीमेल्स के केस में डेवलप होती है जब प्यूबर्टी आती है तब याद रखेंगे मैमरी ग्लैंड मैंने आप आप जानते भी होगे महान हो साइंटिस्ट हो आप सभी लोग महान हो साइंटिस्ट हो और जानते होगे कि जो मैमरी ग्लैंड होती है होती सभी में है मैमरी ग्लैंड होती सब में है मेल हो चाहे फीमेल मैमरी ग्लैंड होती सब में है मेल हो चाहे फीमेल ये तो जानते हो सभी लोग मेल फीमेल सभी में होती है लेकिन फंक्शनल होती है केवल फीमेल्स में वेल डेवलप्ड होती है केवल फीमेल्स में लड़का हो या लड़की दोनों में मैमरी ग्लैंड पाई जाती है मैमल्स का यूनिक फीचर है ये ये यूनिक फीचर है इन मैमल्स सारे मैमल्स का यूनिक फीचर है प्रेजेंस ऑफ मैमरी ग्लैंड अब ये जो मैमरी ग्लैंड होती है ये मोदीफाइड होती है कैसी होती है मोदीफाइड होती है मोदीफाइड स्वेट ग्लैंड कहते हैं इसको क्या कहते हैं मोडिफाइड स्वेट ग्लैंड कहते हैं इसको ये स्वेट ग्लैंड का मॉडिफिकेशन होती है और ह्यूमंस में मैमल्स में फंक्शनल इन फीमेल्स होती है फंक्शनल इन ह्यूमन फीमेल्स इन ह्यूमन फीमेल्स ह्यूमन फीमेल्स में फंक्शनल होती है जिसका डेवलपमेंट सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर में आता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एफ एस एच एस्ट्रोजन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ एफ एस एच एफ एस एच के इन्फ्लुएंस में इस ग्लैंड का फंक् इस ग्लैंड का डेवलपमेंट सॉरी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एस्ट्रोजन लिखेंगे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एस्ट्रोजेन मै डेवलपमेंट ऑफ मैमरी ग्लैंड डेवलपमेंट ऑफ मैमरी ग्लैंड जो मैमरी ग्लैंड का डेवलपमेंट है बेटा जी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एस्ट्रोजन डेवलपमेंट ऑफ मैमरी ग्लैंड टार्ट ऑन सेट ऑफ प्यूबर्टी ऑन सेट ऑफ प्यूबर्टी प्यूबर्टी आने के बाद ये मैमरी ग्लैंड का डेवलपमेंट शुरू होता है सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स में आता है एस्ट्रोजन नाम के हॉर्मोन की वजह से आता है लेकिन मिल्क प्रोडक्शन केवल प्रेग्नेंसी में होगा ध्यान रखेंगे बट मिल्क प्रोडक्शन मिल्क प्रोडक्शन कब इनिशिएट होता है मिल्क प्रोडक्शन तब इनिशिएट होता है जब ड्यूरिंग या आफ्टर प्रेगनेंसी ड्यूरिंग और आफ्टर प्रेगनेंसी आफ्टर प्रेगनेंसी प्रेग्नेंसी के जस्ट बाद चाइल्ड बर्थ के बाद की हम बात कर रहे हैं आफ्टर पार्चुरीशन चाइल्ड बर्थ के बाद जो होता है वो मिल्क का प्रोडक्शन होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या आफ्टर प्रेगनेंसी होती है लेकिन मिल्क का प्रोडक्शन याद रखेंगे प्यूबर्टी आने पे नहीं होती है ये केवल प्रेगनेंसी से एसोसिएटेड होती है प्रोलैक्टिन नाम के हार्मोन से एसोसिएटेड होती है मैमरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे अपर चेस्ट रीजन में पाई जाने वाली वेंट्रल साइड पर पाई जाने वाली जो मैमरी ग्लैंड होती है जो मैमरी ग्लैंड होती है अपर चेस्ट रीजन में पाई जाने वाली ग्लैंड ये जो चेस्ट रीजन में पाई जाने वाली ग्लैंड है मैमरी ग्लैंड इस ग्लैंड को सपोर्ट करती हैं कई सारी मसल्स ये चेस्ट रीजन में थोरेसिक रीजन में पाई जाती हैं वक्ष स्थलों पर पाई जाती हैं चेस्ट रीजन में पाई जाती हैं वेंट्रल साइड पर लोकेटेड होती है एक जोड़ी होती है कितने जोड़ी होती है एक जोड़ी होती है वन पेयर होती है तो मैमरी ग्लैंड मैमल्स का एक यूनिक फीचर होता है ये जो मैमरी ग्लैंड होती है हर एक मैमल का एक यूनिक फीचर होती है ये जो मैमरी ग्लैंड होती है ये जो मैमरी ग्लैंड होती है बेटा जी इसके पार्ट्स जरा देखते हैं इस मेमोरी ग्लैंड के पार्ट्स जरा देखते हैं आप देखोगे इस मेमोरी ग्लैंड के अंदर बहुत सारे बहुत सारे अंदर ही अंदर आप देखोगे तो बहुत ही सारे पार्ट्स इसमें छोटे 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 डिविजन्स देखने को मिल जाएंगे आपको मेमोरी ग्लैंड के अंदर मेमोरी ग्लैंड के अंदर छोटे छोटे डिविजन्स देखने को मिल जाएंगे अभी हम उन्हीं को पढ़ने जा रहे हैं उन्हीं की डिटेल स्टडी करने जा रहे हैं उन्हीं स्ट्रक्चर्स को समझने जा रहे हैं जो मेमोरी ग्लैंड में पाए जाते हैं आप देखें एक सिंगल मेमोरी ग्लैंड में लगभग पंद्रह से बीस मेमोरी लोब्स पाए जाते हैं क्या पाए जाते हैं पंद्रह से बीस फिफ्टीन टू ट्वेंटी मैमरी लोब्स प्रजेंट होते हैं आप देखेंगे अभी यहां पे आप देखें एक मेमोरी ग्लैंड जो होती है उसमें लगभग फिफ्टीन टू ट्वेंटी मेमोरी लोब्स पाए जाते हैं ये देखें ये जो आप ब्रांचेस देख रहे हो इसी से आपको अभी कहानी बिल्कुल समझ में आने वाली है ये देखें एक सिंगल मेमोरी ग्लैंड के अंदर बहुत सारे ये आपको दिखाई दे रहे हैं ब्रांचेस ये पूरा एक गार्डन की तरह एक बागीचे की तरह ऐसे फैले हुए हैं जैसे बागीचा कोई फला फूला हुआ बागीचा आप देखते हो वैसे बागीचे की तरह होती है बहुत सिंपल डायग्राम बना रहा हूँ बहुत ज्यादा इसको मैं बहुत ज्यादा इसको मैं टेढ़ा मेढ़ा नहीं बना रहा बहुत ही सिंपल डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ बहुत ही सिंपल डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको हर बार हर बात यहाँ से समझ में आ जाए आप एक देखें एक फला फूला सा बागीचा जैसा स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है ये जो बागीचे जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसी को हम कह रहे हैं मैमरी लोब्स ये जो आपको दिखाई दे रहे है, ये हैं ये है मैमरी लोब्स ये देखें एक सिंगल मैमरी ग्लैंड में लगभग पंद्रह से बीस इस तरीके के लोब होते हैं इन्हें कहते हैं मैमरी लोब्स आप देखें एक सिंगल मेमोरी ग्लैंड जो होती है 15 टू 20 लोब्स में डिवाइडेड होती है ये जो आपको दिखाई दे रही है सपोर्टिंग मसल्स होती हैं सपोर्ट करने वाली मसल्स हैं ये रिब्स हैं यहाँ पे आपको एल्व्यूलाई दिखाई दे जाएंगी यहाँ पे आपको मेमोरी डक्ट दिखाई दे जाएगी यहाँ पे आपको एम्पुला दिखाई दे जाएगी यहाँ पे आपको लैक्टिफेरस डक्ट दिखाई दे जाएंगी यहाँ पे आपको निपल्स दिखाई दे जाएंगे पार्ट्स के नाम फटाफट से लिख देता हूँ ये है इसे कहते हैं इंटरकोस्टल मसल्स क्या कहते हैं इन्हें कहते हैं इंटर इंटर कोस्टल मसल्स ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस चैप्टर में पढ़ा होगा आपने कि रिब्स के बीच में जो मसल्स होती हैं उन्हें कहते हैं इंटरकोस्टल मसल्स तो ये रिब्स हैं रिब्स के बीच में इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं ये जो ग्रेप लाइक क्लस्टर्स दिखाई दे रहे हैं इन्हें कहते हैं मैमरी लोब्स क्या कहते हैं इन्हें कहते हैं मैमरी लोब्स जो पंद्रह से बीस नंबर में होते हैं उसके बाद आप देखें ये जो मसल्स है इसे कहते हैं पेक्टोरल मसल्स इन्हें कहते हैं पेक्टोरल मसल्स जो चेस्ट रीजन में सपोर्टिंग मसल्स के फॉर्म में पाए जाते हैं यहाँ मेमोरी डक्ट में मेमोरी रीजन में आप देखो ये जो सैक जैसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं इन्हें कहते हैं एल्विओलाई क्या कहते हैं इन्हें कहते हैं एलवीओलाई ये जो छोटे 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 स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं इन्हें कहते हैं एल्विओलाई जो होती है साइट ऑफ मिल्क सिंथेसिस क्या कहते हैं इनको एलवियोलाई जो कि साइट होती है ऑफ मिल्क सिंथेसिस क्या कहते हैं इसको साइट ऑफ मिल्क सिंथेसिस कहते हैं फिर आता है आपका यहाँ पे इसे कहते हैं डक्ट क्या कहते हैं मैमरी डक्ट कहते हैं कई सारे ट्यूब्यूल्स मिल करके मैमरी डक्ट बनाते हैं और कई सारी जब मैमरी डक्ट इकट्ठी हो जाती है तो एक सिंगल स्ट्रक्चर बनता है उसे कहते हैं एम्प्यूला क्या कहते हैं इसे कहते हैं मैमरी एम्प्यूला या इसी को लैक्टिफेरस साइनस भी कहा जाता है इसे कहते हैं लैक्टिफेरस साइनसेस क्या कहते हैं इसे कहते हैं साइनसेस या इसी को कहते हैं एम्प्यूला तो आपने जितनी जगह भी देखा जहां जहां भी देखा जहां जहां सोलन स्ट्रक्चर फूले हुए इससे दिखाई देते हैं उन्हें एम्प्यूला कहा जाता है उन्हें एम्प्यूलरी रीजन कहते हैं क्या कहते हैं एम्प्यूलरी रीजन कहते हैं एम्प्यूला कहते हैं तो ये हो गया एम्प्यूला जहां पे मिल्क को टेम्प्ररली स्टोर किया जाता है द साइट ऑफ टेम्पोरेरी टेम्पोरेरी स्टोरेज ये साइट होती है टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ़ मिल्क क्या किया जाता है यहाँ पे टेम्प्ररी स्टोरेज ऑफ मिल्क की जाती है बिफोर इजेक्शन क्या किया जाता है बिफोर इजेक्शन यहाँ मिल्क को स्टोर किया जाता है उसके बाद आता है डक्ट क्या कहते हैं इसको इसे कहते हैं लेक्टी डक्ट कहते हैं जो एग्ज़िट पॉइंट पे बाहर खुलता है उसे कहते हैं निपल्स क्या कहते हैं इसे कहते हैं निपल्स एग्जिट पॉइंट ये है एग्जिट पॉइंट यहीं से मिल्क बाहर निकल जाता है उसी निपल्स के चारों तरफ आप देखोगे पिगमेंटेड एरिया होता है यहाँ पिगमेंट से बना हुआ यहाँ पे पिगमेंटेड एरिया होता है निपल्स के चारों तरफ इसे कहते हैं हम एरियोला क्या कहते हैं इसको इसे कहते हैं इसे कहते हैं इसे कहते हैं एरियोला है, ये है एरियोला पिगमेंटेड एरिया अराउंड निपल्स क्या होता है ये पिगमेंटेड एरिया ऑफ स्किन होता है अराउंड निपल्स क्या कहते हैं इसको अराउंड निपल्स ये पिगमेंटेड एरिया होता है उसके बाद देखें उसके बाद देखें कह रहे मिल्क का साइज ब्रेस्ट ग्लैंड का साइज़ कौन डिसाइड करता है बेटा ब्रेस्ट ग्लैंड का साइज़ कौन डिसाइड करता है मैमरी ग्लैंड के अंदर पाया जाता है ब्रेस्ट ग्लैंड का साइज डिसाइड करता है फैट इसके अंदर कितना फैट पाया जाता है वो डिसाइड करेगा मैमरी ग्लैंड कितने साइज की होगी व्हाट विल बी द साइज ऑफ मैमरी ग्लैंड ये कौन डिसाइड करेगा इसके अंदर पाया जाने वाला फैट ये देखो ये फैटी टिश्यू पाए जाते हैं इन्हें कहते हैं फैटी टिश्यू जो कि एडिपोज टिश्यू कहे जाते हैं जो साइज ऑफ द ब्रेस्ट ग्लैंड डिसाइड करते हैं ये होते हैं एडिपोज़ टिश्यू, एडिपोज टिश्यू जिसमें फैट स्टोर रहती है फैट स्टोरिंग सेल्स पाया जाता है जो डिसाइड करता है मेमोरी ग्लैंड का साइज़ द साइज ऑफ मैमरी ग्लैंड ब्रेस्ट ग्लैंड इज डिटरमाइंड बाई द अमाउंट ऑफ फैट कितना फैट होगा वो डिसाइड करेगा कि इस ब्रेस्ट ग्लैंड का साइज क्या होगा बोलो समझ में आ गई बात ब्रेस्ट ग्लैंड का साइज जो होगा ब्रेस्ट ग्लैंड का साइज जो होगा वो कौन डिसाइड करता है वो डिसाइड करता है पाया जाने वाला फैटी टिश्यू एडिपोज टिश्यू बोलो भाई बोलो भाई बोलो भाई समझ आ गया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एक एक बात जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के स्ट्रक्चर से रिलेटेड थी कंप्लीट हो गया मतलब सिस्टम वाला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है बेटा जी सिस्टम वाला पार्ट सफिशियंटली कंप्लीट कर लिया है ये पिगमेंटेड एरिया होता है अराउंड द निपल एरियोला जिसको कहते हैं एरियोला जिसको कहते हैं कोई बच्चा कह रहा है इसका फंक्शन क्या होता है बेटा एरियोला कहते हैं इसका फंक्शन होता है इसमें कुछ फैटी टिश्यू यहाँ पे एडिपोज टिश्यू यहाँ सॉरी यहाँ पे सिबेशियस ग्लैंड ऑयल ग्लैंड पाई जाती है आप चाहो तो वो ऐड कर लो अगर बड़ा मन कर रहा है आपको आपको बड़ा मन कर रहा है आपको जानने का कि निपल्स के अराउंड ये रहे निपल्स ये रहे निपल्स मैमरी ग्लैंड के ये रहे निपल्स तो निपल्स के अराउंड जो एरिया होता है वहाँ पे पिगमेंटेड एरिया जो होता है उस पिगमेंटेड एरिया को क्या कहते हैं तो यहाँ पे आपको मिलेंगे ये जो पिगमेंटेड एरिया एरियोला है बेटा यहाँ पे फीमेल बॉडी में सिबेशियस ग्लैंड पाई जाती है ऑयल ग्लैंड होती है या ऑयल से भरी हुई ग्लैंड होती है जो इस एरिया को मॉइस्ट बनाती है ऑयल ग्लैंड पाई जाती है यहां पे ठीक है जी तो लैक्टेशन वाला पार्ट लास्ट में है अभी हार्मोन नहीं पड़ रहे इतनी बात समझ आ गई सबको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्लियर है तो आगे बढ़ाएंगे फटाफट से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सारे पार्ट्स क्लियर हो गए हों तो आगे बढ़ाएंगे जल्दी से फटाफट फड़ से फटाफट फड़ से एक बार थम्स को अप कर दें ब्रेक अभी मिलेगा बेटा अभी कुछ सवाल करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से कुछ सवाल भी करेंगे उसके बाद अभी हम टॉपिक अभी तो अभी तो शुरुआत हुई है अभी खेला की अभी तो बस तीन घंटे गुजरे हैं अभी तो बस तीन घंटे गुजरे हैं अभी तो बस तीन घंटे गुजरे हैं है ना तो बस अभी तो शुरुआत है अभी आगे बढ़ते जाएंगे कम से कम बेबी का जन्म तो करा दे आज जन्म तो करा दे मिठाई तभी तो खाएंगे भाई जब बेबी का जन्म होगा तभी तो मिठाई खाने लायक बन पाएंगे क्वेश्चन करोगे क्वेश्चन करोगे क्वेश्चन करके ब्रेक देंगे पहले क्वेश्चन करेंगे फिर ब्रेक देंगे चेस्ट की मसल ये देखो जहां पे ये जो होता है ना ये जो चेस्ट होता है ब्रेस्ट जहाँ पे है ये ब्रेस्ट जहाँ एसोसिएटेड है कह रहे यहाँ पे जो मसल्स होती है ये जो मसल्स होती है ये चेस्ट की मसल्स बर्ड्स में फ्लाइंग में मदद करती है बेटा जी बर्ड्स में फ्लाइंग में मदद करती है ह्यूमन के मेमोरी ग्लैंड को सपोर्ट देने के लिए मदद करती है बाबा रामदेव के एक्सरसाइज में मदद करती है और क्या करोगे जान करके अभी कुछ बताऊं तो कहोगे सर एनसीआर के बाहर जा रहे हो और जब छोड़ दिया तो कह रहे हो ये भी बताओ वो भी बताओ वो, बता। वो भी बताओ ये भी बताओ वो भी बताओ ये भी बताओ वो भी बताओ ये भी बताओ बता। बता। है चलो सवाल करते हैं सवाल करते हैं सवाल करते हैं कुछ सवालात कर लिए जाए आपके सामने कुछ सवालात कर लिए जाए फटाफट से कुछ क्वेश्चन कर लिए जाए पोल्स के साथ कर लिए जाए चलो भाई सवाल 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 क्वेश्चन करेंगे फटाफट से क्वेश्चन करेंगे जल्दबाजी नहीं करेंगे जो लोग जल्दबाजी में आंसर कर रहे हैं जल्दबाजी नहीं करेंगे पढ़ेंगे क्वेश्चन फिर आंसर करेंगे सेलेक्ट द करेक्ट मैच पूछा गया है सवाल में क्वेश्चन में सेलेक्ट द करेक्ट मैच प्यूबिस इज द फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू एंड सराउंड द वेजाइनल ओपनिंग वजाइनल ओपनिंग को सराउंड करता है फ्लैशी फोल्ड्स ऑफ टिश्यू सराउंडेड द वजाइनल ओपनिंग में माइनोरा कुशन ऑफ फैटी टिश्यू होता है कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर क्लाइटोरिस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर एट द लोअर जंक्शन ऑफ लेबिया मेजोरा यूरेथ्रल ओपनिंग एंटीरियर टू वजाइनल ओपनिंग जो यूरेथ्रा की ओपनिंग है वो एंटीरियर ऊपर की तरफ होती है वजाइनल ओपनिंग के तो फीमेल्स के केस में आप देखोगे वेजाइनल ओपनिंग जो होती है वजाइनल ओपनिंग के ऊपर की तरफ एंटीरियरली एंटीरियरली यूरेथरा पाई जाती है इसे कहते हैं यूरेथरल ओपनिंग और ये कहते हैं इसे वेजाइना तो वेजाइनल ओपनिंग के एंटीरियर पाई जाती है तो आंसर तो फोर्थ वाला ही करेक्ट होगा ना भाई आंसर फोर्थ वाला करेक्ट होगा अभी कह रहा है मोन्स प्यूबिस फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू सराउंडेड द वजाइना तो वजाइना की सराउंडिंग में लेबिया पाई जाती है क्या पाई जाती है लेबिया पाई जाती है इसे कहते हैं लेबिया मजोरा कहते हैं इसको इसलिए पहला ऑप्शन सही नहीं होगा सेकंड ऑप्शन सही नहीं होगा थर्ड ऑप्शन सही नहीं होगा फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा ओनली डी विल बी करेक्ट क्या सही होगा डी करेक्ट होगा फिर से खाली बारह परसेंट ये वन क्यों किया तुम लोगों ने वन क्यों किया भाई वजाइना के सराउंडिंग में थोड़ी होता है प्यूबिस. अभी बताया था प्यूबिस जो होता है माउंटेन ऊपर की तरफ पाया जाने वाला एक्सटर्नल जेनेटेलिया में जेनाइटल्स में ऊपर की तरफ पाया जाने वाला एरिया होता है जिसे कहते हैं मोन्स प्यूबिस ये तो ऊपर वाला एरिया है वजाइना के चारों तरफ कहाँ से आ गया वजाइना यहां है मोन्स प्यूबिस यहां है मोन्स प्यूबिस यहां है एम पी साहब यहां बैठे हैं वजाइना यहां बैठी है इतनी जल्दबाजी कैसे करोगे बेटा चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज इन करेक्टली पेयर्ड विद इट्स फंक्शन इन करेक्टली पेयर्ड विद इट्स फंक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इन करेक्टली पेयर्ड विद द फंक्शन पूछा गया है देखेंगे सवाल जल्दी देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इन करेक्टली वेसिकल सीक्रेट शुगर कंटेनिंग फ्लूड सही है फिम्बरी हेल्प इन कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओविलेशन सही है ओवरी सीक्रेट स्टेरॉयड हॉर्मोन सही है बारथोलिन्स ग्लैंड फीमेल में होती है डेस्ट्रॉय द एसिडिटी ऑफ यूरेथ्रा ये कॉपुलेशन में हेल्प करती है आप इसको लिखें इट हेल्प्स इन लुब्रिकेशन ये लुब्रिकेंट का, का काम करती है लुबरिकेशन करती है ड्यूरिंग कॉप्युलेशन किस में हेल्प करती है ड्यूरिंग कॉप्यूलेशन ये लुब्रिकेशन में हेल्प करती है सेक्सुअल इंटरकोर्स में हेल्प करती है तो आंसर यहां पे ऑप्शन बनेगा फोर्थ ऑप्शन जो कि आंसर बन जाएगा फोर्थ ऑप्शन डी ऑप्शन यहाँ रॉन्ग होगा डी ऑप्शन अगेन बहुत कम परसेंटेज जारी क्या बात है क्या बात है गलत क्यों हो रहा है भाई अगला सवाल ये वाला तो कर दोगे आप लोग ये वाला तो आप लोग कर दोगे ये वाला क्वेश्चन आप लोग कर दोगे फटाफट मुझे पता है ये वाले क्वेश्चन का जवाब आप लोग फटाफट से देने वाले हो सही जवाब आप लोग दोगे इसी, इसी क्वेश्चन का सही जवाब देने वाले हो बेहतरीन जवाब देने वाले हो एकदम बढ़िया एकदम बढ़िया जवाब देने वाले हो ये इजी है और इस बार नब्बे से ऊपर जाना चाहिए इस बार ग्राफ नब्बे से ऊपर जाना चाहिए फटाफट से सही आंसर करोगे आप लोग नब्बे परसेंट से ऊपर नब्बे परसेंट से ऊपर नब्बे परसेंट से ऊपर कितने लोग सही करेंगे मैमरी मिल्क के फ्लो का करेक्ट सीक्वेंस पूछा गया है तो मिल्क के फ्लो का करेंट सीक्वेंस है मेमोरी एलव्योलाइस है मेमोरी डक्ट मेमोरी ट्यूब्यूल रॉन्ग है मैमरी एम्प्यूला एम्प्यूला से मैमरी डक्ट रॉन्ग है मैमरी एलवी से से मैमरी ट्यूब्यूल डक्ट और फिर लैक्टी डक्ट में जाएगा ये सही लग रहा है लेक्टी डक्ट से एलवी में जाएगा ये रॉन्ग है तो आप देखो आंसर बनेगा थर्ड ऑप्शन थर्ड ऑप्शन करेक्ट बनेगा थर्ड ऑप्शन करेक्ट बनेगा सी ऑप्शन विल बी करेक्ट थर्टी परसेंट केवल थर्टी परसेंट क्या ही है टू मच टॉक्सिक ना गलत हो रहा है इतनी गलतियां क्यों हो रही भाई साहब फ़ीमेल का समझ नहीं आया क्या तुम लोग को फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का खेला समझ नहीं आया क्या महिलाओं की बातें आपको ठीक से समझ नहीं आई क्या सर मैंने सही किया वेरी गुड कुकू बेबी कह रहे हैं, रही है मछली की तरह हंस रही हैं कुकू बेबी अरे बेटा बेबी बाबू सोना काहे हंस रही हो सही आंसर तो करो बट कट ऐसे कैसे होता है फीमेल का पार्ट समझ नहीं आया मेल का पार्ट समझ नहीं आया ऐसे कैसे होता है भाई ऐसे कैसे होता है गलत बात करते हो तुम लोग हैं गलत बात अगला सवाल बताओ ये सवाल आसान ये आसान सवाल है इस आसान सवाल का जवाब देंगे सभी लोग फटाफट से इस सवाल का जवाब फटाफट से देंगे बढ़िया तरीके से फटाफट तरीके से जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से ऊ जेनेसिस की हम बात कर रहे हैं ऊ जेनेसिस की हम बात कर रहे हैं ऊ जेनेसिस होती है ओवरी में इम्प्लांटेशन होता है फंडस में कैपेसिटेशन होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में वजाइना के थ्रू जब स्पर्म आता है वहाँ पे और मैचुरेशन ऑफ द स्पर्म जो होता है वो होता है एपीडाइडमिस में तो हम क्या कर लें ऐसे समझ लें ऊ जेनेसिस की साइट है ओवरी ए का थ्री होगा ए का थ्री होगा ए का थ्री होगा हो ये दोनों ऑप्शन रॉन्ग हो गए बी का ऑप्शन इम्प्लांटेशन का फोर होगा मतलब यहीं से आंसर बना लें ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा सी का वन हो जाएगा और डी का टू हो जाएगा कैपेसिटेशन अभी हमको पढ़ना बाकी है फर्टिलाइजेशन में पढ़ेंगे कैपेसिटेशन के बारे में फर्टिलाइजेशन के दौरान पढ़ेंगे तो ये कहानी अभी आपको यहाँ पे आप ऑप्शन कर दोगे कौन सा ऑप्शन जो आंसर होगा वो होगा फोर्थ ऑप थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा ए का थ्री और थ्री का फोर थर्ड ऑप्शन सी विल बी करेक्ट चलो 86 परसेंट बच्चों ने कर तो दिया है अच्छी बात है बहुत अच्छी बात है अगला सवाल करेंगे ब्रेक के बाद अभी गैमिटोजेनेसिस को यहीं रोकते हैं थोड़ा ब्रेक लेते हैं पंद्रह मिनट का ब्रेक लेंगे एट थर्टी पे मुलाकात करेंगे फिर से एट थर्टी पर गैमिटोजेनेसिस के साथ शुरुआत करेंगे फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट करेंगे फटाफट से करेंगे दस से पंद्रह मिनट का ब्रेक लेते हैं ठीक है दस से पंद्रह मिनट का ब्रेक लेते हैं पंद्रह मिनट के बाद फिर हाजिर होंगे पंद्रह मिनट के बाद फिर हाजिर होंगे ब्रेक लेंगे दस से पंद्रह मिनट का सभी लोग पानी पी करके नाश्ता करके आज ढेर सारा खाने पीने का सामान अपने आसपास लेकर के आ जाओ अपने आसपास ढेर सारा खाने पीने का सामान लेकर के आ जाओ बैठ जाओ पंद्रह मिनट के बाद ठीक यही मुलाकात होगी इसी जगह पे मुलाकात होगी यहीं पे मुलाकात होगी पंद्रह मिनट का ब्रेक आपको देता हूं आफ्टर फिफ्टीन मिनट्स यहीं पे मिलते हैं फटाफट से जल्दी से आ जाओ एट थर्टी पे मुलाकात होगी जल्दी से आ जाओ <coughs> जल्दी से आ जाओ एट थर्टी पे मुलाकात होगी शार्प हेलो हेलो बच्चा पार्टी हेलो 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 एक बार फिर से हाजिर है आप सभी लोगों के सामने एक बार फिर से सर जी आ चुके हैं आपके आपके माठ साहब आ चुके हैं हेलो बच्चा पार्टी कैसे हो आप सभी लोग इतना लंबा ब्रेक नहीं ब्रेक वाले सर आ चुके हैं आप लोग कहाँ हो सर इज बैक सर इज बैक आप सभी लोग बताएं कैसे हैं आप सभी लोग कैसे हैं आप सभी लोग क्या हाल चाल आप सभी लोगों के लव यू बड़ो लोग लव यू मेरा बच्चा है सर गायब नहीं हो गए सर जी आ चुके हैं आपके सामने एक बार फिर से शुरू कर लेते हैं आज की क्लास आज की क्लास को एक बार फिर से शुरू कर लेते हैं सेशन नंबर टू पार्ट वन कंप्लीट हो चुका है पार्ट टू कंप्लीट करेंगे अभी मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट किया है अब शुरुआत होगी स्पर्म और ओवा बनने की स्पर्म और ओवा के बनने की शुरुआत करेंगे गैमिटोजेनेसिस की बात करेंगे जिस सभी भाई बंधु अपनी अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लें और शुरुआत कर लेते हैं आज के इस बेहतरीन सेशन की और बेहतरीन क्लास की जो हमारी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डिटेल थी वो कंप्लीट हो चुकी है ठीक है जी अब फटाफट से शुरू कर लेते हैं गैमिटोजेनेसिस की और गैमिटोजेनेसिस का मतलब जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं एक बार सभी लोग बता दें सभी लोग बता दें कि आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है पूरा सुनाई दे रहा हूं कि दिखाई सुनाई और दिखाई दे रहा हूं प्रॉपर तरीके से आप मुझे सुन पा रहे हो देख पा रहे हो तो फटाफट से एक बार थम्स को अप कर देंगे एक बार फटाफट से थम्स को अप कर देंगे <ख़ागा> जब तक पढ़ते रहेंगे जब तक पढ़ते रहेंगे तब तक पढ़ते रहेंगे जब तक कंप्लीट करेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं अपन जब तक फोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं बस सीधी सीधी बात है ठीक है बेटा जी छोड़ेंगे नहीं पूरा कंप्लीट करेंगे पूरा कंप्लीट करेंगे बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं हम लोग मैंने आपको बोला था बेसिक भी पढ़ेंगे डिटेल भी पढ़ेंगे आप देखो पी वाई क्यूज़ भी हर टॉपिक के करते चल रहे हैं साथ में हम हर टॉपिक के पी वाई क्यूज भी करते जा रहे हैं और हमारा सीधा टारगेट है कि आपको हर एक चीज़ इस चैप्टर की ए बी सी डी से लेकर के एक्स वाई जेड तक समझा दिया जाए ए बी सी डी से लेकर के एक्स वाइजेड हर चीज आपको समझा दी जाए टारगेट पूरा यही है इसलिए हम हर बात पढ़ रहे हैं शुरू कर ले फटाफट से लव यू बच्चों लव यू आपका साथ रहा ना मजा ही आ जाएगा बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं गैमिटोजेनेसिस की बात करेंगे और गैमिटोजेनेसिस का मतलब होता है गैमिट फॉर्मेशन फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स की बात करते हैं हम यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स की बात करते हैं और ये जो गैमीट का फॉर्मेशन है मेल्स में इस पर मैटोजेनेसिस कहा जाता है मेल्स में इस पर मैटोजेनेसिस कहते हैं और फीमेल्स में इसे कहते हैं इन केस ऑफ फीमेल्स इसे कहते हैं ऊजेनेसिस जहां पे ओवम का फॉर्मेशन किया जाता है फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीट फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीट जहां पे गैमिट का फॉर्मेशन किया जाता है इसे कहते हैं फीमेल गैमिट फॉर्मेशन जिसे हम कह रहे हैं ओवम को फॉर्म किया जाएगा और स्पर्मेटोजेनेसिस में फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स किया जाएगा फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स किया जाएगा इसे कहेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस और इसे कहेंगे ऊजेनेसिस कहेंगे यहां स्पर्मेटोजेनेसिस जो होती है बेटा स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है इसमें आप देखोगे फर्क देखे क्वेश्चन आया था नीट में सवाल आ चुका है बच्चों नीट में सवाल आ चुका है इस टॉपिक पे इस टॉपिक पे सवाल आ चुका है स्पर्मेटोजेनेसिस और ऊजेनेसिस में से स्परमैटोजेनेसिस ऊजेनेसिस में आपस में बेसिक डिफरेंस क्या है तो बेसिक डिफरेंस यह है कि स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होती है स्टार्ट्स ऑन सेट ऑफ प्यूबर्टी जब युवावस्था जब जवानी आती है तब स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होती है वन स्पर्मेटोगोनिया या वन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की हम बात करें एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट वन प्राइमरी स्परमैटोसाइट जो होता है गिव्स राइज टू गिव्स राइज टू गिव्स राइज गिव्स राइज गिव्स राइज गिव्स राइज गिव्स राइज टू प्राइमरी उइट वन प्राइमरी स्परमैटोसाइट एक प्राइमरी स्परमेटोसाइट की बात करूं अगर मैं वन वन प्राइमरी वन प्राइमरी स्परमैटोसाइट गिव्स राइज टू गिव्स राइज टू हाउ मेनी कितने स्पर्म्स बनाता है वन प्राइमरी स्पर्मैटोसाइट्स फोर मैच्योर स्पर्मेटोजोवंस बनाता है फोर स्पर्मैटोजोवंस बनाता है चार स्पर्मेटोजोवंस बनाता है प्यूबर्टी आने के बाद शुरू होती है स्पर्म का फॉर्मेशन प्यूबर्टी आने के बाद होती है और एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट चार स्पर्म बनाता है स्पर्म बनने के बाद मेल बॉडी में स्पर्म बनने के बाद जो स्पर्म्स जो बनते हैं वो स्पर्म्स फीमेल बॉडी में ट्रांसफर किए जाते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए गैमिट जो मेल गैमिट स्पर्म्स होता है वो मोटाइल होते हैं फीमेल गैमिट नॉन मोटाइल होता है आप देखेंगे ऊजेनेसिस जो होता है बिगिंस बिफोर बर्थेसिस जन्म, जन्म से पहले शुरू हो जाती है स्परमेटोजेनेसिस जन्म के बाद प्यूबर्टी आने के बाद शुरू होती है और यहां पर वन प्राइमरी वन प्राइमरी ऊसाइट वन प्राइमरी ऊसाइट कैन फॉर्म कैन फॉर्म ओनली वन मैच्योर ओवम केवल एक मैच्योर ओवम बनता है वन प्राइमरी ऊसाइट से ओनली वन मैच्योर ओवम एंड टू पोलर बॉडीज क्या बनाती है टू पोलर बॉडीज बनती हैं रिड्यूस्ड बॉडीज बनती हैं याद रखेंगे एक प्राइमरी ओसाइट केवल एक स्पर्म एक ओवम का मैच्योर ओवम का फॉर्मेशन करता है ये डिफरेंस देखें मेल और फीमेल में गैमिटोजेनेसिस का एक बेसिक डिफरेंस समझें कि ह्यूमन के केस में बर्थ से पहले ही फीमेल्स में गैमिट बनना शुरू हो जाता है फीमेल्स के केस में जल्दी बहुत रहती है जल्दबाजी बहुत करती हैं ये जल्दबाजी बहुत करती है और जल्दबाजी करने की वजह से ही यह ओवम जो होता है तलाई मन हो जाता है तलाई मन हो जाता है एक टाइम के बाद फीमेल में ओवरी में ओवम फॉर्मेशन बंद हो जाता है फीमेल का ओवम फॉर्मेशन खाली एक एज तक चलता है मेनो मेनोपॉज के बाद फीमेल के अंदर ओवम फॉर्मेशन बंद हो जाता है फीमेल में ओवम फॉर्मेशन बंद हो जाता है इतनी जल्दबाजी काहे की भाई इतनी जल्दबाजी काहे की भाई फीमेल्स में गैमिट फॉर्मेशन की जल्दी रहती है इसीलिए मेनोपॉज हो जाता है देखो कह रहे हैं कि ये कंटिन्यू रहता है इन फीमेल्स इन फीमेल्स आफ्टर मेनोपॉज आफ्टर मेनोपॉज आफ्टर मेनोपॉज गैमिटोजेनेसिस स्टॉप हो जाता है क्या हो जाता है गैमिटोजेनेसिस जो होता है वो स्टॉप हो जाता है गैमिट फॉर्मेशन स्टॉप हो जाता है लेकिन पुरुषों में मेल्स में गैमिटोजेनेसिस इन मेल्स गैमिटोजेनेसिस स्पर्मेटोजेनेसिस जो होती है गैमिटोजेनेसिस जो होती है दैट इज कॉन्टिन्यूड थ्रू आउट लाइफ पूरी जिंदगी चलती रहती है थ्रू आउट लाइफ चलती रहती है तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है. मेल्स और फीमेल्स के केस में गैमिटोजेनेसिस में मेल्स जो होते हैं सदा सदाबहार होते हैं पूरी जिंदगी गैमिट का प्रोडक्शन करते रहते हैं लेकिन फीमेल्स में गैमिट फॉर्मेशन एक एज आने के बाद स्टॉप हो जाता है स्टॉप हो जाता है ये फीमेल का गैमिट फॉर्मेशन का प्रोसेस जिसे कहते हैं मेनोपॉज मेनोपॉज मतलब पॉज लग गया परमानेंट परमानेंट ब्लॉक हो गया भाई साहब अब कह रहे हैं आगे की कहानी जरा स्पर मैटोजेनेसिस जेनेसिस उजेनेसिस को थोड़ा समझते हैं स्पर मैटोजेनेसिस जेनेसिस उजेनेसिस को समझते हैं ड्यूरिंग स्पर मैटोजेनेसिस ध्यान से सुनेंगे स्पर मैटोजेनेसिस जब होती है ना इस पर जब होती है तो इस प्रोसेस को ज़रा समझेंगे मैं आपको यहाँ से फटाफट से बताता हूँ सबसे पहले जो सेल्स होती हैं यहाँ पे ये होती है इन्हें कहते हैं प्राइमॉर्डियल जर्म सेल्स पी कहते हैं इनका नाम होता है प्राइमॉर्डियल जर्म सेल्स ये प्राइमोडियल जर्म सेल्स होती हैं पीजीसीज़ होती हैं जो एम्ब्रियोनिक पीरियड में फॉर्म होती हैं याद रखेंगे पीजीसीज़ होती हैं प्राइमोडियल जर्म सेल्स होती हैं जो जो एम्ब्रियोनिक पीरियड में फॉर्म होती हैं और ये पीजीसीज़ माइटोटिक डिविज ये जो पीजीसीज़ होती हैं ये प्राइमोडियल जर्म सेल्स डिवाइड करती हैं और यही प्राइमोडियल जर्म सेल ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं, दे ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म इनटू स्पर्मेटोगोनिया, इन्हें कहते हैं मेल जर्म सेल्स स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं इन्हें कहते हैं मेल जर्म सेल्स क्या कहते हैं इन्हें कहते हैं मेल जर्म सेल्स स्पर्मेटोगोनिया जो 2n या डिप्लॉयड सेल्स होती हैं ये स्पर्मेटोगोनिया बन जाती है ध्यान से सुनेंगे ये स्पर्मेटोगोनिया बन जाती है पहले सबसे पहले बनती है स्पर्मेटोगोनियल सेल्स इन्हें क्या कह रहे हैं इन्हें कह रहे हैं स्पर्मेटोगोनिया अब ये जो स्पर्मेटोगोनियल सेल्स होती हैं ये माइटोटिक डिवीज़न करती हैं और बहुत सारी सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं दे अंडर गो माइटोटिक डिवीज़न क्या करती हैं ये ये माइटोटिक डिवीजन करती हैं मल्टीप्लिकेशन करती हैं इस प्रोसेस को कहते हैं मल्टीप्लिकेशन। ये जो होती है ये सबसे पहले अपना मल्टीप्लिकेशन करती हैं मल्टीप्लीकेशन करती है अपना नंबर इंक्रीज करती है रिपीटेड माइटोटिक टाइप डिवीजन करती हैं इसे कहते हैं माइटोटिक डिवीजन और ये जो माइटोटिक डिवीजन करती है इस पर मैटोगिया डिवाइड करती है और डिवाइड करके ये बनाती है यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो जाती है दे फॉर्म प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इसे क्या कहते हैं इसे कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या कहते हैं बेटा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते है. तो याद रखेंगे सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया और स्पर्मेटोगोनिया से बनती है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी डिप्लॉयड स्टेज होती है यह भी 2n होती है डिप्लॉयड होती है लेकिन अब यहाँ से शुरुआत होती है मियोटिक डिवीजन की इसे कहते हैं मियोसिस कहते हैं इसे कहते हैं मियोसिस वन पहला रिडक्शनल डिवीजन होता है यहां पे मियोसिस वन इसे कहते हैं रिडक्शनल डिवीजन क्या कहते हैं इसे कहते हैं रिडक्शनल डिवीजन इसे क्या कहते हैं बेटा रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं और उसके बाद ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड बनाएगा दो डॉटर सेल दो बच्चे होंगे इसके दो प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर बच्चे होंगे लेकिन ये दोनों के दोनों हैप्लॉयड होंगे याद रखेंगे इन दोनों में ये जो होती है सेल्स इसे कहते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट इसे कहते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, लेकिन ये दोनों सेल्स हैपलॉयड होती हैं क्रोमोजोम नंबर आधा हो जाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड करता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में नंबर हाफ हो जाता है क्या करता है जो कि इक्वेशनल डिवीजन होता है कैसा डिवीजन होता है इसे कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन और इसकी वजह से जो डॉटर सेल्स बनती हैं इन्हें कहते हैं हम स्पर्म Spermatid. क्या कहते हैं इनको इन्हें कहते हैं spermatid. क्या कहते हैं बेटा इन्हें कहते हैं स्पर्मैटिड्स कहते हैं क्या कहते हैं स्पर्मैटिड्स कहते हैं ध्यान से देखें पहले स्पर्मेटोगोनिया मल्टीप्लाई करती है नंबर बढ़ाती है नंबर बढ़ाती है अपना नंबर इंक्रीज़ करती है और नंबर बढ़ा करके ये माइटोटिक डिवीजन करती है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाती है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट स्पर्मेटिड बनाता है और ये जो स्पर्मेटिड होता है ये स्पर्मेटिड स्पर्म्स में ट्रांसफॉर्म हो जाता है ये जो सेकेंडरी ये जो स्पर्मेटिड्स बने थे ये जो स्पर्मेटिड्स बने थे ये अब स्पर्म्स में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं ये देखे ये है स्पर्म्स का फॉर्मेशन हो जाता है ये स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है देखें क्या कह रहे हैं कह रहे यहां पे पीजीसी ने शुरू करा मल्टीप्लिकेशन और स्पर्मेटोगोनिया बनी स्पर्मेटोगोनिया ने नंबर बढ़ाया इनका पर्पज है इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल्स क्या करता है ये ये इंक्रीज करता है नंबर ऑफ सेल्स ये खूब सारी सेल्स बनाता, बनाता जाता है बनाता जाता है बनाता जाता है और यहां पे ये स्पर्मेटोजोआ ये स्पर्मेटिड ट्रांसफॉर्म हो जाता है स्पर्मेटोजोवंस में ये चार हैप्लॉयड स्पर्म्स जो आप देख पा रहे हो ये सारे सारे के सारे ये चार हैप्लॉयड स्पर्म्स जो आप देख पा रहे हो वो स्पर्मेटिड से बने हुए यही स्पर्मेटोजोवंस मैच्योर इन्हीं को कहते हैं हम फुल्ली फॉर्म्ड स्पर्मेटोजोन्स क्या कहते हैं फुल्ली फॉर्म्ड स्पर्मेटोजोवंस हैं ये ये स्पर्मेटिड जब स्पर्मेटोजोवा में ट्रांसफॉर्म होती है तो इस प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस क्या कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस इस इसी को कहते हैं स्पर्म में टेलियोसिस स्पर्म मेटेलियोसिस टेलियोसिस कहते हैं ज्ञानी बच्चों महान बच्चों ये समझे कह रहे हैं स्पर्म का फॉर्मेशन होता है टेस्टिस के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है टेस्टिस के अंदर स्पर्म बनाए जाते हैं टेस्टिस के अंदर स्पर्म्स जो होते हैं टेस्टिस में बनने के बाद जब बन जाते हैं तो उसके बाद इन्हें भेज दिया जाता है सेमाइनी फेरेस्टिब्यूल्स के अंदर से बाहर निकाल दिया जाता है और इसे एपिडाइडमिस में स्टोर कर लिया जाता है तो बनने की जगह है टेस्टिस और स्टोरेज की जगह होती है एपीडाइडमिस ये जो घर है यहाँ पे स्पर्म बनते हैं ये जो स्थान है ये जो स्पेस है टेस्टीस यहाँ पे स्पर्म्स बनाए जाते हैं और फिर इसे स्टोर कर लिया जाता है और फिर इसे स्टोर कर लिया जाता है एपीडाइडमिस में मतलब यहाँ पे टेस्टीस में स्पर्म बनता है के अंदर स्पर्म्स बनते हैं और फिर उन स्पर्म्स की स्टोरेज जो होती है वो स्टोरेज जो होती है यहां से ट्रेवल करता हुआ स्पर्म यहाँ से ट्रेवल करता हुआ स्पर्म स्टोर कर लिया जाता है एपीडाइडमिस में ये देखें एपीडाइडाइमिस में स्पर्म्स स्टोर होते हैं टेस्टिस के अंदर स्पर्म्स फॉर्म होते हैं ये है टेस्टिस और साइट ऑफ स्पर्म प्रोडक्शन जो होती है उसे कहते हैं सेमाइनी फेरस ट्यब्यूल्स क्या कहते हैं सेमाइनी फेरस ट्यब्यूल्स कहते हैं जहां स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है तो ये स्पर्म्स जो होते हैं वो यहाँ पे यहीं पे इसी जगह पे फॉर्म किए जाते हैं और बनने के बाद इसे बाहर रिलीज़ कर दिया जाता है तो यहाँ कई सारे टर्म्स आपको अपने दिमाग में अपने जहन में अपने भेजे में रखना होगा कई सारे टर्म्स अपने दिमाग में रखने होंगे ध्यान से सुने स्पर्म फॉर्मेशन के दौरान कई सारे टर्म्स आपको ध्यान में रखने होंगे मैं उन टर्म्स के नाम लिख रहा हूँ फटाफट से समझा रहा हूं ध्यान से सुनेंगे ध्यान से सुनेंगे कई सारे टर्म्स जो होते हैं स्पर्म फॉर्मेशन के दौरान जो होते हैं उनका नाम मैं लिखूंगा उनका नाम मैं लिखूंगा ध्यान से सुनेंगे स्पर्म फॉर्मेशन के दौरान ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस ड्यूरिंग 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 स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्मेटोजेनेसिस सबसे पहला स्टेप है स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस क्या होती है स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस इस स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस इसे कहते हैं स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस जिसका मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स नाम से भी समझ में आ जाएगा आपको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के फॉर्मेशन को स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस कह रहे हैं स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस कह रहे हैं पहला स्टेप दूसरा स्टेप है मियोसिस वन क्या कहते हैं इसे कहते हैं मियोसिस वन जहां पे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है तीसरा स्टेप होता है जिसे कहते हैं मियोसिस तीसरा स्टेप होता है मियोसिस टू और चौथा स्टेप होता है जिसे कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस क्या कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं तो यहां मियोसिस वन जो हो रहा है इसमें प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो होता है बेटा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो होता है ये दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है क्या बनाता है ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है ये दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है जो कि हैप्लोइड सेल्स होती हैं और यहां जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होता है ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो होता है मियोसिस टू करता है और इसी से बनता है ये इसी से बनता है स्पर्मेटिड्स क्या बनते हैं इसे कहते हैं स्पर्मेटिड अब देखें अब कह रहे हैं ये जो स्पर्मेटिड बने हैं वो स्पर्मेटिड ट्रांसफॉर्म होते हैं स्पर्मेटिड जो होता है जो हैप्लॉयड सेल होती है ये स्पर्मेटिड जो है स्परमेटिड का ट्रांसफॉर्मेशन होता है ट्रांसफॉर्मेशन होता है ट्रांसफॉर्मेशन इंटू किसमें ट्रांसफॉर्म होती है स्पर्मेटोजोवंस में ट्रांसफॉर्म होती है कैसे होती है देखेंगे जरा कह रहे यहां पे ये रही स्पर्मेटिड ये जो स्पर्मेटिड है इसका ये रहा न्यूक्लियस कह रहे कैसे अरेंज हो रही है सेल का कॉम्पैक्शन शेप चेंज होता है सेल का शेप चेंज होता है न्यूक्लियस कंडेंस होनी शुरू हो जाती है न्यूक्लियस कंडेंस होनी शुरू हो जाती है एक्रोजोम ऊपर गॉल्जी बॉडी एक्रोजोम बनाना शुरू कर देता है माइटोकॉन्ड्रिया अरेंज होने लगती है नीचे और टेल का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है और फाइनली एक मैच्योर स्पर्मेटोजोवन का फॉर्मेशन होता है एक मैच्योर स्पर्मेटोजोवन का फॉर्मेशन होता है ये रहा मैच्योर स्पर्मेटोजोवन ये एक मैच्योर स्परमेटोजोवन का फॉर्मेशन होता है ये देखें ये एक मैच्योर स्परमेटोजोवन का फॉर्मेशन होता है ये देखें कह रहे एक मैच्योर स्परमेटोजोवन का फॉर्मेशन होता है स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनता है क्या बनता है स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन होता है इस प्रोसेस को कहते हैं हम स्परमियोजेनेसिस और जब स्पर्म फाइनली बन जाते हैं तो अब देखिए अगला टर्म बहुत इंपॉर्टेंट नीट का सवाल था ये नीट में पूछा गया है दो बार अलग अलग तरीके से पूछा गया है ये नीट का सवाल पूछा गया है एक टर्म है जिसे कहते हैं स्पर्मिएशन क्या कहते हैं स्पर्मिएशन <coughs> यहां एक टर्म है स्पर्मिएशन जिसका मतलब होता है कि जब स्पर्म्स आफ्टर फॉर्मेशन आफ्टर आफ्टर फॉर्मेशन जब स्पर्म्स का फॉर्मेशन हो जाता है द स्परमैटोजोवंस जब स्पर्मेटोजोवा बन जाता है तो आफ्टर फॉर्मेशन स्परमैटोजोवंस आर स्परमेटोजोवंस आर रिलीज्ड रिलीज्ड फ्रॉम सेमाइनी फेरेस ट्यूब्यूल्स सेमाइनी फेरेस ट्यूब्यूल्स या फिर दूसरा पॉइंट सेमाइनी फेरेस्टिब्यूल्स और और इनटू द इनटू द कैविटी ऑफ इनटू द कैविटी इनटू द ल्यूमेन ऑफ सेमाइनी फेरस ट्यूब्यूल्स अगर ये स्पर्म्स सेमाइनी फेरेस ट्यूब्यूल्स के कैविटी में लीव कर दिए जाते हैं छोड़ दिए जाते हैं सेमाइनी ट्यूब्यूल्स में छोड़ दिए जाते हैं तो इसी को कहते हैं स्पर्मिएशन, इसी को क्या कहते हैं स्पर्मिएशन कहते हैं तो देखेंगे इधर कह रहे जब टेस्टिस के अंदर ये देखो सेमाइनी ट्यूब्यूल्स में जब सेमाइनी ट्यूब्यूल्स में आप देखोगे जैसे मान लो सेमाइनी ट्यूब्यूल्स में अगर आप देखोगे ये मान लो सेमाइनी फेरस टिब्यूल है ये है सेमाइनी फेरस टिब्यूल अगर आप इसका सेक्शन कट करोगे क्रॉस सेक्शन कट करोगे तो आपको देखने को मिलेगा अगर इसी सेमाइनी फेरस टिब्यूल्स को आप देखोगे इसका क्रॉस सेक्शन कट कर करके देखोगे तो आपको मिलेगा कि इस सेमाइनी फेरस टिब्यूल में ध्यान देंगे सभी लोग ये सेमाइनी फेरस टिब्यूल है ये सेमाइनी फ्रेस्टिब्यूल है ये सेमाइनी फेरेस्टिब्यूल है ये सेमाइनी फेरेस्टिब्यूल में सरटोली सेल है देखेंगे सभी लोग इसके अलावा यहाँ पे ये है स्पर्मेटोगोनिया, मेल जर्म सेल है ये मेल जर्म सेल डिवाइड करेगी तो डॉटर सेल बनेगी ये जो मेल जर्म सेल है ये बनाएगी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड करेगा तो यह बनाएगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेकेंडरी डिवाइड करेगा तो यह बनाएगा स्पर्मेटिड यह बनेगा स्पर्मेटिड और स्पर्मेटिड बनाएगा स्पर्मेटोजोवा क्या बनाएगा ये स्पर्मेटिड बनाएगा स्पर्मेटोजोवा ये देखो ये स्पर्मेटिड बनाएगा स्पर्मेटोजोवा ये है प्रोसेस लेकिन इसी दौरान ध्यान से सुनेंगे सभी लोग इसी दौरान ये जो स्पर्म्स होते हैं ये सर्टोली सेल के अंदर चिपके रहते हैं ये जो स्पर्म्स होते हैं ये सर्टोली सेल के अंदर चिपके रहते हैं ये देखो ये सर्टोली सेल के अंदर चिपके रहते हैं ये यहां से नरिशमेंट ले रहे होते हैं। ये यह स्पर्म्स यहाँ से नरिशमेंट ले रहे होते हैं ये नरिशमेंट ले रहे होते हैं और जब स्पर्म यहाँ से नरिशमेंट ले रहे होते हैं तो फाइनली इन स्पर्म्स को ये सर्टोली सेल्स छोड़ देती है यहाँ से कहती है जा मुन्ना जा तुझे सब कुछ खाने पीने का दे दिया जा ja, अब जा यहाँ से और जा करके देश का कोई बड़ा काम करके आ फर्टिलाइजेशन करके आ ओवम को फर्टिलाइज करके जरूर आना तेरा काम यहाँ कंप्लीट हो गया है मैच्योर हो चुका है मैच्योर स्पर्म्स को यहाँ से बाहर भेज दिया जाएगा सर्टोली सेल्स से जब ये स्पर्म एक्टिवली स्विम करके छोड़ दिए जाएंगे ध्यान से सुनो जब सर्टोली सेल इन स्पर्म्स को यहाँ से छोड़ देगी सरटोली सेल्स से स्पर्म बाहर निकाल दिया जाएगा तो इसी को कहते हैं इसी प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मिएशन क्या कहते हैं इसी को कहते हैं स्पर्मिएशन तो स्पर्मिएशन क्या है सबको समझ में आ रहा है बच्चों स्पर्मिएशन क्या है सबको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा ये रहा स्पर्मेटोजोवा ये था स्परमैटिड ये था स्परमैटिड ये था सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट ये है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट स्पर्मेटोसाइट और ये है जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया क्वेश्चन पूछा जाता है क्वेश्चन पूछा जाता है क्वेश्चन पूछा जाता है प्लोइडि लेवल बताओगे हैप्लोइड हैप्लोइड ये बताओगे हैप्लोइड ये बताओगे डिप्लोइड ये बताओगे डिप्लोइड प्लोइडि लेवल पे सवाल पूछा जाता है बोलो समझ में आ गया बच्चों यहां तक की बात समझ में आ गई मेल के गैमेट फॉर्मेशन गैमेटोजेनेसिस क्लियर हो गया मेल्स के केस में गैमेटोजेनेसिस क्लियर हो गया मेल्स के केस में स्पर्मिएशन क्लियर हो गया मेल्स के केस में स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस क्या होती है स्पर्मियोजेनेसिस क्या होती है क्लियर हो गया स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस क्या होती है गैमिटोजेनेसिस का पूरा प्रोसेस समझ में आ गया जल्दी बताएंगे फटाफट से बताएंगे फटाफट से बताएंगे यहां तक की बात बिल्कुल क्लियर है फटाफट से बताओ भाई फटाफट से बताएंगे जल्दी बताएंगे क्लियर है आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े आगे बढ़े आगे, आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ाते हैं कहानी को कहानी का अगला पार्ट पढ़ते हैं अब देखें, कह रहे किसी एक स्पर्म के अगर मैच्योर स्पर्म के स्ट्रक्चर को अगर देखें, स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर स्पर्म किसी मैच्योर स्पर्म का स्ट्रक्चर देखेंगे किसी मैच्योर स्पर्म का स्ट्रक्चर देखेंगे स्ट्रक्चर देखेंगे पूछ रही थी मम्मी पापा क्या करते हैं आपके यहाँ तो ना बताती ना सर एस टी वॉल में स्पर्मेटोगोनिया होगा ना एस टी वॉल में सेमिनि फेरेस्टिब्यूल था हाँ जी वॉल में सेमिनी स्पर्मेटोगोनिया वेरी गुड अंजलि दीदी क्या तुम मेरी बहन बनोगी मेरा नाम रतन कुमार है ए रतन नूरा रतन नूरा काम करूँगा खत्म पूरा ए रतन नूरा काम करूँगा खत्म पूरा कौन है लोग कहाँ से आते हैं ये लोग कौन है ये लोग कहाँ से आते हैं कहाँ से आते हैं ये लोग कौन है ये लोग जल्दी से खत्म करके मतलब जल्दी से क्या खत्म करके छुट्टी करके क्या यही सब करना है आप लोगों को रक्षाबंधन तो अभी है नहीं बाबू रक्षाबंधन तो है नहीं असली डे आपका निकल चुका है विश्वास दिवस आने वाला है हे रतन नूरा काम करूंगा ख़त्म पूरा हो तुम लोग यार अजीब आदमी हो जल्दी से कोर्स कर। ये बताओ मुझको ये बताओ मुझको तुम्हारे साथ तुम बैठ करके जो अपना अपने अपने जो बटक्स हैं उनको दर्द दे रहे हो तो मैं भी तो खड़े होकर के आपके सामने पढ़ा रहा हूं बेटा आप अपने बॉडी को पेन दे रहे हो मैं आपके सामने खड़े होकर के पढ़ा रहा हूं मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको हर एक चीज पढ़ा दूं आपका आपको क्या लगता होगा आपको क्या लगता होगा कि सर जो पढ़ा रहे हैं इस चैप्टर में सब कुछ एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है ना बड़ा चैप्टर है ना बेटा चैप्टर बड़ा है इसलिए इनमें बहुत सारी चीज़ें बताने के लिए आप इधर उधर की बातें अगर करोगे तो कैसे काम चलेगा भाई आए ऐसे कैसे करोगे भाई तो सीरियस हो जाओ थोड़ा सीरियसली पढ़ो तो मजा आएगा थोड़ा आपका भी फायदा होगा सीरियस होकर के पढ़ोगे कुछ मतलब सीरियस का मतलब ये नहीं कि अब रोना शुरू कर दो सीरियस का मतलब ये नहीं रोना शुरू कर दो बस प्यार से पढ़ो है ना प्यार से पढ़ो इधर उधर की बातें ना करो रतनलाल रतनलाल नूरा है चलो मैच्योर स्पर्म का स्ट्रक्चर में बताता हूं एक मैच्योर स्पर्म जो मैमेलियन स्पर्म होता है बेटा जी मैमेलियन स्पर्म होता है इसमें होता है एक होता है हेड एक होता है नेक एक होता है हेड एक होता है नेक एक होता है इसका एक होता है मिडिल पीस मिडिल पीस होता है और एक होता है टेल एक मैच्योर स्पर्म में भगवान का दिया हुआ सब कुछ होता है यूं समझ लें हम हम क्या कहें एक मैच्योर स्पर्म में भगवान का दिया हुआ भगवान का दिया हुआ सब कुछ होता है क्या क्या होता है भगवान का दिया हुआ जरा वो भी देख लेते हैं जरा वो भी देख लेते हैं कि आखिर क्या क्या होता है इस स्पर्म के अंदर थोड़ा सा फटाफट बना रहे हैं इसलिए इसमें हो सकता है जल्दबाजी में हम कुछ चीजें फटाफट से बना देंगे तो बहुत बेहतरीन शेप तो हम नहीं दे रहे लेकिन कोशिश करेंगे कि स्पर्म आपको समझ में आ जाए कोशिश करेंगे कि स्पर्म आपको अच्छे से समझ में आ जाए जल्दी जल्दी में हम आपको ये बहुत खूबसूरत सा शेप तो नहीं दे रहे हैं स्पर्म को लेकिन कोशिश पूरी है कि आपको स्पर्म का स्ट्रक्चर पूरा अच्छे से समझ में आ जाए ये देखो स्पर्म एक मैच्योर स्पर्म एक मैच्योर स्पर्म दिखने में ये आपको थोड़ा सा नाग नाग नागपाश जैसा लग रहा होगा है ना सपोले जैसा लग रहा है ये तो ये किसके जैसा लग रहा है ये तो सपोले जैसा लग रहा है सपोले जैसा लगता हुआ स्पर्म सपोला है ये सांप का छोटा सा बच्चा है ये ये देखें ये देखें ये देखें ये देखें तो मान लेते हैं कि ये एक एक जनरलाइज्ड स्ट्रक्चर है इस परम का एक जनरल स्ट्रक्चर है रफ रफली बनाया है बहुत फास्टम फास्ट बनाया है समय नहीं दिया है ज्यादा इसको समय नहीं दिया है ज्यादा इसको आप बस खाली इसको समझते जाएंगे ये देखें ये है इसका हेड पोर्शन हमने कहा चार मेन पार्ट में डिवाइड कर लो एक हो गया हेड एक हो गया नेक ये हो गई नेक ये हो गई नेक ये हो गई मिडल पीस क्या हो गई ये हो गई मिडल पीस ये हो गई मिडल पीस ये हो गई टेलू टेलू क्या हो गई ये हो गई टेलू टेलू एच एन एम टी एच एन एम टी बन गया इसमें क्या हो गया एच एन एम टी बन गया और इस स्पर्म के टॉप पे आप देखो यहां पे है एक्रोसोम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एक्रोसोम जो होता है डेराइव्ड फ्रॉम गोल्जी बॉडी कहाँ से डेराइव्ड होता है ये डेराइव्ड फ्रॉम गोल्जी बॉडी गोल्जी बॉडी से डराइव होता है ये और इसके अंदर एंजाइम्स फिल्ड होते हैं कंटेन्स एंजाइम जो फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है कंटेन्स एंजाइम्स विच हेल्प इन विच हेल्प इन फर्टिलाइजेशन ये हेल्प करता है फर्टिलाइजेशन में तो यहां पे हो गया एक्क्रोजोम ये हो गया इसका इसका न्यूक्लियस इसे कहते हैं स्पर्म न्यूक्लियस क्या कहते हैं इसको इसे कहते हैं स्पर्म न्यूक्लियस यहां नेक में आपको दिखाई दे रहे होंगे ये सेंट्रियोल्स इन्हें कहते हैं सेंट्रियोल्स इसे कहते हैं एक इसे कहते हैं प्रोक्सिमल सेंट्रियोल तो आप देखेंगे दो सेंट्रियोल मेन दिखाई दे रहे हैं एक प्रोक्जिमल सेंट्रियोल है एक होता है जिसे कहते हैं डिस्टल सेंट्रियोल क्या कहते हैं एक होता है जिसे कहते हैं डिस्टल सेंट्रियोल डिस्टल सेंट्रियोल और उसके बाद आप देखें बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट जो स्पर्म में होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट जो स्पर्म में होता है मिडल पीस में आपको दिखाई दे रहा होगा ये है माइटोकॉन्ड्रिया का स्पाइरल अरेंजमेंट नीट में एक बार सवाल आया हुआ है ये माइटोकॉन्ड्रिया के स्पाइरल अरेंजमेंट को क्या कहते हैं नेबन कर्न कहते हैं क्या कहते हैं इसे कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है ये स्पर्म के लिए ये एनर्जी प्रोवाइड करता है एनर्जी प्रोवाइड करता है स्पर्म के लिए एनर्जी प्रोवाइडिंग पार्ट होता है ये ये एनर्जी प्रोवाइडिंग पार्ट होता है माइटोकॉन्ड्रिया और स्पाइरल अरेंजमेंट होता है उसका स्पाइरल अरेंजमेंट होता है इसे कहते हैं नेबन कर्न क्या कहते हैं इसको इसे कहते हैं नेबन कर्न कहते हैं इस पूरे स्पर्म के ऊपर आप देखोगे फाइब्रस शीत कवर्ड होती है इस स्पर्म के ऊपर ये प्रोटेक्टिव शीत होती है इसे कहते हैं फाइब्रस शीत क्या कहते हैं इसे कहते हैं फाइब्रस शीत तो पूरा का पूरा स्पर्म जो होता है उसके ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयर पाई जाती है द एंटायर स्पर्म इज कवर्ड विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पावर हाउस होता है यहां पे माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये पावर हाउस होता है हेड होता है एक्रोजोम होता है सेंट्रियोल्स होते हैं और ये बीच में आपको जो दिखाई दे रहा है ये है, जो डिजिटल सेंट्रियोल से ओरिजिनेट हुआ है उसे कहते हैं एग्जियल फिलामेंट क्या कहते हैं एग्जियल फिलामेंट जो लोकोमोशन में हेल्प करता है तो आप देख सकते हो माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है मिडिल पीस में पाई जाती है टेल जो होती है वो नेक से लेकर के फैली हुई है लास्ट एंड तक फैली हुई है और यहां फाइब्रस शीत पाई जाती है जो एक्सटेंशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है क्या होता है इसे कहते हैं एक्सटेंडेड प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सटेंडेड प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं इसको क्या कहते हैं एक्सटेंडेड प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हो गया हो गया जल्दी बताओ यहाँ तक की बात समझ आ गई आगे बढ़े स्पर्म का स्ट्रक्चर क्लियर है स्पर्म का स्ट्रक्चर क्लियर है आगे बढ़े जल्दी से बताएं फटाफट से करें अगर हो गया तो जल्दी से थमसअप कर दे बच्चों हो गया तो थमसअप कर दे कहानी को आगे बढ़ाया जाए हो गया है तो तब जब कर दे कहानी को आगे बढ़ाया जाए स्पर्म का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है और इसके आगे अब हम ओवम के स्ट्रक्चर को पढ़ने वाले हैं ऊ जेनेसिस पढ़ने वाले हैं ओवम का स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं कैसे ऊ जेनेसिस होती है उसके बारे में बात होने वाली है ऊ जेनेसिस के बारे में बात होने वाली है फाइब्रस चीत प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ही कवरिंग को कहते हैं बेटा जी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कवरिंग को ही कहते हैं ठीक है जी आगे बढ़ते हैं और कितना टाइम लगेगा यार ये कौन है ये टाइम क्यों पूछ रहा है क्यों कहीं जाना है का रात को बारह बजे किसी की मीटिंग है का तुम्हारी किसी मीटिंग है का तुम्हारी कौन हो तुम कहाँ से आते हो कहाँ जाना है तुमको कहाँ जाना है जाना कहाँ चाहते हो बताओ भाई क्यों जाना चाहते हो कहाँ जाना चाहते हो यहीं बैठो ना क्लास छोड़ के अगर तुम जाओगे बड़ा पछताओगे बड़ा पछताओगे बड़ा पछताओगे यही गाना हम गाऊंगा यही गाना हम गाऊंगा ध्यान से सुनेंगे चलो आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं नॉर्मली एक टर्म है जिसे कहते हैं सीमेन सीमैन नहीं ये सीमेन है सीमैन नहीं ये सीमेन है मेल्स जो होता है अप्रोक्सीमेटली दो दशमलव पांच से पांच एम एल पांच एम एल पर इज जब मेल इजैक्युलेट करता है तो दो से 5 एम पर इजैक्युलेट रिलीज करता है और इसमें अप्रोक्सीमेटली दो सौ से लेकर के तीन सौ मिलियंस स्पर मैटोजोवंस होते हैं कितने स्पर्म्स होते हैं दो सौ से तीन सौ मिलियंस स्पर मैटोजोवंस पाए जाते हैं स्पर्म्स पाए जाते हैं और इस टोटल स्पर्म में से ऑफ़ द टोटल स्पर्म ऑफ द टोटल स्पर्म अगर हम टोटल स्पर्म्स की बात करते हैं तो ऑफ द टोटल स्पर्म्स टोटल स्पर्म्स में से लगभग सिक्सटी परसेंट सिक्सटी परसेंट विद नॉर्मल शेप एंड साइज कैसा होना चाहिए नॉर्मल शेप का होना चाहिए और नॉर्मल साइज का होना चाहिए सुंदर और सुशील होना चाहिए क्या होना चाहिए यहां पे ये जो है ये सुंदर और सुशील होना चाहिए क्या होना चाहिए सुंदर और सुशील होना चाहिए और उसके अलावा ऑफ दिस ऑफ दिस सिक्सटी परसेंट फोर्टी परसेंट मस्ट बी विद विगरस मोटिलिटी होना चाहिए क्या होना चाहिए विगरस मोटिलिटी होना चाहिए विगरस मोटिलिटी होना चाहिए नॉर्मल फर्टिलाइजेशन के लिए फॉर फॉर नॉर्मल फर्टिलाइजेशन अगर किसी व्यक्ति को फर्टिलाइजेशन करना है नॉर्मल फर्टिलाइजेशन करना है तो उसे कहते हैं उसे कहते हैं ये 60 परसेंट मस्ट बी विद नॉर्मल शेप एंड साइज सुंदर और सुशील होना चाहिए गुणवान होना चाहिए बेहतरीन होना चाहिए और बाकी जो 40 परसेंट है वो हो जो इनमें 60 परसेंट में से 40 परसेंट हो उनमें विग्रस मोटिलिटी होनी चाहिए जबरदस्त होनी चाहिए विग्रेस मोटिलिटी फर्टिलाइजेशन के लिए फर्टिलाइजेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए विगरस मोटिलिटी होनी चाहिए ठीक है जी 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 ठीक है जी, जी, जी तो ये हो गया सीमेन सीमेन में क्या होता है सीमेन इंक्लूड्स सीमेन इज इक्वल टू सीमेन इज इक्वल टू स्पर्म्स स्पर्म्स प्लस ग्लैंडुलर सीक्रीशन जिसे कहते हैं सेमाइनल प्लाज्मा क्या कहते हैं सेमाइनल प्लाज्मा इसी को कहते हैं ग्लैंडुलर सीक्रीशन, ग्लैंडुलर सीक्रीशन तो मेल्स में सीमेंट जो होता है कुछ इस टाइप से उसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि सीमेन जो होता है वो सेमाइनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म होता है जिसका पीएच होता है एल्कलाइन सेवन पॉइंट टू से ले के सेवन पॉइंट सेवन तक होता है एल्कलाइन होता है और इसमें मेजर एल्केलेटी जो होती है वो कंट्रीब्यूट करता है सेमाइनल प्लाज्मा सेमाइनल वेसिकल मेजर एल्केलाइनिटी जो होती है मेजर एल्कलिटी इज प्रोवाइडेड ड्यू टू या प्रोवाइडेड बाय प्रोवाइडेड बाय सेमाइनल वेसिकल कौन प्रोवाइड करता है सेमाइनल वेसिकल प्रोवाइड करती है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सबसे ज्यादा कौन एल्कलिनिटी ऐड करता है तो एल्कलिनिटी में सबसे ज्यादा एल्कलिनिटी ऐड करता है मेजर एल्कलिनिटी सेमिनल वेसिकल ऐड करती है, है समझ आ गया बच्चों आगे चले आगे चले बोलो आगे चले ओए करीना क्या बात है तुम हो तुम हमको भक्ति बोल रही है मेरा नाम रतन कुमार है रतन कुमार है बिल्कुल रतन भागलपुर है रतन भागलपुर है आगे चले बोलो समझ में आ गया यहां तक रतन बाबू फिर आ चुके हैं लव यू मेरा बच्चा तो मेरा बच्चा है तो यहां तक की बात समझ में आ चुकी है आगे चले आगे चले बच्चों आगे चलते हैं आगे चलते हैं आगे चलते हैं है। बात करते हैं ऊ जेनेसिस की किसकी बात करते हैं जेनेसिस स्पर्म प्रोडक्शन समझ आ गया ऊ जेनेसिस पढ़ेंगे एग फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे और एग फॉर्मेशन बर्थ से पहले ही शुरू हो जाती है स्टार्ट बिफोर बर्थ क्या बात याद रखनी है स्टार्ट बिफोर बर्थ बर्थ से पहले शुरू हो जाती है प्रोसेस सेम है प्रोसेस सब कुछ सेम है स्टेजेज वैसी ही आएंगी लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस है बर्थ से पहले ही शुरू हो जाती है और यहां पे यहां पे क्या होता है जो ऊगोनियल सेल्स होती हैं ध्यान से सुनेंगे जो ऊगोनियल सेल्स होती हैं उगोनियल सेल्स उगोनियल सेल्स मल्टीप्लाई क्या करती है ऊगोनियल सेल्स मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई एंड ट्रांसफॉर्म इनटू ट्रांसफॉर्म इनटू इनटू प्राइमरी साइट्स क्या बना लेती हैं प्राइमरी साइट्स बना लेती हैं ये जो प्राइमरी ऊ साइट बना लेती हैं ये प्राइमरी ऊ साइट है ये मान लो प्राइमरी ऊ साइट है कौन है ये प्राइमरी ऊ साइट है ये ये प्राइमरी ओसाइट स्टार्ट्स मियोटिक डिवीजन क्या करना शुरू करता है स्टार्ट्स मियोटिक डिवीजन मियोसिस वन बिफोर बर्थ बिफोर बर्थ मियोसिस वन शुरू कर देता है ये बिफोर बर्थ बट अरेस्टेड इन बट ये अरेस्ट हो जाता है अरेस्टेड इन मियोसिस वन की डिप्लोटीन स्टेज में डिप्लोटीन डिप ले लेता है ये डिप्लोटीन स्टेज में ये रुक जाता है ऑफ प्रोफेज वन ऑफ मियोसिस वन प्रोफेज वन ऑफ मियोसिस वन में ये डिप्लोटीन स्टेज में अरेस्ट हो जाता है और फिर और फिर बर्थ हो जाती है क्या हो जाती है यहां पे इसी स्टेज में बर्थ हो जाती है प्राइमरी उइट जो होगा अभी डिवीजन रुक गई और बर्थ हो गई ये प्राइमरी ऊसाइट जो था उसका डिवीज़न रुक गया बर्थ हो चुकी है बर्थ हो चुकी है और प्यूबर्टी आ चुकी है क्या आ चुकी है प्यूबर्टी आ चुकी है और जैसे ही प्यूबर्टी आती है अब क्या होता है मियोसिस वन जो मियोसिस वन था मियोसिस वन इज़ मियोसिस वन इज कंप्लीटेड क्या हो जाती है मियोसिस वन कंप्लीट हो जाती है बर्थ के बाद और बर्थ के बाद जब मियोसिस वन कंप्लीट होती है याद रखेंगे तो ये दो अनइक्वल साइज़ की सेल बनाती है दो अन इक्वल साइज्ड सेल्स बनती है अन इक्वल साइज स्पर्म जब बना था तो वहाँ इक्वल साइज सेल बनती है यहाँ पे अन इक्वल साइज सेल्स फॉर्म होती है अन इक्वल साइज सेल्स आर फॉर्म्ड और ये जो अन-इक्वल साइज सेल्स बनती हैं इसे कहते हैं एक को कहते हैं सेकेंडरी ऊ साइट क्या कहते हैं इसे कहते हैं सेकेंडरी साइट कहते हैं और ये जो सेकेंडरी के साथ में दूसरी सेल बनी है इसे कहते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी फर्स्ट पोलर बॉडी कहते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी कहते हैं इसे कहते हैं सेकेंडरी ऊसाइट ये अन एकक्वल साइज की सेल्स होती हैं दो अलग अलग साइज की सेल्स बनती हैं ये जो अन इक्वल साइज की सेल बनी है ये ये क्या करती है ये उस प्राइमरी उस साइड का सारा माल अपने अंदर जमा कर लेती है सारा मसाला अपने अंदर जमा कर लेती है प्राइमरी उस साइड का सारा साइटोप्लाज्म इसके अंदर आ गया फर्स्ट पोलर बॉडी के अंदर बहुत रिड्यूस्ड साइटोप्लाज्म होता है याद रखेंगे फर्स्ट पोलर बॉडी में रिड्यूस्ड साइटोप्लाज्म होता है इसमें साइटोप्लाज्म बहुत कम होती है रिड्यूस्ड साइटोप्लाज्म पाया जाता है ये सेकेंडरी उइट अंडर गो करती है मियोसिस सेकेंड शुरू हो जाता है इसका मियोसिस सेकेंड शुरू हो जाता है इसका सेकेंड स्टार्ट हो जाता है बट बट अरेस्टेड इन अरेस्टेड इन मेटाफेज मेटाफेज सेकेंड स्टेज में ये अरेस्ट हो जाती है अब देखे हो एक बार फिर से अरेस्ट हो गई एक बार फिर से अरेस्ट हो गई ये मेटाफेज सेकंड स्टेज में कब हो गई मेटाफेज सेकंड में अरेस्ट हो गई अब जब ये मेटाफेज सेकंड में अरेस्ट हो गई तो अब इसका इसका इसकी जिंदगी का कह रहे इसी स्टेज में ये ओव्यूलेशन हो जाती है इसी स्टेज में ये ओव्यूलेशन होता है ओव्यूलेशन अकर्स इन ओव्यूलेशन अकर्स इन मेटाफेज सेकेंड स्टेज कौन सी स्टेज मेटाफेज सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग जो होता है वो कौन सी स्टेज में ओविलेट होता है ओविलेशन कौन सी स्टेज में होता है याद रखेंगे ये होता है मेटाफेज सेकेंड स्टेज में मेटाफेज सेकेंड स्टेज में ओविलेशन होता है और ये तभी मैचुरेशन पूरा करता है जब स्पर्म की एंट्री होती है याद रखेंगे याद रखेंगे इधर पॉइंट लिख रहा हूं याद रखेंगे द सेकेंडरी सेकेंडरी साइट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सेकेंडरी साइट कंप्लीट्स कंप्लीट्स इट्स मियोटिक डिवीजन मियोटिक डिवीजन मियोटिक डिवीजन कंप्लीट करता है ओनली ओनली आफ्टर द एंट्री आफ्टर द एंट्री ऑफ स्पर्म्स एंट्री ऑफ स्पर्म्स इंटू द इंटू द साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जब सेकेंडरी ऊ साइट के अंदर स्पर्म की एंट्री होगी तभी जाकर के ये इसका मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होता है मियोटिक डिवीजन तभी कंप्लीट होगा जब इसके अंदर ये देखें कह रहे ये रहा ओवम ये रहा ओवम ये रहा स्पर्म ये रहा स्पर्म जब स्पर्म की एंट्री इस ओवम के अंदर होगी तभी जाकर के ये एग अपना डिवीजन कंप्लीट करेगा और बनाएगा और बनाएगा ऊटिड इसे कहते हैं मैच्योर ओवम ऊटिड और बनेगा ये सेकेंड पोलर बॉडी मतलब इस बार फिर से अन डिवीजन होता है सेकेंड पोलर बॉडी बनती है सेकेंड पोलर बॉडी बनती है और ऊटिड बनता है जिसे मैच्योर ओवम कहते हैं बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन होती है बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है ऊटिड में और सेकेंडरी में क्या फर्क है ऊटिड में और सेकेंडरी ऊसाइड में क्या फर्क है ऊ टिड को हम कहते हैं मैच्योर ओवम इसी ऊटिड को कहते हैं मैच्योर ओवम इसी को कहते हैं मैच्योर ओवम कहते हैं अगर स्पर्म ना मिले तो ओवम खत्म टाटा बाय बाय अगर स्पर्म ना मिले ओवम की जिंदगी तबाह ओवम की जिंदगी तबाह हो जाएगी अगर उस ओवम को स्पर्म ना मिले तब बोलो तो ओवम का मैचुरेशन जब डिवीजन कंप्लीट होता है तो वो बनाता है दो अनइक्वल साइज की सेल्स एक को कहते हैं ऊ टिड जिसे मैच्योर ओवम कहा जाता है और दूसरी होती है जिसे कहते हैं सेकेंड पोलर बॉडी सेकेंड पोलर बॉडी कहते हैं ये ऊ जेनेसिस का स्टेप समझ आ गया जल्दी से बता देंगे अगर ऊ जेनेसिस के स्टेप समझ आ गए तो ओवरी के अंदर का जो डायग्राम एनसीईआरटी में दिया उसके बारे में बात करने जा रहा हूं ये बात अगर सबको समझ आ गई तो एक बार फटाफट से बता दे जल्दी से बता दे समझ आ गया कि नहीं आ गया जल्दी से बता दे समझ आ गया कि नहीं आ गया जल्दी बता दे जल्दी बता दे जल्दी बता दे, जल्दी बता दे, जल्दी बता दे।, जल्दी बता दे। क्या ये बात सबको समझ आ गई बोलो भाई जल्दी से बता दो छ लाख छ लाख छ करोड़ छः अरब बच्चे जुड़े हुए हैं लेकिन मैसेज जल्दी से नहीं कर रहे हैं आप लोग छ करोड़ लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ और जल्दी से मैसेज नहीं कर रहे हैं जल्दी से मैसेज करो भाई बताओ कि समझ आ गया कि नहीं आ गया ऊ जेनेसिस की स्टेप्स में और स्पर्मेटोजेनेसिस के स्टेप्स में जितने प्रोसेस हैं वो क्लियर हुए कि नहीं बोलो भाई बोलो भाई सर एक बार समराइज अच्छा जी समरी का भी समरी कर दो इसका भी समरी कर दो उसका भी समरी कर दो उसका भी समरी कर दो उसका भी समरी कर दो खाली समरी करते रहो पूरे साल नहीं अरे पहले जो पढ़ रहे एक बार पढ़ लो समरी अपने आप तुम कहते हो रहे हो तुम लोग टू एक्स थ्री एक्स फाइव एक्स पे हम लोग क्या करेंगे उसको देख लेंगे ना फाइव एक्स पे लेक्चर देख लोगे ना तो पहले पढ़ तो लो एक बार एक बार पढ़ो जिन्होंने पहली बार शुरू किया है मैं उनसे लेकर के जो लोग रिवाइज कर रहे हैं उन तक की बात कर रहा हूं मैं अपनी कोशिश में पूरी चीज़ें ऐड कर रहा हूं जो कि एन को कवर करते हुए चले और एक्स्ट्रा पॉइंट भी जो ज़रूरी है वो आप जानते हुए चलो ठीक है जी चले आगे चलते हैं एक कप पानी पीना पड़ेगा लगता है तो देखें कह रहे अगर कंपेयर किया जाए अगर कंपेयर किया जाए जैसे हम पढ़ते हैं ना मेल्स में हम कंपेयर करें प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट को प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट को कंपेयर करें मेल्स में ये मेल्स में तो फीमेल्स में वो प्राइमरी ऊसाइट कहा जाता है फीमेल्स में इसे प्राइमरी ऊसाइट कहा जाता है जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड करके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है तो उसको कंपेयर करोगे अगर कंपेयर करोगे फीमेल्स के केस में तो वो बनाता है वो बनाता है सेकेंडरी ऊ साइट और फर्स्ट पोलर बॉडी ये देखो ये रिड्यूस्ड बॉडी बनती है इसे कहते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी फर्स्ट पोलर बॉडी कहते हैं और इसको कहते हैं सेकेंडरी ऊ साइट कंपेयर करते चलो साथ साथ में ये दोनों कंपेयर करके बता रहा हूँ मैं यहाँ पे आपको मैं यहाँ पे आपको कंपेयर करके बता रहा हूँ जरा आप इसको कंपेयर करके समझें कि स्पर्म में ये कंपैरिजन कैसा है ध्यान से सुने ध्यान से सुने स्पर्म में कंपैरिजन ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जब डिवाइड करेगा तो अब बनेगा स्पर्मेटिड क्या कहेंगे इसको इसे कहेंगे स्पर्मेटिड कहेंगे ये स्पर्मेटिड अब ट्रांसफॉर्म हो जाएगा और स्पर्मेटोजोआ बनाएगा क्या बनाएगा इसी से बनेगा स्पर्मेटोजोआ यहां देखें मेल्स के केस में इस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है लेकिन फीमेल में ऐसा कुछ नहीं होता ऊ साइड जो होता है जब डिवाइड करता है तो यहां पे एक बनता है सेकेंड पोलर बॉडी सेकेंड पोलर बॉडी बनता है और दूसरा होता है जिसे कहते हैं ऊटिड ऊटिड इसी को कहते हैं मैच्योर ओवम इसी को कहते हैं मैच्योर ओवम और ये दो पोलर बॉडी फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकंड पोलर बॉडी ह्यूमंस में डिवाइड नहीं करती कंपैरिजन समझ में आ गया कंपैरिजन समझ में आ गया दोनों का खेला बोलो भाई बोलो भाई ये कंपैरिजन समझ में आ गया बच्चों ये कंपेरिजन समझ में आ गया बच्चों जल्दी बताओगे जल्दी बताओगे जल्दी बताओगे कंपेरिजन समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं अगला पॉइंट अगला पॉइंट पढ़ते हैं जो फीमेल्स में दे रखा है कंसेप्ट है इसको मैं थोड़ा सा फटाफट से आपको समझा देता हूं फीमेल्स की ओवरी का स्ट्रक्चर जो दिया हुआ है उसके बारे में थोड़ा हम समझ लेते हैं ध्यान से सुने फीमेल्स की बॉडी में ऊगोनिया जो होता है बर्थ के बाद ऐड नहीं होता है 60,000 थाउजेंड टू 80,000 थाउजेंड फीमेल्स के केस में प्राइमरी साइट लेफ्ट एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी नो ऊगोनिया नो ऊगोनिया फॉर्म फॉर्म आफ्टर बर्थ फीमेल्स में उगोनिया का फॉर्मेशन बर्थ के बाद नहीं होता है एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी फीमेल्स में फीमेल्स में सिक्सटी से लेकर के एट्टी तक प्राइमरी फॉलिकल्स प्राइमरी ओवेरियन फॉलिकल्स लेफ्ट क्या हो जाते हैं प्राइमरी फॉलिकल्स लेफ्ट इन ईच ओवरी कितने सिक्सटी थाउजेंड ट एट्टी थाउजेंड प्राइमरी ओवेरियन फॉलिकल्स लेफ्ट इन ईच ओवरी दोनों ओवरी में साठ से अस्सी हज़ार प्राइमरी ओवेरियन फॉलिकल रह जाते हैं यहाँ पे आप देखो नो उगोनिया एडेड आफ्टर बर्थ फीमेल में नई उगोनिया बर्थ के बाद एड नहीं होती है अब देखें कह रहे अभी देखें अभी देखेगा तुम ये मैंने बताया कि यहाँ पे ब्लड सप्लाई आती है ये मैंने बताया आपको कि यहाँ पे नर्व सप्लाई आती है और यहाँ पे फॉलिकुलर डेवलपमेंट होता है यहाँ पे फॉलिकल का डेवलपमेंट होता है ओवेरियन फॉलिकल्स यहीं पे डेवलप होते हैं प्राइमरी फॉलिकल्स जो होते हैं यहीं पे डेवलप होते हैं आप देखोगे कि ये जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हो ये जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हो यहाँ पे इसे कहते हैं प्राइमरी फॉलिकल इसे कहते हैं प्राइमरी फॉलिकल इसका नाम होता है प्राइमरी ओवेरियन फॉलिकल ओवरी के अंदर प्राइमरी फॉलिकल्स जो होते हैं प्यूबर्टी के टाइम पे इनका डेवलपमेंट शुरू होता है प्यूबर्टी के टाइम पे इनका डेवलपमेंट शुरू होता है याद रखेंगे प्यूबर्टी के टाइम पर फीमेल की बॉडी के जो हार्मोन्स होते हैं वो इस फॉलिकुलर डेवलपमेंट को प्रमोट करते हैं और इसके बाद शुरुआत होती है इस फॉलिकल के डेवलपमेंट की ये प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल बनाता है सेकेंडरी फॉलिकल टर्शियरी फॉलिकल बनता है टर्शियरी फॉलिकल मैच्योर ओवेरियन फॉलिकल बनता है ये जो फॉलिकल्स होते हैं फॉलिकल का मैच्यशन आप यहाँ पर डायग्राम में देख पा रहे हो यहाँ पे आप फॉलिकल का मैचुरेशन देखने की कोशिश कर रहे हो ये देखो ये 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 आप समझने की कोशिश करो ये चैप्टर बहुत लेंदी है बेटा बहुत बड़ा चैप्टर है इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़नी है लेकिन हर बात को समझाते हुए मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करते हुए चल रहा हूँ हर बात को एक्सप्लेन करते हुए चल रहा हूँ इसलिए आप अपना पेशेंस मेंटेन करके रखना क्योंकि आप ही की वजह से ये क्लास लगाई गई है आप ही के लिए ये क्लास लगाई गई है और आप ही के इंटरेस्ट के लिए लगाई गई है आप ही के भले के लिए लगाई गई इसलिए आप लोग अपनी तरफ से पूरा मन लगा करके ध्यान से सुनो मैं हर चीज़ कोशिश कर रहा हूं बताने की मेरी कोशिश है कि आपको हर एक चीज़ एक्सप्लेन कर दी जाए हर वो बात बता दी जाए जो आपको यहाँ पर रिक्वायरमेंट जिसकी है जिसकी आपको ज़रूरत है इसलिए आप एकदम दिल लगा के मन लगा के सुनेंगे आप जनता हैं आप जनार्दन हैं और आप ही हमारे स्टूडेंट हैं जो नीट के क्रैक करके नेक्स्ट ईयर हमें प्राउड फीलिंग का मौका देने वाले हो आप ही लोग हैं जो प्राउड फीलिंग का मौका देने वाले हैं ये देखें ये जो फॉलिकुलर डेवलपमेंट है ओवरी के अंदर ओवरी के अंदर जो आप लोग फॉलिकुलर डेवलपमेंट पढ़ते हो ना फॉलिकुलर डेवलपमेंट आप लोग पढ़ते हो ना वो फॉलिकुलर डेवलपमेंट प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी ओवेरियन फॉलिकल ये होता है टर्शियरी ओवेरियन फॉलिकल इसे कहते हैं मैच्योर ओवेरियन फॉलिकल इसे कहते हैं मैच्योर ओवेरियन फॉलिकल जिसे कहा जाता है ग्राफियन फॉलिकल इसे क्या कहते हैं इसे कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल क्या कहते हैं बेटा इसे कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल यह है ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर फॉलिकल इस फॉलिकल में आपको कई सारे स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएंगे ये है सेकेंडरी ऊसाइट इस सेकेंडरी ऊसाइट के आगे ये येलो कलर की जो लेयर दिख रही है इसे कहते हैं जोना पेल्यूसिडा क्या कहते हैं जोना पेल्यूसिडा जोना पेल्यूसिडा और ये जो आप देख रहे हो ये वो स्टेज है जब ये फॉलिकल रेडी है ओव्यूलेशन करने के लिए ओव्यूलेशन स्टेज होती है ये देखें यह वो स्टेज है जब सेकेंडरी ओसाइट को ओवरी से बाहर निकाला जाता है इसी स्टेज को कहते हैं ओव्यूलेशन ये देखें यह है ओव्यूलेशन स्टेज और उसके बाद ये कॉर्पस ल्यूटियम में ट्रांसफॉर्म हो जाता है ये जो ग्राफियन फॉलिकल आप देख रहे हो दिस इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू कॉर्पस ल्यूटियम ये बना लेता है कॉर्पस ल्यूटियम क्या बना लेता है बेटा ये बना लेता है कॉर्पस ल्यूटियम क्या बना लेता है बेटा ये बना लेता है कॉर्पस ल्यूटियम ये बना लेता है कॉर्पस ल्यूटियम क्या बना लेता है कॉर्पस ल्यूटियम बना लेता है आप देखेंगे कॉर्पस ल्यूटियम ये एक टेम्प्ररी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है ये जो फॉलिकल देख रहे हो आप ये सब एक टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करते हैं ये हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं आप देखो इसे कहते हैं ओव्यूलेशन इसे कह रहे हैं ओव्यूलेशन जहां पे ओवम रिलीज किया जा रहा है ओव्यूलेशन कहते हैं इसे कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम क्या कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम इसे टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड भी कहा जाता है ये सोर्स है ओवेरियन हार्मोन का मेनली यहां से प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता है क्या रिलीज होता है प्रोजेस्टेरॉन तो ओवरी के अंदर गिवन स्ट्रक्चर्स हैं ये आप जो देख पा रहे हो प्राइमरी फॉलिकल ये होता है सेकेंडरी फॉलिकल इसे कहते हैं टर्शेरी फॉलिकल इसे कहते हैं मैच्योर फॉलिकल ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं ये फॉलिकल्स का डेवलपमेंट जो आप देख पा रहे हो एग के चारों तरफ सेल्स का एक मास होता है उसी को कहते हैं फॉलिकुलर सेल ध्यान से सुने कह रहे हैं ये जो एग आप पढ़ रहे हो ना जिसे हम ऊ साइट कहते हैं ये ऊ साइट है बेटा इस ऊ साइट के चारों तरफ इस ऊ साइट के चारों तरफ सेल्स का मास होता है ये देखें इस ऊ साइट के चारों तरफ सेल्स का मास होता है इन सेल्स के मास को हम कहते हैं फॉलिक्यूलर सेल्स क्या कहते हैं इन्हें कहते हैं फॉलिक्यूलर सेल्स तो इसी ऊ साइट और फॉलिकुलर सेल को मिला करके हम नाम देते हैं ओवेरियन फॉलिकल का किसका नाम देते हैं ओवेरियन फॉलिकल कहते हैं टूसाइट और फॉलिकुलर सेल के मास को मिला करके हम कहते हैं ओवेरियन फॉलिकल्स और ये ओवेरियन फॉलिकल सोर्स ऑफ हार्मोन होता है यहाँ से मेनली एस्ट्रोजन रिलीज होता है और ओवुलेशन के बाद वही ग्रेफियन फॉलिकल ट्रांसफॉर्म हो जाता है आफ्टर ओवुलेशन कॉर्पस ल्यूटियम में और ये मेनली प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करता है ये प्रोजेस्टेरोन नाम का हारमोन रिलीज करता है ओवुलेशन के बाद और ओविलेशन से पहले ये फॉलिकल जो होता है ये एस्ट्रोजन रिलीज कर रहा होता है जो कि फॉलिकुलर स्टेज में होता है सेकेंडरी फॉलिकल में दो बातें आपको याद रखनी है यहां पर थीका लेयर बन जाती है क्या बन जाती है थीका लेयर सेकेंडरी फॉलिकल में आप लिखेंगे मोर लेयर ऑफ फॉलिकुलर सेल्स मोर लेयर्स बन जाती है थीका बनती है थीका लेयर अपियर होती है टर्शियरी फॉलिकल में इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे यहाँ पे थी वेल ऑर्गेनाइज हो जाती है थीका वेल well ऑर्गेनाइज हो जाती है थीका वेल well ऑर्गेनाइज हो, well हो जाती है थीका लेयर जब वेल well ऑर्गेनाइज हो जाती है तो उसे कहते हैं टर्शियरी फॉलिकल और यहाँ पे आप देखोगे इसके अलावा सेकेंडरी ऊसाइट फॉर्म हो जाता है मतलब मियोसिस वन इसी स्टेज में कंप्लीट होता है मियोसिस वन कंप्लीट हो जाता है टर्शियरी फॉलिकल वाली स्टेज में और और यहीं पे यहीं इसी वाली लेयर में फॉलिकुलर एंट्रम फ्लूड फील्ड स्ट्रक्चर अपीयर होता है एंट्रम का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है एंट्रम फॉर्मेशन शुरू हो जाता है ये देखो ये जो देख रहे हो आप इसे कहते हैं फॉलिक्यूलर एंट्रम इसी को कहते हैं फॉलिक्यूलर एंट्रम ये न्यूट्रिएंट से भरा होता है फॉलिक्यूलर एंट्रम फॉलिक्यूलर एंट्रम ये न्यूट्रिएंट फील्ड होता है किससे फील्ड होता है न्यूट्रिएंट ओवम को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने वाला न्यूट्रिएंट फील्ड स्ट्रक्चर कहते हैं फॉलिक्यूलर एंट्रम क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एंट्रम कब अपियर होता है तो एनसीईआरटी के हिसाब से एंट्रम का फॉर्मेशन टर्शियरी फॉलिकल में होता है कब होता है टर्शियरी फॉलिकल वाली स्टेज में होता है एंट्रम का फॉर्मेशन और दूसरा दूसरा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है टर्शियरी फॉलिकल में मियोसिस वन कंप्लीट हो जाती है मियोसिस वन कंप्लीट हो जाती है बोलो यहां तक समझ में आ गया सबको ओवरी का ये स्ट्रक्चर समझ आ गया सबको ये जो ओवम रिलीज हुआ है कौन सी स्टेज में हुआ है ये है सेकेंडरी ऊ साइट स्टेज कौन सी स्टेज सेकेंडरी ऊ साइट स्टेज में ओविलेशन होता है ओविलेशन का मतलब होता है रिलीज ऑफ ओवम रिलीज ऑफ ओवम होता है इसे कहते हैं रिलीज ऑफ ओवम बोलो इतना समझ में आ गया बोलो इतना स्ट्रक्चर समझ में आ गया ओवरी का स्ट्रक्चर क्लियर हो गया सबको बोलो भाई बोलो भाई ओवरी का स्ट्रक्चर क्लियर हो गया कि नहीं हो गया मैंने आपको क्या क्या बताया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बताया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बताया गैमिटोजेनेसिस में स्पर्म फॉर्मेशन बताया ओवम फॉर्मेशन बताया और ओवरी के अंदर के डी स्ट्रक्चर्स बता दिए सारा स्ट्रक्चर्स कंप्लीट कर दिया अब हम शुरू करने वाले हैं अब हम शुरू करने वाले हैं अबाउट 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 मैंस्ट्रुअल साइकिल क्या पढ़ने वाले हैं मैनेस्ट्रुअल साइकिल पढ़ने वाले हैं मेजर मेजर इवेंट्स पढ़ने वाले हैं मैंस्ट्रुअल साइकिल की जैसे कि हम जानते हैं इन प्राइमेट मैमल्स इन प्राइमेट मैमल्स ये ऐसी साइकिल है जो प्राइमेट मैमल्स में पाई जाती है प्राइमेट मैमल्स का मतलब ह्यूमन की बात करें एप्स की बात करें और की बात करे। की बात करे। मंकीज की बात करें मंकीज की बात करें प्राइमेट मैमल्स में प्राइमेट्स मैमल्स में जो फीमेल्स होती हैं जो फीमेल्स होती हैं उनकी रिप्रोडक्टिव साइकिल जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है रिप्रोडक्टिव साइकिल जो शुरू होती है रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑन सेट ऑफ प्यूबर्टी ऑन सेट ऑफ प्यूबर्टी इन हीूमन फीमेल्स इन ह्यूमन फीमेल्स द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स विच अकरली रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होती हैं ये ये रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होती हैं अकर रिप्रोडक्टिव इवेंट्स विच अकर साइक्लिकली जो साइक्लिक प्रोसेस होता है साइक्लिकली होती है उसी को कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल अंडर द अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पिटवीटरी पिटविटरी एंड एंड ओवेरियन हॉर्मोन्स पिटुटरी एंड ओवेरियन हॉमोन्स की मदद से ये सारा प्रोसेस कंप्लीट होता है इसे कहते हैं मैंस्टुअल साइकिल क्या कहते हैं मैंस्टुअल साइकिल कहते हैं ह्यूमन फीमेल की बॉडी में प्राइमेट फीमेल्स की बॉडी में एक रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होती है जो रिपीट होती है साइक्लिक का मतलब होता है रिपीट होने वाला प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस जो बार बार रिपीट होता है ह्यूमंस के केस में 28 से 29 दिन में रिपीट होता है कब होता है कब होता है के केस में यह अट्ठाईस से उनतीस दिन में होता है इन ह्यूमन फीमेल्स इन ह्यूमन फीमेल्स ह्यूमन की जो फीमेल्स होती हैं यहां पे ये ट्वेंटी एट टू ट्वेंटी नाइन डेज का होता है ट्वेंटी एट ऑफ ट्वेंटी नाइन डेज का होता है अट्ठाइस से उनतीस दिन तक होने वाला प्रोसेस है ये एक साइक्लिक इवेंट होती है और उसकी बिगनिंग को कहते हैं मीनार्क क्या कहते हैं इसकी बिगनिंग को कहते हैं बिगनिंग ऑफ मैंट्रुअल साइकिल बिगनिंग ऑफ बिगिनिंग ऑफ मैंट्रुअल साइकिल स्ट्रुअल साइकल ये जो शुरुआत होती है मैंस्ट्रुअल साइकल की प्यूबर्टी आने के बाद उसे कहते हैं मीनार्क ये है बिगिनिंग ऑन सेट ऑफ प्यूबर्टी पे जब मेन्स्ट्रुअल साइकिल शुरू होती है मीनार्क इसे कहते हैं फर्स्ट मैंस्ट्रुवेशन फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन कहते हैं और उसके बाद भाई साहब लग जाता है पॉज उसके बाद जब पॉज लग जाता है एट द एज ऑफ फिफ्टी फाइव ईयर्स एट द एज ऑफ फिफ्टी और फिफ्टी फाइव ईयर्स पचास से पचपन साल फिफ्टी टू 55 फाइव ईयर्स की एज में दिस साइकिल ये परमानेंट सीजेशन हो जाता है स्टॉप हो जाती है स्टॉप हो जाती है ये साइकिल इसे कहते हैं मेनोपॉज़ क्या कहते हैं इसे कहते हैं मेनोपॉज़ परमानेंट सिजेशन हो जाता है इस साइकिल का ये साइकिल स्टॉप हो जाती है इस साइकिल को रुक जाती है साइकिल और ओवम का प्रोडक्शन फीमेल बंद कर देती है तो ह्यूमन फीमेल की बॉडी में ह्यूमन फीमेल की बॉडी में मेंस्ट्रुअल साइकिल की बिगनिंग जब होती है वो इंडिकेटर है रिप्रोडक्टिव इवेंट्स की शुरुआत और जब ये खत्म हो जाती है तो उसे कहते हैं एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव इवेंट्स एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव इवेंट्स उसे कहते हैं मेनोपॉज याद रखेंगे मेनस्टूअल साइकिल में मेनार्क से लेकर के मेनार्क से लेकर के जो मेनोपॉज होता है फीमेल की बॉडी में मेनोपॉज तक का जो टाइम होता है इसे कहते हैं हम इसे कहते हैं मेनार्क से मेनोपॉज तक के टाइम को हम रिप्रोडक्टिव लाइफ ऑफ फीमेल कहते हैं क्या कहते हैं इसे कहते हैं रिप्रोडक्टिव लाइफ ऑफ फीमेल और हर साइकिल में फीमेल एक ओवम रिलीज करती है नॉर्मली इन एवरी साइकिल इन एवरी साइकिल इन एवरी साइकिल इन एवरी साइकिल अ फीमेल अ फीमेल ओव्यूलेट्स ओनली वन एग ओव्यूलेट्स वन एग अंडर नॉर्मल कंडीशन फीमेल नॉर्मली एक ओवम रिलीज करती है एक एग रिलीज करती है हर साइकिल में वन ओवम इन वन साइकल हर साइकिल में केवल एक ओवम रिलीज होता है नॉर्मल कंडीशन में नॉर्मली अ फीमेल सीक्रीट्स ओनली वन ओवम इन वन साइकिल और यह पूरी लाइफ तक फीमेल की बॉडी में चलने वाली एक रिपीटेड इवेंट है इसीलिए इसका नाम है मैंस्ट्रुअल साइकिल इसमें टर्म मैंस्ट्रुएशन का मतलब इसमें मेंस्ट्रुएशन का मतलब क्या होता है मेंस्ट्रुएशन का मतलब मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग जहां फीमेल में मेंस्ट्रुएशन होती है इंडोमेट्रियम की जो वॉल होती है यूट्रस में हमने पढ़ी थी वो रप्चर करती है मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाती है तो हम यहां से शुरू करते हैं अब मेंस्ट्रुअल साइकिल का पूरा प्रोसेस मैंस्ट्रुअल साइकिल का पूरा प्रोसेस एक पूरा चार्ट में पढ़ेंगे एक साथ सारा एक ही पेज पे पढ़ाऊंगा मैंस्ट्रुअल साइकिल की जो मेजर इवेंट है मैंनेस्ट्रुअल साइकिल की जो मेजर इवेंट्स है वो एक साथ एक ही जगह हम सब समझेंगे जैसे कि मैंने कहा हर साइकिल में फीमेल एक ओवम रिलीज करती है उस बेसिस पे इसकी साइकिल को हम नाम देते हैं एक फेज ऑफ ओव्यूलेशन सबसे पहले हम मिड पॉइंट को लेते हैं और लिखते हैं फेज ऑफ ओव्यूलेशन हर साइकिल में फीमेल एक एग एक सिंगल ओवम रिलीज करती है उसे कहते हैं ओवलेटरी फेज या फेज ऑफ ओव्यूलेशन कहते हैं इसे कहते हैं फेज ऑफ ओव्यूलेशन साइकिल टोटल 28 डेज़ अगर हम मानते हैं मान लो 28 डेज़ की साइकिल है तो मिड पॉइंट पे हमने लिखा है फेज़ ऑफ ओव्यूलेशन उससे पहले की फेज़ जो होती है इसे कहते हैं प्री ओव्यूलेटरी फ़ेज़ क्या कहते हैं पहले की फेज़ होती है प्री ओव्यूलेटरी फ़ेज़ प्री ओव्युलेटरी फेज एक से लेकर के थर्टीन डे तक के टाइम को हम कहते हैं प्री ओव्यूलेटरी फेज क्या कहते हैं वन टू थर्टींथ डे के टाइम को हम प्री ओव्यूलेटरी फेज कहते हैं जिस दिन ओविलेशन होता है उसे कहते हैं ओविलेटरी फेज फोर्टीन डे को ओविलेशन होता है जो यूजुअली मिड ऑफ द साइकिल कहा जाएगा क्या कहा जाएगा मिड ऑफ द साइकिल कहा जाता है यूजवली ये मिड पॉइंट है 28 दिनों में मिड पॉइंट हम फोर्टीनथ डे को मिड पॉइंट लेकर के चल रहे हैं इसलिए इसे मिड ऑफ द साइकिल कहा जाता है जो नॉर्मली किसी फीमेल की बॉडी में अट्ठाईसवें अट्ठाईस दिन की साइकिल में फोर्टीनथ डे को होती है और अगर हम बात करें लास्ट में जो फिफ्टीन से लेकर के ट्वेंटी डे होता है उसे कहते हैं पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज क्या कहते हैं इसे कहते हैं पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज क्या कहते हैं पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज कहते हैं तो आप देखो मेनली फीमेल का जो पूरा का पूरा रिप्रोडक्शन का ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की इवेंट्स होती हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की इवेंट को तीन पार्ट में डिवाइड किया है ओवुलेशन के बेसिस पे प्री ओविलेट्री फेज ओविलेट्री फेज एंड पोस्ट ओविलेट्री फेज प्री ओविलेट्री फेज ओवुलेशन से पहले एक से तेरह दिन तक ओविलेट्री फेज फोर्टीन डे को और उसके बाद फोर्टीन से लेकर के फिफ्टीन से लेकर के ट्वेंटी एट डे तक जो टाइम होता है उसे पोस्ट ओविलेटरी फेज कहते हैं प्री ओविलेट्री फेज को फिर डिवाइड किया गया है बेटा फिर डिवाइड किया गया है फिर डिवाइड किया गया है इसे पहली फेज आती है मेंस्ट्रुअल फेज मेंस्ट्रुअल फेज है ये कौन सी फेज है मैंस्ट्रुअल फेज उसके बाद आती है प्रो ले प्रोलिफरेटिव फेज़ कौन सी फेज प्रोलिफरेटिव फेज़ होती है ये मेंस्ट्रुअल फेज़ होती है प्रोलिफ़रेटिव फेज़ को हम कहते हैं प्रोलिफ़रेटिव फ़ेज़ को हम क्या कहते हैं और क्या कहते हैं प्रोलिफ़रेटिव फेज़ को हम फॉलिक्यूलर फ़ेज़ भी कहते हैं फॉलिक्यूलर फेज कहते हैं जब फीमेल की ओवेरियन फॉलिकल का डेवलपमेंट होता है फॉलिकुलर फेज कहते हैं मेंस्ट्रुअल फेज फॉर थ्री टू फाइव डेज तीन से पांच दिन तक होता है जहां मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है फीमेल्स में ड्यू टू रप्चर ऑफ एंडोमेट्रियम क्या होता है रपचर ऑफ एंडोमेट्रियम जो एंडोमेट्रियम की लेयर होती है वो रप्चर कर जाती है उस वजह से फीमेल में मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है लैक ऑफ फर्टिलाइजेशन रूट कॉज होता है इसका लैक ऑफ फर्टिलाइजेशन इज़ लैक ऑफ फर्टिलाइजेशन इज़ रूट कॉज ऑफ मेंस्ट्रुएशन रूट कॉज ऑफ मैंस्ट्रुवेशन जो मैंस्ट्रुवेशन का मेन कॉज है वो है लैक ऑफ फर्टिलाइजेशन जब ओवम का फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ऐसी कंडीशन में ऐसी कंडीशन में एंडोमेट्रियम रप्चर कर जाती है ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है प्रोजेस्टरॉन का लेवल डिक्रीज कर जाता है डी जेनरेशन डी जेनरेशन ऑफ डीजेनरेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम कौन सा ल्यूटियम कॉर्पस ल्यूटियम का डीजेनरेशन हो जाता है और इसी वजह से देयर इज सडन अबरप्ट डिक्लाइन सडनली देर इज अबरप्ट डिक्लाइन सडनली देर इज अबरप्ट डिक्लाइन या सीधा सीधा लिखें डिक्लाइन इन प्रोजेस्टेरॉन डिक्लाइन इन प्रोजेस्टेरॉन जो प्रोजेस्टेरॉन नाम का हार्मोन है वो डिक्लाइन कर जाता है और इस वजह से मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाती है अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे मेंस्ट्रुअल साइकिल में मेंस्ट्रुएशन का मेन कॉज क्या है में का मेन कॉज क्या है रप्चर ऑफ एंडोमेट्रियम का मेन कॉज क्या है आप बताओगे कार्पस ल्यूटियम का डीजेरेशन जो कि किस वजह से हुआ था लैक ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या बताओगे क्या बताओगे लैक ऑफ फर्टिलाइजेशन की वजह से ऐसा होता है और प्रोजेस्टेरोन का लेवल डिक्रीज कर जाता है इस दौरान फॉलिक्यूलर फेज या प्रोलिफरेटिव फेज इसे कहते हैं जिसमें प्रोलिफरेशन होता है क्या होता है प्रोलिफरेशन होता है इंडोमेट्रियम का रिपेयर किया जाता है रिपेयर ऑफ चलो इसमें एक चीज मैं बता देता हूं आपको ध्यान से सुनो ध्यान से सुनो कह रहे इसमें दो नाम है इसमें दो नाम है एक नाम है प्रोलिफरेशन दो नाम है एक है प्रोलिफरेशन प्रोलिफरेशन का मतलब क्या है प्रोलिफरेशन का मतलब क्या है रिपेयर ऑफ एंडोमेट्रियम क्या होता है रिपेयर ऑफ एंडोमेट्रियम एंडोमेट्रियम रिपेयर करती है इसे कहते हैं प्रोलिफरेशन और फॉलिक्यूलर फेज इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अंडर द इनफ्लुएंस अंडर द इनफ्लुएंस ऑफ एफ एस एच एफ एस एच नाम के हॉर्मोन की प्रेजेंस में फॉलिक्युलर डेवलपमेंट होता है क्या होता है फॉलिक्युलर डेवलपमेंट होता है डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल क्या होता है डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल होता है डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स होता है यहां पे याद रखेंगे एस्ट्रोजन का लेवल द लेवल ऑफ एस्ट्रोजन एस्ट्रोजन इनक्रीजेज इन दिस फेज इनक्रीजेज एंड नियर द टाइम ऑफ ओवलेशन या ऐसे लिखें ऐसे लिखें ऑन थर्टींथ डे ऑन थर्टींथ डे द ट्रॉपिंस जो गोनेडो होते हैं ऑन थर्टींथ डे जो ट्रोपिनच एंड एल एच होते हैं ऑन थर्टींथ डे जो एफ एस एच और एल एच होते हैं जो कि गोनेडो ट्रॉपिन कहे जाते हैं ये क्या हो जाते हैं रीचेज या रीच एट हाइएस्ट लेवल या पीक लेवल पे आ जाते हैं जहाँ पे फोरटीनथ डे पर एल सर्ज होता है एल का सर्ज मतलब पीक लेवल ऑफ एल पीक लेवल ऑफ एल जो कि बहुत हाई लेवल पे होता है उसी को कहते हैं कॉज ऑफ ओव्यूलेशन कॉज ऑफ ओव्यूलेशन जहां पे रप्चर होता है ग्रेफियन फॉलिकल का और रिलीज ऑफ ओवम होता है क्या होता है रिलीज ऑफ ओवम इन सेकेंडरी ऊसाइट स्टेज इसी स्टेज में ओवम रिलीज हो जाता है सेकेंडरी ऊसाइट स्टेज में ओवम रिलीज हो जाता है ओव्यूलेशन हो जाती है फोर्टीन डे डे ऑफ ओव्यूलेशन है कॉज ऑफ ओव्यूलेशन पूछेगा आप बताओगे एलएच सर्ज कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है ये जो ग्राफियन फॉलिकल होता है ऐसे समझे ये जो ग्राफियन फॉलिकल अभी हमने पढ़ा था ये जो ग्राफियन फॉलिकल है जिसे मैच्योर ओवेरियन फॉलिकल कहा जाता है ये जो मैच्योर ओवेरियन फॉलिकल जिसे ग्रेफियन फॉलिकल कहते हैं बेटा जी ये जो ग्रेफियन फॉलिकल कहते हैं बेटा जी ये जो मैच्योर ओवेरियन फॉलिकल है बेटा जी जिसे हम ग्रेफियन फॉलिकल कहते हैं ये रप्चर करता है और रप्चर करके ये देखें ये रप्चर करके इसी के रप्चर की वजह से यहाँ ओवम या ऊ साइट बाहर रिलीज कर दिया जाता है इसी को कहते हैं ओव्यूलेशन और इसके पीछे सबसे मेन कॉज होता है जो सबसे मेन फैक्टर होता है जो इसका ओविलेशन करता है इसमें हार्मोन का नाम आता है एल इसे कहते हैं एल एच जो इसका ओविलेशन कराता है और जैसे ही ओविलेशन यहाँ कंप्लीट होती है ओविलेशन कंप्लीट होती है ये जो ग्राफियन फॉलिकल था अब ग्राफियन फॉलिकल था जो दैट इज नाउ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ येलोइश बॉडी ये देखो ये जो ग्राफियन फॉलिकल था अब ग्रेफियन फॉलिकल अब ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक येलो कलर की बॉडी में इसी बॉडी को कहते हैं इसे कहते हैं इसे कहते हैं है, ये देखो इसे कहते हैं ये जो ग्राफियन फॉलिकल था वो अब ट्रांसफॉर्म हो चुका है कॉर्पस ल्यूटियम में किसमें ट्रांसफॉर्म हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम में तो ग्राफियन फॉलिकल ट्रांसफॉर्म्ड इनटू कॉर्पस ल्यूटियम कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है शुरुआत हो जाती है पोस्ट ओबिलेटरी फेज की जिसे सीक्रेटरी फेज या ल्यूटियल फेज भी कहते हैं क्या कहते हैं इसे कहते हैं ल्यूटियल फेज या सीक्रिटरी फेज सीक्रिटरी फेज कहते हैं सिक्रिटरी फेज और ल्यूटियल फेज का क्या मतलब है यहां पे आप देखोगे ल्यूटियल का मतलब यह है कि ये ये कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम इज द सोर्स ऑफ प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है ये सोर्स ऑफ प्रोजेस्टेरॉन ये प्रोजेस्टेरॉन नाम का हार्मोन सीक्रेट करता है इसे कहते हैं सोर्स ऑफ सोर्स ऑफ प्रोजेस्टेरॉन कहते हैं सोर्स ऑफ प्रोजेस्टेरॉन और प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है प्रोजेस्टेरॉन इंक्रीज ग्लैंडुलर एक्टिविटी प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है प्रोजेस्टेरॉन इंक्रीज द ग्लैंडुलर एक्टिविटी क्या करता है यूटरस में ग्लैंडुलर एक्टिविटी को प्रमोट करता है एक्टिविटी इन यूटराइन वॉल यूटरस की वॉल में ग्लैंडुलर एक्टिविटी को प्रमोट करता है न्यूट्रिएंट सिंथेसिस को प्रमोट करता है न्यूट्रिएंट सिंथेसिस को क्यों प्रमोट करता है क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन की मदद से जब न्यूट्रिएंट सिंथेसिस होती है तो ये सपोर्ट करता है प्रेगनेंसी को अगर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो सपोर्ट्स प्रेगनेंसी अगर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो इफ फर्टिलाइजेशन आकर्ष अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो प्रेगनेंसी को सपोर्ट करेगा प्रोजेस्टेरॉन थिकनेस नहीं करता नहीं 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 मिस दिव्या अनप्लग्ड रॉन्ग थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम इज़ मेंटेन्ड बाई प्रो एस्ट्रोजन हारमोन याद रखेंगे बेटा याद रखेंगे इस पॉइंट को गलती नहीं करेंगे थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम एंडोमेट्रियम की थिकनेस को मेंटेन करता है थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम इज मेंटेन्ड बाई एस्ट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ध्यान रखेंगे एस्ट्रोजन मेंटेन करता है थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम को इंडोमेट्रियम की थिकनेस को ये मेंटेन करता है एस्ट्रोजन कौन मेंटेन करता है एस्ट्रोजन मेंटेन करता है समझ आ गई बात ग्लैंडुलर एक्टिविटी बढ़ाता है प्रोजेस्टरॉन प्रोजेस्टोरॉन इंक्रीज द ग्लैंडुलर एक्टिविटी यूटरस को मेंटेन करता है प्रेगनेंसी के लिए ताकि जब बच्चा अटैच करे इंडोमेट्रियम से तो न्यूट्रिएंट को एब्सॉर्ब करने में मदद मिले ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट मिल सके उस एम्ब्रियो को यूटरस से न्यूट्रिएंट एब्सॉर्ब करने में यह मदद करता है बोलो समझ में आ गया बच्चों बोलो समझ में आ गया क्लियर है यह मैंस्टुअल साइकिल की बातें मैंने आपको बताई है जो फेज वाइज आप डेज याद रखोगे हार्मोनल कंट्रोल का याद रखोगे हार्मोनल कंट्रोल की कहानी याद रखोगे बोलो हार्मोनल कंट्रोल का प्रोसेस याद रखोगे हार्मोन्स के लिए एक ग्राफ एनसीआरटी में गिवन है एन में ग्राफ गिवन है एन का एक ग्राफ गिवन है हार्मोनल कंट्रोल को लेकर के उस पर भी क्वेश्चन अगर आपने ग्राफ तैयार कर लिया तो पूरी मैंस्ट्रुअल साइकिल आपके हाथ में अगर आपका ये ग्राफ तैयार हो जाए तो आप ये मान के चलो मैंस्ट्रुअल साइकिल बिल्कुल आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा ये ग्राफ आप समझ सकते हो सिंपल तरीके से आप समझ सकते हो बहुत ही सिंपल है अगर पूरा मैंस्ट्रुअल साइकिल के आपको कंसेप्ट क्लियर है ये देखो अगर मैं साइकिल का कंसेप्ट आपका क्लियर है बाबू तो आप ये मान के चलो ये मान के चलो कि कंसेप्ट बिल्कुल इजी हो जाएगा ये देखो अगर मैं यहां पे लिखूं पिट्यूटरी हॉर्मोन्स यहां पे लिखता हूं पिट्यूटरी हॉर्मोन्स ये है पिट्यूटरी हॉर्मोन्स यहाँ लिख लो ओवेरियन हॉर्मोन्स क्या लिख लो ओवेरियन हॉर्मोन्स लिख लो यहाँ पे जीरो डे से शुरू करो और यहाँ ले जाओ ट्वेंटी एट डेज ट्वेंटी एट डेज का मिड पॉइंट यहाँ मान लो अगर तो ये हो गया फोर्टीन डे और इधर आप लिख सकते हो यहाँ पे आप सेवेंथ डे और यहाँ पे आप लिख सकते हो ट्वेंटी फर्स्ट डे ट्वेंटी फर्स्ट डे जो मैंस्टुअल साइकल है उस मैंस्टुअल साइकिल में पहले शुरुआत के जो दिन होंगे पहले तीन से पांच दिन जो होंगे वो होंगे मैंस्टुवेशन के किसके होंगे मेंस्ट्रुएशन के जहां पे मैंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होगी ये देखो ये जो मैंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है वो यहाँ मैंस्ट्रुवेशन हो रही है ये पहले पांच दिन मैंस्ट्रुवेशन हो रही है रप्चर ऑफ एंडोमेट्रियम को शो कर रहा है ये उसके बाद रिपेयर होनी शुरू होती है एंडोमेट्रियम रिपेयर होती है सात दिन तक ये रिपेयर ही चल रहा है ये है फोर्टीन डे और उसके बाद इस ग्लैंड इसकी ग्लैंडुलर एक्टिविटी इंक्रीज करती है इंडोमेट्रियम अपने आप को रेडी करता है इम्प्लांटेशन के लिए और फिर अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो फिर से 28 दिन के बाद कहानी दोहराई जाती है इतिहास फिर से अपने आप को दोहराता है और ये मैंस्ट्रुअल फ्लूड मैंस्ट्रुअल ब्लड फिर से यहाँ पे फ्लो करना शुरू कर देता है तो आप समझे अगर कि फीमेल की पूरी साइकिल में अगर आप देखेंगे पूरी कहानी तो ये जो आप दिखाई दे रहा है ये पहला फेज जो आप देख रहे हो ये जो फेज आप देख पा 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 रहे हो, हो ये है मेंस्ट्रुअल फेज ये पहले पांच छह दिन तक ये है मेंस्ट्रुअल फेज मेंस्ट्रुअल फेज है ये उसके बाद अप टू थर्टीन डे अप टू थर्टीन डे जो कहानी है वो है फॉलिक्यूलर फेज की उसके बाद फोर्टीन डे इज द डे ऑफ ओव्यूलेशन ये ओव्यूलेशन डे हो जाएगा और उसके बाद फोरटीन से लेकर के लास्ट डे जो होता है उसे कहते हैं सीक्रिटरी या इसे कहते हैं ल्यूटियल फेज इस फेज में हार्मोन का लेवल देखें ओ पिट्यूटरी हार्मोन जो होते हैं वहाँ पे एफएसएच का लेवल अगर आप यहाँ पे एफएसएच को देखेंगे एफएसएच नाम का हार्मोन आपको कुछ इस टाइप से दिखेगा एफएसएच की एक्टिविटी आपको कुछ इस टाइप से दिखेगी और वहीं पे एल की बात अगर हम करेंगे एल की बात अगर हम करेंगे तो एल की एक्टिविटी हमें कुछ ऐसी दिखाई देगी एल नाम के हार्मोन की एक्टिविटी हमें कुछ ऐसी दिखाई देगी तो ये जो आप देख पा रहे हो इस हार्मोन को हम कहेंगे एल हार्मोन, जो फोर्टी डे सर्ज होता है इसका और फोर्टीन डे पे यही ओव्यूलेशन कॉज करता है इसी की वजह से ओव्यूलेशन हो रही है तो ये है एलएच और ये जो दूसरा पड़ोसी हार्मोन आप देख रहे हो इससे कहते हैं एफएसएच एफएसएच नाम का हार्मोन है ये तो ये दूसरा जो पिंक कलर का हार्मोन है वो एफएसएच है इसके अलावा इसके अलावा अगर हम एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की बात करें तो एस्ट्रोजन एक ऐसा हार्मोन है जिसके दो पीक्स आते हैं आप देखेंगे एक ऐसा हार्मोन जिसके दो पीक्स आते हैं दो बार जिस हार्मोन का लेवल हम बढ़ते हुए दिखा रहे हैं वो कौन सा हार्मोन है आप याद रखेंगे ये होता है एस्ट्रोजन कौन सा हार्मोन है हार्मोन है एस्ट्रोजेन नाम का हार्मोन और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यह है कि इसी हार्मोन ये है अकेला ऐसा हार्मोन है जिसके दो बार पीक आते हैं एक ऐसा हार्मोन जिसके दो बार पीक आते हैं उसे कहते हैं एस्ट्रोजेन और जिस हार्मोन का आप देखें जिस हार्मोन का पोस्ट ओविलेटरी फेज में लेवल बढ़ना शुरू होता है एक ऐसा हार्मोन जो पोस्ट ओविलेटरी फेज में जो हाई होता है उस हार्मोन का नाम क्या होता है उस हार्मोन का नाम है प्रोजेस्टेरॉन क्या नाम होता है प्रोजेस्टेरॉन तो ये एनसीईआरटी के डायग्राम के हिसाब से कहानी दी हुई है ये केवल आपको समझाने के लिए है केवल लेवल आप याद कर लो अपने दिमाग में कि कौन सा हार्मोन दो बार उठता है एस्ट्रोजन कौन सा हार्मोन ओवुलेशन के बाद हाई होता है प्रोजेस्टेरॉन आफ्टर ओवुलेशन हाई होता है इसका पीक आता है ट्वेंटी फर्स्ट डे पे प्रोजेस्टेरोन का जो पीक आता है हाईएस्ट लेवल जो आता है वो ट्वेंटी फर्स्ट डे इस हार्मोन का पीक आता है पीक लेवल अचीव करता है ट्वेंटी फर्स्ट डे बोलो इतना समझ में आ गया सबको फीमेल के इंडोमेट्रियम के अंदर यहाँ देखें हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन कोई आपसे पूछे हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन कब होता है तो आप बताओगे पोस्ट ओविलेट्री फेज में क्या करता है इंक्रीज करता है न्यूट्रिएंट सिंथेसिस को न्यूट्रिएंट सिंथेसिस को इंक्रीज करता है और ये इंक्रीज करता है यह इंक्रीज करता है न्यूट्रिएंट सिंथेसिस के साथ साथ यह इंक्रीज करता है ग्लैंडुलर एक्टिविटी को ग्लैंडुलर एक्टिविटी को भी कंट्रोल करता है यहां तक समझ में आ गया बच्चों यहां तक समझ आ गया हार्मोन का लेवल समझ में आ गया हार्मोन कब कौन सा हाई होता है कौन सा लो होता है ये ध्यान रखेंगे ये सारे पॉइंट्स हैं एक ऐसा हार्मोन जिसके बारे में यहाँ एन में नहीं दिया है लेकिन फिर भी पी उसके क्वेश्चंस पूछे हुए हैं ध्यान रखेंगे एक क्वेश्चन जो पी वाई क्यूज में दिया हुआ है एन में उसके बारे में नहीं दिया है याद रखेंगे एक हार्मोन है जिसका नाम है इनहिबिन क्या नाम होता है एक हार्मोन है जिसका नाम है इनहिबिन एनसीआर में नहीं गिवन है लेकिन इसके बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है एक ऐसा हार्मोन विच इज सीक्रेटेड सीक्रेटेड इन बोथ सीक्रेटेड इन बोथ मेल्स में भी होता है फीमेल्स में भी होता है बट इसका काम एक ही है गिव्स नेगेटिव फीडबैक क्या देता है गिव्स नेगेटिव फीडबैक नेगेटिव फीडबैक देता है टू एफ एस एच एंड एल एच क्या करता है ये एफ एस एच और एल एच को नेगेटिव फीडबैक देता है मेनली एफ एस एच लिखो एल एच मत लिखो नेगेटिव फीडबैक टू एफ एस एच लिखोगे बेस्ट रहेगा बेस्ट रहेगा मेल में भी रिलीज होता है फीमेल में भी रिलीज होता है मेल्स में रिलीज होता है ये सरटोली सेल्स से टोली सेल्स से मेल में रिलीज होता है और फीमेल्स में ओवरी के अंदर ग्रेनुलोसा सेल्स या फॉलिकुलर सेल्स से रिलीज होता है फॉलिकल्स की सेल रिलीज करती हैं इसे फॉलिकल्स रिलीज करते हैं इसे तो फीमेल्स में फॉलिकल से रिलीज होता है मेल्स के केस में ये सेल सेल्स रिलीज होता है इन्हें भी याद रखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीवाई क्यू में आया हुआ क्वेश्चन है मतलब ये इसलिए नहीं बता रहा हूं कि मुझे पता है इसलिए बता रहा हूं कि ये पीवाई क्यू में आया हुआ क्वेश्चन है आपको याद रखना होगा क्वेश्चन करने के लिए तैयार हैं क्वेश्चन करने के लिए तैयार बोलो भाई मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन करने के लिए रेडी क्वेश्चन करने के लिए रेडी बोलो जल्दी बताओ क्वेश्चन करने के लिए तैयार हैं आप सभी लोग क्वेश्चनवा करने के लिए तैयार हैं आप सभी लोग बोलो भाई थोड़ा जल्दी रेस्पॉन्स थोड़ा फास्ट करेंगे रेस्पॉन्स मॉर्निंग बारह बजे बोलेंगे बेटा गुड मॉर्निंग बारह बजे करेंगे गुड मॉर्निंग बारह बजे होगी हमारी बारह बजे गुड मॉर्निंग करेंगे बेटा अच्छा ये बताओ इतनी देर से मैं बकबक बकबक कर रहा हूँ क्या आपको कोई चीज़ ऐसी हो रही है जो मिस हो रही है क्या आप कोई टॉपिक मिस कर रहे हो क्लास के एनसीईआरटी के या अपने जो सिलेबस है उसके लिए कोई टॉपिक मिस हो रहा है आप बताओ इतनी देर से जो मैं बक बक बकबक कर रहा हूँ क्या आपके लिए ये यूजफुल साबित हो रही है क्या आपके लिए फायदेमंद है तो एक बार हार्ट बनाएंगे सभी लोग एक बार सभी लोग फटाफट से हार्ट बना देंगे अगर आपको सब कुछ कवर होता हुआ मिल रहा है तो एक बार हृदय एक बार हृदय बना दें हार्ट से भर दें चैट बॉक्स को ताकि एनर्जी मिले ताकि यहां ये कलेजे विच ठंड पै जाए एक कलेजे विच ठंड पै जाए पूरी एनर्जी और पूरे जोश के साथ एक एक बात एक एक लाइन बेसिक से शुरू किया और हर बात बताई जा रही है जिसने जब भी कभी भी छोड़ दी होगी पढ़ाई कभी किताब उठाई होगी बीच में छोड़ दी होगी पढ़ाई इलेवेंथ पढ़ लिया ट्वेल्थ छोड़ दिया होगा ट्वेल्थ पढ़ लिया इलेवेंथ छोड़ दिया होगा उन्हीं सभी लोगों के लिए यह आरंभ प्रचंड आया है आपके लिए प्रचंड की शुरुआत की गई है आपके लिए ताकि आप इससे मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकें कोई भी ऐसा टॉपिक है जो छूट ना पाए ठीक है जी ठीक है जी कुछ छोड़ेंगे नहीं कुछ छोड़ेंगे नहीं आप पढ़ेंगे पूरा डिटेल में पढ़ेंगे क्वेश्चन का आंसर करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस डिफर्स फ्रॉम ऊ जेनेसिस इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट ये देखो ये कह रहे हैं स्पर्म और ऊ जेनेसिस में क्या डिफरेंस है बिगिंस एट प्यूबर्टी दोनों ही प्यूबर्टी आने के बाद बिगर होते हैं नहीं भाई कह रहे इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट स्पर्मेटोजेनेसिस डिफर्स फ्रॉम ऊ जेनेसिस इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट कह रहे हैं स्पर्मैटोजेनेसिस और ये दोनों में डिफरेंस होता है हर पॉइंट में एक को छोड़ करके एक पॉइंट ऐसा है जो दोनों में कॉमन है तो ये नहीं होगा स्पर्मेटोगोनिया डेवलप इनटू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अंडर गो मियोसिस एट प्यूबर्टी होगा वन जर्म सेल गिव राइज टू फोर गैमिट्स इक्वल न्यूक्लियर एंड साइक्लो साइटोप्लाजमिक डिवीजन इक्वल न्यूक्लियर एंड साइटोप्लाज्मिक डिवीजन ड्यूरिंग मियोसिस इक्वल न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक डिवीजन ड्यूरिंग मियोसिस स्पर्म कहां से इक्वल न्यूक्लियर एंड साइटोप्लाज्मिक डिवीजन ड्यूरिंग मियोसिस क्या सही होगा बताएं जल्दी स्पर मैटोजेनेसिस डिफर्स फ्रॉम आंसर बताएं क्या होगा स्पर्मेटोजेनेसिस डिफर्स फ्रॉम ऊजेनेसिस इन ऑल पॉइंट्स एक्सेप्ट बिगिन्यूबर्टी स्पर्मैटोजेनिस होती है प्यूबर्टी के बाद राइज टू फोर गैमिट सही है ये वन जर्म सेल ओ हो नहीं ये कैसे सर सही 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 ये हो गया वन जर्म सेल कैन नॉट गिव राइज टू फोर गैमिट्स यहां पर वन जर्म सेल का मतलब हो गया आपकी स्पर्मेटोगोनिया स्पर्मेटोगोनिया जो होगी ये बनाएगी स्पर्मेटोसाइट प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगी और यह प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो होगा वो बनाएगा चार हेप्लॉयड स्पर्म्स क्या बनाएगा ये चार हेप्लॉयड स्पर्म्स बनाएगा इसका मतलब ये कहानी रॉन्ग हो जाएगी आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा आंसर विल बी थर्ड ऑप्शन थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बोलो समझ में आ गया बोलो भाई समझ आ गया समझ आ गया समझ आ गया अगला सवाल सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ह्यूमन स्पर्म ह्यूमन स्पर्म के लिए अगला सवाल बताएंगे नहीं आया समझ में सर क्यों नहीं आया समझ में नेहा सभा क्यों नहीं आया समझ में चलो इधर इधर देखो इधर देखो क्या नहीं समझ में आया अरे अभी पढ़ा था हम लोगों ने अभी पढ़ा था हम लोगों ने कि जो मेल जर्म सेल होती है मेल जर्म सेल होती है मेल जर्म सेल को कहते हैं इस पर क्या कहते हैं इस पर हैं कहते है? और ये जो स्पर्मेटोगोनिया होती है पहले ये डिवाइड करके पहले ये डिवाइड करके खूब सारे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाती है क्या बनाती है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाती है ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होता है ये मियोसिस वन करता है मियोसिस वन करता है और फिर बनते हैं दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फिर ये बनाते हैं स्परमैटिड और फिर बनता है स्पर्मेटोजोवन फिर बनता है स्पर्मेटोजोवन ये बनता है ना भाई बोलो ये समझ में आया अब कह रहे हैं कि ये जो होता है इसमें हमने कहा है कि जर्म सेल एक जर्म सेल ये एक जर्म सेल जो होती है वन जर्म सेल एक जर्म सेल जो होती है ये एक जर्म सेल बनाती है कितना कितना चार स्पर्म बनाती है क्या ये सही है एक जर्म सेल चार स्पर्म बनाती है बोलो क्या ये सही है जल्दी बताओ अभी समझ आ गया अभी समझ आ गया बच्चों अभी समझ आ गया ये बोलो भाई बोलो भाई बोलो भाई, बोलो भाई। समझ आ गया ना तो ठीक है तो आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं इनकरेक्ट अबाउट ह्यूमन स्पर्म पूछा है ह्यूमन स्पर्म बोला है ये एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है अप्लाजमा मेम्ब्रेन एनवेलप्स द होल बॉडी ऑफ द स्पर्म सही होता है माइटोकॉन्ड्रिया इन टेल प्रोड्यूस्ड एनर्जी ले भाई माइटोकॉन्ड्रिया मिडिल पीस में होती है माइटोकॉन्ड्रिया मिडिल पीस में होती है माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है ये कहाँ होती है मिडल पीस में होती है मिडल पीस में होती है तो क्या हो जाएगा थर्ड ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा इनकरेक्ट हो जाएगा ये थर्ड ऑप्शन थर्ड ऑप्शन इनकरेक्ट होगा सी ऑप्शन इनकरेक्ट होगा सी ऑप्शन इनकरेक्ट होगा अगला सवाल कंप्लीट द एनालॉगी बोला है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट दो स्पर्म बनाता है सेकेंडरी चलो बताओ फटाक से इसका आंसर करेंगे सभी लोग इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी लोग करेंगे चलो बताओ इस क्वेश्चन का जवाब बच्चा पार्टी करेगा बच्चा पार्टी करेगी इस क्वेश्चन का जवाब फटाफट से करेंगे फटाफट से करेंगे कंप्लीट द एनालॉगी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट दो स्पर्म बनाता है सेकेंडरी ऊ साइट कितने ओवम बनाएगा जल्दबाजी नहीं ये जल्दबाजी कर रहे हैं लोग देखा लापरवाही का नतीजा लापरवाही कर रहे हो आप लोग अरे लापरवाही कर रहे हो लापरवाही क्यों कर रहे हो भाई क्यों जल्दबाजी कर रहे हो ध्यान से पढ़ो सवाल को सवाल को ध्यान से पढ़ो बच्चों गलत कर रहे हो आप सभी लोग गलती हो रही है आप लोगों से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट दो स्पर्म बनाता है एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट दो स्पर्म बनाता है एक सेकेंडरी ऊसाइट केवल एक ओवम बनाएगा ओनली वन ओवम बनाएगा खाली एक ओवम बनाएगा ना भाई क्या बनाएगा केवल एक ओवम बनाएगा ओनली वन ओवम विल बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सेकेंडरी ऊ साइट तो आंसर क्या बनेगा वन बनेगा वन बनेगा दो पोलर बॉडी नहीं बनेगी फर्स्ट पोलर बॉडी नहीं बनेगी दो ऊटिड नहीं बनेगा खाली एक ओवम बनेगा ओनली वन ओवम विल बी फॉर्म्ड आंसर हो जाएगा ए देखो सत्ताईस परसेंट मैंने क्या कहा था मैंने कहा था देखा लापरवाही का नतीजा काहे लापरवाही करते हो भाई इतनी जल्दबाजी क्यों करते हो आप लोग आप लोग इतनी जल्दबाजी क्यों करते हो पहले ये बताओ मुझे इतनी जल्दबाजी की क्या जरूरत है पहले क्वेश्चन को समझो पढ़ो आप देखो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन में गलती करोगे तो नीट में कैसे काम बनेगा काम नहीं बनाएगा गलती से मिस्टेक मत करो बेटा गलती से मिस्टेक कैसे होती है गलती से मिस्टेक मत करो एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी हाउ मेनी प्राइमरी फॉलिकल्स लेफ्ट इन द ओवरी ये तो बड़ा आसान सवाल है सिक्सटी टू एट्टी थाउजेंड हो जाएगा टू एट्टी थाउजेंड हो जाएगा आंसर वन विल बी करेक्ट आंसर वन विल बी करेक्ट लेफ्ट इन ईच ओवरी सिक्सटी टू एट्टी थाउजेंड अगला सवाल रिडक्शनल डिविजन ड्यूरिंग ऊ जेनेसिस स्टार्ट इन ऊ जेनेसिस के लिए रिडक्शनल डिविजन कब शुरू होता है जब प्राइमरी ऊ साइट से जब प्राइमरी ऊ साइट जो होता है वो डिवाइड करता है एक सेकेंडरी लार्ज सेकेंडरी ऊ साइट में सेकेंडरी लार्ज ऊ साइट बनाता है और बनाता है फर्स्ट पोलर बॉडी क्या बनाता है फर्स्ट पोलर बॉडी बनाता है तो यहाँ पे आपका आंसर बन जाएगा स, जब हम बात करेंगे मियोसिस डिवीजन स्टार्ट इन प्राइमरी ऊसाइट विद इन प्राइमरी फॉलिकल शुरुआत के बारे में बोला है तो प्राइमरी ऊसाइट विद इन प्राइमरी फॉलिकल सही हो जाएगा सेकेंडरी ऊसाइट रोंग प्राइमरी ऊसाइट विद इन द सेकेंडरी फॉलिकल रॉन्ग ये तो बर्थ से पहले ही शुरू हो गया था ना बर्थ से पहले ही शुरू हो गया था बिफोर बर्थ कब शुरू हुआ था बर्थ से पहले और बर्थ से पहले क्या बनता है प्राइमरी फॉलिकल्स बनते हैं क्या बनते हैं प्राइमरी फॉलिकल्स बनते हैं तो आंसर क्या बन जाएगा सेकंड ऑप्शन बनेगा आंसर होगा सेकंड ऑप्शन सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा अगला सवाल अगला सवाल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस ये देखें ये नीट का सवाल है नीट 2022 का क्वेश्चन नीट 2022 का क्वेश्चन फटाफट से बताएंगे फटाफट से बताएंगे नीट 2022 का क्वेश्चन फटाफट से बताएंगे जल्दी से बताएंगे बोलो भाई बोलो भाई बोलो भाई नीट का क्वेश्चन फटाफट से बताएंगे ये 2022 का सवाल है रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एप्लॉयड गैमिट्स डिफ्रेंसियेशन ऑफ गैमिट अकर्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मियोसिस

पूरी जिंदगी मेल्स में गैमिटोजेनेसिस पूरी ज़िंदगी होती रहती है इट इज़ कंट्रोल्ड बाई ल्यूटिनाइजिंग एंड एफ एस एच ये भी सही है नहीं ये तो दोनों में होता है ना? ये दोनों में होता है फीमेल में भी होगा मेल्स में भी होगा ये नहीं होगा और फिर आएगा इनिशिएटेड एट प्यूबर्टी ये केवल मेल्स में होगा ये केवल मेल्स में होगा ये केवल मेल्स में होगा तो बी सी ई बसे सही होगा बसे बसे सही होगा बी सी ई सही होगा आंसर बनेगा वन ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन नीट 2022 का सवाल है ये बिल्कुल सही ए आंसर विल बी करेक्ट ए आंसर विल बी करेक्ट अगला सवाल नीट 2022 का एक बार फिर से आपके बीच में जनता के बीच में नीट 2022 का सवाल है द रिलीज ऑफ स्पर्म्स इंटू सेमनी फेरेस्टिब्यूल इज कॉल्ड स्पर्मिएशन रिलीज ऑफ स्पर्म्स इंटू सेमनी फेरेस्टिब्यूल्स इज कॉल्ड स्पर्मिएशन ये इन, ये देखो नीट का सवाल है ये मैंने बताया था अभी आपको जब सेमाइनी फेरेस्टिब्यूल्स के ल्यूमन से स्पर्म रिलीज कर दिए जाते हैं मैच्योर स्पर्मैटोजोवा को यहां से रिलीज कर दिया जाता है इनटू द ल्यूमेन या फ्रॉम द ल्यूमेन हो तो इस प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मिएशन क्या कहते हैं इनटू द ल्यूमेन या फ्रॉम द सेमाइनी फेरेस्टिब्यूल हो तो इसे कहते हैं स्पर्मिएशन तो स्पर्मिएशन करेक्ट हो जाएगा इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया रॉन्ग हो जाएगा स्पर्मियोजेनेसिस गलत हो जाएगी पहला स्टेटमेंट सही है दूसरा स्टेटमेंट रॉन्ग है मतलब स्टेटमेंट वन इज करेक्ट स्टेटमेंट टू इज रॉन्ग आंसर बनेगा फोर्थ आंसर बन जाएगा फोर्थ ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा एट विच स्टेज ऊजेनेसिस ऊ जेनेसिस प्रोसेस इज इनिशिएटेड ऊ जेनेसिस कब शुरू होती है बर्थ से पहले शुरू होती है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में शुरू होती है तो इसका आंसर बनाएंगे थर्ड ऑप्शन क्या बनाएंगे थर्ड ऑप्शन बनाएंगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में थर्ड ऑप्शन बनाएंगे अगला सवाल है मियॉटिक डिविजन हो गया कि नहीं ये वाला सबने कर लिया बोलो ये वाला सबने कर लिया कि नहीं कर लिया फटाफट बताएंगे ये वाला सबने कर लिया ये सवाल सबने लगा लिया कि नहीं लगा लिया फटाफट से बताएंगे ये ये हो रहा है ना ये इसका पॉलिश चमक रहा है आप लोग को समझ में आ जा रहा है ये आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ हो तो जा रहा है ना ऐसा सवाल ईजी है यार ईजी है भाई ईजी है ईजी में धो डालो ऐसे सवालों को ऐसे सवालों को धो डालो बहुत आसान है मियोटिक डिवीज़न ऑफ सेकेंड्री उइट इज कम्प्लीटेड सेकेंड्री साइट का डिवीज़न कब कंप्लीट होता है जब इस साइट के अंदर स्पर्म की एंट्री होती है जब स्पर्म की एंट्री होती है तभी कंप्लीट होता है मतलब ये सेकेंडरी साइट अपना डिवीजन स्पर्म के आने के बाद ही पूरा करेगा ये स्पर्म के आने के बाद ही पूरा करता है और ये बनाता है एक मैच्योर ओवम जिसे ऊटिड कहते हैं और दूसरा होता है जिसे कहते हैं सेकेंड पोलर बॉडी क्या कहते हैं सेकेंड पोलर बॉडी कहते हैं तो स्पर्म की एंट्री जब तक नहीं होगी तब तक ये नहीं होगा एट द टाइम ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद ओवम आंसर बनेगा थर्ड ऑप्शन आंसर बनेगा थर्ड ऑप्शन सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट ऑप्शन बनेगा सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ हैप्लॉयड सेल फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो करेक्ट ऑप्शन है किसके लिए हैप्लॉयड सेल्स के लिए बोला है हैप्लॉयड का मतलब एन तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट एन फर्स्ट पोलर बॉडी एन ओवम एन इस पर स्पर्मेटोगोनिया 2n प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 2n स्पर्मेटिड n मतलब ये रॉन्ग हो गया ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 2n सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट n सेकेंड पोलर बॉडी n प्राइमरी ओसाइट 2n सेकेंडरी ओसाइट n और इस पर n तो आप देखोगे बाकी सारे ऑप्शंस रोंग ये भी रोंग ये भी रोंग ये भी रॉन्ग केवल पहला ऑप्शन सही होगा आंसर बनेगा फर्स्ट ऑप्शन बेहतरीन ऑप्शन ओनली फर्स्ट विल बी करेक्ट ओनली फर्स्ट विल बी करेक्ट केवल फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट सही है सही है बच्चों सही, सही है सही है सही है सही है आगे चलते हैं. 2018 का सवाल नीट 2018 हज़ार अट्ठारह टू थाउजेंड एटीन द डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेन स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मिएशन में फ़र्क पूछा है स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटिड आर फॉर्म्ड रॉन्ग नहीं स्पर्मेटिड नहीं फॉर्म होते स्पर्मेटोजोवा बनते रॉन्ग इन स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजोवाम्ड वाइल इन स्पर्मियशन स्पर्मेटिड आर फॉर्म्ड रॉन्ग

क्या बना रहे हो तुम कौन सा चित्र बना रहे हो एमआर बाबू रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो खत्म हो गया अब कौन सा चित्र तुम बना रहे हो विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स ड्यूरिंग गैमिटोजेनेसिस इज नॉर्मली डिप्लॉयड स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉयड सेकेंडरी पोलर बॉडी हैप्लॉयड प्राइमरी पोलर बॉडी हैप्लॉयड स्परमेटिड हेप्लॉयड सब हैप्लॉयड है खाली स्पर्मेटोगोनिया जो होती है डिप्लॉयड होती है आंसर वन बनेगा करेक्ट बनेगा आंसर वन बनेगा करेक्ट बनेगा बिल्कुल करेक्ट बोलो समझ आ गया <coughs> गले की बच गई बैंड गले की बच गई बैंड व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन स्पर्म फॉर्मेशन का करेक्ट सीक्वेंस स्परमैटोगिया से स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मैटिड से स्पर्मेटोदोवा स्पर्मैटिड रॉन्ग स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटोगिया रॉन्ग स्पर्मेटोगिया से स्पर्मेटोदोवा रॉन्ग तो खाली एक ऑप्शन सही होगा आंसर बनेगा वन वो गले की बज गई बैंड भैया गले की बज गई बैंड अब क्या होगा अब क्या होगा अब क्या होगा क्वेश्चन हो गया ये हो गया समझ में आ गया ये क्वेश्चन नीट 2013 का क्वेश्चन है काफ़ी पुराना है लेकिन हमने उस पुराने क्वेश्चन को भी इंक्लूड किया है आपके लिए ये सारे क्वेश्चन गैमिटोजेनेसिस से रिलेटेड थे आप देखो गैमिटो पे बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं गैमिटोजेनेसिस पे बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं इसलिए गैमिटोजेनेसिस वाले टॉपिक को आप ध्यान से पढ़ लेंगे गैमिटोजेनेसिस वाले टॉपिक को आप ध्यान से पढ़ लेंगे ठीक है जी ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगला टॉपिक था मेंस्ट्रुअल साइकिल वो तो हमने कंप्लीट कर लिया अब मेंस्ट्रुअल साइकिल के क्वेश्चंस कर लें स्ट्रुअल साइकिल के क्वेश्चन कर लें बोलो मैंस्ट्रुअल साइकिल के क्वेश्चन करें अब फर्टिलाइजेशन कराएंगे एम्ब्रियो बनाएंगे बर्थ करा देंगे बस खत्म फर्टिलाइजेशन कराएंगे बर्थ कराएंगे और कहानी खत्म ठीक है जी फर्टिलाइजेशन कराएंगे बर्थ कराएंगे और कहानी कर देंगे खत्म डोंट वरी फर्टिलाइजेशन बर्थ कहानी ख़त्म फर्टिलाइजेशन बेबी का डेवलपमेंट बस कहानी खत्म अरे बाबू सर को भी तो भूख लगी है आज जब तक ख़त्म नहीं करूंगा, तब तक खाना नहीं खाऊंगा। लास्ट मेरा टारगेट है कि 12 बजे तक ख़त्म कर दिया जाए 12 ट्वेल्व थर्टी तक आपकी कहानी ख़त्म कर देंगे ट्वेल्व से ट्वेल्व थर्टी के बीच में आपकी कहानी आज की क्लास खत्म कर दूंगा ठीक है बारह से साढ़े बारह के बीच में आपकी कहानी खत्म कर देंगे नहीं नहीं सोना नहीं बेटा सोना नहीं जागते रहो जागते रहो अगर नीट 2024 नीट 2024 तक पहुंचना है तो नींद आलस से निद्रा तंद्रा सबको त्याग दो और लड़ जाओ लड़ाई कर जाओ ठीक है जी बारह से साढ़े बारह तक खत्म कर दूंगा बारह से साढ़े बारह तक खत्म कर देंगे मैं भी भूखे भूखे पेट आपको पढ़ा रहा हूं आप भी भूखे पेट पढ़ो अब पढ़ा के ही खाना खाएंगे कंप्लीट करके ही खाना खाएंगे चलो इसे कंप्लीट करके ही खाना खाया जाएगा अब इसे कंप्लीट करके ही खाना खाया जाएगा फिल इन द ब्लैंक्स फॉलोइंग स्टेटमेंट्स सवाल बताएंगे द क्या ऑफ यूटरस अंडर चेंजेस तो आप जानते हो इंडोमेट्रियम और फिर कह रहे हैं वाइल विच एग्जिबिट कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी तो डिलीवरी में जो कॉन्ट्रैक्ट करेगा स्मूथ मसल्स जहां पाई जाती है यहां होती है स्मूथ मसल्स और यहां होता है एंडोमेट्रियम तो इन दोनों को मिला करके आंसर बनेगा थर्ड ऑप्शन क्या बनेगा थर्ड ऑप्शन बनेगा थर्ड ऑप्शन बनेगा थर्ड ऑप्शन बनेगा अगला है सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसमें इनकरेक्ट क्या है प्रोजेस्टेरोन मेंटेन्स एंडोमेट्रियम सही है ये एच सी जी हॉर्मोन मेंटेन्स कॉर्पस ल्यूटियम इन नॉन प्रेग्नेंट फीमेल ये गलत है एच सी जी खाली प्रेग्नेंट फीमेल में आता है इस चीज को यहां छाप लें आगे अभी पढ़ेंगे आप नोट करेंगे यहां लिख लें कि एच सी जी जो होता है ओनली ड्यूरिंग प्रेग्नेंसी ओनली ड्यूरिंग प्रेग्नेंसी आता है केवल प्रेग्नेंसी के टाइम आता है एच सी जी तो आंसर बन जाएगा सेकेंड ऑप्शन क्या बन जाएगा सेकेंड ऑप्शन बन जाएगा ठीक है ठीक है जी ठीक है जी ठीक है जी अब आओ अब आओ मेंस्ट्रुएशन पे सवाल है कह रहे हैं मेंस्ट्रुएशन पे सवाल है मेंस्ट्रुएशन कौन करता है जब प्रोजेस्टेरोन लो होता है तो मेंस्ट्रुएशन होता है प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम की अगर हम बात करते हैं तो एंडोमेट्रियम का प्रोलिफरेशन करता है कौन एंडोमेट्रियम का प्रोलिफरेशन करता है कौन जब एस्ट्रोजन आता है तब मेंटेनेंस ऑफ यूटराइन एंडोमेट्रियम कब होता है जब हाई प्रोजेस्टेरोन होता है और कॉर्पस ल्यूटियम को कौन मेंटेन करता है वो मेंटेन करता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन तो ए का सेकंड बी का वन ए का सेकंड बी का वन सी का थ्री और डी का फोर आंसर कौन सा बनेगा आंसर बनेगा बिल्कुल फर्स्ट वाला ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन मैच द कॉलम में सही बनेगा आंसर ए विल बी करेक्ट मेरे प्यारे बच्चों ये आंसर यहाँ पे क्या बनाएंगे भाई और बहनों क्या बनाएंगे आंसर आंसर बनेगा वन ओनली वन विल बी करेक्ट क्या सही होगा केवल एक सही होगा एक सही होगा आगे बढ़ते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन लेवल विल कॉज रिलीज ऑफ ओवर मोव्यूलेशन कॉज करता है 2020 नीट का सवाल है एलएच सर्ज के बारे में हमने पढ़ा है हाई कंसंट्रेशन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन जो कि एस्ट्रोजन जब हाई होगा तो हमने पढ़ा गिव्स द ने पॉजिटिव फीडबैक ये पॉजिटिव फीडबैक देता है जिसकी वजह से एफ एस एच और एल एच का लेवल हाई हो जाता है और इसी की वजह से बर, इसी की वजह से ओविलेशन होती है तो कुल मिलाकर के आपको याद रखना होगा इन सारे ऑप्शन में बेस्ट ऑप्शन बनेगा फोर्थ ऑप्शन जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा आंसर फोर विल बी करेक्ट मिस दिया अनप्लगड दुखी हो गई है दिया बेटा क्यों तुम क्यों तुम दुखी हो गई हो किसी ने तुम्हें किसी ने तुम्हें परेशान किया क्या अब देखें प्रोलिफरेशन फेज का मतलब उसे कहते हैं फॉलिक्युलर फेज सिक्रिटरी फेज का मतलब होता है ल्यूटियल फेज और मेंस्ट्रुअल फेज का मतलब होता है इधर ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग तो आप देखोगे ए से शुरू करेंगे क्यू पे ले जाएंगे बी से शुरू करेंगे आर पे ले जाएंगे और सी से शुरू करेंगे पी पे ले जाएंगे तो क्यू आर पी क्यू आर पी क्यू आर पी मतलब आंसर हो जाएगा आंसर होगा थर्ड ऑप्शन आंसर होगा थर्ड ऑप्शन थर्ड ऑप्शन सी विल भी करेक्ट बहुत सारे बच्चों ने सही जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने बहुत सारे बच्चों ने सही जवाब दिया है ये बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप लोग बहुत प्यारे बच्चे हो आप लोग आईड ये बताओ क्वेश्चन जो लाए हैं काम आ रहा है कि नहीं क्वेश्चन करना फायदेमंद है कि नहीं है जल्दी बताएंगे नहीं है तो हम क्वेश्चन नहीं कराएंगे आपको क्वेश्चन नहीं फायदेमंद तो नहीं कराएंगे हम मिस दिया कैसी हो तुम खुश हो गई हेलो दिया कैसी हो आप क्वेश्चन जो आप लोग कर रहे हो आपके यूजफुल हैं कि नहीं है यूजफुल क्वेश्चंस हैं कि नहीं है आपको फायदेमंद हैं क्योंकि मिक्स्ड टाइप के क्वेश्चन हैं कुछ पीवाईक्यूज क्यूज हैं और कुछ रिलेटेड क्वेश्चन है जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था आपसे जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि हम क्वेश्चंस करेंगे हम हर तरह के क्वेश्चंस करेंगे पी वाई क्यू भी करेंगे एनसीआर के पॉइंट्स भी डिस्कस करेंगे अपना वादा निभाते हुए आपसे मैं आपके सामने हर बात हर बात हर चीजें आपसे डिस्कस कर रहा हूं वादा निभाने के साथ कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो बोला हो और ना किया हो आपके साथ बस थोड़ा टाइम तो लगाना पड़ता है वक्त तो देना पड़ता है समय तो देना पड़ता है और आप ये भी देखो कि आपके साथ मैं भी वक्त दे रहा हूं आपको इसको पढ़ाने में मैं भी लगा हुआ हूं आपके साथ खड़ा हूं आपके साथ खड़ा हूं और ये इसके लिए सीधा सीधा स्टेटमेंट है मेरी एक सीधी सीधी बात है माना कि लक्ष्य बड़ा है माना कि लक्ष्य बड़ा है लेकिन तेरा मास्टर भी तेरे साथ खड़ा है माना कि तेरा लक्ष्य बड़ा है लेकिन तेरा यह मास्टर भी तेरे साथ खड़ा है तेरा मास्टर भी तेरे साथ यहां खड़ा है लक्ष्य तो बड़ा है मास्टर भी तेरे साथ खड़ा है और इसी मास्टर के साथ देख कौन खड़ा है इधर देख कौन खड़ा है आज हमारे बीच में यह देख माना कि लक्ष्य बड़ा है लेकिन अपने साथ तेरा ये मास्टर भी खड़ा है अपन का दोस्त भी खड़ा है अभी कौन आ गया भाई ओए अभी कौन आ गया बेड़ू ये कौन आ गया भाई हेलो 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 अबे कितनी देर की क्लास बची है अभी बची है डेढ़ दो घंटे की डेढ़ दो घंटे की दो घंटे क्लास खत्म करके उधर आ जाना मैं

चौदह साल हाँ लगभग लगभग चौदह साल से जानते हैं एक दूसरे को इज ए फैंटास्टिक टीचर ठीक है कभी हमें इकट्ठा लाइव आने का टाइम नहीं मिला इज ए फैंटास्टिक टीचर एंड जितना शानदार सर ने रिजल्ट दिया है ट्रू रिजल्ट दिया है पिछले ज्यादा ना बोलूं तो पांच सालों की ही बात करूं पांच साल में दो रैंक वन दो रैंक वन दो, दो रैंक है और एक रैंक फोर फोर है हाँ दो रैंक वन है और एक रैंक फोर है और इस साल नीट टू जीरो टू थ्री का भी जो टॉपर था वो हमारे सुजीत सर द्वारा ही पढ़ाया गया ठीक है पढ़ पढ़ लो पढ़ लो बे इतने बढ़िया पढ़ने का मौका मिल रहा है पढ़ लो ठीक है थैंक थैंक यू 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 सर सर बाय बाय लव हमारे लव यू सर आए थे हमारे बेस्ट फ्रेंड आए थे बड़े मित्र हैं पुराने मित्र हैं चौदह साल बाद हमारी मुलाकात हुई है पीडब्ल्यू के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे हम चौदह साल बाद यहां पर आकर के मिले इस प्लेटफॉर्म पर बहुत सारी पुरानी यादें हैं हम दोनों की इस मित्रता में बहुत सारी कहानियां हैं कभी फुर्सत से डिस्कस करेंगे लेकिन छोड़ो कोई बात नहीं अभी तो आपके पढ़ने का समय है अभी आपके पढ़ने का समय है पढ़ते जाएंगे रुकना मना है रुकना मना है हम यहां पढ़ते जाएंगे शुरू करते हैं यहां से खेला और पढ़ाई को आगे ले चलते हैं पढ़ाई को आगे ले चले पढ़ाई को आगे ले चले ना ले चलते हैं चलो कर आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट ऑन इनहिबिन इनहिबिन द सिक्रिशन ऑफ एल एच एफ एस एच एंड प्रोलैक्टिन एल एच एफ एस एच एंड प्रोलैक्टिन की हम बात करते हैं इनहिबिन एल एच को भी इनहिबिट कर रहा है रॉन्ग है हमने बताया था अभी आपको इनहिबिन जो होता है बेटा जी इनहिबिन जो होता है ये केवल और केवल एफ एस एच को इनहिबिट करेगा आंसर में आप एफ एस एच डालेंगे ज प्रोड्यूस बाई ग्रो ग्रेन्यूलेसा सेल्स इन द ओवरी एंड इनहिबिट द दिक्रीशन ऑफ एफ एस एच नीट दो हजार सोलह पार्ट टू का पेपर है ये दोबारा हुआ था री ए आई पी एम टी हुआ था उस टाइम पे आंसर बनाएंगे सेकेंड ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा बिल्कुल बेहतरीन होगा बिल्कुल करेक्ट होगा इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इज नॉट एसोसिएटेड विद ओवुलेशन इन ह्यूमन फीमेल्स ह्यूमन फीमेल्स में एसोसिएटेड नहीं है ह्यूमन e फीमेल में एसोसिएटेड असोसिएटेड नाही बा कौन नाही फुल डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल बा रिलीज ऑफ सेकेंडरी बा बा सर्ज लेकिन कौन उन है डिक्रीज इन डिक्रीज इन ईस्ट्राडाइल तो आंसर बनेगा फोर्थ ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन करेक्ट बनेगा क्या बनेगा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट बनेगा अगला सवाल है मेन फंक्शन ऑफ मेमेलियन कॉर्पस ल्यूटियम इज टू प्रोड्यूस मेन फंक्शन जो कॉर्पस ल्यूटियम का है मेमेलियन कॉर्पस ल्यूटियम का ये सीक्रेट करता है प्रोजेस्टेरॉन मेनली प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है यहाँ पे लिखा है रिलैक्सिन ओनली रॉन्ग एस्ट्रोजन ओनली रॉन्ग एचसीजी प्रेगनेंसी में आता है और वो भी एम्ब्रियो से आता है कहां से आता है प्रेगनेसी में रिलीज होता है और वो भी प्लेसेंटा से सीक्रेट होता है एम्ब्रियो के पार्ट में जो प्लेसेंटा होती है वहां से सीक्रेट होता है तो आंसर में थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा आंसर बनाएंगे थर्ड ऑप्शन सी ऑप्शन करेक्ट होगा थर्ड ऑप्शन सी ऑप्शन करेक्ट होगा बोलो यहां तक, <coughs> यहां तक की बात समझ में आ गई यहां तक की बात समझ में आ गई रिप्रोडक्शन का मैंस्टुअल साइकिल तक का ए बी सी डी ई एफ जी गैमिटोजेनेसिस तक का सारा पॉइंट मैंने कंप्लीट कर दिया है सारा पॉइंट मैंने कंप्लीट कर दिया है अब हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं फर्टिलाइजेशन पे बात करेंगे इम्प्लांटेशन पे बात करेंगे थोड़ा फास्ट करेंगे जल्दी कर देंगे और कंप्लीट कर देंगे आप टेंशन मत लो जल्दी कर देंगे कंप्लीट कर देंगे आप टेंशन मत लो मैं आपके साथ खड़ा हूं पूरी बातें एक एक बात डिस्कस कर रहा हूं, फटाफट से कर रहा हूं, कोशिश मेरी पूरी है कि मैं जल्दी से कंप्लीट कर दूं इस टॉपिक को क्योंकि ये चैप्टर बड़ा है इसमें चार से छह क्वेश्चन नीट में आ सकते हैं चार सवाल भी आ सकते हैं छह सवाल भी आ सकते हैं कभी चार सवाल भी आ सकते हैं कभी छः सवाल भी आ सकते हैं ये क्लियर नहीं है कि कब चार आ जाए कब छ आ जाए ठीक है जी इसलिए फटाफट से कर लेते हैं आप ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा आपको मैं जो बताता जा रहा हूं ध्यान ध्यान से सुन लें फर्टिलाइजेशन के लिए यह जरूरी है कि स्पर्म ओवा फर्टिलाइजेशन साइट पे होंगे साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन जो होती है साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन जो होती है उसे कहते हैं एम्प्यूला साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन होता है एम्प्यूलरी रीजन एम्प्यूला होता है दूसरा जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है उस फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में आप देखोगे कि फर्टिलाइजेशन में इवेंट्स होती हैं, कुछ मेजर इवेंट्स होती हैं फर्टिलाइजेशन के दौरान मेजर इवेंट्स होती हैं फर्टिलाइजेशन के दौरान एक होती है जिसे कहते हैं कैपेसिटेशन एक होती है जिसे कहते हैं कैपेसिटेशन एक होती है जिसे कहते हैं एक्रोसोमल रिएक्शन एक होती है जिसे कहते हैं एक्रोसोमल रिएक्शन एक होती है जिसे कहते हैं तीसरी ती, तीसरा प्रोसेस जिसे कहते हैं डीपोलराइजेशन ऑफ एग मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं डीपोलराइजेशन ऑफ एग मेम्ब्रेन डीपोलराइजेशन ऑफ एग मेम्ब्रेन जिसे कहा जाता है जिसे कहा जाता है फास्ट ब्लॉक टू चेक पॉली स्पर्मी इसे कहते हैं फास्ट ब्लॉक मतलब जैसा कि हम जानते हैं एक ओवम को फर्टिलाइज करने के लिए केवल एक ही स्पर्म चाहिए एक ओवम को फर्टिलाइज करने के लिए केवल एक स्पर्म चाहिए और उस एक स्पर्म की एंट्री के बाद बाकी दूसरे स्पर्म एंटर नहीं करते दूसरे स्पर्म्स की एंट्री ब्लॉक हो जाती है तो इसी प्रोसेस के लिए यहाँ पे फास्ट ब्लॉक और स्लो ब्लॉक होते हैं तीसरा हो, चौथा स्टेप आप इसी में ऐड कर सकते हो इसे कहते हैं स्लो ब्लॉक स्लो ब्लॉक ये सारे ब्लॉक जो होते हैं ये पॉलिसपर्मी को रोकते हैं प्रिवेंट पॉलिसपर्मी ये प्रिवेंट करते हैं दे प्रिवेंट पॉलिस्पर्मी एक से ज्यादा स्पर्म की एंट्री को रोकते हैं इसे कहते हैं प्रिवेंशन ऑफ पॉलिसपर्मी और लास्ट में होता है नेक्स्ट स्टेप जिसे कहते हैं सिनगैमी क्या कहते हैं इसे कहते हैं सिनगैमी तो आप देखोगे फर्टिलाइजेशन के दौरान कैपेसिटेशन एक् रिएक्शन फास्ट ब्लॉक स्लो ब्लॉक और सिंह ये कुछ मेजर इवेंट्स होती हैं क्या होती हैं दीज आर द मेजर इवेंट्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन जब कैपेसिटेशन की बात करते हैं तो कैपेसिटेशन का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस जब स्पर्म अपने अंदर फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी डेवलप करता है आप लिख सकते हैं स्पर्म्स स्पर्म्स गेन द एबिलिटी गेन स्पर्म्स गेन द एबिलिटी एबिलिटी टू फर्टिलाइज द ओवम फर्टिलाइज द ओवम ओवम को फर्टिलाइज करने की एबिलिटी गेन करता है ये टू फर्टिलाइज द ओवम कैसे बाई बाई यूजिंग बाई यूजिंग द सीक्रीशंस ऑफ सीक्रीशंस ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की बात करते हैं तो जो स्पर्म्स होते हैं बच्चों जो स्पर्म्स होते हैं फीमेल की बॉडी में जा कर के फ़ीमेल की बॉडी में अपने अंदर फर्टिलाइजेशन की कुछ एबिलिटी डेवलप करते हैं यू समझ लो स्पर्म्स का शुद्धिकरण कराया जाता है स्पर्म्स का शुद्धिकरण साफ़ सफाई कराई जाती है फीमेल बॉडी के अंदर जब सीमेंट जब स्पर्म जाता है तो उसकी साफ़ सफाई की जाती है क्लीनिंग की जाती है उसी को कहते हैं कैपेसिटेशन और उसके बाद स्पर्म एक्टिवली मोटाइल होकर के स्विम करता हुआ फर्टिलाइजेशन साइट तक पहुंचता है और वहाँ जाने के बाद एक््रोजोमल रिएक्शंस होती हैं जहाँ पे एक्रोजोम के जो एंजाइम्स होते हैं एक्रोजोमल आफ्टर बाइंडिंग ऑफ स्पर्म विद जोना पैल्यूसिडा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आफ्टर आफ्टर बाइंडिंग ऑफ बाइंडिंग ऑफ स्पर्म्स विद जोना पेल्यूसिडा जोना पेल्यूसिडा एक्रोसोमल एनजाइम्स क्या होते हैं एक्रोसोमल एंजाइम्स आर आर जो एक्रोसोम के होते हैं वो रिलीज कर दिए जाते हैं और स्पर्म की एंट्री को आसान बनाते हैं फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करने में मदद करते हैं इसके अलावा डीपोलराइजेशन ऑफ द एग मेम्ब्रेन जो एग मेम्ब्रेन होता है वो डीपोलराइज होता है इसे कहते हैं फास्ट ब्लॉक ये आफ्टर कमिंग इन कांटेक्ट जब स्पर्म बाइंड करता है एग मेम्ब्रेन से वेन स्पर्म वेन स्पर्म बाइंड टू बाइंड टू एग मेम्ब्रेन अब ये स्पर्म जो होता है ये एग मेम्ब्रेन से बाइंड करता है और फाइनली फाइनली सिन गैमी होती है फास्ट और स्लो ब्लॉक्स होती हैं यहां देखोगे डायग्राम से समझाता हूं इसको डायग्राम से समझाता हूं अभी खत्म हो जाएगा भाई कौन है ये खत्म हो जाएगा यार खत्म करना थोड़ी जल्दी थोड़ी है जल्दी तो है देखो जल्दी तो मुझे भी लग रही है थोड़ा लग रहा है कि जल्दी तो है लेकिन यार जल्दबाजी में छोड़ के मैं जाना नहीं चाह रहा हूं मैं फटाफट से छोड़ के जाना नहीं चाह रहा हूं मैं आपको इसीलिए कोशिश है मेरी कि मैं आपको चीजों को ठीक तरीके से बता दूं मेरी कोशिश तो यही है बाकी तो ऊपर वाले की इच्छा से हो रहा है जो हो रहा है वो आप देखो बाकी तो ऊपर वाले की इच्छा से हो रहा है भाई साहब एक बार देख लें समझ लें जरा एक बार समझने की कोशिश करते हैं देखते हैं क्या है कहानी एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर कहानी क्या है ये है सेकेंडरी ऊसाइट ओबुलेशन के बाद यहां आ गया था ये सेकेंडरी ओसाइट फैलोपियन ट्यूब में आ गया था ओबुलेशन के बाद और ये जो सेकेंडरी ओसाइट है वो यहाँ प्रेजेंट है ये सेकेंडरी ओसाइट के चारों तरफ जोना पेल्यूसिडा की लेयर है और ये है कोरोना रेडिएटा ये जो सेल्स आप देख रहे हो इन्हें कहते हैं कोरोना रेडिएटा ये है कोरोना रेडिएटा जब स्पर्म्स पहुंचते हैं इन लेयर्स के पास ध्यान से सुनेंगे ये जो जोना पेल्यूसिडा होती है अगर आप देखो ये जो जोना पेल्यूसिडा है जोना पेल्यूसिडा है ये कोरोना रेडिएटा है ये पेरीवाइटलाइन स्पेस होता है इसे कहते हैं सेकेंडरी ऊसाइट का साइटोप्लाज्म है ये और इसके अंदर कुछ ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं जिन्हें कहते हैं कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स ये देखें ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स हैं अगर हम बात करते हैं अगर हम बात करते हैं ये जो आप देख रहे हो इसे कहते हैं जोना पैल्यूसीडा क्या कहते हैं जोना पैल्यूसीडा ये जो आप देख रहे हो इसे कहते हैं कोरोना रेडिएटा सेल्स कहते हैं इनको कोरोना रेडिएटा कहते हैं ये जो आप देख रहे हो इसे कहते हैं पेरी वाइटेलाइन लाइन स्पेस आफ्टर ओविलेशन ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ये स्ट्रक्चर जो हम देख रहे हैं ये है सेकेंडरी ऊसाइट जिसे ओवम कहा जाता है सेकेंडरी ऊसाइट जिसे ओवम कहते हैं होता क्या है स्पर्म की एंट्री होती है यहां पे स्पर्म की एंट्री होती है जब यहां देखें जैसे ही <coughs> यहाँ पे जैसे ही स्पर्म की एंट्री होती है स्पर्म की बाइंडिंग जब होती है तो स्पर्म बाइंड करता है जोना पैल्युसिडा पे अपने रिसेप्टर पे यहाँ स्पर्म जो होता है वो जोना पैल्युसिडा पे लोकेटेड अपने रिसेप्टर पे बाइंड करता है बाइंडिंग होती है जोना पेलिसिडा के रिसेप्टर पे ये जोना पेलिसिडा पे बाइंडिंग होती है और जैसे ही यहां पे स्पर्म बाइंड करता है यहां एक्रोजोमल रिएक्शन होती है क्या होती है स्पर्म की बाइंडिंग जब इस जोना पेलिसिडा पे होती है तो यहां एक्रोजोमल एंजाइम्स रिलीज हो जाते हैं इस प्रोसेस को कहते हैं एक्रोजोमल रिएक्शन एक्रोसोमल रिएक्शन कहते हैं ये एक्रोसोमल रिएक्शन होती है एंजाइम्स रिलीज होते हैं और उसके बाद स्पर्म पेनिट्रेट करके अंदर जाता है और एग मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आता है किसके कांटेक्ट में आता है एग मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में स्पर्म्स आते हैं ये देखो ये जो स्पर्म है वो एग मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आता है एग मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में स्पर्म आता है और यहां से शुरू होता है डीपोलराइजेशन ऑफ द एग ये क्या करता है ये एग को डीपोलराइज करता है ये देखो एक्रोजोमल रिएक्शन जब हुई एक्रोजोमल रिएक्शन होने के बाद स्पर्म जो होता है वो एग मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आता है ये देखो ये एग मेम्ब्रेन है इस एग मेम्ब्रेन के कॉन्टेक्ट में जब स्पर्म आता है न्यूरल सिस्टम में आपने पढ़ा होगा मसल्स में भी पड़ा होगा न्यूरल सिस्टम में भी पड़ा होगा कि जब स्पर्म इस मेंब्रेन के कांटेक्ट में आता है एग की मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आता है तो यहां पे एक टर्म यूज कर रहे हैं हम लोग डीपोलराइजेशन ऑफ द एग मेम्ब्रेन जिसे हम एक्टिवेशन ऑफ द एग भी कहते हैं बाइंडिंग ऑफ स्पर्म जैसे ही स्पर्म यह है एग मेमब्रेन इसे क्या कहते हैं इसे कहते हैं एग मेमब्रेन ये है एग मेम्ब्रेन और ये है स्पर्म जैसे ही स्पर्म बाइंड करता है ना ये एक फिजिकल स्टिमुलस की तरह एक्ट करता है स्पर्म एक्ट्स लाइक अ फिजिकल स्टिमुलस ये स्पर्म जो होता है ये एक फिजिकल स्टिमुलस की तरह एक्ट करता है फिजिकल स्टिम्यूलस की तरह एक्ट करता है और ये स्पर्म इस एग मेम्ब्रेन के अंदर पॉजिटिविटी ला देता है इसे पॉजिटिव बना देता है इस एग को जो पहले से नेगेटिव था नॉर्मली जैसे कि आप न्यूरॉन में पढ़ते हो एग्जोलेमा जो होती है एग्जोन की जो मेम्ब्रेन होती है एग्जोलेमा जिसे कहते हैं अंदर नेगेटिव चार्ज है ये है अंदर का नेगेटिव चार्ज ये है बाहर का पॉजिटिव चार्ज ध्यान से सुने कह रहे हैं ये है पॉजिटिव चार्ज जब कभी किसी मेंब्रेन को स्टिम्यूलस दिया जाता है जैसे ही किसी मेंब्रेन को स्टिम्यूलस देते हैं जैसे ही कोई चीज उसके फिजिकल कांटेक्ट में आती है ये देखो जैसे ही हमने कोई स्टिमुलस दिया इस इस्टिमुलस के देते ही उस मेम्ब्रेन के पॉजिटिव चार्ज के गेट खुल जाते हैं और ये मेम्ब्रेन कही जाती है डीपोलराइज्ड इसे कहते हैं डीपोलराइजेशन ऑफ एग मेम्ब्रेन एग मेम्ब्रेन इसी को हम एक्टिवेशन ऑफ एग भी कहते हैं इसी को हम एक्टिवेशन ऑफ एग भी कहते हैं और इसी वजह से ये जो एग मेम्ब्रेन है डीपोलराइज हो जाती है दूसरे स्पर्म की एंट्री को अलाउ नहीं करती है इसी को कहते हैं फर्स्ट स्टिम्यूलाई फर्स्ट स्पर्म विल बी अलाउड ओनली वन स्पर्म जिसे फर्स्ट स्पर्म कहते हैं ओनली वन स्पर्म इज अलाउड टू एंटर क्या करता है ओनली वन स्पर्म इज अलाउड टू एंटर ओनली ओनली वन स्पर्म ओनली वन स्पर्म इज अलाउड टू एंटर अलाउड टू एंटर तो केवल एक स्पर्म की एंट्री होती है ओवम के अंदर इससे एंश्योर करता है पहला फास्ट ब्लॉक टू चेक पर में जिसे कहते हैं डीपोलराइजेशन ऑफ द एग मेम्ब्रेन जो कि एग को डीपोलराइज कर देता है दूसरे स्पर्म अब अंदर नहीं जाते हैं वो है एक पॉइंट और दूसरा पॉइंट होता है जैसे ही ये देखो कह रहे जैसे ही स्पर्म यहां पर पहुंचा ध्यान से सुनेंगे <coughs> <coughs> ये जो स्पर्म होता है जैसे ही जैसे ही यहाँ पे अगला स्टेप जो होता है जिसे कहते हैं ये देखें कह रहे हैं जैसे ही ये स्पर्म जैसे ही ये स्पर्म इस एग मेम्ब्रेन के पास पहुँचता है यहाँ पे इसके अंदर कुछ ऐसे फैक्टर्स यहाँ देखें यहाँ पे कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं यहाँ पे कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं ये जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स होते हैं ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स क्या करते हैं ध्यान से सुने कह रहे ये जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स हो जाते हैं ये एक्टिव हो जाते हैं और अपने अंदर से कुछ एंजाइम्स बाहर रिलीज करते हैं। ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स एक्टिव हो जाते हैं ओवम के साइटोप्लाज्म में कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं जो कॉर्टिकल रिएक्शन को in... इंड्यूस करते हैं कॉर्टिकल रिएक्शन होती है जिसे कहते हैं स्लो ब्लॉक टू चेक स्लो ब्लॉक कहते हैं एक ऐसा ब्लॉक होता है जो धीरे धीरे होता है और इसमें जोना लेयर हार्ड हो जाती है जोना लेयर जो होती है वो हो जाती है हार्ड कैसे हो जाती है ये जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स होते हैं कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स होते हैं ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स कुछ एंजाइम्स रिलीज करते हैं रिलीज ऑफ कॉर्टिकल एंजाइम्स क्या कहते हैं इनको रिलीज ऑफ कॉर्टिकल एंजाइम्स कहते हैं और ये जब एंजाइम्स रिलीज करते हैं तो इसकी मदद से ये जोना की मेम्ब्रेन के बाहर जोना की मेम्ब्रेन के बाहर एक हार्ड लेयर बना देते हैं ये देखो ये जोना लेयर को हार्ड बना देते हैं और इसके रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते हैं कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स जोना को हार्ड बना देते हैं एंड एंड ब्लॉक द स्पर्म रिसेप्टर्स ब्लॉक कर देते हैं ब्लॉक द स्पर्म <coughs> ब्लॉक द स्पर्म रिसेप्टर्स स्पर्म के रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर दिया जाता है अब कोई दूसरा स्पर्म एंटर नहीं कर पाएगा अगर कोई आपसे पूछे कि ऐसा क्यों होता है आप बताओगे पॉलीस्पर्मी एग को डेवलप होने नहीं देती है मोनोस्पर्मी को इंश्योर करने के लिए मोनोस्पर्मी को इंश्योर करने के लिए टू एनश्योर मोनोस्पर्मी मोनोस्पर्मी को इंश्योर करने के लिए यह प्रोसेस होता है एक ही स्पर्म की एंट्री अलाउ की जाएगी ओनली वन ओनली वन स्पर्म ओनली वन स्पर्म इज अलाउड टू एंटर अलाउड टू फर्टिलाइज द ओवम फर्टिलाइज द बोलो समझ आ गया बच्चों ये समझ में आ गया बच्चों एक स्पर्म एंटर करेगा केवल एक ही स्पर्म एंटर करेगा और एक ही स्पर्म की वजह से फर्टिलाइजेशन होगा समझ में आ गया बच्चों बोलो भाई यहां तक सबको समझ में आ गया है यहां तक समझ में आ गया है तो आगे बढ़ते हैं फटाफट से कंप्लीट कर लेंगे अब ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आप लोगों का आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आप देखो बच्चों का सवाल है ट्विंस कैसे बनते हैं अभी हम पहले एक बेबी बना लेते हैं ट्विंस की बात बाद में कर लेंगे पहले एक बेबी बना लेते हैं ट्विंस की बात बाद में कर लेंगे ट्विंस की बात बाद में करेंगे अभी ट्विंस की कोई जरूरत नहीं अभी खाली एक बेबी बनाने वाले हम लोग अभी खाली एक बेबी बनेगा पहले फिर ट्विंस बनेगा ये रहा ओवम और इसके अंदर अब स्पर्म की एंट्री होने जा रही है ये देखें ये है ओवम ये है ओवम और इस ओवम के बाहर हमने कहा जोना लेयर थी जो हार्ड हो चुकी है जोना हार्ड हो चुकी है एक ओवम के अंदर जोना हार्ड हो चुकी है एक पूरा स्पर्म एंटर कर चुका है इसके अंदर एक पूरा स्पर्म एंटर कर चुका है ये देखो ये है जोना की हार्डनेस हो चुकी है इसे कह रहा हूं मैं जोना जो है वो हार्डन हो चुकी है हार्डेंड हो चुकी है हार्ड हो चुकी है और यहां पे ये स्पर्म एंटर कर गया है स्पर्म एंटर कर गया है स्पर्म एंटर्ड इन साइटोप्लाज्म क्या होता है साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम और इसी टाइम पर मियोटिक सेकंड डिवीजन याद करो अभी बताया था मैंने आपको मियोसिस टू कंप्लीट होने लगती है मियोसिस टू इज कंप्लीटेड मियोसिस टू कंप्लीटेड हो जाती है ऊटिड फॉर्म हो जाता है क्या बन जाता है ऊटिड का फॉर्मेशन हो जाता है ऊटिड बन जाता है मैच्योर ओवम बन जाता है एंड सेकेंड पोलर बॉडी रिलीज हो जाती है क्या हो जाती है सेकेंड पोलर बॉडी जो होती है वो रिलीज हो जाती है सेकेंड पोलर बॉडी रिलीज हो जाती है यहां पे आप देखोगे सेकेंड पोलर बॉडी पहली पोलर बॉडी पहले से थी ऑलरेडी दोनों पोलर बॉडी अब आ चुकी हैं आप देखो यहां पे सेकेंड पोलर बॉडी रिलीज हो चुकी है सेकेंड पोलर बॉडी सेकेंड पोलर बॉडी जो है वो फॉर्म हो चुकी है अब यहां पे दो पोलर बॉडी मौजूद हैं कितनी पोलर बॉडी मौजूद हैं यहां पे अब दो पोलर बॉडी मौजूद हैं देर आर टू पोलर बॉडीज दो पोलर बॉडीज बन चुकी हैं ये एग न्यूक्लियस है ये न्यूक्लियस ऑफ ऊ है इसे कहते हैं एग या टिड न्यूक्लियस एग न्यूक्लियस एग न्यूक्लियस है ये बोलो ये एग न्यूक्लियस और ये स्पर्म न्यूक्लियस है यहां पे दो पोलर बॉडी बन चुकी हैं सेकेंड म्योटिक डिवीजन कंप्लीट हो चुका है म्योटिक टू कंप्लीट हो चुका है और अब क्या होता है अब क्या होता है द स्पर्म न्यूक्लियस स्पर्म न्यूक्लियस एंड द न्यूक्लियस एग न्यूक्लियस एग न्यूक्लियस फ्यूज टूगेदर क्या करते हैं फ्यूज टू गेदर स्पर्ब न्यूक्लियस और एग न्यूक्लियस फ्यूज करते हैं एक दूसरे से और इसी की वजह से होती है सिनगैमी क्या होती है सिनगैमी टेक्स प्लेस और यहां पे जब स्पर्म न्यूक्लियस और एग न्यूक्लियस मिलेंगे स्पर्म न्यूक्लियस और एग न्यूक्लियस मिलेंगे यहां देखें यह है एग न्यूक्लियस और यह है स्पर्म न्यूक्लियस जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो इन्हीं के फ्यूजन से रिजल्ट होगा इन्हीं के फ्यूजन से जो रिजल्ट होगा वो होगा जाइगोट क्या बन जाएगा ये इन दोनों के फ्यूजन से जो जाइगोट यहां पे अभी देखें यहां पे एन कह रहे हैं एन न्यूक्लियस और एन न्यूक्लियस एक एन है एग का न्यूक्लियस और एक एन है स्पर्म का न्यूक्लियस और ये दोनों मिल करके अभी बनाएंगे बिंगो कॉम्बिनेशन टू एन और इसी को कहेंगे जाइगोट क्या बनेगा जाइगोट बनेगा फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा सिन गैमी यहाँ पे दो टर्म है का मतलब होता है फ्यूजन गैमी का मतलब होता है gametes, का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ गैमिट्स स्पर्म और ओवा का मिलन हुआ फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हुआ इसके बाद एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट शुरू होगा इसके बाद एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट शुरू होगा जिसे हम कहते हैं जिसे हम कहते हैं क्या इसे हम कहते हैं सिन गहमी जाइगोट कंप्लीट हो चुका है बन चुका है और उसके बाद हमारी प्रेगनेंसी अब आगे की आगे के स्टेप में बढ़ेंगे हम फर्टिलाइजेशन के बाद की इवेंट पे बढ़ेंगे अब जाइगोट का डेवलपमेंट होगा जाइगोट का डेवलपमेंट होगा बताएं जल्दी से बताएं यहां तक की बात समझ में आ गई जल्दी बताओ यहां तक की बात समझ में आ गई क्लियर है बच्चों यहाँ तक की बात समझ आ गई बच्चों यहाँ तक की बात समझ आ चुकी है आ चुकी है समझ में समझ में आ चुकी है तो बहुत अच्छी बात है बहुत अच्छी बात है बहुत अच्छी बात है बहुत अच्छी बात है बोलो भाई यहाँ तक की बात बिल्कुल क्लियर है चलो आगे चलते हैं चलो आगे चलते हैं बाबू कुछ सवाल कर लिए जाए फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड या पहले आपको इम्प्लांटेशन तक की कहानी बता देता हूं ये देखो अभी शुरुआत होती है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की जाइगोड बनने के बाद शुरू होती है क्लीवेज जो जाइगोड बनता है जाइगोड बनने के बाद की कहानी शुरू होती है उसे कहते हैं क्लीवेज ये जो एम्ब्रियो बना है जो जाइगोट बना ऐसे कहें जो जाइगोट बना है वो अब डिवाइड करना शुरू करेगा एम्ब्रियोनिक सेल डिवीजन करेगा एम्ब्रियो बनाना शुरू करेगा एक से दो सेल दो से चार सेल चार से आठ सेल नंबर ऑफ सेल्स बढ़ाता जाएगा नंबर ऑफ सेल्स बढ़ाता जाएगा यहां पे आप देखेंगे अभी ये जो जाइगोट बना है यहां पे हम बात कर रहे हैं जाइगोट की जो बना है उसमें एम्ब्रियोनिक सेल अभी cell शुरू होती है एक सेल डिवाइड करती है एक से दो सेल बनती है दो से दो से तीन सेल बनती है तीन से चार सेल्स बनती हैं तीन से चार सेल्स बनती हैं फोर सेल्ड स्टेज आती है और फिर आता है फिर आता है एट सेल्ड स्टेज कौन सी स्टेज आती है एट सेल्ड स्टेज ये देखें फिर आती है एट सेल्ड स्टेज क्लीवेज शुरू होती है एम्ब्रियोनिक सेल डिवीजन स्टार्ट होता है एम्ब्रियो की सेल डिवीजन शुरू होती है इसे कहते हैं एट सेल्ड स्टेज और फिर एट से आती है सिक्सटीन सेल्ड स्टेज ये एम्ब्रियोनिक सेल डिवीजन तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह ये नंबर ऑफ सेल्स बढ़ती जाती हैं अब कह रहे हैं एम्ब्रियोजेनेसिस शुरू होगी एम्ब्रियोजेनेसिस <coughs> शुरू होती है अभी यहाँ से एम्ब्रियो की जेनेसिस एम्ब्रियो का फॉर्मेशन शुरू होता है क्लीवेज होगी क्लीवेज को हम कहते हैं माइटोटिक टाइप ऑफ सेल डिवीजन, क्या कहते हैं माइटोटिक टाइप ऑफ सेल डिवीजन सेल डिवीजन का माइटोटिक टाइप ऑफ डिवीजन होता है जहाँ पे एम्ब्रियोनिक सेल डिवाइड करती हैं याद रखेंगे इन ह्यूमंस अगर हम बात करें इन ह्यूमंस ह्यूमंस के केस में एम्ब्रियोनिक सेल डिवीजन जो क्लीवेज होती है क्लीवेज जो होती है यूजुअली ये होती है होलोब्लास्टिक क्लीवेज होलोब्लास्टिक क्लीवेज होती है जिसका मतलब होता है एम्ब्रियोनिक सेल जो डिवाइड करेगी जो जाइगोट होता है या एम्ब्रियोनिक सेल जो डिवाइड करेगी सेल डिवाइड divide करेगी डिवाइड्स कंप्लीटली एम्ब्रियोनिक सेल डिवाइड्स कंप्लीटली कंप्लीट डिवाइड करती है इसे कहते हैं होलोब्लास्टिक, इसे कहते हैं होलोब्लास्टिक क्लीवेज कंप्लीट डिवीजन करती है एक सिंगल सेल जो होगी वो कंप्लीट डिवीजन करेगी ये देखें कंप्लीट डिवीजन करती है पूरा का पूरा कट लगता है एक सिंगल सेल डिवाइड करेगी और दो डॉटर सेल बनेगी दो से चार बन रही चार से आठ ये कंप्लीट डिवीजन करती है कंप्लीट डिवीजन करती है और ये जो एम्ब्रियोनिक सेल डिवीजन इसने किया है आप ध्यान रखेंगे आफ्टर ईच सक्सेसिव डिवीजन आफ्टर ईच सक्सेसिव डिवीजन आफ्टर ईच सक्सेसिव डिवीजन सक्सेसिव डिवीजन ये जो है आफ्टर ईच सक्सेसिव डिवीजन आफ्टर ईच सक्सेसिव डिवीजन द एम्ब्रियोनिक सेल्स एम्ब्रियोन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको आप नोट कर लो एम्ब्रियोनिक सेल्स इंक्रीज देयर नंबर इंक्रीज देयर इंक्रीज देयर नंबर अपना नंबर इंक्रीज करती है द अमाउंट ऑफ टोटल साइटोप्लाज्म द अमाउंट ऑफ टोटल साइटोप्लाज्म जो टोटल साइटोप्लाज्म का अमाउंट होता है अमाउंट ऑफ टोटल साइटोप्लाज्म रिमेन सेम क्या रहता है रिमेन कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट रहता है साइज और साइज ऑफ द एम्ब्रियो भी कॉन्स्टेंट रहता है साइज ऑफ एम्ब्रियो साइज ऑफ एम्ब्रियो ऑल्सो सेम ऑल्सो सेम एम्ब्रियो का साइज भी सेम रहता है एम्ब्रियो का साइज भी सेम रहता है याद रखेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है नीट में आया हुआ सवाल है कि ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक सेल डिवीजन, जैसे आप यू समझ लो जैसे आप यू समझ लो कि किसी एक फ्रूट को ये हमारे पास एक फ्रूट है कोई एक फल आपको दे दिया है ये कोई फल आपको दे दिया है और इस फल को आपसे कहा इसे काटो ये इसे फल को काटो कहा गया आपसे <coughs> इस फल के टुकड़े टुकड़े करके देखो आप काटोगे इस फल को मान लो कह रहे एक कट लगाया एक कट ये है एक कट ये है कह रहे इसके अलावा दूसरा कट हमने इधर लगाया तीसरा कट हमने इधर लगाया चौथा कट हमने इधर लगाया कह रहे कितने भी कट लगा लो कह रहे हैं कितने भी कट लगा लो काटते चले जाओ काटते चले जाओ कह रहे हैं, टोटल साइज जो होगा वो तो सेम रहेगा ना बाबू टोटल साइज ये जो इस एप्पल का साइज है वो तो सेम रहेगा ना टोटल अमाउंट ऑफ एप्पल सेम रहेगी बस उसके जो टुकड़े होंगे उसके जो टुकड़े होंगे वो छोटे छोटे पीस में डिवाइड हो जाएंगे वो छोटे छोटे पीस में डिवाइड हो जाएंगे तो यहां पे कहानी ये है कि यहां एम्ब्रियोनिक सेल्स का नंबर बढ़ेगा नंबर ऑफ नंबर ऑफ एम्ब्रियोनिक सेल्स जिन्हें कहते हैं ब्लास्टोमियर्स नंबर ऑफ एम्ब्रियोनिक सेल्स जिन्हें कहते हैं ब्लास्टोमियर्स एम्ब्रियोनिक सेल्स जिन्हें कहते हैं एम्ब्रियोनिक एम्ब्रियनिक सेल जिन्हेंहते उनका नंबर इंक्रीज होगा नंबर ऑफ ब्लास्टोमियर्स इंक्रीज करेंगे साइज ऑफ द ब्लास्टोमियर साइज ऑफ द सेल जो होगा वो डिक्रीज करेगा टोटल साइटोप्लाज्म सेम रहेगा टोटल साइटोप्लाज्म सेम रहेगा और अमाउंट ऑफ डीएनए इंक्रीज करेगा क्या इंक्रीज करेगा अमाउंट ऑफ डीएनए इंक्रीज करेगा तो ये एम्ब्रियोनिक सेल डिवीजन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट अरे भाई जो ये कर रहा है करने दो इसे ये देखो ये लैंग्वेज ये भाषा उन्हीं को शोभा देती है जो भाषा अपने घर अपने परिवार में जो सीखता है इंसान जो अपने घर में अपने परिवार में जो भाषा इंसान सीखता है वैसा ही व्यवहार करता है ना तो ये इंसान क्या कर रहा है ये इंसान अपने घर की परिभाषा दे रहा है ये इंसान अपने फैमिली की परिभाषा दे रहा है ये डिफाइन कर रहा है ये परिभाषित कर रहा है ये इंसान ये इंसान केवल ये परिभाषित कर रहा है कि इसके घर में इसके घर में कैसा माहौल होगा इसके घर में कैसा माहौल होगा इसके घर इसके घर के आसपास इसके पेरेंट्स इसे किस तरह का माहौल जो है वो देते होंगे ये चीज ये सीख रहा होगा ना कोई फर्क नहीं पड़ता मेरी उम्र से आप देखो मेरे एक्सपीरियंस के बराबर इसकी उम्र होगी जब से मैं पढ़ा रहा हूं अगर मैं अपने नंबर ऑफ इयर्स की बात करूं तब से जब से पढ़ा रहा हूं तब से इसकी उम्र होगी उतनी इसकी उम्र होगी तो अपनी उम्र से ज़्यादा क्या सीख सकता है ये इंसान बताओ अपने पेरेंट्स से अपने माँ बाप से इसने क्या सीखा होगा यही तो सीखा होगा यही असली ज्ञान है यही असली ज्ञान है इसने यही सीखा है इसको इतना ही आता है कि कैनिस फैमिलियरिस वाली फैमिली कैसी होती है ये इसे पता है सब जानता है ये ये सब कुछ जानता है ये बहुत महान है इसीलिए तो मैं इग्नोर कर रहा हूँ आई एम नॉट मुझको जरूरत नहीं इससे बात करने की तो ये महान इंसान है इसको प्रणाम करता हूँ और बोलो बेटा और बोलो जितना बोलोगे सब तुम्ही को समर्पित है जितनी बातें बोलो सब तुम्ही को समर्पित है जब मौका लगे तो कभी आके मिलना कभी हवेली पे आके मिलना असली बात आपको हम बताएंगे और बातें करेंगे बहुत सारी डिटेल में बातें करेंगे बहुत सारी चर्चा करेंगे बहुत सारी चर्चा करेंगे बाबू प्रकाश ए प्रकाश बाबू हम बहुत सारी बातें डिटेल में चर्चा करेंगे घर वालों को बैठा के चर्चा करेंगे कभी हवेली पे आओ तो सही कभी हवेली पे आओ तो सही ये कभी हवेली पे आओ तुम्हारी ही बॉडी का पुतला बना करके तुम ही से बात करेंगे तुम ही से बात करेंगे शुरू करें आगे चलें करने दो इसको करने दो करने दो लव लव यू यू प्रियांशु बेटा लव यू मेरा बच्चा है तू लव यू तू मेरा बच्चा है तू चलो देखो तो कह रहे क्लीवेज जब शुरू हुआ तो पहले आई दो सेल्ड स्टेज टू सेल्ड एम्ब्रियो बना फिर आई फोर सेल्ड स्टेज पहले आई इंटरमीडिएट एक आई इंटरमीडिएट जिसे कहते हैं ट्रांजिएंट ट्रांजिएंट थ्री सेल्ड स्टेज आई फिर आई फोर सेल्ड स्टेज फिर आती है एट सेल्ड स्टेज फिर आती है सिक्सटीन सेल्ड स्टेज ये जो 8 टू 16 सेल्ड होती है इसे कहते हैं मोरूला क्या कहते हैं इसे कहते हैं मोरूला याद रखेंगे ये मोरूला जो होती है ये फीमेल के फेलोपियन ट्यूब में बन जाती है मोरूला ये फीमेल के फोलो फेलोपियन ट्यूब में बन जाती है मोरूला जो कि 8 से 16 सेल वाली स्टेज होती है ये मलबेरी लाइक -like दिखती है इसे सॉलिड मास ऑफ सेल्स कहते हैं सॉलिड मास ऑफ सेल्स कहते हैं ये चीज़ आप बस यहाँ पे याद याद रखोगे इस मलबेरी लाइक स्ट्रक्चर को मोरूला कहते हैं क्या कहते हैं मलबेरी लाइक स्ट्रक्चर को हम मोर्यूला कहते हैं और फिर ये मोरूला ट्रांसफॉर्म हो जाती है ब्लास्टोसिस्ट में फिर ये मोर्यूला ट्रांसफॉर्म हो जाती है ब्लास्टोसिस्ट में मोर्यूला का ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है ब्लास्टोसिस्ट में होता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ब्लास्टोसिस्ट याद रखेंगे ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन फॉर्म्स इन यूटरस या यूटेराइन कैविटी यूटेराइन कैविटी में बनता है ब्लास्टोसिस्ट स्टेज वाइज अगर आप देखोगे क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो पहले जाइगोड बनता है पहले जाइगोड बनता है फिर आकर के बनती है मोरूला मोरूला जो आठ से सोलह सेल्ड स्टेज होती है एट टू सिक्सटीन सेल्ड होती है उसके बाद आता है ब्लास्टोसिस्ट क्या आता है ब्लास्टोसिस्ट होता है और फिर यही ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांटेशन करता है इसी ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन होता है ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन होता है और इम्प्लांटेशन के बाद इम्प्लांटेशन के बाद शुरू हो जाती है गैस्टेशन जिसे कहते हैं प्रेगनेंसी क्या कहते हैं प्रेगनेंसी मतलब फीमेल अब प्रेग्नेंट हो चुकी है गैस्टेशन शुरू हो जाता है गैस्टेशन के दौरान इम्प्लांटेशन के बाद गैस्टेशन शुरू हो जाता है और उसी गैस्टेशन के दौरान एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो डेवलप करता है प्रेगनेंसी शुरू हो जाती है और इस कहानी में अगर आप देखोगे इस कहानी में अगर आप देखोगे तो फॉर्म्स इन यूट्राइन कैविटी ये रहा ब्लास्टोसिस्ट का स्ट्रक्चर ये रहा ब्लास्टोसिस्ट का स्ट्रक्चर ये रहा आपका प्यारा ब्लास्टोसिस्ट ये रहा ब्लास्टोसिस्ट का डायग्राम ये देखें किसी ब्लास्टोसिस्ट में भगवान का दिया हुआ सब कुछ होता है ये देखें ये है ब्लास्टोसिस्ट इस ब्लास्टोसिस्ट में भगवान का दिया हुआ सब कुछ है आप देखें एम्ब्रियोनिक सेल्स जो होती हैं वो दो टाइप की सेल्स बनाती हैं एम्ब्रियो की सेल्स दो टाइप की सेल्स बनाती हैं एक ये होती है एक होती है जिसे कहते हैं इनर सेल मास ये जो आपको दिखाई दे रही है इसे कहते हैं आईसीएम इसे कहते हैं इनर सेल मास क्या कहते हैं इनर सेल मास कहते हैं और ये जो बाहर आप देख रहे हो ये पिंकी जो दिख रही है इसे कहते हैं आउटर सेल मास ओसीएम आउटर सेल मास कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं ध्यान से सुनेंगे दो तरह का स्ट्रक्चर होता है एक ब्लास्टोसिस्ट के अंदर एक होता है इनर सेल मास एक होता है आउटर सेल मास एक होता है इनर सेल मास एक होता है आउटर सेल मास इनर सेल मास जो होता है यह बनाता है एम्ब्रियो ब्लास्ट क्या बनाता है यह बनाता है एम्ब्रियो ब्लास्ट इसी की वजह से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो ब्लास्ट मतलब ये क्या करता है फॉर्म्स फ्यूचर एम्ब्रियो क्या करता है फॉर्म करता है फॉर्म्स फ्यूचर एम्ब्रियो भविष्य में इसी से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है और आउटर सेलमास जो होता है इस आउटर सेलमास को कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट क्या कहते हैं इसे कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट और इसी से डेवलप होता है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्बरेन क्या बनती है इससे एम्ब्रियो के बाहर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स बनती हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेनस का फॉर्मेशन होता है एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के दौरान तो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के दौरान एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन इसी ट्रोफोब्लास्ट से बनती है और ये जो लेयर होती है इनर सेलमास होती है और इसी स्टेज में जोना पेल्युसिडा जो हमने पहले पढ़ा था अभी जोना पेल्युसिडा पढ़ा था कि इंटैक्ट रहती है जोना पेल्युसिडा हार्ड हो जाती है यहाँ पे जब ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांटेशन करने वाला होता है उस टाइम पे जोना लेयर रप्चर कर जाती है ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिफोर इम्प्लांटेशन जोना रपच्चर्स जो जोना पेल्यूसिडा हार्ड हो गई थी वो जोना पेल्यूसिडा जोना पेल्यूसिडा रपचर हो जाती है रपचर्स रपचर्स एट द टाइम ऑफ इम्प्लांटेशन एट द टाइम ऑफ इम्प्लांटेशन इम्प्लांटेशन के समय जोना पेल्यूसिडा रप्चर कर जाती है ये होती है कहानी ब्लास्टोसिस्ट की ब्लास्टोसिस्ट का स्ट्रक्चर समझ में आ गया सोना सोना बाबू सोना मेरा सोना मेरा बाबू मेरा अच्छा अच्छा मुन्ना मुन्ना बच्चा इतनी बात समझ में आ गई इतनी बात समझ में आ गई बच्चों जोना पेल्यूसिडा इम्प्लांट कर चुकी है जोना पेलिस्डा रप्चर हो चुकी है ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट करती है ये वो स्टेज है याद रखेंगे इम्प्लांटेशन अकर्स इन ब्लास्टोसिस्ट स्टेज इम्प्लांटेशन अकर्स इन ब्लास्टोसिस्ट स्टेज इन ब्लास्टोसिस्ट स्टेज इम्प्लांटेशन जो होता है वो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में होता है यहां तक समझ में आ गया बच्चों <coughs> यहां तक समझ में आ गया आगे चलें, जल्दी से अब खत्म कर लेंगे बस एम्ब्रियो बन गया अब हमारी कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन कर लेंगे फटाफट से क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट से जल्दी से क्वेश्चन कर लो क्वेश्चन कर लें क्वेश्चन कर लें ले जल्दी से क्वेश्चन कर लें जल्दी बताएंगे क्वेश्चन कर ले जल्दी बताएं जल्दी बताएं जल्दी बताएं क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन करने के लिए तैयार हैं सभी लोग क्वेश्चन करने के लिए तैयार हैं सभी लोग माना कि रात बड़ी है रात बाकी है बात बाकी है होना है जो हो जाने दो सॉरी एवरीवन प्रकाश सिंह बेटा ऐसा क्यों सॉरी हो कोई सॉरी ब... सॉरी वॉरी किसी को मत बोलो आप प्रणाम करता हूं आपको आपके पेरेंट्स को जिन्होंने आप जैसे प्रतापी पुत्र को जन्म दिया प्रणाम करता हूं आपको आपके पेरेंट्स को जिन्होंने आप जैसे प्रतापी पुत्र को जन्म दिया है आप जैसे महान बच्चे को जिसने जन्म दिया वो महान इंसान हो आप महान हो आप आप पुरुष ही नहीं हो आप महापुरुष हो बेटा जी आप पुरुष नहीं आप महापुरुष हो आप महापुरुष हो आप तो महान पुरुष हो बेटा जी कह रहे करेक्ट सीक्वेंस बताए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले गैमिटोजेनेसिस होगी फिर सिन होगी फिर एम्ब्रियोजेनेसिस होगा फिर जाइगोट नहीं बनेगा रॉन्ग जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा एम्ब्रियो से गैमिट नहीं बनेगा गैमिट से सिन होगी और फिर जाइगोट बनेगा और फिर एम्ब्रियो बनेगा मतलब आंसर बनेगा थर्ड ऑप्शन आंसर बनाएंगे थर्ड ऑप्शन कई बार ऐसा होता है बच्चे अपना आपा खो देते हैं अपना कंट्रोल खो देते हैं कोई बात नहीं तुम खो तुम्हारे पास तुम्हारी उम्र है तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन हाई है तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन जब हाई है तभी तो तुम ऐसा काम कर रहे हो नहीं तो तुम्हारे लिए जो यहां पढ़ाया जा रहा है पढ़ाया तो तुम्हारे लिए जा, जा रहा है ना तुम्हारे लिए ये गला फड़ फड़ करके चिल्लाया जा रहा है नौकरी तो हर कोई कर रहा है पैसे तो हर कोई कमा रहा है लेकिन यहां पे चाहते तो चाहते तो एनसीआरटी की लाइनें पे ला करके ऐसे ऐसे करके खत्म कर देते फोटो NCRT के चिपका के खत्म कर देते क्यों ही एक्सप्लेन करते आपको है कि नहीं <coughs> <coughs> अगला कह रहे थर्ड क्लीवेज डिवीजन अकर्स इन जैसे एक होता है फर्स्ट क्लीवेज फर्स्ट क्लीवेज अगर आप देखोगे क्लीवेज डिवीजन क्लीवेज डिवीजन मैंने कहा फर्टिलाइजेशन कहा होता है फर्टिलाइजेशन होता है एम्प्यूलरी रीजन में यह है फेलोपियन ट्यूब ओवरी ने ओवम रिलीज किया होगा ओवरी ने ओवम रिलीज किया होगा यह है ओवरी यहां से ओवम रिलीज हुआ ओव्यूलेशन के बाद ओवम रिलीज हुआ ये ओवम यहाँ से कैप्चर हुआ आगे बढ़ा और पहुँचा यहाँ पे एम्प्यूला में एम्प्यूला में इसकी मुलाकात हुई स्पर्म मिस्टर स्पर्म से मुलाकात हुई और जाइगोट बना होगा ये जाइगोट पहले टू सेल्ड स्टेज में आया होगा पहले टू सेल्ड स्टेज में आएगा फिर फोर सेल्ड में आएगा फिर एट में आएगा इसका मतलब इसकी क्लीवेज कहां हो रही है फेलोपियन ट्यूब में हो रही है फेलोपियन ट्यूब के अंदर हो रही है इसकी क्लीवेज और थर्ड क्लीवेज भी वहीं होती है आंसर बन जाएगा थर्ड ऑप्शन आंसर बनाएंगे थर्ड ऑप्शन आंसर बनाएंगे थर्ड ऑप्शन सी ऑप्शन करेक्ट होगा बेटा यहां पर आंसर थ्री इसका सी करेक्ट होगा <coughs> अगला देखेंगे अगला डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है आप देखें फटाफट से आंसर कर सकते हैं आप चाहें तो आप फटाफट से आंसर कर सकते हैं चाहें तो ये जो ए है वो है कोरोना रेडिएटा डायग्राम में अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो मैं नाम लिख दे रहा हूं ये है कोरोना रेडिएटा यहां जो सी आप देख रहे हो ये है पेरी स्पेस अभी मैंने लेवल किया था पेरीवाइट लाइन स्पेस कहते हैं इसको सी हो गया पेरीवाइट लाइन स्पेस और बी होती है जोना पेल्यूसिडा डायग्राम चित्र बिल्कुल क्लियर अगर नहीं है तो मैं आपको यहां लेवल करके दिखा दे रहा हूं आप इसको नोट कर ले बी है जोना पेल्यूसिडा तो बी हो गया जोना पेलिसिडा ये भी जोना पेलिसिडा ये भी जोना पेलिसिडा ये भी ये है वाइट लाइन पहले कोरोना रेडिएटा और फिर पेरी वाइट लाइन इसका मतलब आंसर बनेगा डी ऑप्शन आंसर बनेगा डी ऑप्शन डी विल बी करेक्ट फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा ठीक है जी <coughs> एम्ब्रियो डेवलप्स फ्रॉम एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कहां से होता है मैंने अभी आप बताया था फ्यूचर एम्ब्रियो जो डेवलप होता है वो होता है एम्ब्रियो ब्लास्ट से किससे डेवलप होता है एम्ब्रियो जो होता है वो एम्ब्रियो ब्लास्ट से डेवलप होता है ट्रोफोब्लास्ट से नहीं होता इनर सेलमास जो होता है वही इनर ब्लास्ट बनाता है एम्ब्रियो ब्लास्ट बनाता है तो आंसर बनाएंगे सेकंड ऑप्शन क्या बनाएंगे सेकंड ऑप्शन आंसर बनाएंगे सेकंड ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन फिर आता है असर्शन रीजन का क्वेश्चन नॉट ऑल कॉपुलेशन लीड टू फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी फर्टिलाइजेशन कैन ओनली अकर वेन द फर्ट ओवम एंड स्पर्मसम साइमल्टेनियसली ट्रांसपोर्टेड टू द एम्पुला जल्दी बताएं इस क्वेश्चन का आंसर बताएं देखता हूं कितने लोग सही बताते हैं देखता हूं कितने बच्चे सही बनाते हैं देखता हूं कितने बच्चे आंसर सही बताते हैं जल्दी बताएं देखता हूं कितने बच्चे सही आंसर देते हैं इस क्ला इस क्वेश्चन का सही आंसर कितने लोग देते हैं हे 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 ओ हो हो ए हे, हे पढ़ के करो आंसर पहले ही बता दे रहा हूं पढ़ के करो फंसाया है इस सवाल में इस सवाल में आपको फंसाया गया है इस सवाल में आपको फंसाया गया है बाबूजी जी फंसाया गया है आपको इस सवाल में फंसाया है आपको देखें जरा यह लिखा है पहले पहला स्टेटमेंट है नॉट ऑल कॉपुलेशन लीड टू फर्टिलाइजेशन ये तो सही हो गया कह रहे फर्टिलाइजेशन को एन ओनली अगर ओवम एंड द स्पर्म साइमल्टेनियसली ट्रांसपोर्टेड टू एम्प्यूला ऑफ वास बोला है क्या बोला है एम्प्यूला ऑफ वास बोला है तो एम्पूला ऑफ वास रॉन्ग हो जाएगा <coughs> वास डिफरेंस में कब से फर्टिलाइजेशन होने लगा भाई वास डिफरेंस में कब से फर्टिलाइजेशन हो रहा है भाई वास डिफरेंस में कब से फर्टिलाइजेशन होएगा? फंस गए सारे फस गए सारे फंस गए सारे फंस गए बेबी और तुम जब फंस गए तो कहानी में आप देखोगे ओनली ए इज करेक्ट ओनली स्टेटमेंट ए इज करेक्ट तो आंसर बनेगा वन क्या बनेगा आंसर बनेगा ए मोए 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 जिसने चार किया तीन किया दो किया सबका मोके मोके कर दिया हमने ध्यान रखेंगे ध्यान रखेंगे ऐसे सवाल फंसा सकते हैं आपको विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मोरूला इज करेक्ट अब देखे ये आया हुआ सवाल है ये भी नीट में आया हुआ सवाल है मोरूला हैज मोर साइटोप्लाज्म रॉन्ग ऑलमोस्ट इक्वल साइटोप्लाज्म एंड अनि एज एन अनकलीव्ड जाइगोड बट विद मोर डीएनए ये सही हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन डीएनए की अमाउंट ज्यादा हो जाती है लेकिन साइटोप्लाज्म की अमाउंट सेम रहती है याद रखेंगे ये जो होगा सेकंड न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो क्लीवेज में बढ़ता है याद रखेंगे क्लीवेज के दौरान एन बाई सी हमेशा इंक्रीज करता है एन बाई सी न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो हमेशा इंक्रीज करता है आंसर बनेगा सेकेंड <coughs> आइडेंटिफाई द ह्यूमन डेवलपमेंटल स्टेज एज वेल एज रिलेटेड राइट प्लेस ऑफ इट्स इन द नॉर्मल प्रेगनेंट वीमेन ये देखें कह रहे ये जो चित्र है इस चित्र में आप देखें यहाँ पे ये जो दिखाई दे रही है इसे कह रहे हैं इनर सेलमास ये है इनर सेलमास और बाहर है आउटर सेलमास इसको कह रहे हैं ब्लास्टोसिस्ट क्या नाम है इसका इसका नाम है ब्लास्टोसिस्ट तो ब्लास्टोसिस्ट ये रहा ये है ब्लास्टोसिस्ट और इसकी अकरेंस कहां होती है यूटराइन रीजन में होती है पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट वन विल बी करेक्ट फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसके बाद आता है इसके बाद आता है रिसेप्टर्स फॉर स्पर्म बाइंडिंग इन स्पर्म्स आर प्रेजेंट ऑन स्पर्म बाइंडिंग के रिसेप्टर्स हमने पढ़े थे ओवम की मेम्ब्रेन ये रहा ओवम और ये रहा इसके बाहर का मेंब्रेन जिसे हम कहते हैं जिसे हम कहते हैं जोना पेल्यूसिडा क्या कहते हैं इसे कहते हैं जोना पेल्यूसिडा जेड पी थ्री रिसेप्टर्स पाए जाते जेड पी थ्री रिसेप्टर्स पाए जाते हैं जोना रिसेप्टर्स कहते हैं इनको तो आंसर बनाएंगे कौन सा जोना पेल्यूसीडा कहेंगे आंसर होगा थर्ड ऑप्शन आंसर होगा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बिल्कुल बेहतरीन ऑप्शन <laughs> फिर आता है एक्सट्रूजन ऑफ सेकेंड पोलर बॉडी फ्रॉम एग न्यूक्लियस अकर्स इन तो एग न्यूक्लियस से जब सेकेंड पोलर बॉडी कब निकलेगी जब स्पर्म की एंट्री होगी जैसे ही स्पर्म एंटर करेगा मियोटिक सेकेंड डिवीजन कंप्लीट होता है एंट्री ऑफ स्पर्म जैसे ही होता है एंट्री ऑफ स्पर्म जब होगा तो मियोसिस सेकेंड विल कंप्लीट ये मियोसिस सेकंड कंप्लीट हो जाएगा तो एंट्री ऑफ पर बिफोर फर्टिलाइजेशन आंसर बनाएंगे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन वन विल बी करेक्ट ओनली वन विल बी करेक्ट फिर आता है कैपेसिटेशन कहां होता है कैपेसिटेशन अभी मैंने डेफिनेशन भी बताई थी आपको कैपेसिटेशन की डेफिनेशन बताई थी कि कैपेसिटेशन स्पर्म फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का इस्तेमाल करके फर्टिलाइजेशन की एबिलिटी डेवलप करता है तो आंसर बनेगा फोर्थ ऑप्शन डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फोर्थ विल बी करेक्ट चौथा ऑप्शन डी विल बी करेक्ट 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 फिर कह रहे हैं फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमंस इज प्रैक्टिकली फीजिबल ओनली इफ स्पर्म्स आर ट्रांसपोर्टेड टू वजाइना रोंग ओवम स्पर्म ट्रांसपोर्टेड टू द एम्पलरी स्थमिक जंक्शन ये देखो ये देखो नीट का ऐसा सवाल जो नीट 2016 में आया था नीट 2016 में पूछा गया था नीट 2016 में पूछा गया था और उस समय ओल्ड एनसीआरटी चलती थी पुरानी एनसीआरटी चलती थी ओल्ड एनसीआर -E चलती थी और उस ओल्ड एनसीआर -E में लिखा हुआ था कि साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन जो होती है वो एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन पे होती है पुरानी एनसीआर -E में लिखा था कि फर्टिलाइजेशन एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन पे होती है नई एनसीआर -E जो न्यू एन -E कहती है न्यू <coughs> एन -E कहती है कि फर्टिलाइजेशन की सही जगह फर्टिलाइजेशन की सही जगह है एम्प्यूला कौन सा प्यूला एम्प्यूला फर्टिलाइजेशन की सही जगह एम्पुला है बट आंसर हम करेंगे सेकंड ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए ह्यूमन फीमेल्स मियोसिस सेकंड नॉट कंप्लीटेड अंटिल अंटिल सेकेंड मियोसिस कब तक नहीं होगा जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा जब तक स्पर्म पेनिट्रेट नहीं करेगा तब तक फर्टिलाइजेशन पूरा नहीं होगा तो तब तक फर्टिलाइजेशन पूरा नहीं होगा आंसर बनेगा वन डिवीजन पूरा करने के लिए स्पर्म की एंट्री बेहद ज़रूरी है स्पर्म की एंट्री बेहद ज़रूरी है फिर आता है कैपेसिटेशन रिफर्स टू द चेंजेस इन स्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन स्पर्म का फर्टिलाइजेशन से पहले जो चेंज होता है उसे कहते हैं कैपेसिटेशन आंसर होगा थर्ड ऑप्शन आंसर होगा थर्ड ऑप्शन प्रेगनेंसी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट फटाफट लिख लेते हैं कुछ पॉइंट्स इसके मेन मेन लिख लेते हैं जैसे इसमें प्लेसेंटा पे सवाल आता है प्लेसेंटा पे सवाल आता है प्लेसेंटा placenta और प्लेसेंटल हॉर्मोन्स पे सवाल आता है इसको फटाफट से लिख लेंगे प्लेसेंटा कंप्लीटली डेवलप हो जाती है प्लेसेंटा फुल्ली डेवलप्ड हो जाती है फुली डेवलप्ड प्लेसेंटा की अगर मैं बात करता हूं प्लेसेंटा फुल्ली डेवलप्ड प्लेसेंटा फुल्ली डेवलप्ड हो जाती है टेन टू 12 वीक्स में टेन टू ट्वेल्व वीक्स में फुली डेवलप्ड हो जाती है प्लेसेंटा प्लेसेंटा पूरी तरह से डेवलप हो जाती है ह्यूमंस में इन ह्यूमंस प्लेसेंटा जो होती है इन ह्यूमंस प्लेसेंटा जो होती है वो होती है हीमोकोरियल कैसी होती है इसे कहते हैं हीमोकोरियल प्लेसेंटा हीमोकोरियल प्लेसेंटा होती है ह्यूमन के केस में जो कोरियन से डिराइव्ड होती है और प्लेसेंटा जो होती है वो एक्ट लाइक एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है एक्ट लाइक एंडोक्राइन ग्लैंड प्लेसेंटा के हॉर्मोन्स पे सवाल पूछे जाते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह एक्ट करती है और प्लेसेंटा के हार्मोन्स जो होते हैं वो याद रखेंगे प्लेसेंटा के हॉर्मोन्स होते हैं एच पी एच ई ह्यूमन के प्लेसेंटा के हॉर्मोन्स होते हैं एच पी एच ई एच पी एच ई नाम के स्ट्रक्चर्स याद रखेंगे एक होता है एच पी एल और एक होता है एच सी जी एक होता है प्रोजेस्टेरॉन प्रोजेस्टेरॉन होता है और होता है एस्ट्रोजन प्लेसेंटा से रिलीज होने वाले हार्मोन्स ये लिस्ट याद कर ले एच पी एल एच सी जी प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन ये चार हॉर्मोन प्लेसेंटा से रिलीज होते हैं लेकिन यहां पे एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फीमेल बॉडी में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अदर हॉर्मोन्स अदर हॉर्मोन्स ऑल्सो इंक्रीज अदर हॉर्मोन्स ऑल्सो इंक्रीज फीमेल के बॉडी में अदर हॉर्मोन्स आल्सो इंक्रीज टू सपोर्ट प्रेगनेंसी किसको सपोर्ट करने के लिए टू सपोर्ट प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए दूसरे हॉर्मोन्स बढ़ जाते हैं उन हॉर्मोन्स का नाम है उन हॉर्मोन्स का नाम जरूर याद रखेंगे जैसे एक होता है थाइरोक्सिन थाइरोक्सिन नाम का हार्मोन भी बढ़ जाता है एक होता है जिसे कहते हैं जिसे कहते हैं स्ट्रेस रिलीजिंग हार्मोन है ये एंटी स्ट्रेस हार्मोन स्ट्रेस हार्मोन है ये कोर्टिसोल बढ़ जाता है फीमेल की बॉडी में प्रेगनेंसी के दौरान इसके अलावा प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन भी बढ़े होते हैं प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन भी बढ़े होते हैं प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन भी बढ़े हुए होते हैं जो फीमेल में प्रेगनेंसी को सपोर्ट कर रहे होते हैं और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिलैक्सिन नाम का हार्मोन इस पर बहुत सारे सवाल मिल जाएंगे आपको रिलैक्सिन जो हार्मोन है ये लेटर स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी की लेट स्टेज में लेटर स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी लेटर स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी में रिलीज होने वाला हार्मोन है जो कि सिक्रीटेड फ्रॉम कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ ओवरी कॉर्पस ल्यूटियम से रिलीज होता है कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ ओवरी से रिलीज होने वाला हार्मोन है ये और ओनली फ्रॉम ओवरी एन टी कहती है अकॉर्डिंग टू एन सी आर टी याद रखेंगे अकॉर्डिंग टू एन सी आर टी हमारी जो सबसे प्राथमिक देवी है एन टी देवी जिन्हें कहा जाता है वो कहती है ओनली फ्रॉम ओवरी ओनली फ्रॉम ओवरी आने वाला हॉर्मोन है ये जिसका नाम है रिलैक्सिन क्या नाम है रिलैक्सिन एन कहती है क्या करता है ये ये रिलैक्स करता है स्मूथ करता है रिलैक्सिस और स्मूथेंस द प्यूबिक सिम्फाइसिस प्यूबिक सिम्फाइसिस प्यूबिक सिम्फाइसिस ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ चाइल्ड बर्थ के दौरान बच्चे के जन्म के दौरान यूटरस की वॉल को रिलैक्स करना और प्यूबिक सिंफाइसिस ध्यान से सुने फीमेल की बॉडी में बर्थ के दौरान यूटरस पे बहुत भयंकर जबरदस्त प्रेशर जनरेट होता है चाइल्ड बर्थ के दौरान यूटरस की वॉल पे बहुत जबरदस्त प्रेशर जनरेट होता है और उस समय जब प्रेशर जनरेट होता है बहुत हाई प्रेशर तो यूटरस की वॉल पे स्ट्रेस बढ़ जाता है और उसको ये रिलैक्स करने का काम करता है ये रिलैक्सेशन करने का काम करता है इस हार्मोन का नाम होता है रिलैक्सिन <coughs> तो इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्लेसेंटा का हार्मोन कौन सा है प्रेग्नेंसी में कौन कौन से हार्मोन फीमेल बॉडी में बढ़ जाते हैं और रिलैक्सिन का फंक्शन क्या है इसको आप याद कर लेना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है इसको ध्यान रखोगे मदर की बॉडी में फीमेल की बॉडी में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में कुछ मेजर इवेंट्स में लिखने जा रहा हूं ध्यान से सुनेंगे ध्यान से सुनेंगे फीमेल की बॉडी में मेजर इवेंट्स की बात करने जा रहा हूं मैं कुछ मेन पॉइंट लिख लेते हैं मेजर इवेंट्स मेजर इवेंट्स मेजर इवेंट्स ड्यूरिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी के दौरान मेजर इवेंट्स होती हैं जरा उनको लिख लेते हैं मेजर इवेंट्स में जैसे मैंने कहा आफ्टर इंप्लांटेशन गैस्ट्रुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है जिसे कहते हैं गैस्ट्रुलेशन गैस्ट्रुलेशन जो प्रोसेस है दैट प्रोसेस स्टार्ट ऑन फिफ्टींथ डे फिफ्टींथ डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन गैस्ट्रुलेशन स्टार्ट ऑन फिफ्टींथ डे और होता क्या है गैस्ट्रुलेशन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान इस प्रोसेस को कहते हैं मोरफो मोरफोजेनेटिक मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट थोड़ा बोरिंग हो रहा है ना आप लोग के लिए लेकिन आप सोच के देखो मेरी कोशिश पूरी है कि टाइमली आपको कंप्लीट करा दिया जाए ज्यादी चीजें जो एक्स्ट्रा एबीसीडी है उनको छोड़ करके आपको कंप्लीट करा दिया जाए थोड़ा ज्यादा बोरिंग हो गया होगा ना थोड़ा ज्यादा लंबा हो गया होगा ना थोड़ा ज्यादा लंबा हो गया ना राजा ए राजा, ए राजा, चुम्मी ए राजा, ए राजा है, लिए चुम्मी लेके आजा है, लव यू मेरा बच्चा बस बस थोड़ा सा समय और कर लो थोड़ा सा समय और कर लो फा थोड़ा सा समय और दे दो बस फटाफट खत्म कर दूंगा थोड़ा 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 समय और ले लो खत्म कर दूंगा उसके ये चैप्टर बड़ा था एक्चुअल में ये एक्चुअल में चैप्टर बड़ा था बेटा पता है आपको <coughs> ये चैप्टर जो था वो थोड़ा बड़ा था बहुत लेंदी था इतना बड़ा चैप्टर आपके पूरे बायो में आपको देखोगे नहीं मिलेगा इतना बड़ा चैप्टर पूरे बायो में आपको नहीं मिलेगा बाकी सब चैप्टर में शॉर्ट शॉर्ट में पढ़ा के निपटा जा सकता है इस चैप्टर में आप शॉर्ट नहीं कर सकते इस चैप्टर को आप शॉर्ट नहीं कर सकते इस चैप्टर को हम ज्यादा शॉर्ट नहीं कर सकते हर बात इसमें हर बात में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक्सप्लेनेशन है फिर भी को, बहुत सारी चीजों में बहुत ज्यादा एक्सप्लेनिंग ना करके कोशिश करिए कॉन्साइज करने की फिर भी कोशिश करी है कॉन्साइज करने की ये बहुत बड़ा चैप्टर है ये ठीक है जी तो अब जल्दी से शुरू कर जल्दी से कंप्लीट करते हैं जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं बस फटाफट कंप्लीट कर लेंगे अब ज्यादा परेशान नहीं करूंगा आप लोगों को ठीक है बहुत लंबा चैप्टर है आप देखोगे एनसीईआरटी के, के पेजेस देखोगे सात आठ तो प्रोसेस ही दिए हुए हैं सात आठ यूनिट में ही डिवाइड किया है इसको है ना लव यू मेरा बच्चा है तू देखो इधर देखो कह रहे मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट ऑफ एम्ब्रियोनिक सेल्स मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट ऑफ एम्ब्रियोनिक सेल्स टू फॉर्म ऑल ऑल प्राइमॉर्डियल जर्म लेयर्स एम्ब्रियो की जो जर्म लेयर्स होती हैं प्राइमोडियल जर्म लेयर्स होती है उन प्राइमोडियल जर्म लेयर्स का फॉर्मेशन करती है ये और उस प्राइमॉडियल जर्म लेयर्स में आप देखोगे उन प्राइमोडियल जर्म लेयर्स में नाम होता है उनका उन्हें कहते हैं एक्टोडर्म उन्हें कहते हैं एंडोडर्म और उन्हें कहते हैं मीजोडर्म क्या कहते हैं मीजोडर्म कह रहे सारी की सारी एम्ब्रियोनिक लेयर्स जो होती हैं एक्टो एंडो मीजो कह रहे हैं इनका फॉर्मेशन होता है जिस प्रोसेस में उसे कहते हैं गैस्ट्रुलेशन और गैस्ट्रुलेशन जो होता है ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि फिफ्टींथ डे को स्टार्ट होता है एक्टो एंडो मीज़ोडर्म बनती है इन्हीं एक्टोमीजोडम से ऑल टिश्यूज़ ऑफ द बॉडी ऑल टिश्यूज ऑफ द बॉडी जितने भी हमारे बॉडी के टिश्यूज होते हैं वो इन्हीं से डराइव होते हैं और जब टिश्यू बनता है तो टिश्यू से ही ऑर्गन बनते हैं और जब ऑर्गन बनते हैं तो उसी से हमारा ऑर्गन सिस्टम बनता है क्या बनता है ऑर्गन सिस्टम बनता है तो याद रखेंगे पहले जाइगोट एक सिंगल सेल था जाइगोट एक सिंगल सेल था आप देखो इसी जाइगोट से इसी जाइगोट से मोरियुला बना इसी जाइगोट से मॉरियूला बना इसी जाइगोट से ब्लास्टोसिस्ट बना इसी ब्लास्टोसिस्ट से गैस्ट्रूला gastrula बना गैस्ट्रुलेशन स्टार्ट हुआ और इसी गैस्ट्रुलेशन से एक्टो एंडो मीज़ोडर्म बना एक्टोडर्म एंडोडर्म और मीज़ोडर्म बना और इसी से बाकी बॉडी के सारे टिश्यूज बने इसी से टिश्यूज बने और इसी से ऑर्गन्स बने तो हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम है वो इसी स्ट्रक्चर से डेवलप होते हैं इसे कहते हैं हम इसे कहते हैं हम गैस्ट्रूला प्रोसेस गैस्ट्रुलेशन ह्यूमन <coughs> के बॉडी में एम्ब्रियोनिक <coughs> डेवलपमेंट में आप याद रखोगे वन मंथ की प्रेगनेंसी के बाद वन मंथ की प्रेग्नेंसी के बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आफ्टर वन मंथ ऑफ प्रेगनेंसी आफ्टर वन मंथ ऑफ प्रेगनेंसी आफ्टर वन मंथ बेबी एम्ब्रियो का हार्ट बीट करना शुरू कर देता है हार्ट बन चुका है और उसकी बीटिंग शुरू हो जाती है हार्ट बीटिंग स्टार्ट्स जिसको स्टेथोस्कोप की मदद से सुना जा सकता है स्टार्ट हो जाती है जिसको स्टेथोस्कोप की मदद से सुना जा सकता है आफ्टर ये सब आप एनसीईआरटी में पढ़ते हो आफ्टर सेकेंड मंथ या ड्यूरिंग सेकेंड मंथ अगर हम लिखें ये सब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है इसको आप क्या ही लिखोगे लिखने की तो कोई खास जरूरत नहीं है आप केवल इतना लिख लो ड्यूरिंग सेकेंड मंथ ड्यूरिंग सेकेंड मंथ लिम्स हाथ और पैर बनने शुरू हो जाते हैं लिम्स एंड डिजिट्स फॉर्म होने लगती है लिम्स और डिजिट्स फॉर्म हो जाती हैं ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं याद रखेंगे याद रखेंगे आफ्टर थ्री मंथ्स आफ्टर थ्री मंथ्स तीन महीने होने के बाद ऑल मेजर ऑर्गन्स डेवलप क्या हो जाते हैं ऑल मेजर ऑर्गन्स डेवलप सारे मेजर ऑर्गन्स जो होते हैं वो डेवलप कर जाते हैं एक्सटर्नल जेनाइटेलिया फॉर्म हो जाती है एक्सटर्नल जेनाइटेलिया फॉर्म हो जाती है मेल और फीमेल के जो एक्सटर्नल जेनाइटल पार्ट्स होते हैं वो फॉर्म हो जाते हैं एक्सटर्नल जेनाइटेलिया फॉर्म हो जाती है और एक्सटर्नल जेनाइटल्स के साथ साथ ऑल मेजर ऑर्गन डेवलप एक्सटर्नल जेनाइटेलिया फॉर्म और लिम्स जो होते हैं वो वेल well डेवलप्ड हो जाते हैं लिम्स पूरी तरह से डेवलप्ड हो जाते हैं पांच महीने के बाद आफ्टर फाइव मंथ जो होता है फर्स्ट फीटल मूवमेंट फिफ्थ मंथ में फर्स्ट फीटल मूवमेंट फर्स्ट फीटल मूवमेंट इज फेल्ट बाय मदर फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस फीटस की जो मूवमेंट है इज फेल्ट बाय मदर मदर उसे फील कर लेती है ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जो एनसीआर में दिए हैं आप याद कर सकते हो हेयर्स फॉर्म हो जाते हैं पांचवें महीने में हेयर्स ऑन स्कैल्प हेड के ऊपर हेयर्स ऑन हेड स्कैल्प के ऊपर जो हेड के ऊपर के हेयर्स होते हैं जो हेड के हेयर्स होते हैं वो फॉर्म हो जाते है. छः महीने गुजर जाने के बाद जैसे ही चौबीस हफ्ते गुजरते हैं ट्वेंटी फोर वीक्स गुज़रते हैं या सिक्स मंथ हो जाते हैं उसके बाद आई लिड जो होती है आई लिड सेपरेट हो जाती है आंखें खुल जाती हैं आईलिड्स अलग अलग हो जाती है सेपरेट हो जाती है आई लैशेज बन जाते हैं आई लैशेज आईब्रो बन जाते हैं आई लैशेज फॉर्म हो जाते हैं आई लिड्स सेपरेट हो जाते हैं तो आप देखोगे बच्चे के सारे मेजर पार्ट जो होते हैं मेजर पार्ट जो होते हैं मेजर स्ट्रक्चर्स डेवलप हो जाते हैं ये पॉइंट्स हैं ये पॉइंट्स से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ये इसमें कुछ एक्सप्लेन नहीं करना है कोई चीज एक्सप्लेन नहीं करना है इन पॉइंट्स में कुछ एक्सप्लेन नहीं करना कोई मैकेनिज्म नहीं पढ़ना है आपको एज सच याद कर लेना है बस आपको इन पॉइंट्स को केवल याद कर लेना है मेन मेन पॉइंट्स हैं फटाफट से इसको आप याद कर लो बस और कुछ नहीं करना है राजा बाबू ओ मेरे राजा बाबू कर लें अब इसको फटाफट से लास्ट टॉपिक पे कर लेते हैं पार्चुरेशन और लैक्टेशन कर लें खत्म कर लेते हैं पार्चुरिशन लैक्टेशन करके खत्म कर लेते हैं क्वेश्चन उसके बाद फटाफट से कर लेंगे एक तरफ बता देता हूं पार्चुरिशन एक तरफ आपको बता देता हूं पार्चुरिशन और दूसरी तरफ मैं बात बता देता हूं लैक्टेशन की कहानी जो एनसीईआरटी में दी हुई है बस उसी को खत्म कर लेते हैं पार्चुरिशन एंड लैक्टेशन पार्चूरिशन और लैक्टेशन दोनों का दोनों एक कॉम्प्लेक्स न्यूरो मैकेनिज्म होता है न्यूरोएंडोक्राइन मैकेनिज्म कहते हैं इसको पार्चूरीशन कहा जाता है इस पार्चूरीशन के प्रोसेस को चाइल्ड बर्थ कहते हैं क्या कहते हैं चाइल्ड बर्थ कहते हैं और इसके लिए रिफ्लेक्स एक्शन जनरेट होता है क्या होता है इसे कहते हैं एक रिफ्लेक्स एक्शन होता है इसे कहते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स क्या होता है इसे कहते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स और ये जो फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स है जनरेट करता है ये जनरेट करता है फुल टर्म फीटस कौन जनरेट करता है फुली डेवलप्ड फीटस जिसे कहते हैं फुल टर्म फीटस एंड दूसरा फैक्टर होता है जिसे कहते हैं प्लेसेंटा जिससे हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं प्लेसेंटा तो फुल टर्म फीटस एंड प्लेसेंटा ये दोनों फैक्टर्स मिल करके के इस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं इस रिफ्लेक्स एक्शन को कंप्लीट करते हैं इस प्रोसेस में फुल टर्म फीटस और प्लेसेंटा दोनों इन्वॉल्व होती है फुल टर्म फीटस और प्लेसेंटा दोनों इन्वॉल्व होती है ट्रिगर करती है बर्थ के प्रोसेस को जैसे ही फुल टर्म फीटस एक्टिव हो जाता है याद रखेंगे फुल टर्म फीटस जैसे ही एक्टिव हो जाता है या फुल्ली डेवलप्ड हो जाता है आफ्टर नाइन मंथ्स आफ्टर नाइन मंथ्स यूजुअली जो दो नाइन मंथ्स का पीरियड है जिसे गैस्टेशन पीरियड कहते हैं गैस्टेशन पीरियड कहते हैं टू सिक्सटी सिक्स प्लस माइनस सेवन डेज टू सिक्सटी सिक्स प्लस माइनस सेवन डेज नाइन मंथ का जो पीरियड होता है फुल टर्म फीटस फॉर्म हो जाता है यूजुअली, फीटस फुल डेवलप्ड हो जाता है फुल टर्म फीटस फॉर्म हो जाता है फुल टर्म फीटस इज फॉर्मड ये फुल टर्म फीटस प्लेसेंटल हॉर्मोन्स को एक्टिवेट करता है प्लेसेंटा प्लेसेंटा स्टार्ट्स स्टार्टिस सिंथेसिस ऑफ मोर एस्ट्रोजन हॉर्मोन्स क्या करने लगता है प्लेसेंटा बहुत ज्यादा अमाउंट में एस्ट्रोजन नाम का हॉर्मोन प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है इसकी वजह से क्या होता है देयर इज चेंज इन चेंज इन द रेशियो चेंज इन रेशियो ऑफ चेंज इन रेशियो ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टरॉन इसे कहते हैं ई बाईपी रेशो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का रेशियो चेंज हो जाता है और ऐसे केस में क्या होता है ऐसी कहानी में क्या होता है दिस ट्रिगर्स ट्रिगर्स द रिलीज ऑफ दिस ट्रिगर्स द रिलीज ऑफ बर्थ हारमोन बर्थ हारमोन जो बर्थ हारमोन होता है उसका रिलीज ट्रिगर होता है जिसका नाम है ऑक्जीटोसिन ऑग्जीटोसिन फ्राम पोस्टीरियर पिट्यूटरी ऑफ मदर फ्रॉम पोस्टीरियर पोस्टीरियर पिटविटरी ऑफ मदर पोस्टीरियर पिटविटरी ऑफ मदर से ऑग्जीटोसिन रिलीज होता है ऑक्जिटोसिन के जो रिसेप्टर होते हैं ऑक्जिटोसिन बाइंडस टू इट्स रिसेप्टर बाइंडस टू इट्स रिसेप्टर्स ऑन मायोमेट्रियम इसके रिसेप्टर्स कहा होते हैं रिसेप्टर्स ऑन मायोमेट्रियम ये जो मायोमेट्रियम होती है उसकी वॉल में लोकेटेड होते हैं और इसी वजह से शुरुआत होती है लेबर पेन की लेबर पेन स्टार्ट्स चाइल्ड बर्थ का जो पेन होता है जिसे लेबर पेन कहते हैं दैट लेबर पेन स्टार्ट्स ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायोमेट्रियम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायोमेट्रियम इसमें सारी बातें आ गई आप देखो इसमें सारी बातें आ गई हैं सारे पॉइंट्स आ गए हैं मायोमेट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन होगा मायोमेट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगी और उसके बाद फिर चाइल्ड बर्थ होती है इसे बर्थ हार्मोन कहते हैं फीटल इजेक्शन हो जाता है बेबी की बर्थ हो जाती है तीन स्टेजेस में होती है याद रखेंगे पार्चूरिशन की तीन स्टेजेस होती हैं पार्चुरशन जो होती है पार्चूरिशन की तीन स्टेजेस होती हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी जैसे ही हार्मोन रिलीज करती है ध्यान से सुनेंगे ये मान लेते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है ये ये मान ले पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है ये पिट्यूटरी ग्लैंड है और इसके पोस्टीरियर पार्ट से यहाँ पे आपने पढ़ा होगा इंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ा होगा बेटा जी ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी है जहां पे हार्मोन स्टोर होते हैं ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन यहां से रिलीज होता है ये ऑक्सीटोसिन बाइंड करता है मायोमेट्रियम से बाइंड्स विद मायोमेट्रियम मेट्रियम से बाइंड करता है और शुरुआत होती है बर्थ रेफ्लेक्स की शुरुआत होती है किसकी शुरुआत होती है बर्थ रेफ्लेक्स की शुरुआत होती है जैसे ही बर्थ रिफ्लेक्स शुरू होती है तीन स्टेजेस आती हैं सबसे पहले आती है डायलेशन स्टेज क्या होती है डायलेशन स्टेज आती है सबसे पहले डायलेशन स्टेज फिर आती है उसके बाद आती है एक्सपल्शन स्टेज एक्सपल्शन स्टेज सेकेंड स्टेज होती है एक्सपल्शन स्टेज और थर्ड स्टेज होती है जिसे कहते हैं प्लेसेंटल स्टेज जिसे आफ्टर बर्थ भी कहा जाता है आफ्टर बर्थ स्टेज कहा जाता है इसे कहते हैं प्लेसेंटल स्टेज तीन स्टेज में कंप्लीट होता है ये पार्चुरेशन का प्रोसेस तीन स्टेज में कंप्लीट होता है पार्चुरेशन का प्रोसेस डायलेशन में क्या होती है इस प्रोसेस में डायलेशन ऑफ सर्विक्स होती है जो बर्थ कैनाल है उसकी डायलेशन शुरू होती है सर्विक्स की डायलेशन होती है एक्सपल्शन स्टेज अच्छा डायलेशन स्टेज में डायलेशन ऑफ सर्विक्स होती है और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन रपचर कर जाती हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स जो होती है एमनियन और कोरियोन जिसे कहते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स जो होती हैं वो रपच्चर कर जाती हैं ब्रेक हो जाती हैं और एमनियोटिक फ्लूड बाहर निकलने लगता है फीमेल की बॉडी से एमनियोटिक फ्लूड बाहर निकलने लगता है एमनियोटिक फ्लूड कम्स आउट एमनियोटिक फ्लू आउट निकलता है इसी से फीमेल को ये एहसास हो जाता है कि उसकी बॉडी में अब फीमेल जो है अब उसके बेबी के बर्थ होने वाली है बेबी अब नीचे की तरफ आगे की तरफ अब बढ़ने वाला है बर्थ का टाइम आ चुका है ये वो टाइम है एक्सपल्शन स्टेज का जहाँ पे चाइल्ड की बर्थ होगी ये वो टाइम है जहां चाइल्ड की बर्थ होगी इसे कहते हैं बर्थ स्टेज द बेबी कम्स आउट द बेबी कम्स आउट थ्रू बर्थ कैनाल कहा से कम्स आउट थ्रू द बेबी कम्स आउट थ्रू बर्थ कैनाल कहाँ से बाहर निकलता है बर्थ कैनाल से बाहर निकलता है फाइनली बर्थ कैनाल से बाहर निकलता है बेबी बाहर आ चुका है जमाने में लोगों के सामने आ चुका है खुशियां मनाए लड़का हो या लड़की खुशी मनाए इट मे बी बेबी बॉय इट मे बी बेबी गर्ल जो डिसाइड करता है स्पर्म करता है ये जो बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगा ये कौन डिसाइड करेगा अगर स्पर्म एक्स वाला है अगर एक्स स्पर्म वाई वाला है वो डिसाइड करेगा कि अब जो एम्ब्रियो बनेगा जो जाइोड बनेगा वो एक्स वाई बनेगा या एक्स एक्स बनेगा ये जो स्पर्म और ओवा ने पहले ही फर्टिलाइजेशन के टाइम डिसाइड कर लिया था ये प्रोसेस कब डिसाइड हुआ था एट द टाइम ऑफ फ्यूजन एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन ये डिसाइड हो गया था कि लड़का होगा या लड़की होगी पहले ही पता चल चुका था पहले ही बन गया था ये ये होगी बेबी गर्ल या ये होगा बेबी <coughs> तो ये होगा बेबी बॉय सिंपल सी बात है तो यहां पे आप सभी लोगों के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन बधाई हो आप सभी लोग एक नन्हे मुन्ने गोबर सिंह के जन्म के लिए आप बिल्कुल तैयार हैं एक बेबी जन्म ले चुका है इस बेबी का जन्म हो चुका है दैट कम्स आउट थ्रू द बर्थ कैनल एंड अंबिलिकल कॉर्ड अम्बिलिकल कॉर्ड को काट दिया जाता है अम्बलिकल कॉर्ड इज कट अम्बलिकल कॉर्ड एक ऐसी कॉर्ड थी जो फीटस को कनेक्ट कर रही थी प्लेसेंटा से उसे काट दिया गया है अम्बिलिकल कार्ड अब कट चुकी है और कटने के बाद बेबी के सर्कुलेटरी सिस्टम या रेस्परेटरी सिस्टम में मेजर चेंज आते हैं मेजर चेंजेज मेजर चेंजेज इन रेस्पायरेशन बच्चे के रेस्पायरेशन में चेंज आता है शन लंग्स फंक्शनल हो जाते हैं क्या हो जाते हैं लंग्स फंक्शनल हो जाते हैं बच्चे की क्राइंग के साथ बच्चा उधर रोता है विद फर्स्ट क्राई ऑफ द बेबी जैसे ही बच्चा फर्स्ट क्राइंग करता है लंग्स फंक्शनल हो जाते हैं एंड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम में भी चेंज आता है सर्कुलेटरी सिस्टम में भी चेंज आता है देर इज मेजर स्विच ओवर मेजर चेंजेस इन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रेस्पाइरेटरी एडजस्टमेंट्स और आधे घंटे बाद आफ्टर बर्थ आफ्टर थर्टी मिनट्स आफ्टर थर्टी मिनट्स तीस मिनट के बाद प्लेसेंटा भी बाहर आ जाती है प्लेसेंटा ऑलसो ऑलसो डिटैच्ड एंड कम्स आउट फीमेल बॉडी से प्लेसेंटा भी बाहर आ जाती है फ्रॉम फीमेल बॉडी आधे घंटे के बाद फीमेल बॉडी से प्लेसेंटा भी बाहर आ जाती है इसे कहते हैं आफ्टर बर्थ तो ये तीन स्टेज में बर्थ का प्रोसेस कंप्लीट होता है जो एक कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है जिसमें न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होते हैं जिसमें नर्व इन्वॉल्व होती है हॉर्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है बोलो भाई समझ आ गया <coughs> 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 बोलो बोलो ये समझ में आ गया ये क्लियर हो गया बेबी का बर्थ हो चुका है हमारे बीच में बेबी आ चुका है और यहाँ पे अब जरूरत पड़ेगी जो सबसे पहली चीज़ वो ज़रूरत पड़ेगी वो है मिल्क की न्यूट्रिशन की उस बेबी को जन्म की अब जन्म के बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी मिल्क की ज़रूरत पड़ेगी और मिल्क कहाँ से मिलेगा प्रोसेस है लैक्टेशन का ध्यान से सुनेंगे लैक्टेशन का जो प्रोसेस है अगर आप देखें दिस प्रोसेस इंक्लूड लैक्टेशन इंक्लूड दिस प्रोसेस इंक्लूड दो चीजें होती हैं लैक्टेशन में लैक्टेशन में दो चीजें होती हैं एक होता है सिंथेसिस ऑफ मिल्क क्या होती है सिंथेसिस ऑफ मिल्क मिल्क की सिंथेसिस होती है और दूसरा होता है इजेक्शन ऑफ मिल्क इजेक्शन ऑफ मिल्क होता है जिसे कहते हैं लेट डाउन ऑफ मिल्क इसी को कहते हैं लेट डाउन ऑफ मिल्क मिल्क की सिंथेसिस प्रमोट करता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? प्रोलैक्टिन हार्मोन जो कि मदर बॉडी में एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है कहाँ से रिलीज होता है एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज़ होता है ड्यूरिंग एंड आफ्टर प्रेगनेंसी और दूसरा है एक प्लेसेंटल हार्मोन, एक प्लेसेंटल हार्मोन होता है जिसका नाम होता है ये प्रमोट करता है ये भी हेल्प करता है मिल्क सिंथेसिस में जिसे कहते हैं एच पी एल इसे कहते हैं ह्यूमन इसे कहते हैं ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेनिक हार्मोन क्या कहते हैं ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेनिक हार्मोन कहते हैं ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेनिक हार्मोन कहा जाता है इसे कहते हैं प्लेसेंटल लैक्टोजेनिक हार्मोन ये भी मिल्क की सिंथेसिस को प्रमोट करता है तो ये दो हार्मोन होते हैं जो कि मिल्क की सिंथेसिस को प्रमोट करते हैं और यहाँ पे अगर हम बात करें इजेक्शन ऑफ मिल्क के लिए तो याद रखेंगे ऑक्सीटोसिन ऑक्सीटोसिन जिसका सिंथेटिक फॉर्म होता है इसका सिंथेटिक फॉर्म भी होता है डॉक्टरों ने सिंथेटिक मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन भी बना लिया है उसे कहते हैं पाइटोसिन क्या कहते हैं पाइटोसिन ये ऐसे हॉर्मोन्स होते हैं जो मिल्क की ग्लैंड जो मायोइपिथीलिया होती है मिल्क की ग्लैंड में इज द साइट जहां मिल्क स्टोर होती है ये मिल्क इजेक्शन हार्मोन कहा जाता है बाइंड्स विद रिसेप्टर बाइंड्स विद रिसेप्टर लोकेटेड एट लोकेटेड इन इन मैमरी ग्लैंड कहाँ पे मैमरी ग्लैंड पे बाइंड करता है उन रिसेप्टर्स पे जो कि मिल्क इजेक्शन को ये प्रमोट करता है क्या करता है प्रमोट करता है इजेक्शन ऑफ मिल्क को मिल्क इजेक्शन को प्रमोट करता है यह ऑक्सीटोसिन और मिल्क इजेक्शन का प्रोसेस भी एक न्यूरो इंडोक्राइन मैकेनिज्म होता है मिल्क इजेक्शन का प्रोसेस भी एक न्यूरो इंडोक्राइन मैकेनिज्म होता है ध्यान से सुनेंगे अगर मैं आपको बताऊं मिल्क इजेक्शन के प्रोसेस की बात करूं मैं मिल्क इजेक्शन ये कैसे ये भी एक तरीके का रिफ्लेक्स एक्शन है इसे कहते हैं मिल्क इजेक्शन रेफ्लेक्स कहते हैं इसे इस मिल्क इजेक्शन रेफ्लेक्स में जैसे ही एक न्यू बॉर्न वेन अ न्यू बेबी जो न्यू है जिसे हम कहते हैं इनफेंट ये न्यू बॉर्न या इनफेंट जब फीड करता है ब्रेस्ट फीडिंग करता है ब्रेस्ट फीड करता है तो वो क्या करता है सकिंग करता है सकल्स ऑन निपल्स जो निपल्स होते हैं उनके ऊपर अपना माउथ लगा करके सकिंग करता है जब सकिंग करता है निप्पल्स के ऊपर तो वहां से सेंसरी इनपुट जनरेट होता है क्या जनरेट होता है सेंसरी इनपुट जनरेट होता है यहाँ से सेंसरी इनपुट जनरेट होता है ये सेंसरी इनपुट जाता है उस मदर के मदर के ब्रेन के अंदर जाता है सेंसरी इनपुट स्पाइनल कॉर्ड से होता हुआ ध्यान से सुनेंगे स्पाइनल कॉर्ड से होता हुआ ये पहुंचता है ब्रेन में ब्रेन में जाता है हाइपोथैलमस और हाइपोथैलमस से पोस्टीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है ये प्रोसेस और यहाँ पे पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज़ होता है ऑक्सीटोसिन कौन सा हार्मोन ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है और ये ऑक्सीटोसिन बाइंड करता है अपने रिसेप्टर पे जो रिसेप्टर होता है मेमोरी ग्लैंड में उसे कहते हैं मायो एपिथीलियल सेल क्या कहते हैं इसे कहते हैं मायो एपिथिलियल सेल्स ऑफ माओपीथीलियल सेल्स ऑफ मेमोरी ग्लैंड क्या कहते हैं इनको मायो एपीतिलियल सेल्स ऑफ मैमरी ग्लैंड कहते हैं और फिर जब ये मायो एपीथीलियल सेल पे बाइंड करता है तो क्या होता है उन मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है और जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो रिजल्ट होता है इजेक्शन ऑफ मिल्क क्या होता है अब होता है इजेक्शन ऑफ मिल्क तो ये पूरा एक रेफ्लेक्स एक्शन है आप देखो ये है एक रेफ्लेक्स एक्शन मतलब पूरी पूरी कहानी जो है पूरी पूरी कहानी जो है ये न्यू बॉर्न बेबी के इनपुट से शुरू हुई है और इजेक्शन ऑफ मिल्क तक आती है इसीलिए इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं रेफ्लेक्स एक्शन क्या कहते हैं इसीलिए पूरे प्रोसेस को कहते हैं रेफ्लेक्स एक्शन क्या कहते हैं बेटा जी इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं फलेक्स एक्शन रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं <mäßig> <vanilla> बोलो भाई समझ आ गया चाइल्ड बर्थ करा दी लैक्टेशन करा दिया लैक्टेशन करा दिया मिल्क जो प्रोड्यूस होता है बच्चे को नरिश करेगा मिल्क जो होता है उसमें कोलोस्ट्रम पाया जाता है मिल्क जो होता है वो हाईली रिच इन इम्यूनोग्लोबिल्स होता है मिल्क जो होता है वो जो फॉर फ्यू डेज़ फॉर फ्यू डेज़ उस फर्स्ट ब्रेस्ट मिल्क को कहते हैं फर्स्ट ब्रेस्ट मिल्क को कहते हैं कोलोस्ट्रम क्या कहते हैं कोलोस्ट्रम कहते हैं ये कोलोस्ट्रम जो होता है ये रिच होता है रिच इन इम्यूनोग्लोबिल्स क्या होता है ये इसमें न्यूट्रिएंट के साथ साथ इम्यूनोगलोब्यूलिनस पाए जाते हैं इसके अंदर आई जी आई जी ए पाया जाता है इम्योनोग्लोबिल पाया जाता है इसमें न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं ये रिच होता है न्यूट्रिएंट्स में ये रिच होता है न्यूट्रिएंट्स में प्रोटीन्स होती हैं और वाइटमिन होती हैं बट इसमें फैट की अमाउंट लिटिल होती है लिटिल फैट लो फैट एंड आयरन और वाइटमिन सी नहीं होती याद रखेंगे वाइटमिन सी और आयरन जो होती है वाइटमिन सी और आयरन ये दोनों जो होते हैं ऑलमोस्ट नील होते हैं या वेरी लो अमाउंट में होते वेरी लो अमाउंट में होते हैं आयरन और आयरन और वाइटमिन सी इसमें लीस्ट अमाउंट में होते हैं बोलो समझ में आ गया <coughs> बोलो भाई समझ आ गया बोलो समझ में आ गया बच्चों सारी बातें समझ में आ गई कुछ ऐसा जो रह गया हो आप वो भी बता दो क्योंकि आप क्वेश्चन करेंगे और छुट्टी करेंगे क्वेश्चन करेंगे छुट्टी करेंगे ट्विंस देख लो ट्विंस भी देख लो 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 ट्विंस देखो ट्विंस ट्विंस दो तरह के होते हैं मेनली ट्विंस जो होते हैं दो तरह के होते हैं एक होता है जिसे कहते हैं एक होता है जिसे कहते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस मोनोजाइगोटिक ट्विंस होते हैं और एक होते हैं जिसे कहते हैं डाइजाइगोटिक ट्विन्स एक होता है मोनोजाइगोटिक और एक होता है डाइजाइगोटिक ट्विन्स मोनोजाइगोटिक ट्विन्स जो होते हैं एक ही जाइगोट से आते हैं फ्रॉम द सेम जाइगोट वन जाइगोट से डिराइव होते हैं और मोनोजाइगोटिक ट्विन्स को हम आइडेंटिकल ट्विन्स कहते हैं आइडेंटिकल जेनेटिकली बिल्कुल सेम होंगे ये इन्हें कहते हैं आइडेंटिकल ट्विंस सेम जाइगोट से होंगे मतलब इनके लिए ओनली वन स्पर्म केवल एक स्पर्म और एक ओवम चाहिए होगा ओनली वन स्पर्म फ्यूजेज विद वन ओवम होता क्या है डेवलपमेंट के दौरान ये देखें जब एक स्पर्म किसी एक ओवम से फ्यूज करता है जाइगोट बनता है जब एक स्पर्म कोवम एक से फ्यूज करके जाइगोट बनाता है एक स्पर्म कोवम एक से फ्यूज करके जाइगोट बनाता है ये देखो ये बना जाइगोट अब जब ये जाइगोट जब डिवीजन करता है ध्यान से सुने ये जाइगोट जब डिवीजन करता है तो जब इम्प्लांटेशन का टाइम आता है एट द टाइम ऑफ इंप्लांटेशन इम्प्लांटेशन का टाइम अगर ये स्प्लिट कर जाए दो एम्ब्रियो में अगर ये दो पार्ट में स्प्लिट कर जाए ये देखो एट द टाइम ऑफ इम्प्लांटेशन अगर ये दो पार्ट में स्प्लिट कर जाता है एम्ब्रियो अगर ये दो पार्ट में स्प्लिट कर जाता है तो ये दोनों के दोनों एम्ब्रियो डेवलप हो जाते हैं बोथ डेवलप बोथ कैन डेवलप इंटू कंप्लीट बॉडी और इसीलिए ये जेनेटिकली बिल्कुल सेम होते हैं जेनेटिकली बिल्कुल सेम होते हैं अगर लड़के हैं तो दोनों लड़के होंगे इट मे भी बोथ में भी कह रहे हैं दोनों अगर होंगे तो बोत बॉयज होंगे या तो बोत बॉयज होंगे या दोनों की दोनों गर्ल्स होंगी बोथ बॉयज या बोथ गर्ल्स बट जेनेटिकली सेम होते हैं बोथ आर जेनेटिकली जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं दोनों जेनेटिकली सिमिलर होते हैं कैसे होते हैं ये जेनेटिकली आइडेंटिकल या जेनेटिकली सेम होते हैं लेकिन वही डाइजाइगोटिक की बात करूं तो डाइजाइगोटिक होते हैं इन्हें कहते हैं फ्रेटरनल ट्विंस इन्हें फ्रेटरनल ट्विंस कहा जाता है और ये जो फ्रेटरनल ट्विंस होते हैं यहां टू जाइगोट्स फॉर्म होते हैं टू जाइगोट्स आर फॉर्मड दो जाइगोट बनेंगे और ये जो दो जाइगोट बनते हैं इसके लिए दो अलग अलग स्पर्म चाहिए दो अलग अलग ओवम चाहिए ये देखो ये एक फर्टिलाइजेशन ये एक फर्टिलाइजेशन और ये दूसरा फर्टिलाइजेशन मतलब दो अलग अलग जाइगोट बनते हैं इस प्रोसेस के दौरान इस प्रोसेस के दौरान दो अलग अलग जाइगोट बनते हैं एक जाइगोट ये एक जाइगोट ये और ये दोनों अलग अलग एम्ब्रियो डेवलप करते हैं डिफरेंट एम्ब्रियो बनाते हैं ये दोनों बॉयज हो सकते हैं ये दोनों गर्ल्स हो सकती हैं ये एक बॉय और एक गर्ल हो सकती है या एक गर्ल और ये बॉय हो सकता है आप देखें करे ये जेनेटिकली बिल्कुल डिफरेंट होंगे ये वाले जेनेटिकली टोटली डिफरेंट होते हैं जेनेटिकली टोटली डिफरेंट होंगे ये वाले जो होंगे ये जेनेटिकली टोटल डिफरेंट होंगे लड़का होगा तो दोनों हो सकता है दोनों बॉयज हो, हो सकता है दोनों गर्ल्स हो, हो, हो सकता है एक लड़का एक लड़की हो हो सकता है एक लड़की एक लड़का हो मतलब ये दोनों के दोनों जेनेटिकली डिफरेंट होंगे जेनेटिकली डिफरेंट होंगे ये और इसके लिए कम इसके लिए दो स्पर्म इसके लिए इसके लिए टू स्पर्म्स आर रिक्वायर्ड एंड टू ओवम इज रिक्वायर्ड जब दो अलग अलग स्पर्म और दो अलग अलग, अलग ओवम का फ्यूजन होता है एक स्पर्म एक ओवम को दूसरा स्पर्म दूसरे ओवम को तो ऐसी कंडीशन में ऐसी कंडीशन में यह बनता है डाइजाइगोटिक ट्विंस डाइजाइगोटिक ट्विंस का मतलब समझ में आ गया <coughs> बोलो डाइजाइगोटिक ट्विंस ट्विंस क्या होते हैं समझ में आ गया बच्चों डाइजाइगोटिक ट्विन्स क्या होते हैं समझ में आ गया तो खत्म करें हो गया कंप्लीट हो गया सब खत्म हो गया सब खत्म हो गया सब खत्म हो गया हो गया सब खत्म हो गया लॉन्गेस्ट लेक्चर ऑफ द वीक था बेटा लॉन्गेस्ट ठीक था लेकिन हमने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं छोड़ी है जो आपके काम की हो सब कुछ बता दिया क्वेश्चन भी करा दिया एक एक चीज पढ़ाई है एनसीईआरटी की बातों को भी बता दिया है और एक्सप्लेन भी कर दिया है क्वेश्चन भी करा दिया डायग्राम भी पढ़ाया सब कुछ पढ़ाया कुछ छोड़ा नहीं है आपके लिए आपके लिए कुछ नहीं छोड़ा है बच्चों क्वेश्चन कर लीजिए जरा जाते जाते फटाफट से क्वेश्चन कर लेते हैं क्वेश्चन करोगे क्वेश्चन कर लेंगे फटाफट से हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन कर लेंगे बहुत सारे सवाल हैं उनको फटाफट से कर ले छुट्टी होने वाली है छुट्टी होने वाली जल्दी से कर ले फर्स्ट मूवमेंट ऑफ़ द फीटस एंड अपियरेंस ऑफ हेयर ऑन द हेड इज़ यूजली ऑब्जर्व ड्यूरिंग विच मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी तो प्रेगनेंसी के कौन से महीने में कौन से महीने में कौन से महीने में फिफ्थ मंथ में ये सारा खेला होता है फिफ्थ मंथ में आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा रिलैक्सिंग हार्मोन इज सीक्रेटेड बाई रिलैक्सिंग हार्मोन कौन सीक्रेट करता है रिलैक्सिंग सीक्रेट करती है ओवरी लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी में लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी में हो जाएगी डन हो जाएगा खेला टू हो जाएगा आंसर टू हो जाएगा आंसर हो जाएगा टू बाई द एंड ऑफ अबाउट हाउ मेनी वीक्स बॉडी इज कवर्ड विद फाइन हेयर्स आई लिड्स सेपरेट ये हो जाएंगे आपके ट्वेंटी फोर वीक्स में ट्वेंटी फोर वीक्स मतलब सिक्स मंथ्स पूरे हो रहे हैं तो ट्वेंटी फोर वीक्स हो जाएगा बेटा जी आंसर बना लेंगे सेकंड ऑप्शन सेकंड ऑप्शन बी ऑप्शन फटाक से अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्रेट द हार्मोन रिलैक्सिंग ड्यूरिंग लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी तो लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी में कॉर्पस ल्यूटियम होता है जो ओवरी से प्रोड्यूस करता है ओवरी इज सोर्स ऑफ रिलैक्स ड्यूरिंग लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी आंसर बनेगा फर्स्ट ऑप्शन आंसर फर्स्ट ऑप्शन नीट 2021 का सवाल है ये नीट 2021 का क्वेश्चन है इन ह्यूमन बीइंग्स एट द एंड ऑफ 12 वीक्स फर्स्ट ट्राइमेस्टर होगा प्रेगनेंसी के बाद तो 12 वीक्स के बाद क्या होगा 12 वीक्स के बाद मम्मा मम्मा की बॉडी के अंदर मेजर ऑर्गन सिस्टम डेवलप हो जाएंगे एक्सटर्नल जेनाइटेलिया भी बन जाएगा क्या बन जाएगा एक्सटर्नल जेनाइटल्स भी वेल well डेवलप्ड कर जाएंगे पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा आंसर बनाएंगे फर्स्ट ऑप्शन आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन हार्मोन सीग्रेटेड बाय प्लेसेंटा टू मेंटेन प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी को मेंटेन करने वाले हॉर्मोन्स कौन से मैंने बताया था एच एच पीई एच एच पीई एच एच ये प्लेसेंटल हॉर्मोन्स होते हैं, ये प्लेसेंटा से सीक्रेट होने वाले हॉर्मोन है आंसर बनेगा थर्ड ऑप्शन सी ऑप्शन बनेगा थर्ड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट अगला सवाल है सेवरल हॉर्मोन्स लाइक एच सी जी एचपीएल एस्ट्रोजन प्रोजेस्टरॉन आर प्रोड्यूस्ड बाई अगेन वही सेम क्वेश्चन हो गया प्लेसेंटा हो गया देखो घुमा फिरा के बात वही आ रही है कुछ बच्चों को ये डाउट होता है कि सवाल क्या रिपीट होते हैं कि नहीं क्या सवाल रिपीट भी होते हैं ये देख लो किसी न किसी तरीके से कह रहे ए को घुमा के कह रहे पहले ए को ऐसे पूछेगा बी के फॉर्म में फिर घुमा के पूछेगा बी को ए के फॉर्म में मतलब ऐसे क्वेश्चन रिपीट घूम फिर के कहीं ना कहीं हो जाते हैं अगला सवाल पूछता है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन डिस्क्राइबिंग गोनेडोट्रॉपिन एक्टिविटी इन नॉर्मल प्रेग्नेंट फीमेल नॉर्मल प्रेग्नेंट फीमेल में गोनेडोट्रॉपिन एक्टिविटी की बात की जा रही है हाई लेवल ऑफ एच सी जी स्टीमुलेट थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम हाई लेवल ऑफ एफ एस एच एस एच एल एच मेंटेन थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम हाई लेवल ऑफ एफ एस एच एल एच इम्प्लांटेशन हाई लेवल ऑफ एच सी जी स्टिमुलेट द सिंथेसिस ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन तो यहां पे देखेंगे हाई लेवल ऑफ एससीजी स्टिमुलेट सिंथेसिस ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टर फोर्थ ऑप्शन जो होगा ये एस्ट्रोजन और के सिंथेसिस से रिलेटेड होगा और प्रोजेस्टेरोन मेंटेन करेगा प्रेगनेंसी को क्या करेगा ये मेंटेन करेगा प्रेगनेंसी को ये मेंटेन करेगा प्रेगनेंसी को. को तो आंसर बना लेंगे कौन सा ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन बनाएंगे करेक्ट हो जाएगा <coughs> फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अगला सवाल देखें विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ इनिशिएशन ऑफ पार्चुरेशन पार्चुरेशन को कौन नहीं इनिशिएट करता है आप देखेंगे प्रोस्टाग्लैंडिन होती है रिलीज ऑफ ऑक्सिटोसिन होता है प्रोलैक्टिन मिल्क के लिए होता है ध्यान रखेंगे ये प्रमोट करता है मिल्क सिंथेसिस को किसको प्रमोट करता है मिल्क सिंथेसिस को प्रमोट करता है तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा प्रोलैक्टिन वाला ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा आंसर बनाएंगे थर्ड ऑप्शन आंसर थर्ड ऑप्शन अगला होगा सिग्नल्स फॉर ऑनसेट ऑफ पार्चूरिशन पार्च्यन को इनिशिएट करने के लिए फुल टर्म फीटस एंड प्लेसेंटा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ऑप्शन बहुत आसान है आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन सेकंड ऑप्शन गले की बच गई बैंड भाई गले की बच गई बैंड अब क्या होगा अब क्या होगा बाबू अब क्या होगा कह रहे मिसलेनियस क्वेश्चन नीट 2020 का सवाल नीट 2020 का सवाल प्लेसेंटा प्लेसेंटा सीक्रेट एच सी जी क्यू जोना पेल्यूसिडा ओवम बल्बो यूरे ग्लैंड लुब्रिकेशन ऑफ द सेल एंड्रोजन प्रोड्यूस करती है तो D का P चला गया C का S चला गया A का Q हो गया ए क्यू हो गया बी आर हो गया सी एस हो गया D का P हो गया तो डी पी लगा लिया D का P लगा लिया आंसर बनाया थर्ड ऑप्शन आंसर बनाया थर्ड ऑप्शन बिल्कुल बेहतरीन ऑप्शन बहुत आसान अगला सवाल इनकरेक्ट मैच वजाइना कॉपुलेशन कैनाल है सही है मेमोरी लोब में पंद्रह से बीस होते मेमोरी ग्लैंड में सही है एक्सियल फिलामेंट ओनली इन द टेल बोला है रॉन्ग होता है हमने पढ़ा था एक्सियल फिलामेंट जो होता है स्पर्म के नेक से शुरू होता है नेक से शुरू होता है और टेल तक फैला हुआ होता है ये देखें <coughs> यहां तक हमने पढ़ा था कि टेल में स्पर्म के ये स्ट्रक्चर एक्सियल फिलामेंट होता है एक्सियल फिलामेंट एक्सियल फिलामेंट जो होता है वो यहां इस सेंट्रियोल से शुरू होता है नेक से शुरू होता है इसे कहते हैं डिस्टल सेंट्रियोल क्या कहते हैं इसे कहते हैं डिस्टल सेंट्रियोल और यहां से एक्सियल फिलामेंट ओरिजिनेट होता है तो यहां पे आप देखेंगे रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा इनकरेक्ट थर्ड ऑप्शन इनकरेक्ट होगा थर्ड ऑप्शन थर्ड विल बी इनकरेक्ट बिल्कुल सही जवाब अ टेम्प्री एंडोक्राइन ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी ह्यूमन बॉडी में जो टेम्प्ररी एंडोक्राइन ग्लैंड है वो कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड है पीनियल ग्लैंड नहीं है कॉर्पस कार्डिया का नहीं है अलाटा नहीं है कॉर्पस ल्यूटियम को टेम्प्ररी एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं यह कार्डिया का और अलाटा कॉकरोच में पाई जाती है कॉकरोच में पाई जाने वाली एंडोक्राइन ग्लैंड होती है जिसे कहते हैं कॉर्पोरा कार्डिया का और कॉर्पस एलाटा कहते हैं आंसर बनेगा थर्ड ऑप्शन ह्यूमन में टेम्प्ररी एंडोक्राइन ग्लैंड एमनियन ऑफ द मैमिलियन एम्ब्रियो ये आया था नीट में आउट ऑफ द एनसीआरटी क्वेश्चन था आउट ऑफ द एनसीईआरटी क्वेश्चन था एनसीईआरटी में नहीं है ये आउट ऑफ एन सी ई आर टी था लेकिन याद कर लो एम नियन जो होती है ये मीजो एक्टोडर्मल होती है कैसी होती है मीजो प्लस एक्टोडर्म से बनी होती है कोरियोन जो होती है वो होती है एक्ट टो तो प्लस मीजोडर्म से बनी होती है और योक सैक जो होती है योक सैक एंड एलन टॉयस योक सैक एंड एल जो होती है वो जो होती है वो होती है मीजो प्लस एंडो मीज़ो प्लस एंडोडर्म की बनी होती है ये दो की दोनों जो होती है वो मीज़ो एंडो की बनी होती है ये चीज़ आप याद कर सकते हो नीट में एनसीईआरटी से बाहर के भी सवाल पूछे जा सकते हैं पूछे जा चुके हैं इस चैप्टर से इसीलिए कुछ टॉपिक में मैंने आपको एनसीईआरटी के थोड़ी थोड़ी बातें बाहर की भी बता दी हैं जहां ज़रूरत पड़ी है वहां पर एनसीआर के बाहर जाके थोड़ी थोड़ी बातें बता दी हैं जहां जरूरत पड़ी है वहां पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ेंगे क्योंकि नीट में क्वेश्चन कहां से आएगा इन सारे टॉपिक्स में कुछ टॉपिक्स में कहीं कहीं बाहर चला जाता है एन का पेपर नीट का पेपर तो ध्यान रखेंगे आंसर बनेगा मीजोडर्म प्लस एक्टोडर्म जहां भी होगा वो आंसर बन जाएगा एक्टो मीजो कहें या मीजो एक्टो कहें यहां पे आंसर वन बन जाएगा आंसर वन विल बी करेक्ट वन विल बी करेक्ट वन विल बी करेक्ट वन विल बी करेक्ट ये देखें मोन्स प्यूबिस जो होता है फीमेल की एक्सटर्नल जेनेटिलिया एंट्रम जो होता है वो ग्रेफियन फॉलिकल में होगा ट्रोफो एक्टोडर्म जो होगा वो एम्ब्रियो में होगा नेबन कर्म जो होगा वो स्पर्म का पार्ट होगा तो ए फॉर एप्पल ए फॉर आर ए से आर को मिलाएंगे ए से आर को मिलाएंगे बी को एस से मिलाएंगे सी को पी से मिलाएंगे आर एस पी आर एस पी आर एस पी आंसर बनेगा फोर्थ ऑप्शन आंसर बनाएंगे फोर्थ ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन बनेगा एफ एस एच स्टिम्युलेट सरटोली सेल्स परमियोजेनेसिस एल एच ट्रिगर्स ओव्यूलेशन इन ओवरी एल एच एफ एस एच ग्रेजुअली डिक्रीज ड्यूरिंग फॉलिकुलर फेज रॉन्ग इंक्रीज हो जाएगा ये ये इंक्रीज हो जाएगा डिक्रीज नहीं होगा दे विल इनक्रीज तो आंसर बन जाएगा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल बेहतरीन जीएनआरएच की फल्स फ्रीक्वेंसी जो जीएनआरएच है गोनाइडोट्रॉपिन रिलीजिंग हार्मोन जो होता है जीएनआरएच जो हाइपोथैलमस से रिलीज होता है कह रहे इसकी फ्रीक्वेंसी कौन चेंज करता है तो याद रखेंगे इट इज मेंटेन्ड बाय सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन जब हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन होगा जब हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन होगा तो ये दोनों मिल करके क्या करेंगे दे विल गिव नेगेटिव फीडबैक क्या करते हैं ये नेगेटिव फीडबैक देते हैं टू जी एन आर एच ये जी एन आर एच को नेगेटिव फीडबैक देते हैं और इसी वजह से इसी वजह से दस एफ एस एच और एल एच भी डिक्रीज कर जाते हैं एफ एस एच एल एच का लेवल भी डिक्रीज कर जाता है तो याद रखेंगे इसका आंसर बनेगा फर्स्ट ऑप्शन बेहतरीन ऑप्शन च ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन हेल्प इन रिलैक्सेशन ऑफ प्यूबिक सिंफाइसिस ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ चाइल्ड बर्थ में प्यूबिक सिंफाइसिस को रिलैक्स करने के लिए रिलैक्सिन आता है नाम से ही समझ में आता है ये रिलैक्स करता है आंसर बनाएंगे फोर्थ ऑप्शन ह्यूमन अडल्ट फीमेल्स में ऑग्जिटोसिन स्टिम्युलेट पिट्यूटरी टू सीक्रीट वैसोप्रेसिन कॉज स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रेक्शन ड्यूरिंग पार्चुरेशन आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन बेहतरीन ऑप्शन इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑक्सीटोसिन का कॉन्ट्रैक्शन जो कि पार्चुरेशन में हेल्प करता है किस में हेल्प करता है पार्चुरेशन में हेल्प करता है हो हाउ मेनी एग्स एंड स्पर्म्स आर रिक्वायर्ड फॉर फ्रेटरनल ट्विन ये देखो आ गया सवाल ये फ्रेटरनल ट्विन वाला सवाल आ गया मैंने बताया था फ्रेटरनल ट्विन को डाइजाइगोटिक ट्विन कहते हैं डाइजाइगोटिक ट्विंस कहते हैं फ्रेटरनल ट्विंस को तो इसके लिए दो जाइगोट बनेंगे दो ओवम होगा तो दो स्पर्म भी होगा दो ओवम होगा तो दो स्पर्म भी होगा दो जाइगोट बनेंगे तो टू स्पर्म टू ओवम टू एग एंड टू स्पर्म विल बी करेक्ट टू एग एंड टू स्पर्म विल बी करेक्ट आंसर बनाएंगे फोर्थ ऑप्शन क्या बनाएंगे फोर्थ ऑप्शन खत्म खत्म टाटा बाय बाय खत्म टाटा बाय बाय अब आपका जो होमवर्क है बेटा जी उसकी बात आती है होमवर्क की बात आती है और होमवर्क केवल एक ही है एन सी आर टी को बार बार पढ़ना है और क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं जो प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए गए हैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए जो दिए गए हैं डीपीपी दी गई है आपको उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लें डीपीपी दी गई है उससे प्रैक्टिस कर लें एनसीईआरटी में आपको जो क्वेश्चन एनसीईआरटी पढ़नी है रीड एनसीईआरटी एनसीईआरटी को रीड कर लेना एक बार फटाफट से एक बार गोत्रु कर लें ऊपर नीचे सब देख डालें एक बार ऊपर नीचे सब कुछ एक बार थोड़ा देख डालें एक बार फिर से देख डालें कि क्या कुछ ऐसा था जो छूटा है Dakar, क्या कोई ऐसी चीज़ थी जो हमने डिस्कस नहीं की है क्या कोई ऐसी बात थी जो हमने डिस्कस नहीं की है क्या कोई ऐसी चीज़ थी जो हमने डिस्कस नहीं की है हमने हर बात डिस्कस की है हर पॉइंट डिस्कस किया है एनसीईआरटी की हर बातें डिस्कस की है हर पॉइंट डिस्कस किया है मैंने आपको पहले भी बता दिया मैंने आपको पहले भी बोल दिया आपके साथ हम खड़े हैं हर मोमेंट पे खड़े हैं हमारी कोशिश पूरी रहेगी आपके साथ हां नो डाउट कि ये टॉपिक लंबा था नो no डाउट इस टॉपिक में बहुत सारी चीजें थी बहुत सारी बातें पढ़ने की थी यहां पे, लेकिन 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 यहाँ पे बहुत सारी बातें हमें पढ़ने को थी लेकिन हमने कोई भी बात छोड़ी नहीं है हर टॉपिक डिस्कस किया है आपके फायदे के लिए है जब आपको टाइम मिले आप एनसीईआरटी से एक बार रिवाइज कर लेना कल परसों जब भी टाइम मिले एक बार रिवाइज कर लेना और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिए हैं उन्हें जरूर लगा लेना ठीक है जी विदा लेते हैं जाने का समय हो गया है गले की बन चुकी है पूरी बैंड लेकिन अभी भी एनर्जी अंदर से जोश कम नहीं है मेरा मेरा जोश कम नहीं है क्योंकि नीट 2024 तक आपके साथ मुझे ऐसे ही रहना है नीट 2024 का एग्जाम देकर के जब आप जब तक आप क्रैक करके नहीं आ जाते तब तक हम आपके साथ बने रहेंगे कुछ बच्चे पूछ रहे हैं प्रोस्टा ग्लैंड बता दो बेटा प्रोस्टा ग्लैंड सेमिनल वेसिकल से रिलीज होती है और वो जहां भी जाती है कॉन्ट्रेक्टिलिटी को प्रमोट करती है प्रोस्टाग्लैंड कॉन्ट्रैक्टिलिटी को प्रमोट करती है जहाँ भी रहेगी मेल्स में रहेगी तो मेल्स की वॉल में स्पर्म को स्विफ्ट मूवमेंट में हेल्प करेगी फीमेल बॉडी में जाएगी तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टिलिटी में हेल्प करेगी प्रोस्टाग्लैंड जहाँ 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 भी रहेगी वहाँ 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 वहां, वहां 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 पे वो कॉन्ट्रैक्टिलिटी में हेल्प करती है ठीक है जी तो खत्म हो चुका है खेला आज का आज की क्लास खत्म हो चुकी है जाने का समय हो चुका है और एक ही बात है जाते जाते कि भाई साहब आपकी मेहनत बेकार नहीं होगी आप मेहनत करते रहें मेहनत बेकार नहीं होगी कोशिश आप करते रहें आपकी कोशिश बेकार नहीं होगी खूब मन लगा के पढ़ें खूब दिल लगा के पढ़ें आपके टीचर्स आपके साथ नीट 2024 क्रैक करने तक और क्रैक करने के बाद पार्टी सेलिब्रेशन तक आपके साथ खड़े हैं। थैंक यू सो मच मिलते हैं अगली क्लास में अगली क्लास में छोटे से चैप्टर के साथ मुलाकात होगी ये तो बहुत बड़ा चैप्टर था बहुत सारे कंसेप्ट थे बहुत सारी बातें थी इसलिए थोड़ा टाइम भी लिया थोड़ा टाइम भी लगा बहुत सारे बातें भी हमने करी अगली क्लास को बहुत ही टू द पॉइंट एनसीआरटी से डिस्कस करने के लिए फिर मुलाकात होगी पढ़ते रहें मिलते हैं गुड नाइट शबा खैर थैंक यू